What's up, my VCNs? क्या हाल चाल? This is your Sakshi ma'am and बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे हर VCN का एक प्यारे से सेशन के अंदर जिसका नाम है बुलंद सो so, आज हम अपना हौसला बुलंद करने वाले हैं और ये हौसला बुलंद होगा हमारी बुलंद तैयारी के साथ यस yes, मेरी आवाज आ रही है ऑल ऑफ यू कैन हियर मी सो वेलकम टू द सेशन आज आपके साथ एक वन शॉट लेने वाली हूँ भाई साथ, भाई भाई साहब 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 क्या मतलब बस 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 तगड़ी एनर्जी है मैम की है ना मैम की तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है तुम्हारी मुझे पता नहीं वो एनर्जी मुझे चैट्स में दिख जानी चाहिए मैम लेट हो गई है मैं मानती हूँ एंड आई एम सो सॉरी फॉर द सेम आज की जब तुम स्लाइड्स देखोगे ना मतलब मैं लास्ट पंद्रह मिनट से स्लाइड्स को यहाँ पर डाउनलोड करके मतलब पूरा अरेंज कर रही थी दो प्लस स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पा रही थी इसीलिए मुझे टाइम लग गया सो नाउ एवरीथिंग इज़ ओके देखो मुझे नहीं पता कल तुम्हें रात को नींद आई है या नहीं आई बट मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि मैं पूरी रात बैठ कर आप लोगों के लिए आ, ये स्लाइड्स बना रही थी कल रात को आ, नौ बजे के अराउंड हम घर गए थे ठीक है उसके बाद मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए एकदम मतलब सब कुछ नए तरीके से एकदम फ्रेश काम किया जाए और मैं रात को मतलब सुबह तीन चार बजे मैं सोई हूँ ठीक है तब तक मैं आप लोग के लिए स्लाइड्स वगैरह सारी मतलब आज आप जो डिस्कशन देखने वाले हो आपका मतलब आपको बहुत प्यारा लगने वाला है तो मेरे पास कल भी रात को बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम हमारी इनऑर्गेनिक बिल्कुल ख़राब है हमने बेसिक से नहीं पढ़ रखा या कई बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे हैं कि हमने मैम सीबीएसई लेवल का पढ़ रखा है बट हमें जेई लेवल की आइडिया नहीं है तो क्या ये वन शॉट हम देख सकते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे जितने भी बच्चे हैं जो इस साल जय के फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं वो सारे बच्चे इस वन शॉट को जरूर देखेंगे कोई नीट वाला है वो भी जरूर देखेगा क्योंकि आज हम हर वो चीज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे जेई मेन्स के पेपर में आने की उम्मीद रखती है ठीक है सो बिना ज्यादा बातें करे लेटेस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड भगवान का नाम ले लो ठीक है और एक बार मुझे चैट्स चैट्स में बुलंद में बुलंद तैयारी ठीक है ये हमारी एकदम फ्लड हो जाना चाहिए और आज मैम के बिना कहे हार्ट्स वगैरह आते जाने चाहिए मैं मान के आ रही हूँ कि भाई तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है लंच मेरे साथ होगा डिनर तुम पे डिपेंड करता है ठीक है अगर रात नौ बजे तक सेशन चलेगा तो डिनर तुम्हारे साथ होगा नहीं तो शाम के समोसे चाय समोसा तुम्हारे साथ हो जाएगा ठीक है समोसा पार्टी तुम्हारे साथ होगी सो so, भगवान का नाम ले लीजिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सेशन ऑफ दिस चैनल विच इज बुलंद वन शॉट। आज हम कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं एक और चीज बता देती हूँ बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द सेशन जो भी बच्चा इस सेशन को शुरू से लेके अंत तक देखेगा मैं पहले ही बता देती हूँ दिस इज नॉट एन ईजी कप ऑफ मतलब इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरी स्टार्टिंग में बहुत बच्चे फॉलो करेंगे धीरे धीरे बच्चे छंटते जाएंगे ठीक है लास्ट तक कुछ गिने चुने बच्चे रह जाएंगे मैं तुम्हें अभी से कह देती हूँ जिस बच्चे ने अभी बारह बज के बारह मिनट हो रखे जिस बच्चे ने अभी सेशन देखना स्टार्ट किया और अगर आप मेरे साथ लास्ट तक रहे मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बार जेई मेन्स के पेपर में इनऑर्गेनिक का अगर कोई भी सवाल आएगा ठीक है आपको पता है आठ से नौ सवाल आएंगे तो नौ सवालों में से मेरे बच्चों से आठ सवाल बन जाएंगे इस बात की गारंटी मैं ले सकती हूँ ठीक है मगर सेशन को पूरा देखना जरूरी है ये नहीं कि बीच में गए थे है ना वॉशरूम और पता चला वॉशरूम के बाद पता पता नहीं मंडराने चले गए और पता चला सेशन बीच में छूट गया ऐसा नहीं करना ब्रेक मिलेगी बीच में सेशन लंबा चौड़ा होगा अच्छा सा सेशन होगा हर चीज कराऊंगी मगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए ठीक है चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं छे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराने वाली हूं सबसे पहला चैप्टर है प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज देन वी हैव केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमारे पास है देखो वैसे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी है हमारे पास कॉर्डिनेशन है और क्वालिटेटिव एनालिसिस ये छह चैप्टर्स एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट कर देते हैं और एक बात बता देती हूँ जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा मैं टेस्ट लेने वाली हूँ एक चैप्टर खत्म होगा प्रियोडिक चैप्टर जैसे ही खत्म होगा एक टेस्ट होगा तो सब बच्चे टेस्ट में आंसर सही करेंगे ये नहीं की मैम पढ़ाई जा रही है और तुम सुन के यहां से निकाल रहे हो समझ के पढ़ना ठीक है चलिए सो so, प्रियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में सबसे पहले एक बार मथा टेक लो ये है हमारी प्रियोडिक टेबल आपको प्रियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स की सीक्वेंस पता होनी चाहिए है ली ना की रूबी कैसल से फरार ग्रुप नंबर वन मेटल्स बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए ग्रुप नंबर टू जिनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं फिर ग्रुप नंबर थर्टीन आता है जिसको बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं सबसे ऊपर वाले एलिमेंट के नाम से जानते हैं बाल और गाल करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल फिर ग्रुप नंबर फोर्टीन कार्बन फैमिली कैसी गई सन्यास लेने पहुंची पब में फिर नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर्सेनिक सब भारत से पीछे ओ स से टेपो फिर कल बारात आएगी एट दिस पर्टिकुलर वेन्यू आगे देखिए हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन कई बच्चों को ये रेडॉन और ये रेडियम इन दोनों में कंफ्यूजन होती है कृपया करके कंफ्यूजन दूर कर लीजिए रेडॉन कहाँ आता है पता होना चाहिए रेडियम कहाँ आता है पता होना चाहिए आगे देखिए ये थे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये थे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये जो लास्ट वाले होते हैं इनको हम नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं एस ब्लॉक वाले जनरली हमारे मेटल्स होते हैं पी ब्लॉक के अंदर हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएगा सही बात है और जब आप एक ट्रांजिशन देखेंगे मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तक इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बोलेंगे पढ़ेंगे जब मैं एलिमेंट्स अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि जो बीच वाले हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं मेरी बात दो मिनट के लिए और सुन लो हो सकता है स्टार्टिंग में किसी को ये लग रहा होगा कि मैम दिस इज टू सिंपल हमें ये आता है मैंने बोला कि कल मैंने नौ साढ़े नौ बजे आपकी फाइल बनानी शुरू करी दो सौ से ज़्यादा मेरे पास स्लाइड्स हैं जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी और जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलूँगी वो सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट हैं कि वहाँ से पेपर में सवाल बनेगा बहुत बेसिक नहीं सिखाऊंगी बहुत हाई लेवल एडवांस का नहीं सिखा रही मैं सिर्फ उतना सिखा रही हूँ जिसको पढ़कर मेन्स के सवाल बन जाएंगे दोबारा बोल रही हूँ नौ सवाल अगर पेपर में इनऑर्गेनिक के आएंगे लगभग लगभग देखो तीस सवाल आने हैं तो लगभग लगभग दस 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 सवाल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के आएंगे मैं मान के चल रही हूँ नौ सवाल इनऑर्गेनिक के आएंगे आठ सवाल हो जाएंगे इस बात की गारंटी मेरी है पेपर के दिन जब पेपर देकर ना नीचे आके वीडियो के आ, नीचे आके लिख देना कि हाँ आए थे या नहीं आए थे वो तुम जो भी तुम्हें लगेगा वीडियो के नीचे आके लिख देना सही बोल रही हूँ मैं मगर इस दौरान तुम्हें ना तो मेरे पे वो होना चाहिए कि पता नहीं मैम सही पढ़ा रही है या नहीं जिसको विश्वास है ना वही बच्चा सेशन अटेंड करे जिसको रत्ती भर भी डाउट है ना कि पता नहीं मैम बहुत सिंपल पढ़ा रही है हमें नहीं करना मुझे चैट में स्पैम नहीं चाहिए तुम चले जाना ठीक है तुम्हें सेशन नहीं पसंद आ रहा तुम मत अटेंड करना मगर अगर सेशन अटेंड करना है तो एक विश्वास के साथ करना है मैं तुम्हारे से सात घंटे सिर्फ विश्वास के मांग रही हूँ विश्वास रख के पढ़ाई कर लेना मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगी दिस इज माई प्रॉमिस ठीक है विश्वास नहीं करोगे तो भाई मैं हाथ खड़े कर लेती हूँ मेरे बस की बात नहीं है ठीक है सामने देखिए ये देखो तो जो बीच वाले होते हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं पुराने जमाने में इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया था क्योंकि एक ट्रांजिशन शो करते थे फ्रॉम मेटेलिक नेचर टू नॉन मेटेलिक नेचर यहां पर हमारे थ्री सीरीज भरनी चालू हो जाती है सामने देखो यहां पर क्या होता है मेरे पास थ्री सीरीज भरनी चालू हो जाती है तो इसको बोलते हैं थ्री डी सीरीज थ्री डी सीरीज एलिमेंट सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयन कोबाल्ट, निकल कॉपर जिंक अब तुम्हें लगता है कि फोर डी सीरीज के एलिमेंट ना रटे हो तो काम चल जाएगा काम नहीं चलेगा 2023 के पेपर के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जहां उन्होंने आर यू जहां उन्होंने एन बी इनके बारे में सवाल पूछे हैं तो एटॉमिक नंबर ना पता हो पोजीशन पता होनी जरूरी है यार जरा नॉन बॉन्डिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी को देखो रूह राह पढ़ आगे कड़े हैं यार जरा नॉन बॉन्डिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी को देखो रू पर आगे कड़े हैं फिर है लेंथनम लेंथनम का एटॉमिक नंबर सबको लिख देना चार्ट में 57 लेंथनम का एटॉमिक नंबर आना चाहिए 57 ला हफ्ता वरे उस इर पिटेगा और एच पे जाना पड़ेगा ला हफ्ता हफ्ता निकाल वरे उस इर पिटेगा और एच पे जाना पड़ेगा आगे देखिए एक्टिनियम फिफ्टी सेवन के नीचे आएगा एक्टिनियम एसी एसी में बैठा रदर फोर्ड डूब गया सागर में ए सी चला के बैठा था रदर फोर्ड डूब गया सागर में भाई हस मत दस रंगोली बना कोने में कोने में जाके दस रंगोली बना ले बस हंसना नहीं किसी के ऊपर बात खत्म है चमक गया आगे देखिए ये फिफ्टी सेवन था लेंथेनम इसके बाद एफ ऑर्बिटल भरना शुरू होता है इसके बाद क्या होता है एफ ऑर्बिटल भरना शुरू तो हम ये चौदह एलिमेंट्स को अलग से नीचे लिख देते हैं इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं जो लेंटेनम के बाद आए उनको बोलते हैं लेंटेनोइड्स जो एक्टिनियम के बाद आए इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स चमका लेंटेनोइड्स इसका एटॉमिक नंबर है 58 देखो सीरियम, सी, इसका बहुत सवाल पूछे गए पर नाड़ी पिमसिम के पेपर में ये पता नहीं के यूं गड़ी, पता नहीं, मैंने, जब मैं इलेवें ट्वेल्थ में थी तब मैंने ये निमोनिक बनाया था क्योंकि मेरे टीचर ने नहीं सिखाया था तो उन्होंने कहा ये तो जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर जब मैं जेई के सवाल करती थी तो मुझे समझ आया कि नहीं इनकी जरूरत तो पड़ती है तो मैंने बैठ के एक दिन निमोनिक बनाई सिर पर नाड़ी पिमसिम के यूं गड़ी तब दिए होंगे इंजीनियर तुमने यंग भास्कर के लुटेरे सिर पर नाड़ी पिमसिम के यूं गड़ी तब दिए होंगे इंजीनियर तुमने यंग भास्कर के लुटेरे ये देखो थापड़ यूनिवर्सिटी में नप्पू गया एक लड़का था नप्पू उसका एडमिशन हुआ थापड़ यूनिवर्सिटी में बेचारा का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं थापड़ यूनिवर्सिटी में नप्पू गया अम कम बिके कैफे में ऐश फरमाते मॉडर्न नंबर के लड़के कैफे में ऐश फरमाते मॉडर्न नंबर के लड़के मैंने पूरी प्रियोडिक टेबल के सारे निमोनिक तुम्हें एक एक करके समझा दिए मुझे पता है कई बच्चों को निमोनिक्स आती हैं जिनको नहीं आती प्लीज़ निमोनिक सीख लेना क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा वो पूछेगा अभी कल ही मैं अपने मॉक टेस्ट का एक सवाल सॉल्व कर रही थी बच्चों के लिए वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रही थी वहां पर मैंने सवाल दिया था मैं बताती हूं सवाल ये था कि ये एच ओ M वाई बी एल यू और लेंथनम ये इन चार पांच चीजों को एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में लगाना है तो जब तुमको पता ही नहीं है कि इनकी एलिमेंट की पोजीशन क्या है तो तुम ट्रेंड का तो क्या ही आइडिया लगाओगे तो थिंग नंबर वन थिंग नंबर वन तुमको जेन्युनली इनके पोजीशंस पता होने चाहिए तो ये था हमारी क्लास का सबसे पहला टॉपिक आज टॉपिक्स के हम नाम लिखते जाएंगे नंबर लिखते जाएंगे दिस वाज बी वन बुलंद टॉपिक वन चमक गया चलिए बुलंद टॉपिक नंबर टू पर हम आते हैं दिस इज बी टू आपने वैसे तो मेंडलीव्स प्रियोडिक टेबल बहुत ढंग से अच्छे से पढ़ी है पढ़ी है ना मेंडलीव्स प्रियोडिक टेबल मगर मैं यहाँ पे मैंडलीवस प्रियोडिक टेबल को पढ़ा के टाइम पास नहीं करूंगी मैंडलीव प्रियोडिक टेबल से पुराने जमाने में जेई में सवाल आते थे आजकल कम आते हैं फिर भी एक थोड़ा सा परसेंट चांस रह जाता है कि जो मैंडलीव ने खाली जगहें छोड़ दी थी ना ये कहकर कि फ्यूचर में नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनका प्रॉपर्टीज मैं अभी से बता सकता हूँ मैंडलीव ने ऐसे बोला था वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे ये पूछा जा सकता है इसका भी मस्त मस्त ट्रिक मैं आपको बताती हूं ये देखो एका एल्यूमिनियम उसने एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह छोड़ दी थी और उसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम बाद में जब वो एका एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ उसका नाम क्या पड़ा गैलियम एका बोरॉन का नाम पड़ा स्कैंडियम एका का सिलिकन का नाम पड़ा जर्मेनियम एक मैंगनीज का नाम पड़ा टेक्नीशियम शॉर्टकट सिखाऊ यह देखो देखो हमारे जैसे हम वो नहीं कहते आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे बैंगन की झोपड़ी में सो रहे थे हमारे घर तो ये रोज कहानी चल रही होती है नक्श को सुनाते हम तो देखो एक लड़का था आलू गालू आलू गालू आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे एक एल्यूमिनियम क्या हो गया गैलियम फिर पूछा भैया तुमने क्या किया है ना उसका बीटेक तो हुआ नहीं कह रहा मैंने तो बी करी देख लो बी बोरोन एका बोरोन क्या था स्कैंडियम फिर इनकी शादी हुई पता है किससे एक लड़की से शादी हुई जिसका नाम था सीता इसकी शादी हुई एक लड़की से जिसका नाम था गीता हमने कहा सीता गीता एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम हमने पूछा भाई जब तुमने बीएससी कर रखी तुम्हारी बीवियों ने क्या कर रखा क्या रखा एम कर रखी तो देख लो एम टेक एका मैंगनीज मतलब टेक्नीशियम ये कुछ चांसेस हैं कि कल को पेपर में आ सकता है ज्यादा चांसेस इसके भी नहीं है बट मेरे बच्चों को आना चाहिए इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज सिखा दी ये बात सबको चमकती है डन है अच्छा एक काम करते हैं है हा ना हा, फास्ट नहीं भाई हम धीमे धीमे करेंगे तुम फास्ट के चक्कर में ना तुम टू एक्स पे देखते हो फिर धीमे धीमे पढ़ा रही हूँ मैं तुम जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती है मैं बोल रही हूँ एक एक चीज जो आज कराऊंगी ना वो इंपॉर्टेंट है फास्ट के चक्कर में तुम चीजें स्किप कर देते देते हो हो ध्यान नहीं फिर पेपर में वही सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल आते हैं कि अगर अफबाउज रूल ये ना होकर ये होता तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती ये मैंने वोट्स में एक सवाल दिया था बहुत बच्चों ने गलत किया तो ये तुम्हें आना चाहिए देखो पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं एक होता है हमारा अफबाउज रूल अफबाउज रूल को हम ये ये पता है ना अगर मेरे पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है वहां पर केवल आप एन रूल लगाते हैं अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो उसके लिए एन प्लस एल रूल लगाते हैं फिर एनसीआर में ऐसा लिखा है सो ऑन फिर आप कहते हैं पहले वन एस भरेगा फिर टू एस भरेगा फिर टू पी भरेगा फिर थ्री एस भरेगा फिर थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एस फोर समथिंग समथिंग एंड सो यह आता है सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एन प्लस एल रूल लगता है यानी कि अगर किसी मान लो मेरे पास एक है फोर एस एक है थ्री डी मुझे पता करना है दोनों में से एनर्जी ज्यादा किसकी है मैंने कहा इसका है फोर प्लस जीरो यानी कि फोर और एल जीरो वन टू थ्री मतलब एस पी डी एफ तो देखो थ्री प्लस डी के लिए क्या आएगा टू यानी कि फाइव तो फोर एस की एनर्जी कम है थ्री डी की एनर्जी ज्यादा है जिसकी वजह से फोर एस पहले भरेगा थ्री डी बाद में भरेगा ये चमकता है सबको चलिए अब हम बुलंद का टॉपिक नंबर फोर करते हैं यह है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मेरी बात सुनो मान लो मुझे पी में तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको पता है तीन इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं मैं मानती हूं आपने कहा मैम ऐसे 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 भरते हैं मेरा सवाल है ऐसे क्यों भरते हैं ऐसे भर सकते हैं या नहीं भर सकते और क्या ये भी ठीक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा अगर मुझे तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं पी के अंदर तो हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरें आप इलेक्ट्रॉनों को पहले इस तरीके से भरेंगे कि जो उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए यह है हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आनी चाहिए अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं ये अगर किसी को नहीं आता सीख लो इससे सवाल बन सकता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए आप टोटल स्पिन निकालेंगे जिसको एस लिख दो और उसका टू से मल्टीप्लाई करके प्लस वन कर देना टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड तो है. लेना है, मुझे का लेना है. तो यहां पर भी करो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ तो इन दोनों की स्पिन मल्टीप्ली मल्टीप्लिसिटी सेम आ जाएगी अलाउड है दोनों मगर अगर इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो देखना हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन कितना आया टोटल हाफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो टू इंटू हाफ प्लस वन यानी कि टू तो देखो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि पहले सारे अनपेयर्ड होने चाहिए बाद में पेयरिंग करेंगे हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का ये तो आपने अपनी लैंग्वेज में मतलब निकाला हंड्स रूल ये कहता है पहले सारे अनपेयर्ड अनपेयर्ड होने चाहिए मैं मानती मगर भी इस तरीके से करो कि जो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो मैक्सिमम आए या तो सारे प्लस हाफ में रखो या सारे माइनस हाफ में रखो मगर ये नहीं कि आपने दो प्लस हाफ में एक माइनस हाफ में रख दिया दिस इज नॉट अलाउड चमक गया अगला टॉपिक देखिए बुलंद टॉपिक नंबर फाइव पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मेरे ख्याल से हर बच्चे को आता है वो ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एक एटम के अंदर कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे विच हैव ऑल द फोर सेम क्वांटम नंबर्स जिसका एन भी सेम हो एल भी सेम हो एम भी सेम हो एस भी सेम हो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर तो अलग होना चाहिए वैसे तो ये चीजें मुझे अटोमिक स्ट्रक्चर में पढ़ानी चाहिए जिस दिन मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी मगर इलेक्ट्रॉनिक uh, कॉन्फिगरेशन मैं आज ही सिखाऊंगी क्योंकि मैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट सिखा रही हूँ प्रियोडिक ट्रेंड सिखा रही हूं तो आज ही इस चीज को हम कवर करते करते चलेंगे चलिए अब एक बहुत ही प्यारे से ट्रेंड के बारे में हम पढ़ते हैं ठीक है नोट्स लिख नहीं बच्चे तुम नोट्स मत लिखो मेरी बात सुनो नोट्स मत लिखो कुछ मत लिखो देखो मेरे लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ ना मैंने बहुत टाइम लगाया सारी स्लाइड्स लिखने में और सारी स्लाइड्स लिखी है मैंने कल लिटरली बैठ के सारी स्लाइड्स तुम्हारे लिए लिखी है जबकि मेरे पास दुनिया भर का मटेरियल है कि मैं कॉपी पेस्ट कर सकती थी है ना बट मैंने खुद लिखा है सो so दैट तुम इन्हीं नोट्स को डाउनलोड कर लेना ठीक है जो बच्चे फ़ोन से या टैब से या लैपटॉप में पढ़ते हैं वो तो इन्हीं को सेव कर लेना जिन बच्चों को इसका प्रिंट लेना बस एक काम तुम्हें करना पड़ेगा ये ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर देना ये ब्लैक बैकग्राउंड है ठीक है वो भी इसलिए रखा क्योंकि आठ घंटे तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगे हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी लाइटें हैं तो आंखें है ना चुंदिया जाती है अगर व्हाइट बैकग्राउंड पे पढ़ाती तो इसीलिए डार्क बैकग्राउंड पे ले रही हूँ तुम बस इसको ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट कर देना और वो प्रिंट मार लेना सौ रुपये लगेंगे ठीक है तुम्हारे दो दोस्त स्लाइड सौ रुपये लगेंगे तुम्हारे सौ या दो सौ रुपये प्रिंट मार के रख लेना और इनको पूरा का पूरा रेफर कर लेना नोट्स तुम्हें मैं दे दूंगी जैसे ही सेशन खत्म होगा वोरा क्लासेस की ऐप पर ठीक है फ्री कोर्सेज यहाँ पे मैं नीचे बता भी दूंगी कि कैसे करना है फ्री कोर्सेज का एक सेक्शन आता है वहां पर बुनियाद नाम से है ना बुनियाद कह रही हूँ बुलंद नाम से वो है क्या कहते हैं फोल्डर होगा वहां पर जाना नोट्स डाउनलोड कर लेना ठीक है तो लिखो मत समझते जाओ चीजों को रिटेन करते जाओ और फोल्डर से याद आया Uh, नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म डाला हुआ है जरा फॉर्म को भर देना ठीक है ना भाई हम अब देखो अब हमारी बारी है तुम्हारे को हम पढ़ा रहे हैं फुल मतलब शिद्दत से पढ़ाते हैं पढ़ाने में एक नंबर की कंजूसी नहीं करते तो जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम्हें भी एक नंबर की कंजूसी नहीं करनी है फॉर्म आराम से भर देना है खुशी खुशी भर देना हमें भी अच्छा लगेगा ठीक है तुम्हें भी अच्छा लगेगा चलिए और कुछ और भी अच्छी अच्छी प्लानिंग्स चल रही है तुम्हारे लिए तो समझ जाओ बस है ना इशारा ही काफी है समझदार को चलिए भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आज के बाद तुम्हें डर नहीं लगेगा मैं बताती हूं कैसे देखो एक लड़की है हम किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं एक लड़की है जिसका नाम है मोटी ठीक है मोटी कह दो मोटी कह दो मोटी क्यों करेगी रोह रहा पड़ आगे और पिटाई रंगोली बनाओ और अपने नंबर बनाओ एक लड़की है मोटी उसकी हर जगह लड़ाई होती थी हमने कहा यार मोटी क्यों करेगी रूह रा जैसे नहीं बोलते रा रा पर पत्थर पड़े हैं। हमने बोला भैया मोटी क्यों करेगी रूह रा पर आगे और पिटाई रंगोलियां बनाओ और नंबर बनाते जाओ अपने रंगोली बनाओ नंबर बनाओ बस बात खत्म तो अगर मैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करूं तो उनमें से केवल यही एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ कांड है कुछ ना कुछ सियापा है अदरवाइज़ ये जो आपको अब ये क्या है? कैसे निकालना है और आपने इसमें क्यों करा सुनो पेडियम इन सब में से भी अलग एक्सेप्शन शो करता है वो मूवी देखिए बस एक वर्ड याद करना हेरा फेरी केवल एक इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी कर देना जो तुमको लगता है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी करो इन सब की एक्सेप्शन आ जाएगी मगर पेलेडियम के लिए दो की हेराफेरी करनी है मैम ऊपर से क्या कुछ चमका नहीं सुनो 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 निकल को उठाते चलो मान लो मुझे पेलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है देखो मैंने कहा निकल उठाओ निकल क्या होता है अटोमिक नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट का मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे निकल क्या है थ्री डी एट फोर एस टू यही है तो निकल के नीचे क्या आता है अब देखो मान लो कोई कहे पेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ जब तक तुमको भैया पता ही नहीं है पेलेडियम लाई कहाँ करता है तुम घंटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे नहीं लिखोगे ना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैम निकल के नीचे आता है पेलेडियम तो जब ये थ्री डी एट फोर एस टू है तो पलेडियम क्या होना चाहिए पेलेडियम होना चाहिए फोर डी एट फाइव एस टू मैंने कहा हाय रब्बा पैलेडियम तो वो था जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करनी थी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो तो होगा होगा क्या 4D10, 5S, हो क्या चमक गया सबको दो इलेक्ट्रॉन उठा के चेंज कर दो बात खत्म अच्छा मैम चमक गया अब मान लो मुझे लिखना है कॉपर देखो कॉपर कॉपर होना क्या चाहिए कॉपर होना चाहिए था हमारा थ्री डी नाइन फोर एस टू जब अफबाउस रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या होना चाहिए थ्री डी नाइन फोर एस मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी कर दो तो कॉपर बन क्या जाएगा एक यहां भेज दो थ्री डी टेन फोर क्या ये कहानी चमक रही है सबको यही तो होता है क्यों होता है वो भी अभी कराऊंगी बट ये चमक गया चलो कोई कहे मैम हमें तो ना प्लेटिनम की लिखकर दिखाओ प्लेटिनम मैंने कहा कोई बात नहीं टेंशन कहा पहले पता करो प्लेटिनम है कहा मैंने कहा मैम ये 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 रहा 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 प्लेडियम के नीचे है प्लेटिनम तो मैंने कहा मैम पहले प्लैटिनम की होनी कितनी चाहिए होनी चाहिए 5d8 6s2 मगर मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करो तो एक को उठा के यहां भेज दो आंसर कितना आया 5d9 6s1 चमका सबको इज दिस थिंग क्लियर सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एक्सेप्शन चमक गया चलिए एक क्लास वर्क लीजिए अभी करोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे सब बच्चे मुझे एजी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख कर दिखाएंगे करो ए जी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाओ जल्दी ये काम करते जाओ जो जो काम मैं दे रही हूँ कर, करने पड़ेंगे ए जी की बच्चे अभी तुम देखते जाओ फॉर्मूला फॉर फिजिकल केमिस्ट्री सब आएगा तुम तुम निश्चिंत रहो मैंने कहा था ना निश्चिंत रह के पढ़ाई करनी कोई टेंशन नहीं लेनी कुछ नहीं सोचना कि आगे क्या होगा पहले क्या हुआ है अब क्या हो रहा है कुछ नहीं सोचना बस जो काम दिया जा रहा है उसको कर लो मैं गारंटी यार कोई टीचर अगर ये बोल रहा है ना कि गारंटी दे रही हूं नौ में से आठ सवाल बन जाएंगे एक बड़ी चीज होती है मतलब ढाई हजार बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं और ना जाने कितने बच्चे इस सेशन को बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे तो यार मैं भी कोई एग्जाजरेट नहीं करूंगी चीजों को कि हो जाएगा एक विश्वास है अपने ऊपर भी है मुझे अपनी टीचिंग पे भी अपने एक्सपीरियंस पे भी है तभी तुम्हें कह रही हूँ कि विश्वास रख के पढ़ाई करो इधर उधर डिमोटिवेट नहीं होना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना जितनी डिस्ट्रैक्शन होनी थी हो गई आज नहीं होना मेरे को ना कल के बारे में पता ना मुझे पिछले कल के बारे में पता मुझे पता बस आज जिस बच्चे ने मेहनत कर ली ना उसके नौ सवाल आठ सवाल की गारंटी मैं लेती हूँ बट करो मेहनत आ गया बन गया ना तुक्का काम आ गया हमारा शॉर्टकट अच्छा लगा चलिए तो ये था हमारा टॉपिक नंबर फाइव बुलंद फाइव बुलंद हौसला पांच टॉपिक हमने कर लिए हैं आज बुलंद की क्लास का हमारा छठा टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पेपर में एक सवाल आएगा ही आएगा ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में सवाल आता है पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो स्पीशीज पैरा मैग्नेटिक कहलाएगी अगर किसी स्पीशीज में देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उस स्पीशीज को डायमैग्नेटिक कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन है ना मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो लिखेंगे यानी कि बोर्न फिर मान लो दो अनपेड एन क्या है एन इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एन क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन याद रखना टोटल नहीं केवल अनपेड तो फिर क्या करेगा बच्चा रूट टू इंटू टू प्लस टू फिर आएगा टू प्लस टू फोर फोर इंटू टू एट मैम टू पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेट भैया करके नहीं देखना शॉर्टकट सीख लो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन है तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा वन पॉइंट समथिंग वो समथिंग तुमको नहीं रटना बस वन पॉइंट समथिंग याद रख लेना अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टू है, है, है मैग्नेटिक अब उल्टा भी लगा सकते हो कि अगर कल को मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट नाइन दे रखा है मान लो तो चुपचाप कह देना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने है तीन करके नहीं देखना कोई भी ऐसे नहीं करेगा थ्री पॉइंट नाइन इज रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू फिर लिख रहे हैं फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये टाइम वेस्ट नहीं करना अगर न, अगर मैग्नेटिक मोमेंट थ्री पॉइंट नाइन है तो चुपचाप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन थ्री मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट फोर पॉइंट सेवन है चुपचाप लिख देना अनपेड इलेक्ट्रॉन है फोर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चमक गया ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड अब एक कहानी है जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कई टीचर्स मैंने देखा है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कशन ही नहीं करते बिकॉज मतलब इससे कभी डायरेक्ट सवाल नहीं आता मगर मेरा ये मानना है जिस बच्चे को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पता है ना जेड इफेक्टिव नहीं पता वो पूरे पेपर में तुक्के मारता है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता अब इस चीज को ध्यान से समझना मेरे हिसाब से पूरे प्रियोडिक टेबल की अगर इंपॉर्टेंट कोई स्लाइड है वो ये है और मुझे पता है कई बच्चों के हिसाब से दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं आता मगर ये बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है सुनना ध्यान से सुनना बच्चे देखो मान लो मेरे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन है और ये मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है मान लो न्यूक्लियस का चार्ज है जेड अगर मेरे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में खाली जगह है मान लो इनके बीच में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितनी ताकत से अट्रैक्ट करेगा Z ताकत से अट्रैक्ट करेगा है ना अगर बीच में कोई है ही नहीं तो न्यूक्लियस का सारा का सारा चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगेगा बट हमें पता है कि मैम न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बीचो बीच लाई करते हैं है ना इनको बोलते हैं इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्रोमियम के लिए लिखा क्रोमियम होता है थ्री डी फाइव फोर एस वन तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नहीं जाता क्यों क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे करेंगे तुम भी मानते हो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे मोरोवर ये न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड होंगे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि मान लो बीच में अगर मेरे पास बल्ब होता है ना मान लो मेरे पास बीच में एक बल्ब होता और ये बल्ब बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ ठीक है मैं यहाँ खड़ी तो मुझे बल्ब की पूरी रोशनी दिखाई देगी मगर मान लो ये मोटे मोटे जैकेट है ना ये मोटे मोटे जो कपड़े हैं मैंने बल्ब के बीच में रख दिया तो डोंट यू थिंक कि कम लाइट कम रोशनी मेरे पास आएगी ये मानते हो ना मतलब इन्होंने शील्ड कर दिया इसीलिए जो इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं शील्डर्स क्या बोलते हैं शील्डर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ये न्यूक्लियर चार्ज को शी... या ये बोल सकते हो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर चार्ज जाने नहीं देते ठीक है अब ध्यान से सुनना तो इसके पास जाना कितना चार्ज चाहिए था Z मगर क्योंकि बीच में से कुछ इलेक्ट्रॉनों ने उस न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर लिया तो कुछ माइनस कर दो अब जो इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इज एक्सपीरियंस्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इनर लाइंग इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन कुछ न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर लेते हैं सब बच्चों को पता है आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता था इसको Z इफेक्टिव कहते हैं ये पता है मगर अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो जो पेपर में तुम्हें दुखी करती है वो ये कि एक होते हैं एस पी डी एफ और तुमने रट रखा है कि डी और एफ पुअर शील्डर्स होते हैं ये सीख रखा है ना सबने कि दीज आर पुअर शील्डर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज देखो क्यू डी और F इतने स्कैटर्ड होते हैं इतने दूर दूर होते हैं कि ये न्यूक्लियर चार्ज को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से शील्ड नहीं कर पाते हैं मतलब मान लो s एस... अब देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कहते हैं है, मैम एस तो दो ही होते हैं जबकि पी छ होते हैं डी तो दस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में तो चौदह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको तो अच्छे से शील्ड करना चाहिए ये क्यों नहीं शील्ड करते क्योंकि ये फैले हुए होते हैं वन ऑफ द रीजन की क्यों डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डर होते हैं क्योंकि ये फैले होते हैं जिसकी वजह से सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर चला जाता है ये बात चमकी सबको इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब मैं बताती हूँ आप बीती ठीक है मैं अभी कुछ टाइम पहले जब हमारा ब्रह्मास्त्र का बैच चल रहा था तो एक दिन मैंने क्लास में ना क्विज ली मैंने कहा बताओ कुछ एक क्वेश्चन दिया लेफ्ट से राइट right जाते हुए साइज क्यों डिक्रीज होता है हर बच्चा जिसको देखो कह रहा है लेफ्ट से राइट right, मतलब उनको ये नहीं पता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा उनको बस ये पता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तुम्हें कम से कम ट्रेंड पता होना चाहिए क्योंकि आजकल जो एसर्शन रीजन के सवाल आते हैं वहां पर लॉजिक जरूरी होता है वहां रटी हुई चीजें काम नहीं आती है तो सुनो ये ट्रेंड ओवरऑल याद रखना है चाहे मैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं या मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बात खत्म एक चीज रट लो याद रख लो इंपॉर्टेंट है और ये क्यों बढ़ता है क्योंकि आप क्योंकि हो क्या रहा है जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ना वो उतने उतने अच्छे से राइट जाओगे चाहे आप एस और पी में जाओ या फिर डी में जाओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मुझे पता है कई बच्चों के मन में आ रहा है मैम स्लेटर्स रूल नहीं सिखाओगे बच्चे स्लेटर्स रूल का ये कंक्लूजन है दिस इज कंक्लूजन ऑफ स्लेटर्स रूल स्लेटस रूल की कोई भी कैलकुलेशन जेई मेंस के पेपर में नहीं आती सो स्लेटस रूल्स हम जेई मेंस के लिए नहीं पढ़ते हैं मगर स्लेटस रूल फाइनली कंक्लूड क्या करता है ये मैंने आपको बता दिया लेफ्ट से राइट right जाते हुए एस ब्लॉक में भी पी ब्लॉक में, में भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा डी ब्लॉक में भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एक और छोटी सी चीज ध्यान से सुनना जब आप ऊपर से नीचे आते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ता है ये तीन चीजें लिखवाई हैं अभी आपको इसका सिग्निफिकेंस शायद ना चमक रहा हो जैसे ही मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आऊंगी तुम खुद कहोगे मैम मजा आ गया ये सिखाया था क्या सीखा एस और पी ब्लॉक में लिखो सब चैट्स में एस है ना सब बच्चे चार्ज में लिखो एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट जाते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा डी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट right जाते हुए इनका जो यूज है वो थोड़ी देर बाद यूज की टेंशन मत को मतलब मैं समझा दूंगी ये था हमारा बी सेवन चलिए आठवें टॉपिक पे आते हैं आज की क्लास का आठवां टॉपिक ट्रेंड्स शुरू कर रही हूं फाइनली हम ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं आ, पी ब्लॉक के डी ब्लॉक के ट्रेंड्स कॉन्ट्रैक्शन ये सारी चीजें तो देख लो लगभग मेरे पास छह चैप्टर है हर चैप्टर को एक डेढ़ घंटा दूंगी तो तुम समझ जाओ आज कितने घंटे तक क्लास चलने वाली है बट एक एक टॉपिक तसल्ली से करेंगे एक मिनट पानी पी लेते हैं ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं वेरी गुड वेरी गुड ठीक है हाँ जिस दिन ऑर्गेनिक कराऊंगी उस दिन बायोमोलिक्यूल भी कराऊंगी चिंता काहे करते हो भाई एक सेकेंड ना चलिए आगे देखिए फाइनली मैं ट्रेंड्स पर आ रही हूं सबसे पहला ट्रेंड है अटोमिक रेडियस का कि ऊपर से नीचे जाते हुए साइज में क्या वेरिएशन आता है लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज में क्या वेरिएशन आता है उसके लिए पहले यह पता होना चाहिए कि अटोमिक रेडियस कितने प्रकार के होते हैं हम चार तरीके से एटॉमिक रेडियस डिस्कस करते हैं एक होता है वेंडरवॉल एक है आयनिक एक है कोवलेंट एक है मेटेलिक अब ध्यान से एक एक रेडियस को समझते हैं कोवलेंट रेडियस मतलब अगर मेरे पास दो एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है तो दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस ले लो डी आया इसको टू से डिवाइड कर दो ये कहलाएगा कोवलेंट रेडियस उस एटम का कोवोलेंट रेडियस अगर मैं आयनिक की बात करूं जैसे मेरे पास एन ए प्लस है तो मैंने कहा सोडियम था वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन आपने एन ए से एन ए प्लस बना लिया मतलब अगर आप कैटायन का रेडियस निकालेंगे तो उसको कैटायनिक रेडियस कहेंगे अगर आप किसी एनायन का रेडियस निकालेंगे है ना अगर आप किसी एनायन का रेडियस निकालेंगे उसको आयनिक रेडियस कहेंगे अब होता क्या है एटम अगर मेरा ओरिजिनली इतना है तो जब मैं उसका कैटायन बनाऊंगी तो कैटायन में जनरली एक शेल कम हो जाती है और अगर मैं एनायन बनाऊंगी तो जनरली ऐसा होता है कि या तो शेल बढ़ गई या फिर होता क्या है देखो मान लो मैंने Na और एने प्लस और एक और ले लो है ना यहाँ पे तीन ले लो तीन डिस्कस करते हैं मैंने कहा मान लो आपके पास एक एटम है x उस एटम का x+ और उसी एटम का x- मैं उसी एटम के कैटायन उसी के एनायन और उसी के एटम के बारे में बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मान लो प्रोटॉन है मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 है अगर कैटायन बना तो प्रोटॉन 11 है इलेक्ट्रॉन 10 हो गए एनायन बना तो प्रोटॉन 11 है इलेक्ट्रॉन 12 हो गए यही बात है ना तो अगर एटम का रेडियस इतना है तो देखो जब प्रोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है तो वो सारे प्रोटोन इलेक्ट्रॉन को ऐसे जकड़ के रखेंगे तो हम इसीलिए बोलते हैं कि कैटायन का साइज एटम के साइज से छोटा होता है अगर प्रोटॉन कम है, ज़्यादा हो गए तो अब उतने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे नहीं इसीलिए एनायन फूल जाएगा एनायन का साइज बड़ा होता है भैया मैंने एन एन ए प्लस एन ए माइनस को कंपेयर किया तुम ये कथा मत गाने लग जाना कि मैम पॉजिटिव और एफ माइनस में से बड़ा कॉन्सेप्ट अरे मैं सेम एटम के, के और एनाइन को कंपेयर कर रही हूं मैं ये नहीं कि किसी भी कैटाइन को किसी भी एनाइन से कंपेयर कर रही हूं मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं सिखा रही हूँ ना ही तुम कर सकते हो चमका आगे देखिए अगर मैं बात करती हूँ वेंडरवॉल रेडियस की तो मान लो मेरे पास दो हीलियम है। हीलियम तो आपस में कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे ये नॉन बॉन्डेड आइटम है तो नॉन बॉन्डेड एटम के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लो डिवाइड बाय टू कर दो तो क्या ये चमक रहा है कि वेंडर रेडियस में कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा आएगा इसीलिए वेंडर रेडियस हमारे सिंपल कोवेलेंट रेडियस से छोटा होता है ये बात चमकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है मेटेलिक रेडियस और मेटल्स को डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कर्नल्स अब कईयों को नहीं पता होता ये क्या है और तुम ये तो सोचना मत कि ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट है तो हमारे सिलेबस में नहीं है है सुनो मान लो मेरे पास ये एक एटम एटम के आउटर मोस्ट बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे देखो शेल्स हैं और शेलों के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है मैंने कहा बहुत बढ़िया हमने कहा हमने एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसको निकाल दिया देखो हर मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो जब हर मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालोगे एक एक शेल खत्म हो गई एक एक शेल खत्म हो गई दिख रहा है अब हुआ क्या ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर उधर एक दूसरे के साथ घूमने लग जाएंगे यहाँ से एक चीज समझनी है जो आगे जाके जरूरी है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ घूमने लग गए तो ये जो हमारा न्यूक्लियस था न्यूक्लियस प्लस खड़े हुए हैं इनको फिक्स मानते हैं इन्हीं का नाम होता है कर्नल इन्ही का नाम क्या होता है कर्नल और ध्यान से सुनना ये जो फ्री घूम रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन ये है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब ध्यान से देखना जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सुनना है ये डी ब्लॉक में काम आएगा द मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है ये इसके साथ अह ये इसके साथ भी घूमेगा इसके साथ भी घूमेगा यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी मेटल मेटल अट्रैक्शन ज्यादा उतने कर्नल्स पास पास चिपकेंगे क्या ये बात सबको सम, समझ आई तुम ये बोलते हो ना कि ये चीजें थोड़ी ना मेंस में आती है मैं बोलती हूँ यही चीजें मेंस में आती है यही तो वो कॉन्सेप्ट जिनको क्लियर करना है खाली ट्रेंड रटने से अगर सब बच्चों का सिलेक्शन होता तो हर बच्चा यही क्लियर कर देता ये छोटी छोटी चीजें हैं ये सिखा रही हूं मैं मेटलिक रेडियस में और जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे ना यहाँ यहां वो चीज काम आएगी क्या सीखा कि जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मेटल मेटल अट्रैक्शन ज्यादा उतना साइज छोटा क्या ये तीन पॉइंट्स चमके

कि मैम जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगी है ना शेल सेम रहेंगी मगर आपने सिखाया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि साइज घटना चाहिए तो लीथियम फिर बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब एक्सपेक्टेड था मगर नियोन का साइज पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा कैसे हुआ क्यों हुआ क्योंकि न्योन के अंदर वेंडरवॉल रेडियस देखते हैं तो साइज डिक्रीजेस साइज डिक्रीज़ेस मगर एकदम से साइज बड़ा कैसे बिकॉज ऑफ वेंडवॉल रेडियस ग्रुप नंबर थर्टीन में सब बच्चों को याद है मैंने तुम्हें एक वो सिखाया था ग्रुप नंबर थर्टीन में जब लाइफ में पहली बार झटका लगता है डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट दैट एग्जाम्पल या आता है कीप कर लेते हैं कीप कर लेते हैं किसी को वो एक्सेप्शन जिसको नहीं आता मेरे से सीख लो और अगर एक्सेप्शन आता है तो बता दो ये देखो शॉर्ट में बताती हूँ एक्सेप्शन टैक्स से ये देखो बाल और गाल करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल बोरॉन था टू एस टू टू पी वन एल्यूमिनियम था थ्री एस टू थ्री पी वन गैलियम था थ्री डी फिर आएगा फोर एस फिर आएगा फोर पी फोर एस टू फोर पी वन थ्री डी टेन ये आएगा फोर डी टेन फाइव एस टू फाइव पी वन से सुनना एक बार बताऊंगी हमेशा के लिए याद रह जाएगा देखो जब तुम बोरॉन से एल्यूमिनियम पे आए तुमने देखा नंबर ऑफ शेल्स बड़ी तुमको चमका साइज बढ़ा सही बात है ना तुमने देखा बोरॉन से एल्यूमिनियम आते हुए साइज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है मगर जैसे ही एल्यूमिनियम से तुम गैलियम पर आए ध्यान से सुनना एल्यूमिनियम से गैलियम पर आते हुए लाइफ में पहली बार तुम्हें थ्री इलेक्ट्रॉन का सामना करना पड़ा एक मेरा बड़ा ही है ना पेटेंट करा लिया मैंने इस एग्जाम्पल को इतनी बार दे दिया मैंने एग्जाम्पल एक लड़का था ठीक है इसको बचपन में ही कक्षा नाइन्थ में ही प्यार हो गया एक लड़की से ठीक है इसको एक लड़की से सुंदर सी लड़की थी उससे प्यार हो गया अब प्रॉब्लम यह हुई चलो टेंथ में भी साथ थे इलेवेंथ में भी साथ थे ट्वेल्थ में भी प्यार था ट्वेल्थ के बाद लड़की का हो गया आई आई में लड़की का सिलेक्शन हो गया आई आई में मगर ये बेचारा लड़का प्यार में पागल हुआ और है ना किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका सिलेक्शन हुआ बेचारे का जय क्लियर नहीं हुआ तो लड़की ने कहा हो ना पाएगा ठीक है जयराम जी की हमारा ब्रेकअप लड़की ने सिंपल सा बोल दिया हमारा ब्रेकअप हो गया भाई साहब हाँ तो जैसे ही लड़की ने कहा कि भाई हमारा तो देखो ब्रेकअप मतलब लड़की ने कहा देखो ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया हुआ नहीं बेचारा लड़का हमारा दुखी हो गया अब अब इसको फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी प्यार हुआ थोड़े दिन बाद ब्रेकअप सेकंड ईयर में प्यार हुआ ब्रेकअप थर्ड ईयर में प्यार हुआ ब्रेकअप इसके ना जाने कितने ब्रेकअप हुए लाइफ में मगर ये जो सुंदर लड़की से इसको प्यार हुआ था ना है ना जिसका आई आई में सिलेक्शन हो गया वो लड़की इसको भुलाए ना भूली शादी भी होगी लड़के की फिर भी उसको भुलाए ना भूली क्योंकि लाइफ का पहला ब्रेकअप हर एक को याद रहता है तुमको नहीं पता है ना मेरे को तो खैर याद भी नहीं है इसको याद रहा था लाइफ का पहला ब्रेकअप समझ रहे हो हम तो ऐसे चक्रों में पड़े नहीं कि याद रहे मगर ये बेचारा पढ़ गया और इसको पहला ब्रेकअप याद रहा यानी कि लाइफ में पहली बार जब थ्री डी इलेक्ट्रॉन आता है भाई साहब ये इतने पुअर शील्डर होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के ये न्यूक्लियस जो है ना वो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाता हाय हाय बेचारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाता है यानी कि दुनिया को लगा था एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाते हुए साइज बढ़ना चाहिए मगर लियो साइज हमारा कम हो गया आगे कोई टेंशन नहीं है गैलियम से इंडियम पे जाते मैं मान रही हूँ फोर डी टेन आ रहा है तो मैं मान रही हूँ साइज ब, बन कम कम होता है देखो बट इतना कम नहीं होता इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इंडियम से थैलियम जाते हो अब तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन आ गए ये तो और भी पुअर शील्डर मैं, है मैं यार ठीक इफेक्ट पड़ेगा मगर इतना ज्यादा खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल जो साइज है एल्यूमिनियम बड़ा है फिर गैलियम छोटा है इंडियम बड़ा थैलियम बड़ा तो ओवरऑल साइज में क्या करो कुछ नहीं गैलियम को उठा के इधर रखो एल्यूमिनियम को इधर थैलियम इंडियम एल्यूमिनियम गैलियम बोरॉन ये है आपके चार नंबर का सवाल क्वेश्चन फॉर फोर इसको करके जाना बच्चों को गैलियम एल्यूमिनियम पता होता है चमक गया सबसे बड़ा थैलियम उससे छोटा इंडियम फिर एल्यूमिनियम फिर गैलियम और फिर बोरॉन आगे कोई टेंशन लेनी ही नहीं है ग्रुप नंबर फोर्टीन कैसी गई सन्यास लेने पहुंची पब में जो तुमने सोचा वही होगा जितना डी ब्लॉक से दूर जाओगे एक्सेप्शन कम होती जाएंगी ग्रुप नंबर नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक सब भारत से पीछे भाई जितनी प्रॉब्लम आती है ना वो सारी की सारी इसमें आती है क्यों क्योंकि ये डी के जस्ट बाजू में लाई करते हैं जितना डी से दूर जाओगे एक्सेप्शन कम होती जाएंगी थर्टीन में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन में जाते जाते एक्सेप्शन कम है अब यहां तक तो हो गई कहानी अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक और चीज सुन लो क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में से पी ब्लॉक एलिमेंट रिवाइज हो गया है तो डी ब्लॉक का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन का वेटेज सुपर इंपॉर्टेंट हो चुका है ध्यान से समझिएगा डी ब्लॉक में मेरे पास है सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने ये मैंने पहले भी पढ़ाया था दोबारा पढ़ा रही हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो थ्री डी वन थ्री डी टू थ्री डी थ्री थ्री डी फाइव थ्री डी फाइव थ्री डी सिक्स थ्री डी सेवन डी एट डी डी क्या सबकी नज़रें ये देख पा रही हैं है? मैम जब हम लेफ्ट से राइट right जाते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ये अभी सिखाया था दस मिनट पहले लेफ्ट से राइट right जाते हुए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मेटल मेटल बॉन्ड बढ़ेगा मेटल मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो साइज छोटा होना चाहिए क्या यह बात चमकी जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मेटल मेटल अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज छोटा होना चाहिए अग्रीड दूसरी बात देखो भाई तुम पहले थ्री डी में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे फिर तुमने थ्री डी में दो इलेक्ट्रॉन डाले फिर तुमने थ्री डी में तीन इलेक्ट्रॉन डाले एंड सोन so. भाई तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जा रहे हो तो जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मैंने कहा था लेफ्ट से राइट जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब मैम साइज छोटा होना चाहिए तो ये भी कह रहा है साइज छोटा हो ये भी कह रहा है साइज छोटा हो इसीलिए सरस्वती से क्रोमियम तक आते हुए साइज छोटा होता है स्कैंडियम से क्रोमियम साइज डिक्रीज करता है कल को पेपर में एसर्शन रीजन का सवाल आए तो ये रीजन एसर्शन आनी चाहिए तुम मैक्सिमम टाइम बच्चे अच्छा है ना एक डिमांड आ रही है क्वेश्चन कराओ भाई सुनो आज पूरी थियोरी करा रही हूँ इनऑर्गेनिक की कल तुम्हारे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करूंगी मेरे ख्याल से 64 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 के कल वो पूरी शीट लगा देना पूरी शीट लगा देना आज सीख जाओ कल प्रूफ भी मिल जाएगा कि तुमसे सवाल बन रहे हैं तो मेरे अगले सेशन में आना नहीं तो मत आना बस है ना तो कल एक शीट तुम्हें दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सिक्सटी फोर होंगे उसमें वो कल सारी लगा देना तो क्वेश्चन की तो टेंशन लो ही मत इनऑर्गेनिक के जितने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जितनी चीजें करा रही हूं जितने ट्रेंड करा रही हूँ ये सब अपने आप में सवाल है ये सब सवाल है अभी क्वेश्चंस को साथ में इंक्लूड करूंगी तो देखो मुझे थ्योरी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा नहीं तो ये सेशन चलेगा पंद्रह घंटे वो हो ना पाएगा ठीक है तो थ्योरी मस्त तरीके से करा रही हूँ एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगी क्वेश्चन की कल शीट दूंगी पूरे क्वेश्चन लगा देना चमक गया आगे देखो अगर मैं मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने की बात करूं मैंगनीज से निकल तक आते आते ध्यान से सुनना आपको दिख रहा है तो एक कहानी से देखो तो कह रहे हैं साइज बढ़ेगा दूसरी कहानी क्या है कह रहे हैं मैम आगे जाएंगे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मैम साइज कम होना चाहिए अब कैसे डिसाइड करोगे एक फैक्टर कह रहा है साइज बढ़ाओ दूसरा कह रहा है साइज घटाओ तो ना तो साइज बढ़ता है ना साइज घटता है साइज लगभग लगभग सबका सेम आ जाता है मगर कॉपर से जिंक में तो भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मेटल मेटल अट्रैक्शन की कहानी है ही नहीं तो साइज तेजी से बढ़ गया यहां पर एक दुनिया का पहला एक्सेप्शन आ रहा है मैंगनीस आपकी एनसीआरटी पता है क्या कह रही है एनसीआरटी कहती है कि मैंगनीस का एक टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर होता है क्या है टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना उस टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर की वजह से मैंगनीज़ का रेडियस एक्सेप्शनली बढ़ जाता है इसके लिए एक तुक्का सिखाती तुक्के का नाम है बोटग्राफ। कश्ती, कश्ती जानते हो? वो कौन सा सा मूवी का एक मस्त गाना है ना कौन है कश्ती में है कौन सा गाना था या ऋतिक रोशन की मूवी थी लहरों की मस्ती में पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर गाना लिख के बता दो कौन सा है तो ये कश्ती याद आनी चाहिए बोटग्राफ स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज मैंगनीज से भी पहले का तुम लिख लो स्कैंडियम से यहाँ कर दो क्रोमियम स्कैंडियम से क्रोमियम तक के लिए साइज घटेगा स्कैंडियम से क्रोमियम साइज घटेगा मैंगनीज का साइज एकदम से बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर फिर देख लो निकल तक लगभग लगभग साइज सेम रहेगा और कॉपर और जिंक में साइज बढ़ गया बोटोग्राफ याद हो गया तो हैश टैग ग्राफ, ग्राफ नीचे लिख दो ताकि याद रहे ठीक है? हैश टैग कश्ती नीचे लिख दो याद रहे हैश टैग ग्राफ क्या है ये हमारा बोट ग्राफ और ये याद रख लेना कईयों को को ग्राफ याद रह जाता है ये नहीं पता होता बोट ग्राफ था क्या बोट ग्राफ वॉज फॉर एटोमिक साइज साइज का ग्राफ था साइज फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट थ्री डी सीरीज के लिए चलिए तो बी नाइन हो गया हमारा ये बी टेन बुलंद के दस टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दस टॉपिक्स डन सौ ऊपर टॉपिक जाने आज दस हुए सिर्फ दस टॉपिक हुए हैं मगर इतनी गारंटी मैम की है कि इन दस टॉपिक में से अगर सवाल आया तो वो तुमसे बन जाएगा कोई इधर उधर का सवाल नहीं आएगा पेपर ही गया इधर उधर का सवाल तो तुमसे बंद जरूर जाएगा चलिए अब एक अगले टॉपिक के टूवर्ड्स चलते हैं जिसका नाम है या फिर आपको कोई भी तीन चार एलिमेंट्स जिन्होंने वोट सिक्स दिया था जिन्होंने वोट सिक्स दिया है उन बच्चों को पता है कल ही उनके पेपर में सवाल था वाई बी थ्री प्लस एल यू थ्री प्लस था और क्या था इू थ्री प्लस जी डी थ्री प्लस ये कुछ चार एलिमेंट्स थे इनका थ्री प्लस का साइज आपको लिख कर बताना था सुनो बच्चे अगर मैं की बात करूं नम, तो देखो लेंथनम फिफ्टी सेवन सिर पर नाड़ी पिमसिम के यू गड़ी तब दिए होंगे इंजीनियर तुमने यंग भास्कर के लुटेरे ये तुमने एनसीआरटी में नहीं पढ़ा इसलिए कह दू ध्यान से पढ़ो अगर मैं लेंथनम का साइज देखूं तो लेंथनम इतना बड़ा होता है मगर अगर मैं इस ल्यूटिशियम का साइज देखो तो ये घना छोटा होता है काफी निकुसा होता है एकदम से क्या हो गया कि लेंथेनम से ल्यूटिशियम पे जाते हुए साइज बहुत कम हो गया या फिर अगर आप पीरियोडिक टेबल पर आओ पीरियोडिक टेबल को उठाओ इसको हटा देते हैं सारा हाँ पीरियोडिक टेबल पर आओगे तो तुम्हें देखने को मि... ये इरेज अच्छा सेव अब हां ये देखो अगर मैं लेंथेनम

मुझे पता है एफ इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डर होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के इसीलिए ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड नहीं कर पाते जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पकड़ में आ जाता है जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है ये एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो साइज छोटा हुआ इसी को बोलते हैं दिस इज इज अब एक एक्सेप्शन में आप सब बच्चों को सिखाना चाहती हूँ

यूरोप जाने का मन हर एक का होता है तो इस यूरोपियम को उठा के आगे रख देना यूरोपियम का साइज एक्सेप्शनली हाई होता है चमक गया यूरोपियम में एक एक्सेप्शन थी विच आई होप इज क्लियर टू एवरी वन ये था बुलंद का ग्यारहवा टॉपिक चमक रही चीजें अब तो स्पीड सही है ठीक है बच्चे वॉइस एक मिनट चेक कर लेते हैं ना बच्चे वॉइस तो क्लियर है देखो माइक यहाँ पे लगा रखा है क्लियर क्लियर सुनाई दे रहा है तुमको ऐसा मत करो रिफ्रेश कर लो अगर किसी का ऐसे आ रहा है दिक्कत तो चलो अब एक सस्ता सा सवाल कराती हूँ वैसे तो इस सवाल का मतलब टॉपिक का नाम है बी ट्वेल्व बी ट्वेल्व के कैप्सूल खाने चाहिए है ना विटामिन की जिनको कमी हो जाती है विटामिन बी ट्वेल्व के कैप्सूल इंजेक्शन मारता है डॉक्टर ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये कतई सस्ता टॉपिक है जल्द से जल्द निपटाती हूँ मान लो मेरे पास है एन ए प्लस मेरे पास है एम जी टू प्लस मेरे पास है ए एल थ्री प्लस मेरे पास है ओ टू माइनस ऐसे बहुत सारे स्पीशीज लिख सकते हो इन सब के अंदर प्रोटॉन्स लिखो प्रोटॉन कितने हैं आठ ग्यारह बारह तेरह और इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन लिखो तेरह में से तीन गए दस बारह में से दो गए दस ग्यारह में से एक गया दस आठ में दो ऐड करो दस तो ऐसी स्पीशीज जिन सब जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इन स्पीशीज को बोलते हैं स्पीशीज कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा इनका साइज लिख दो तो सिंपल सी बात है कि भैया जिसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन है वो दस इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखेगा तो सबसे छोटा ए एल थ्री प्लस फिर आएगा एम जी टू प्लस फिर आएगा एनए प्लस लास्ट में आएगा ओ टू माइनस ये बहुत ही सिंपल है मतलब सीबीएसई में भी हजारों बार कर लिया ये आ, आता है पेपर में इसीलिए करा दिया चलिए मुक्ति बात करते हैं टॉपिक नंबर थर्टीन आयोनाइजेशन एन थेलेपी आयोनाइजेशन एन का मतलब अगर मेरे पास एक एटम है अपने गैशियस स्टेट में पहली बात तो एटम ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए ठीक है गैशियस एटम होना चाहिए आइसोलेटेड एटम होना चाहिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी जो आपको देनी पड़ती है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी इट इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड आगे देखिए अगर आपने एक एटम से एक कैटायन बनाया उस कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के एक और कैटायन बनाया फिर ए थ्री प्लस बनाया यहां आपको अगर आयनाइजेशन एनर्जी वन देनी पड़ी यहां टू देनी पड़ी यहां थ्री देनी पड़ी तो समझ जाना कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़ है वो हमेशा पहली वाली से ज्यादा है कहने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी थ्री विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी टू विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी वन इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी यह बात चमकती है अब ध्यान से देखिए एक ट्रेंड जो पेपर में ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी पेपर में आता है वो है ग्रुप नंबर पीरियड नंबर टू और पीरियड नंबर थ्री की आयनाइजेशन एनर्जी निकालना इसका लॉजिक है लॉजिक सीखोगे तो रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे लॉजिक नहीं सीखोगे तो रट्टे मारोगे रट्टे मारने से फायदा नहीं है तो देखिए पहले लिख लो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन न्योन सुन लो मेरी बात कभी भी किन स्पीशीज की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कराए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना लिख दोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? उसके बाद देखोगे ये देखो एक होता है हमारा पड़ोसी इफेक्ट पड़ोसी इफेक्ट पड़ोसी इफेक्ट।, इफेक्ट क्या कहता है कि हम सिर्फ पड़ोसियों पे लगेंगे पड़ोसी इफेक्ट क्या कहता है कि हम सिर्फ पड़ोसियों पर लगेंगे तो देखो ये है एस टू और ये है टू एस टू टू पी वन क्या आपको ये बात चमक रही है कि मैम ये तो एस टू है मतलब एक तरीके से फुली फिल्ड है है ना एक तो हमारा एस टू है जो कि फुली फिल्ड है और एक है टू एस टू टू पी वन मतलब इस टू एस टू के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है मगर इस पी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है तो पहली एक्सेप्शन आ गई बेरिलियम और बोरॉन में कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होनी चाहिए यह है पड़ोसी इफेक्ट चमक गया एक होता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का इफेक्ट हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड का इफेक्ट फुली फिल्ड अब ध्यान से देखो पता होता क्या है होता यह है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट right जाते हैं ना आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए देखो होना ये चाहिए ये होना चाहिए ऐसा ऐसा होना चाहिए मगर इतना रेगुलर ट्रेंड नहीं होता कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्शन मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गई कि बेरिलियम और बोरॉन के अंदर एक्सेप्शन होगी क्यों क्योंकि बेरिलियम के अंदर पड़ोसी इफेक्ट लग रहा है फिर आगे जाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर एक्सेप्शन आएगी क्यों देखो क्यों क्योंकि नाइट्रोजन जो है मेरा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है नाइट्रोजन क्या है पी थ्री भैया पी थ्री में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है पी फोर में से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड में कन्वर्ट हो सकता है आगे सब कुछ सेम है अब ओवरऑल ट्रेंड क्या बनेगा सबसे आगे नियोन नियॉन के पहले फ्लोरीन अब इन दोनों में पलटी मार दो इसको इधर इसको इधर फिर आएगा नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर सब कुछ सेम है कार्बन इन दोनों में पलटी मार दो फिर आएगा बेरिलियम, बोरॉन लास्ट में डी थी ट्रेंड था सेकेंड पीरियड का एक क्वेश्चन आप लिखेंगे होमवर्क क्वेश्चन लिखो और चेक करो और चेक करो एनसीआरटी को फॉलो करना है कोई दुनिया की किताब काम नहीं आएगी सिर्फ एनसीआरटी को फॉलो करना है थर्ड पीरियड का क्या ट्रेंड रहेगा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड करके जाना पेपर में आएगा बाद में मत कहना कि मैंने कहा नहीं था ये पेपर में आएगा 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 करके जाना जरूरी है ठीक है चमक गया सबको क्लियर है ये था हमारा बी थर्टीन हाँ ये था बी फोर्टीन चलिए भैया पंद्रहवें बुलंद टॉपिक के लिए स्टार्ट हो जाइए सुनो 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 ध्यान से सुनना अब एक बार ट्रेंड्स देख लेते हैं ग्रुप वन की आयनाइजेशन एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है नीचे जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी कम ली ना की रूबी कैसा से फरार कोई इश्यू तो नहीं है ग्रुप नंबर टू में नीचे जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप ये मैंने सारे ट्रेंड्स वाले सेशन में भी कराया था है ना जब मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंड्स लिए थे तब भी कराया था आज रिवाइज करा रही हूं देखो रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम से ज्यादा होती है क्यों क्योंकि रेडियम के अंदर फोर एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो कि पुअर शील्डर होते हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ता है आप सब बच्चों को ये चीजें आती हैं मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूं मगर अगर ये सवाल एसर्शन रीजन का आता है तो तुम नहीं कर पाते और बोलते हो एसर्शन रीजन में मैम दिक्कतें आती है वो यहीं से आती है क्योंकि पॉइंट्स क्लियर नहीं है चलिए एक और छोटी सी चीज ग्रुप नंबर एक किस -किस एक्स गर्लफ्रेंड हो चुकी भाई साहब तुमने उसके मुंह पे मुक्का मारा ऐसे मार मत देना बट मान लो तुमने मार दिया सपने में तो उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा उसका शक्ल खराब हो जाएगी उसका नाम रख दिया मुक्का मार डब्ल्यू W को मुक्का मारो तो देखो ऊपर नीचे चला जाता है तो ऊपर है बाल ब, बाल और गाल करें इंडिया की पॉपुलेशन टॉल तो ऑर्डर लिखना जरूरी है सबसे ज्यादा बोरॉन बोरॉन से नीचे थैलियम थैलियम से नीचे गैलियम गैलियम से नीचे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से नीचे इंडियम यहां से चार नंबर का सवाल पक्का आएगा है हाँ ना किसी एक ना मतलब तुम में से किसी ना किसी की शिफ्ट में तो ये चार नंबर का सवाल आएगा ही आएगा ठीक है मुक्का मार, w, हाँ वैसे तो वी आर अगेंस्ट वायलेंस बट हाँ इज फेयर इन लव एंड वॉर तो लव भी है जे से तुम्हें है हाँ ना और वॉर भी है तुम्हारा तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मुक्का मार w, याद रखना है ये गलती मत करना कि भूल जाओ पेपर में कि मुक्का मार डब्ल्यू लगाना कहाँ था ग्रुप नंबर थर्टीन की आयनाइजेशन एनर्जी में लगाना था ग्रुप नंबर फोर्टीन में देखो नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कैसी गई लेने लेड की आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए जो कि पुअर शील्डर होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के चमक रिया ना कहानियां पुअर शील्डर है ग्रुप नंबर फिफ्टीन नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी कोई एक्सेप्शन नहीं है अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड मैं तुम्हें गारंटी देती हूं कि तुमने ये अगर मेरे से पढ़ रखा है तो तुम्हें आता होगा अदरवाइज हो सकता है ये चीजें तुमसे स्किप हो हो गई क्योंकि ये चीजें एनसीआरटी में क्लियरली लिखी नहीं हुई है टेबल के रिस्पेक्ट में चमक जाती है बट टेबल ही बच्चों को इतने अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती ध्यान से सुनो सुनो लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैसे तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए ये चमकना चाहिए अभी अभी समझाया इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कहानी कराई थी जैसे जैसे लेफ्ट से राइट right जाते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए मगर हमारे पंजाबी में इसको बोलते हैं कोनी है ना जैसे मान लो कोई यहाँ पे है हम ऐसे ढुमका नहीं मार देते ऐसे हम कौन नहीं मार रहे हैं जैसे एक तो ढुमका मारना हो गया एक ऐसे ऐसे ओ सुन सुन आंसर बताइयो ऐसे कोनी मारना तो हम इसको बोलते हैं व कोनी वो कोनी मारो तो तीन एक्सेप्शन है पहला है वेनेडियम को कोबाल्ट निकल बस ये तीन एक्सेप्शन है अदरवाइज देखो लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी अब ये देखो वेनेडियम की बढ़नी चाहिए थी मगर नहीं बढ़ी क्योंकि व एक एक्सेप्शन है क्रोमियम की बढ़नी चाहिए थी बड़ी मैंगनीज की बढ़नी चाहिए थी बड़ी आयन की बढ़नी चाहिए थी बड़ी कोबाल्ट की बढ़नी चाहिए थी को की बढ़नी चाहिए थी मगर नहीं बढ़ी निकल की बढ़नी चाहिए थी बट नहीं बढ़ी इनकी बड़ी इनकी बड़ी हाय हाय मैम एक तो एक्सेप्शन हमें याद करने में इतनी टेंशन होती है चलो हमने याद कर भी लिए अब बताओ ऐसा हुआ क्यों क्योंकि अभी मैं चैट में देख रही हूँ बच्चे लिख रहे बहुत एक्सेप्शन है यार बहुत दिस इज द रीजन पहले इनऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ आज इनऑर्गेनिक का वन शॉट इसीलिए लगाया ताकि तुम्हें जो इनऑर्गेनिक से डर है ना वो खत्म हो ये करना तो है ही है अब तुम इसको रो पिट के करो तुम्हारी मर्जी खुशी खुशी करो तुम्हारी मर्जी आएंगे तो तो सही है पेपर में ऐसा तो है नहीं पेपर में इनऑर्गेनिक नहीं आएगी तो आएगी तो सही एक्सेप्शन को एक्सेप्शन की तरह ना ट्रीट करके समझो ताकि रटना ना पड़े वो आसानी से चीज याद हो जाती है देखो ऐसा होता इसलिए एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मान लो ये कोबाल्ट है कोबाल्ट की आयनाइजेशन एनर्जी आपने कहा मैम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो मान लो जैसे आयन में 200 रिक्वायर्ड है तो मेरे अकॉर्डिंग कोबाल्ट में 250 रिक्वायर्ड होनी चाहिए है ना मान लो मैंगनीज की डेढ़ सौ है तो हम कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए मैंने कहा कोबाल्ट होता है थ्री डी सेवन फोर एस टू अगर मैंने कोबाल्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो कोबाल्ट प्लस बनेगा विच विल बी थ्री डी सेवन फोर एस वन मैं मानती हूँ मैं मानती हूँ कि मैंने 250 एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं मानती हूं मगर पता क्या हुआ जब कोबाल्ट ध्यान से देखना जब कोबाल्ट थ्री डी सेवन था एक दो तीन चार पांच छ सात तो देखो कोबाल्ट के अंदर ये पांच तो सेम ही है ये पांच तो एक्जैक्टली exactly सेम है जो अपनी पोजिशन एक्सचेंज कर रहे हैं केवल ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अपनी पोजिशन मतलब ऑपोजिट स्पिन वाले केवल दो हैं जैसे ही बना इनके बीच में एनर्जी गैप कम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के थ्री डी में आ जाएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो ये हुआ क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल के इनके बीच में आ गया मतलब फोर एस से निकल के थ्री डी में चला गया क्या हुआ इलेक्ट्रॉन फोर एस से निकल के थ्री डी में चला गया थ्री डी एट करना था हो गया अब देखो यहां पर तीन मेरे पास ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है तो जितने ज्यादा ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि उतनी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी उतनी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी मतलब और एक्सचेंज एनर्जी पता क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी इज एनर्जी रिलीज यानी कि एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है तो दी तो तुमने ढाई सौ मगर ढाई सौ में से ऐसा लगा कि साठ तो रिलीज ही होगी तो तुम्हें देनी ओवरऑल कितनी पड़ी एक सौ नब्बे इसीलिए व को नी के अंदर जितनी एनर्जी देनी चाहिए थी देते हम उतनी है मगर थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज हो जाती है तो दुनिया को लगता है हमने कम एनर्जी दी बस ये तीन एक्सेप्शन याद रखने थे व को नी व को नी ये था हमारा बी सिक्सटीन बुलंद का सोलवा टॉपिक और मेरी गारंटी है इससे बाहर अगर सवाल आ गया दोबारा मेरा कभी सेशन मत देखना इससे ज्यादा सवाल कभी नहीं आएंगे मतलब मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ाना होता ना मैं ये चीज़ें पढ़ाती ही ना तुम देख लो कोई मैं थोड़ी ना अकेली वन शॉट ले रही हूँ बहुत लोगों ने वन शॉट लिया है अगर मेरे को ऊपर ऊपर का पढ़ाना होता जस्ट फॉर सेक ऑफ कि ठीक है बच्चों का दस दिन बाद पेपर है ऊपर ऊपर से पढ़ा दो मैं ये चीज़ पढ़ाती ही ना इंट्रोड्यूस ही ना करती मैं चाहे मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया डी ब्लॉक पढ़ाया फिर ट्रेंड्स लिए बारी बारी मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं और जब तक हम एज अ टीचर मैं बच्चे को नहीं बताऊंगी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चा वो टॉपिक छोड़ के जाता है जब बच्चा टॉपिक छोड़ के जाएगा तो उसी के नंबर खराब होंगे ना तुम्हारी रैंक पे असर पड़ेगा इसीलिए अगर तुम्हें लग रहा ना ये चीजें देखो मैं सिर्फ ईजी नहीं पढ़ा रही ये ईजी था मैंने पढ़ाया मैं मना नहीं कर रही ये टफ है मैं वो भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि यार पेपर बिल्कुल आसान नहीं आएगा ऐसा नहीं है कि तुम बस दस बारह ट्रेंड रट के चले जाओ पेपर हो जाएगा नहीं होगा क्लियर बोल रही हूँ आज भी जो मेहनत करेगा ना उसके नंबर आएंगे जो मेहनत से भागेगा उसके नंबर नहीं बनेंगे तुम जो मर्जी कर लो है हाँ ना जहां की कोशिश लगानी है लगा लो जहां की सिफारिश लगानी है लगा लो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता होगा तुम्हारे पेपर में नंबर आएंगे अगर तुम मेहनत से भागोगे तो मेरे से लिखवा लो ठीक है तुम आईआईटी क्या तुम एनआईटी भी नहीं जाओगे मेहनत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए चलिए सो बी सेवनटीन बुलंद का सत्रवा टॉपिक क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट सब बच्चों को लगता है कि नीचे जाते इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है भैया नीचे जाते इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है केवल और केवल सिक्स्थ पीरियड के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके किसके लिए लगता है केवल और केवल सिक्स्थ पीरियड के लिए देखो मान लो मैंने लिखा बाल और गाल करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल ये सेकंड पीरियड का है ये थर्ड पीरियड का है ये फोर्थ पीरियड का है ये फिफ्थ पीरियड का है सिक्स्थ पीरियड का है. एक ही बार सुन लो ध्यान से ध्यान से समझना ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड का बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p1 इसकी है 3s2 3p1 इसकी है 3d10 4s2 4p1 4d10 5s2 5p1 4f14 114 नहीं 4f14 4f14 फिर आएगा हमारे पास 5d10 6s2 6p1 ध्यान से सुनना मैं मैं बोरॉन के पास गई मैंने कहा भैया कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंदा रह सकते हो कह रहा देखो भाई हम तो प्लस थ्री में जिंदा रहने वाले लोग हैं हम प्लस थ्री में रहते हैं मैंने कहा वाह मैंने एल्यूमिनियम से पूछा कह रहा देखो हमारे पास तो तीन इलेक्ट्रॉन है तीनों का दान दे देते हैं मैंने कहा गैलियम भैया कह रहा देखो बेटा हम रहते तो प्लस थ्री में है मगर हमारे कुछ कंपाउंड प्लस वन में भी पाए जाते हैं कि मैं 4p वाला भी इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ वैसे तो मैं दोनों ही लूज करना चाहता हूँ मैं, मैं, मैं इसी एटीट्यूड के साथ थैलियम के पास गई मैंने कहा भैया कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री में रह जैसे मैंने थ्री बोला थप्पड़ आया थप्पड़ आया कह रहा पगला हो मैं केवल प्लस वन में रहना चाहता हूँ मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ कह रहे भाई साहब दिमाग लगाओ ये जो 4f14 इलेक्ट्रॉन तुमने रखे हैं ना ये इतने बदतमीज इलेक्ट्रॉन हैं कि ये मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड ही नहीं कर पा रहे तो ये 5d ये इतने घटिया लोग हैं कि ये मेरे 6s को अपने पास खींचते चले जा रहे हैं खींचते चले जा रहे हैं और ये जो मेरा 6s वाला इलेक्ट्रॉन है ना ये बेचारा इनर्ट की तरह बिहेव करने लग गया इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर और इसीलिए मैं केवल अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा इसीलिए मेरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन इसको कहते हैं इनर्ट पेर इनर्ट पेर इफेक्ट ग्रुप फा, पीरियड फाइव पीरियड फा, फोर में नहीं लगता इनर्ट पेर केवल और केवल छठे पीरियड में लगता है याद रखना कल को कोई तुमसे पूछे बताओ गैलियम प्लस थ्री और थैलियम प्लस थ्री में से ज्यादा स्टेबल कौन है थैलियम प्लस थ्री या गैलियम ऑब्वियसली गैलियम प्लस कोई पूछे गैलियम प्लस वन और थैलियम प्लस वन में से ज्यादा स्टेबल कौन है ऑब्वियसली थैलियम प्लस वन कोई पूछे थैलियम प्लस थ्री और 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 थैलियम प्लस वन में से ज्यादा स्टेबल कौन है ऑब्वियसली थैलियम प्लस वन नीचे जाते हुए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है ये रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मगर जो सिक्स पीरियड वाला होता है वो केवल प्लस वन यानी कि अपने से दो कम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है बिकॉज़ ऑफ इनर्ट इफ़ेक्ट ये नहीं कि बस रट्टे मार के चले गए और कुछ करके नहीं आ रहे फिर तो तुम बहुत सुन लोगे मेरे से फिर कहानी खराब हो जाएगी चमक गया ये था हमारा सत्रवा बुलंद का टॉपिक बुलंद अठारह अठारवा टॉपिक बुलंद का देखिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एन तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी भी आती है मैं मानती हूं मगर तुम कांड करते हो तो इन दोनों में करते हो ना तो तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चमकती ना इलेक्ट्रॉन गेन एन चमकती जब तक टीचर साथ होता है तुम्हें सब कुछ चमकता है जब टीचर साथ नहीं है पेपर में इन दोनों में पता नहीं कैसे कंफ्यूजन आ जाती है सुनो दोनों अलग अलग नहीं है दोनों एक ही चीज है बस समझने का तरीका अलग है मान लो मेरे पास एक एटम ए है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ए माइनस बनाने के लिए जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ए माइनस बनाने के लिए यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है यहां पर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है दोनों चीज पॉसिबल है देखो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है एनर्जी रिक्वायर्ड मगर जब आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है एनर्जी रिलीज भी हो सकती है ध्यान से सुनना अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने से एनर्जी रिलीज हुई एनर्जी क्या हुई रिलीज यानी कि डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव होगा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर एटम में इलेक्ट्रॉन डालने से एनर्जी गे मतलब रिक्वायर्ड हुई एनर्जी रिक्वायर्ड हुई मतलब ये क्या है एंडोथर्मिक प्रोसेस अब इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एन इलेक्ट्रॉन गेन एंड मतलब इट कैन बी एनर्जी रिलीज और एनर्जी रिक्वायर्ड वेन एक न्यूट्रल गैशियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन जब एक न्यूट्रल गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी में क्या एक्सचेंज होगा ये नहीं कि इट इज एनर्जी रिलीज और इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं इट कैन बी एनीथिंग अब ध्यान से सुनना कई बच्चे रट्टे मारते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंड पॉजिटिव ऐसा नहीं होता रट्टे नहीं मारने होते समझो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी का मतलब है प्यार एफिनिटी मतलब प्यार तो अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा मतलब मान लो तुम मुझे प्यार करते हो तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्यार करते हो तो तुम्हारी एफिनिटी इनऑर्गेनिक के लिए पॉजिटिव है अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है पॉजिटिव और अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा तो जब एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी इसीलिए ये बचपन से कहावत सुनते आ रहे हो इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव दोनों की यूनिट्स में अंतर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ एक अट्रैक्शन है जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंथैल्पी है एनर्जी है चमका देखो अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करता नहीं 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 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है मतलब वो प्यार ही नहीं करता और अगर वो प्यार नहीं करता तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डलवाना पड़ेगा अगर हम इसके अंदर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डलवाएंगे यानी कि मुझे बाहर से काम करना पड़ेगा यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड एंडहेंस डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव दोनों में अंतर भी है दोनों में सिमिलैरिटी भी है बस समझना तुमको है रट्टे नहीं मारने रट्टे अलाउड नहीं है चलो एक बात बताओ जल्दी से सोच के बताना अगर ओ माइनस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ओ माइनस बनाएगा मुझे बताओ क्या इस प्रोसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है जल्दी से बताओ माइनस अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है जल्दी से बताओ इस प्रोसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है सिर्फ इस प्रोसेस की एक ही प्रोसेस की जल्दी 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 सोचो अरे भैया ओ माइनस है उस पर एक और इलेक्ट्रॉन तुम डालने की कोशिश करो इनके अंदर खतरनाक रिपल्शन होगी ये खुशी खुशी खुद से नहीं होगा इट हैज नो टेंडेंसी मैं मानती हूँ कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है सब कुछ मैं मानती हूँ मगर एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑलरेडी नेगेटिव स्पीशीज में जब तुम प्या... कोशिश करोगे डालने की तो क्या उनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा तो अगर उनके बीच में रिपल्शन होगा तो एफिनिटी कम नहीं हो जाएगी क्या इस प्रोसेस को कराने के लिए मुझे एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी भैया कंफ्यूज हो तुम ओ से ओ टू माइनस की कहानी पे मत जाओ केवल ओ माइनस से ओ टू माइनस की कहानी पे जाना था चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ट्रेंड बताते हैं कल को अभी तक तुमने हर जगह तुमने आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड किया है अब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बताऊंगी जिसको ध्यान से समझना है लिख लो जब भी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी जरूरी है लिख लो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन न्योन अब मैं मस्त लॉजिक सिखाऊंगी ध्यान से सुनना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको क्या करना है ये जो टू एस टू वाले हैं जो फुली फिल्ड है दिख रहा है ये फुली फिल्ड है ये हाफ फिल्ड है ये क्या है हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड ये क्या है फुली फिल्ड वाले मतलब सपने में भी मत सोच लेना ये फुली फिल्ड है सपने में भी मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कतई बेकार होगी चमकती है कहानी ये भला क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करे तो इनको उठाओ पैकेट में डालो और साइड में रख दो ये एक कटोरी है मेरे पास मैंने इनको उठाया एक कटोरी में ये डाला एक में ये डाला एक में ये डाला इनको सबसे लास्ट में रख दिया मैंने कहा मैम जो फिल्ड है ये तो बिल्कुल ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हाय है हाय है, मैम ये ये भी है, ये भी फिल्ड है नहीं चाहेगा, मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूं ये नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है चाहता तो नहीं है फिर भी इन दोनों के कंपेरिजन में ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन को प्यार कर सकता है मैंने सबसे पहले हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड को अलग रखा मैंने कहा मैम देखो अब मेरे पास बचा क्या लिथियम बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन मैंने कहा लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2p1 2, 2p2 2p4 2p5 अब ध्यान से सुनना ये दोनों क्या हमारे पड़ोसी पड़ोसी नहीं लग रहे हैं पड़ोसी पड़ोसी नहीं लग रहे हैं दोनों ही तो पड़ोसी जैसे हैं देखो 2s का पेनिट्रेशन 2p से ज्यादा होता है 2s है ना न्यूक्लियस के नजदीक होता है ये फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है मगर टूपी वाला इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा इसीलिए बोरॉन सबसे कम बोरॉन के बाद आएगा लिथियम और लेफ्ट से राइट जाते हुए तो आपको पता ही है है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरिन मेरी गारंटी इसके बाहर सवाल नहीं आएगा अब सुन लो मैंने सेकेंड पीरियड करा दिया सेकेंड पीरियड मैं करा रही हूँ है ना अब मेरे पास साल भर का समय होता तो मैं थर्ड पीरियड भी कराती बट थर्ड पीरियड अब आप खुद करोगे रिविजन के टाइम पे लिख लो थर्ड पीरियड करना है थर्ड पीरियड करना है मैम ने ऐसा बोला है थर्ड पीरियड से सवाल आएगा सेकंड मैंने करा दिया क्या ये बात वापस बताओ देखो वापस सुन लो सबसे पहले कोई पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम चुपचाप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो लिख ली अब जो फुली फिल्ड है यानी कि वो साधु महात्मा है समझ रहे हो या और एग्जाम्पल देती हूँ भाई साहब जिसके घर में ऑलरेडी छे छह बीवियां हैं ये दो दो बीवियां फुली फिल्ड है घर पूरा पैक्ड है उनकी शादियां नहीं होती हैं वो सन्यासी लोग हैं कह रहे हैं हमें शादी नहीं करनी है नियोन कह रहा है देख लो भैया मैं संतुष्ट हूँ लाइफ में मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने कहा सबसे लास्ट में आ जाओ बेरिलियम कह रहा है मैं भी फुली फिल्ड हूं मैंने कहा लास्ट में आ जाओ नाइट्रोजन कह रहा है मैं हाफ फिल्ड हूं मैंने कहा पीछे आओ सारों को पीछे लगा दो फिर मैंने कहा ओके अब लिख लो लिथियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन हमने कहा लेफ्ट से राइट जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन से प्यार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन से प्यार बढ़ गया मैंने कहा पंगा पंगा देखो लिथियम और बोरॉन में हुआ लिथियम है टू एस वन जबकि बोरॉन है टू पी वन तो लिथियम छोटा है टू एस न्यूक्लियस के नजदीक है तो टू एस के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना आसान है इसीलिए लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज्यादा है मैं सही बता रही हूँ ये तुम्हें चीजें लग रही है कि अरे हाँ ठीक <laughs> है हो जाएगा हो जाएगा यही सवाल पेपर में बन के आएगा पेपर में कोई सारे थोड़ी ना पूछेगा पेपर में पूछेगा बताओ फ्लोरीन है नियोन है 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 नियोन लिथियम इन चारों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड में लगाओ और तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी क्यों क्योंकि तुम तो सोचते हो अरे मैम लिथियम तो ना मेटल है मेटल की तो टेंडेंसी ही नहीं होती है अलग ही दिशा में चले जाते हैं तभी कह रही हूँ जो चीजें सिखा रही हूँ ना इनको मतलब पत्थर की लकीर समझ के सीख लो क्योंकि यहां से बाहर सवाल नहीं आएगा और अगर नहीं सीखा ना तो पेपर में तुम यही सोचोगे लीथियम तो मैम आपको पता है लीथियम तो मेटल है मेटल को तो लास्ट में रख दो थो। मेटल थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है फिर हम मन गणत कहानी लगाते हैं सेम यही बस एक ही दिक्कत है आपने क्वेश्चन नहीं करा ये क्वेश्चन ही तो है मैं तो इतने सारे एलिमेंट्स को लाइन में लगाना सिखा रही हूँ तुमको तो केवल चार को लगाना है फिर भी नहीं चमकेगा क्यों क्योंकि तुम नई कहानी लगाओगे कि लिथियम तो मैडम जी आपको पता है मेटल है मेटल थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है सबसे लास्ट में लिथियम डालोगे जबकि सिखाया था पहले उनको अलग करो जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड है उसके बाद बाकी होगा लाइन में लगाओ फिर देखो कहीं पे पड़ोसी इफेक्ट लग रहा है भाई अगर एस का पेनिट्रेशन पी से ज्यादा है तो एस वाला पी से ज्यादा होगा यानी कि लिथियम बोरॉन से ज्यादा होगा ये चिपकाओ ये प्रोसेस फॉलो करोगे कहानी बन जाएगी प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे कहीं ना कहीं है ना धुंधले पन में रहोगे और फिर तुम भी फंसोगे दूसरों के भी फंसाओगे हो ज्यादा ये, ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंड क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है ये सब जानते हैं ये सिखाया था अब वापस से वो करके नहीं दिखा रही बॉयफ्रेंड और हस्बैंड मटेरियल वाली कहानी वो आती है दोबारा सुन लो इस स्लाइड से चार नंबर पक्के हैं मेरी again, एक अनुमान है कि इस स्लाइड से चार नंबर का सवाल आएगा यह चमक गया क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की से ज्यादा है सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये छोटे छोटे साइज के हैं यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाते ओवरऑल ट्रेंड जरूरी है तुमको यह तो पता है क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है तुमको यह नहीं पता फ्लोरीन जाएगा कहां हमको यह तो पता है सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है बट ये नहीं चमकता ऑक्सीजन जाएगा कहां तो सुन लो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलिपी क्लोरीन क्लोरीन के बाद फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन बीच में आके गिरता है क्लोरीन के जस्ट बाद ग्रुप नंबर सिक्सटीन के लिए ऑक्सीजन के अंदर इतनी बुरी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है सबसे लास्ट में जाके गिरता है तो सल्फर सिलीनियम टिल्यूरियम और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है ये भूलना नहीं है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिपीट पीवाई क्यू और तुम्हारे पेपर में भी आएगा वन मिनट का ब्रेक अभी लेंगे पहले ये कर लो अभी फ्लो में पढ़ा रही हूं पढ़ाने दो ठीक है अभी ब्रेक लेंगे चमक गया याद रखना ऑक्सीजन सबसे लास्ट में गिरेगा ये रिपीट पीवाई क्यू है फिर मत कहना तुम इन्हीं नोट्स से सवाल आएंगे इन्हीं नोट्स से इन नोट्स के बाहर इनऑर्गेनिक का कोई सवाल नहीं आएगा बट करना तुम्हें पड़ेगा जो तो नहीं कर रहे तो फिर मेरे को मत कहना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है सेम चीज तुम नाइट्रोजन फैमिली में भी लगा देते हो तुम्हें लगता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फरस है ना से ज्यादा फॉस्फरस की आर्सेनिक से ज्यादा आर्सेनिक की एंटीमनी से ज्यादा नहीं उल्टा ट्रेंड है क्यों क्योंकि ऊपर वाला फॉस नाइट्रोजन छोटा है नाइट्रोजन टू पी थ्री है कह रहे मैं संतुष्ट हूं तो जब नीचे जाते हो ना तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मायने नहीं रखती इसीलिए ग्रुप नंबर 15 का ट्रेंड ऑपोजिट हो जाता है नाइट्रोजन कम फिर फॉस्फरस फिर आर्सेनिक फिर एंटीमनी एंटीमनी फिर कहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो नाइट्रोजन कहता है मैं नहीं लूंगा मैं टू पी थ्री हूं मुझे मतलब ही नहीं है ना मेरे को मोम आया है ही नहीं दुनिया से मैं इलेक्ट्रॉन ही नहीं लूंगा तो देख लो फॉस्फरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है और आर्सेनिक की फॉस्फोरस से ज्यादा एंटीमनी की आर्सेनिक से ज्यादा है ये छोटी छोटी बारीक बारीक बातें याद रखनी जरूरी है ठीक है हाँ भाई स्पैम करना है तो हैप्पी बर्थडे मैम मत स्पैम करो है हाँ ना हैश टैग बुलंद तैयारी स्पैम करो ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए मैम का बर्थडे नहीं है भाई जिस दिन मेरा बर्थडे होता है ना मैं तो देखो ऐसी इंसान हूं जब मैं छोटी थी ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई मुझे बर्थडे विश करे मतलब लिटरली मेरे को ऐसा होता था मतलब जिस दिन मेरा बर्थडे होता था मैं चाहती थी भाई छुट्टी आ जाए मैं स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी मगर अब जब मेरा बर्थडे आता है ना मेरे को होता है यार दुनिया का हर इंसान मेरे को विश करे मतलब पता नहीं क्यों तो आजकल मेरे को अपने बर्थडे से बहुत प्यार हो गया जबकि ऐसा नहीं है कि बर्थडे पे कुछ स्पेशल होता है यहाँ पे ना कुछ ही नहीं होता तब भी क्लास ही ले रहे होते तुम्हारी <laughs> है ना बट हाँ तो जिस दिन बर्थडे होगा ना उस दिन याद से मेरे को मैसेज कर देना मैम हैप्पी बर्थडे आज मत करो आज मेरा बर्थडे नहीं क्यों बूढ़ा कर रहे हो मेरे को ऐसे ही खुश मैं अभी जिंदगी से बर्थडे आएगा तब सोचेंगे एक साल और बड़े हो जाएंगे आगे देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी B21 ट्वेंटी वन बुनियाद बु, फिर बुनियाद याद है बुलंद का इक्कीसवा टॉपिक तुम्हें ज्यादा है ना बुनियाद सीरीज ले लो ज्यादा तुमने दिमाग में भर दिया मेरे चलो बुलंद का इक्कीसवां टॉपिक इलेक्ट्रो नेगेटिविटी यहां से पेपर में सवाल आएगा अब देखो जब मैं बोल रही हूँ पेपर में सवाल आएगा दैट डज नॉट मीन कि हर सवाल हर पेपर में आएगा किसी पेपर में ये आएगा तो किसी पेपर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलिपी का सवाल आएगा आएंगे ये चीजें इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर थर्टीन की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अगर मैंने आपको सिखाई थी याद हो बोरॉन की ज्यादा फिर नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी कम होगी बोरॉन की एल्यूमिनियम से ज्यादा है फिर नीचे जाओगे इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी बढ़ेगी देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो तो नीचे जाते हुए क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है मगर बोरॉन और एल्यूमिनियम में से बोरॉन की ज्यादा ओवरऑल ट्रेंड अगर किसी को याद हो तो बताइए मुझे ओवरऑल ट्रेंड मैंने सिखाया था जब मैंने ट्रेंड वाली वीडियो ली थी इस वीडियो के बाद भी अगर किसी को ट्रेंड वाली वीडियो देखनी है तो देख जाना एक और अच्छी हेल्प मिल जाएगी ग्रुप नंबर फोर्टीन में

थ्री डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर शील्डर पुअर शील्डर्स की तरह बिहेव करते हैं तो बोरॉन की ज्यादा एल्यूमिनियम की कम फिर बढ़ती जाएगी थैलियम की और ज्यादा हो जाएगी कार्बन में कार्बन ज्यादा फिर सिलिकन जर्मेनियम टिन सेम है लेड की ज्यादा तो पहले आएगा कार्बन फिर आएगा टिन और पहले आएगा कार्बन फिर आएगा लेड फिर सिलिकन जर्मेनियम टिन नाइट्रोजन में आ, एंटीमनी बिस्मत के लगभग लगभग सेम है ग्रुप नंबर सिक्सटीन में कोई एक्सेप्शन नहीं है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज की बुलंद का बाईसवा टॉपिक ट्वेंटी सेकेंड टॉपिक है पॉलिंग स्केल रट्टे नहीं शॉर्टकट बताती पूरा रटना ही नहीं है ना तो वो आपको एल एलरेड्रॉस को स्केल करना है ना पॉलिंग के रट्टे मारने हैं ना मुलिकन के स्केल करने हैं कुछ नहीं रटके जाना मेंस में नहीं आता फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो एक शॉर्टकट सिखाती हूँ देखो फ्लोरिन की चार है नीचे आओगे तो एक का डिफरेंस कर देना नीचे आओगे तो पॉइंट टू का डिफरेंस करना नीचे आओगे पॉइंट टू का डिफरेंस चमक गया चार तीन दो पॉइंट आठ दो पॉइंट छह पहले एक का डिफरेंस है फिर जीरो में आओगे तो पॉइंट फाइव का हेर फेर करना है ये चार थी साढ़े तीन तीन ढाई दो डेढ़ एक और हाइड्रोजन की तो सब जानते ही है टू पॉइंट वन लेते हैं पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग चमका ख देखो ढाई फिर का डिफरेंस करना टू पॉइंट वन फिर जीरो पॉइंट थ्री का डिफरेंस कर देना और स्टेबल रखना का डिफरेंस पॉइंट थ्री का डिफरेंस पॉइंट थ्री का डिफरेंस हो गया पॉलिंग स्केल देख लो फटाफट फटाफट रट गया जिनको नहीं आया सामने देखो पहले नीचे जाओगे एक का डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट टू का डिफरेंस आधे का डिफरेंस आधे 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 का डिफरेंस यहाँ की टू पॉइंट वन है यहाँ पे पहले आधे का डिफरेंस पॉइंट चार का डिफरेंस पॉइंट थ्री का डिफरेंस रटना नहीं है ये तो वैसे ही अब तुम सीख रहे हो तो मैं सिखा रही हूं ये रटने की जरूरत नहीं है चलिए टॉपिक है हमारा आज की क्लास का एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड या तो आपके पेपर में ये सवाल आएगा या आपके पेपर में ये सवाल आएगा क्या आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बॉन्ड बढ़ता जा रहा है बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी मतलब बॉन्ड वीक हो जाएगा यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ेगा क्या आपको चमकता है एच एफ छोटा एच एफ कम एसिडिक है एच सी एल फिर एच बी आर फिर एच आई जब आप ग्रुप में देखते हैं तो साइज मैटर करता है ग्रुप में क्या मैटर करता है साइज हाँ अगर मैं पीरियड में बात करती हूँ जब मैं लेफ्ट से राइट right जाऊंगी ध्यान से देखो साइज उतना ज्यादा मैटर नहीं करता इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ेगी तो फ्लोरीन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा तो एच प्लस बेचारा आराम से निकल सकता है इसीलिए एच एफ फिर वॉटर फिर अमोनिया अमोनिया तो बेस होता है पानी न्यूट्रल है मतलब एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों है और एच एफ तो एक एसिड होता है कंफ्यूज मत होना कई बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कह रहे ये देखो मैम एच एफ और एच में से ना फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये अपने पास रखेगा इसलिए एच प्लस निकलेगा अरे भैया ग्रुप में साइज मैटर करता है पीरियड में इलेक्ट्रो मैटर करती है चमक गया ग्रुप में क्या देखना है साइज पीरियड में क्या देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी मन घड़ंत कहानियां नहीं लगानी गलत आंसर आएंगे यही कहानी है यही ट्रेंड है यही फ्लो है जो आना चाहिए चलिए अब हम बात करते हैं बी ट्वेंटी फोर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स याद है मैंने आपको क्या सिखाया था मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारी ऑक्साइड्स होती है इस एसिडिक बेसिक नेचर के बारे में हाँ ये देखो हमारी ऑक्साइड चार प्रकार की होती है एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। जनरली हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं देखो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी अरे भाई ये तो आजकल अयोध्या जाने वाले हैं पहले हम ऑस्ट्रेलिया ट्रिप बोलते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन अयोध्या ट्रिप एन एम ओ ए नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं फिर हम करते थे मॉब मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं फिर हम करते थे हस नो मरो ये आना चाहिए सबको हस नो मरो भैया हंस लिया करो नहीं तो एक दिन तो मर जाओगे हंसोगे नहीं ना तो मर जाओगे हसना मतलब लाफिंग गैस नो मतलब A2, लड़की नो कहे या लड़का नो कहे नो मतलब नो होता है मरो मतलब सीओ ये तीन क्या है हमारी न्यूट्रल ऑक्साइड चमकता है ये तीन क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड एम्फोटेरिक की कहानी सुना दो ये अभी डिमांड आने वाली थी सामने देखो एम्फोटेरिक की

ऐसे ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को कोई लिमिट नहीं मैं आठ घंटे पढ़ाऊँ नौ घंटे का वन शॉट चले आज कितने बज गए भाई साहब वन फोर्टी एट दो घंटे होने वाले सेशन स्टार्ट हुए ठीक है और तुम लाइक नहीं कर रहे हो बुरा लगता मैम को सही बता रही हूँ मैं एक्टिंग नहीं कर रही खैर ये बात अच्छी है कि मुझे एक्टिंग भी आती है काफी बढ़िया एक्टिंग आजकल मेरे को वो आ रहे हैं ऑफर्स एक्टिंग के ब्लॉग्स देख देख के समझ लो रीले देख देख के लोग बुला रहे कह रहे मैम आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो एक्टिंग कर लो मैन का सही है ये भी अच्छा है

सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होती है ना वो एसिडिक ऑक्साइड हो जाता है नॉन मेटल एसिडिक है मेटल के ऑक्साइड्स ये सारे ही मेटल के ऑक्साइड्स हैं बेसिक है और नीचे जाओगे तो देख रहे हो बेसिक नेचर बढ़ेगा नीचे जाओगे बेसिक नेचर बढ़ने लग जाता है चमक गया n2o मैम n2o आपने सिखाया था न्यूट्रल है क्या है न्यूट्रल no मैम आपने सिखाया था न्यूट्रल है एन टू ओ थ्री एसिडिक है नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक एन टू ओ फोर नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक और आर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड हो ऑब्वियसली एसिडिक अब ध्यान से देखना मेटल का ऑक्साइड बेसिक है ये बेसिक है ठीक है मगर अगर मैं मेटल को प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेती हूं तो ये एम्फोटेरिक होता है मेटल इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इज एम्फोटेरिक अभी सिखाती हूं और मेटल देखो है तो मेटल तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होना चाहिए मगर अगर मेटल को एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हो तो ये भी एसिड की तरह बिहेव करता है देखो 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 रट्टे मत मारो मैं सिखाती हूँ कौन कौन सी होती है देखो एक लड़का था उसका नाम था अली वो बहुत अच्छा गाना गाता था एक दिन गाना ही नहीं गा रहा था मैंने कहा जिंदा हो बे अली ऐसे उसको हिला के भैया जिंदा हो ऐसे नहीं कहते हैं ऐसे हमने उसको कहा जिंदा हो बे अली अगर जिंदा हो तो सुनाओ गाना चलो गाना सुनाने लगो फिर फिर कुरकुरे सब आसान वाले पत्थर मारो ठीक है उसने कहा कहा यार गाने तो आते मुझे फिर मैंने कुरकुरे वुरकुरे खाओगे कुरकुरे सब आसान वाले पत्थर मारो सारे आसान वाले कुरकुरों को पत्थर मारो यार कुरकुरे मुश्किल होने चाहिए कुरकुरों का नाम ही कुरकुरा है तो मुश्किल होना चाहिए तो क्या हुआ जिंदा हो अली सुनाओ गाना कुरकुरे सब आसान वाले पत्थर मारो सा, सारे आसान कुरकुरों को पत्थर मारो मतलब मतलब ये जिंक बेरिलियम एल्यूमिनियम टिन गैलियम इन सबके ऑक्साइड्स क्या है एम्फोटेरिक सबके ऑक्साइड क्रोमियम अगर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है इवन दैट इज एम्फोटेरिक फिर एस बी अगर प्लस थ्री, में है, प्लस थ्री में है मगर वेनेडियम प्लस फाइव वाला एम्फोटियम प्लस फाइव एसिडिक होता है V2O5 इस आगे जब ब्लॉक में तो भी पढ़ाऊंगी पत्थर का मतलब लेड लेड क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड और मारो का मतलब अगर मान लो मेरा मेटल कोई प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा अगर मेरा मेटल कोई भी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ जैसे कि अभी अभी आपने देखा एम एन ओ टू मेटल प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दैट इज एम्फोटेरिक प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल क्या है एम्फोटेरिक ये थे हमारे ऑक्साइड एग्जांपल e देख लेते हैं देख लो जर्मेनियम ऑक्साइड जर्मेनियम तो मेरे को पता चल गया एसिडिक है नॉन मेटल है जीईओ टू मतलब भाई नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक है ए मैंने कहा मैम आर्सेनिक प्लस थ्री है ये एम्फोटेरिक है

ये थे हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की लिस्ट दिस वाज द लिस्ट फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर हो गया बी ट्वेंटी फोर टॉपिक नंबर ट्वेंटी फाइव डन अब हम टॉपिक नंबर ट्वेंटी सिक्स पर आते हैं अभी प्रियोडी की चल रहा है देख रहे हो इतना डिटेल पढ़ा रही हूं अभी प्रियडी की चल रहा है तो ढंग से करते हैं हाँ अभी ब्रेक नहीं पहले प्रियोडिक पूरा करने दो तो फिर बात बात करेंगे बीच में कोई बीच में बातें नहीं लैटिस एनर्जी को लेके सब बच्चों को डाउट रहता है क्वेश्चन कैसे आएंगे सुनो लैटिस एनर्जी का मतलब होता है मान लो अगर मेरे पास एन ए प्लस और सी एल माइनस है तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है है ना दैट इज बेसिकली लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी इज कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक मोल लैटिस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंटू क्यू टूड्रैक्शन का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्र तो मैंने कहा मैम अगर दोनों के बीच में चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी दोनों के बीच में साइज कम है साइज कम है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी मैंने कहा मैम एल आई एफ एल आई सी एल एल आई बी आर एल आई आई इन सब की लैटिस एनर्जी कैसे निकालेंगे मैंने कहा देखो सबके अंदर लिथियम प्लस तो कॉमन है तो जो भी फर्क आएगा वो F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस आएगा I माइनस का साइज बड़ा है साइज बड़ा होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लैटिस एनर्जी कम तो एल आई की लैटिस एनर्जी सबसे कम आगे देखो एन ए एफ एम जी ओ एल टू ओ थ्री मैंने कहा देखो मैम यहाँ पर तो चार्ज फैक्टर याद रखना चार्ज फैक्टर हमेशा डोमिनेटिंग होता है एन ए पे प्लस वन एफ पे माइनस वन एम जी पे प्लस टू ओ पे माइनस टू ए एल पे प्लस थ्री ओ पे माइनस ओ पे माइनस टू तो भैया जिसके अंदर चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा क्यों क्योंकि उसके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा ये थी लैटिस एनर्जी की कहानी बी ट्वेंटी सेवेंथ सारे टॉपिक कराऊंगी कोई टॉपिक छोड़ूंगी नहीं ट्वेंटी सेवेंथ टॉपिक देखो अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है हाइड्रेशन में और आइनिक मोबिलिटी में मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे पास है लिथियम प्लस गैशियस और एने प्लस गैशियस ली ना की रूबी कैसल से फरा ध्यान से देखो अगर मैं गैशियस मोबिलिटी देखूं गैशियस मोबिलिटी कि गैशियस फेस में कौन आसानी से घूमेगा तो भैया जो छोटू सा होगा वो फटाक से भागेगा ना जो बड़ा होगा उसको अपने साथ बोझा भी तो लेके जाना पड़ेगा ना उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी तो गैशियस स्टेट में लिथियम प्लस बहुत जल्दी से भागेगा फिर एन प्लस फिर के प्लस फिर आरबी प्लस सही बात है अब ध्यान से देखना बच्चे लिथियम प्लस इतना छोटा सा था और के प्लस इतना बड़ा था तो इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा थी इसको बहुत सारे पानी आकर के सराउंड कर गए इतने पानी सराउंड करे कि लिथियम प्लस लिथियम प्लस गैस पता है चूहा था जब उसको इतने पानी आके सराउंड करे तो लिथियम प्लस एक्वस हाथी बन गया यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर एक गैशियस कैटाइन को पानी आकर के चिपकेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी मतलब द एनर्जी रिलीज जब एक गैशियस आयन को आकर के बहुत सारे पानी जुड़ेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी लीथियम प्लस की सबसे ज्यादा है फिर एन प्लस की है फिर के प्लस की है आरबी प्लस की है एंड सोन so मगर जब एल आई प्लस की बात हुई में भाई साहब ये हाथी बन चुका हाथी अब इसके बस की बात नहीं है चलना तो LI बहुत मुश्किल से चलेगा के एल आई प्लस, चलेगा, ओ, 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 के प्लस के, ए, फिर आएगा हमारा एनए प्लस फिर आएगा के प्लस सो ऑन so क्या ये बात सबको चमकी एनए प्लस ये किसी ना किसी के पेपर में डेफिनेटली पूरी की पूरी तामझाम आएगा डन है चमक गया तो तीनों चीजें अलग अलग हैं फेस की मोबिलिटी डिफरेंट है आयनिक फेस की मोबिलिटी डिफरेंट है हाइड्रेशन एनर्जी डिफरेंट है तीनों में रट्टे मत मारना कंफ्यूज नहीं होना समझ के जाओ कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉर्टेड चलिए एक दो तीन और टॉपिक बचे हैं फिर केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे आयुपेक नेम भी लिखना आना चाहिए कल को वो बोल दे 111 का आयुपेक नेम लिख कर बताओ सब जानते हैं ना कि भाई अगर आपके एलिमेंट का टॉमिक नंबर सौ से ज्यादा है तो उनका हम स्पेशल नाम रखते हैं जीरो मतलब नील वन मतलब अन टू डाई नहीं होता बाई होता है थ्री ट्राई फोर क्वाड होता है फिर पेंट हेग्स सेवन सेप्ट होता है ना कि हेप्ट गलतियां मत करना फोर इज नॉट ब्यूट इट इज क्वाड एट ऑक्ट होता है नाइन एन होता है ई डबल एन तो मान लो वन 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 का लिखना है तो वन मतलब अन यू कैपिटल दूसरा अन फिर तीसरा अन लास्ट में लिखते हैं नाम हो जाएगा यू 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 अनियम अन, अन, लास्ट में ई एम लगाते हैं चमक रहा है सबको चलो आगे देखो किसी को मान लो अटोमिक नंबर वन नाइनटी लिखना है वन का मतलब अन नाइन का मतलब एन फिर नील और एम और इसका सिंबल क्या हो जाएगा यू ई एन ये आने चाहिए ना, ना, गलती मलती मत कर देना सेप्ट मतलब मतलब सेवन मतलब हेप्ट क्योंकि ऑर्गेनिक की याद आ रही है ये छोटी छोटी चीजें है बट आनी चाहिए कौन सा था टॉपिक नंबर ट्वेंटी एट टॉपिक नंबर ट्वेंटी नाइन ना नाइनटी टू नी ट्वेंटी नाइन पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेबल में एलिमेंट की पोजिशन कैसे निकालनी है ये भी जरूरी है कई बार आ जाता है बताओ फोर्टी एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप में है कौन से पीरियड में एक शॉर्टकट से खाती हूँ वो कई बड़े सारे तरीके होते हैं हमें कोई तरीका नहीं करना मैं एक शॉर्टकट से खाती हूँ बस वो लिख लेना टू टेन एटीन थर्टी सिक्स टू टेन एटीन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर एटी सिक्स लिख लिया तुम्हें एटॉमिक और फिर लिख लेना एक सौ अठारह ये क्या है ये इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर है तुम्हें निकालना है फोर्टी सेवन तुम देखो फोर्टी सेवन कहाँ पे लाई करेगा यहाँ पे लाइन खींच लो तो ये फिफ्टी फोर है ये फिफ्टी थ्री है ये फिफ्टी टू है फिफ्टी है फिफ्टी के बाद हाँ फिफ्टी वन है ये आ जाएगा फिफ्टी वन फिर फिफ्टी फोर्टी नाइन फोर्टी एट फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन आ गया फोर्टी सेवन अब हम कैसे करेंगे मैंने कहा मैम ये ये फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड मतलब वो पीरियड नंबर फाइव में होगा ये ग्रुप नंबर सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह फिर तेरह के बाद बारह बारह के बाद ग्यारह ग्रुप नंबर इलेवन और ग्रुप नंबर इलेवन देखते ही चमकना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट चमका ऐसे ही करने है कोई तीड़मबाजी नहीं करनी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना दो चीजें बच्चे बच्चे को याद होनी चाहिए लैंथेनॉइड्स होते हैं 57 से 71 जिसमें से 57 खुद लैंथेनम है 58 से 71 लैंथेनॉइड्स होते हैं एक्टिनाइड्स आते हैं 89 है एक्टिनियम तो आप कह दो 90 से लेके 103 ये नंबर रटे होने चाहिए एक जरा सा सवाल आता है कि आपको एटॉमिक नंबर 64 की पोजीशन बतानी है ठीक है सिर्फ इतना सवाल आएगा

तो ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा एक दो तीसरे ग्रुप लेंथनॉइड या एक्टिन सारे ही ग्रुप नंबर थ्री को बिलोंग करते हैं सब कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे ग्रुप ग्रुप कि ये फिर ये फोर, ये ना, ये फिर ना सारे को को बिलोंग करते हैं इसी को ग्रुप नंबर फोर कहते हैं इसी नंबर कहते चमक गया और अगर ये येड है तो पीरियड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो फॉर श्योर सिक्स पीरियड का होगा करना ही नहीं है ये थोड़ी ना पेपर में प्रियोडिक टेबल बना के देख रहे हैं सिक्सटी फोर कहाँ लाई करता है ऐसे काम नहीं करना टाइम वेस्ट नहीं करना टाइम वेस्ट वो बच्चा करता है जो वेला होता है तुम पेपर में भी वेले नहीं हो जरूरी नहीं पेपर में तुम्हें सब कुछ आएगा मगर ये जरूरी होना चाहिए कि पेपर में जितना पेपर में पूछा गया ना और जितना तुम्हें आता है वो सब करके आओगे ये नहीं की आता तो था बट टाइम नहीं मिला टाइम की खोटी करनी टाइम वेस्ट नहीं करना चमक गया तो यहां तक हो चुके हैं हमारे कितने टॉपिक P29 और ये हो गया एक P29 हो गया चलो एक इसको P30 लिख दो जल्दी से एक आंसर दे दो शॉर्टकट एक 106, 106 बताओ पोजीशन क्या है एक सौ की पोजीशन बता दो अभी बात कर रही हूँ एक सौ की पोजीशन बताओ तभी बात करूंगी टेल द पोजिशन ऑफ एलिमेंट वन जीरो सिक्स कौन से पीरियड में कौन से ब्लॉक में कौन से ग्रुप में कैसे करेंगे एक सौ अठारह एक सौ सत्रह एक सौ सोलह एक सौ एंड सोन 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 निकाल लोगे कौन से पीरियड में लाइक करता है सेवन पीरियड यस चमक गया एक और शॉर्टकट सीख लो जाते जाते एक शॉर्टकट सीख लो ये जो 118, 115, 114, 113 इनको लिख के नहीं देखना होता मतलब 114 वाले का ग्रुप है 14 बात खत्म 117 वाले का ग्रुप है 17 115 वाले का ग्रुप है 15 बस दिस इज द शॉर्टकट तो जो 111 से 118 वाले होते हैं ना इनका जो ग्रुप है वो वही होता है जो लास्ट के दो डिजिट है 116 का ग्रुप नंबर 16, 117 मतलब हैलोजन है ग्रुप नंबर 17 गया सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड आर फर्स्ट 30 टॉपिक्स ऑफ बुलंद हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट किया है और तुम देख लो मस्त तरीके से हमने प्रियोडिक क्लासिफिकेशन और देखो मेरे को कोई स्पीड की दिक्कत नहीं है कि मैं जल्दी पढ़ाऊँ जल्दी खत्म हो जाएगा मेरा मुझे कोई मतलब नहीं भाई अपना ही चैनल है अपने ही बच्चे हैं ठीक है अपनी ही टी शर्ट है मतलब कहने का मतलब यार तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ देखो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ तो तुम्हें तो डेफिनेटली मेहनत करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा कहा था ना ब्रेकफास्ट करके आना लंच डिनर मैं करा दूंगी ठीक है तो अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं ऐसे बाकी सारे चैप्टर्स के लिए मेहनत करूंगी एंड मैं ये भी बता देती हूँ ऐसा मत सोचना कि हाय पहले चैप्टर को इतना देर लगाया तो सारे चैप्टर्स कैसे करेंगे टेंशन मतलब जो भी हम प्रियोडिक में सीख रहे हैं वो डी एंड एफ में काम आएगा वो पी ब्लॉक में काम आएगा तो आगे चीजें आसान होती जाती हैं बट वो आसान चीज तभी लगेगी जब आपने <laughs> समझ रहे जब आपने ढंग से चीजों को सीखा होगा अगर बस टाइम पास करने के लिए सीख रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है अब मुझे बताओ हाउ वॉज बुलंद ठीक है, पसंद आया? Yes, मजा आ रहा है सबको एवरी वन इज सुपर एक्साइटेड यस तो मेरे को एक बार हैश टैग मैं आज हार्ट भी नहीं मांगूंगी आज हार्ट भी नहीं चाहिए बस मुझे आज तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस दिखता दिखता रहना चाहिए कि हैश टैग बुलंद तैयारी हमारी तैयारी बुलंद होनी चाहिए मुझे नहीं पता वो एक मुट्ठी बनी हुई आती है या नहीं आती है इमोजी में अगर आती है तो भाई दे दो आज मुझे चैट्स में भी बस एक चीज चाहिए है ना कमेंट सेक्शन में भी एक चीज़ चाहिए कि हैश टैग बुलंद तैयारी मेरे वीसियंस किसी से डरते नहीं है किसी की औकात नहीं कि हमारे बच्चों को डरा दे हम पूरी दुनिया को प्रूव करेंगे कि भाई साहब हमारा सिलेक्शन ही हमारा जवाब है मगर मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि मेहनत करें मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए मैं सही बोल रही हूँ ठीक है एक नक्श है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ और एक तुम हो जिनके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ बट तुम्हें वो विश्वास और तुम्हें वो मेहनत दिखानी पड़ेगी अगर तुम मेहनत नहीं दिखाओगे भाई साहब टीचर के बस की बात ही नहीं होती है। एक टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता बट जब उसके बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं ना तो भाई साहब एक टीचर भी होता है ना एकदम मतलब हम फुल कॉन्फिडेंस में बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे मेहनती हैं बस मेहनत चाहिए मैं तो ये कह ही नहीं रही कि सिलेक्शन ला के दिखाओ कि मुझे रिजल्ट दो मैंने तो कभी नहीं कहा तुम्हें मैं तो बस ये कह रही हूँ मेहनत करके प्रूव करो कि मेरे बच्चों ने मेहनत करी इससे ज़्यादा रिजल्ट तो देखो जिस दिन आएगा सबका आएगा है ना जिस रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा उसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए बच्चे का मेहनत करना हमारे बस की बात है मेहनत कराना हमारे बस की बात है वो मैं आपको करा रही हूँ चलिए तो अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग बिफोर वी स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग बताइए ब्रेक चाहिए या शुड आई कंटिन्यू ब्रेक चाहिए या हम कंटिन्यू करें अभी लंच ब्रेक अभी मतलब यार लंच करेंगे चार बजे अभी क्या टाइम हुआ अभी तो दो बजे है दो बजे कौन लंच करता है यार दस बजे ब्रेकफास्ट किया होगा तुमने दो बजे भूख लगी तुम्हें लंच की आज मैंने बनाए सुबह सुबह कड़ी चावल भाई साहब मजा आ जाएगा कड़ी चावल खा के तुम भी खाओगे मेरे साथ एक काम करते हैं लंबा ब्रेक नहीं दूंगी सिर्फ पांच से दस मिनट के ब्रेक हम लेते रहेंगे क्योंकि मेरे को भी है ना एनर्जी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रही हूं तो लास्ट तक मैं टिकी नहीं पाऊंगी सिर्फ पांच से सात मिनट का ब्रेक लेते हैं ठीक है दो बज के सात मिनट हो दो बज के पंद्रह मिनट पे हम वापस मिलेंगे दिस इज नॉट लंच ब्रेक लंच ब्रेक नहीं है थोड़ा मैं भी फेस वॉश कराती हूँ थोड़ा वापस एनर्जी बूस्ट हो जाएगी पानी वानी और भर आती हूँ और फिर हम कंटिन्यू करेंगे तो दो बज के पंद्रह मिनट पर मैं कोई टाइमर नहीं लगा रही दो बज के पंद्रह मिनट में सब बच्चे मुझे वापस क्लास में चाहिए सिर्फ सात मिनट का ब्रेक तुम्हें दे रही हूँ थोड़ा फ्रेश हो आओ मैं भी हो आती हूँ ठीक है और फिर कंटिन्यू करेंगे सात मिनट मतलब सात मिनट दो बज के पंद्रह मिनट पर सब क्लास में होने चाहिए फिर टॉपिक चालू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग ठीक है चलो टाइमर चालू हो चुका है मैं जरा पानी वानी भर के आती हूँ फिर मिलते हैं चलो ओके एंड जी दो इज एवरी वन बैक यस 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 सब आ गए चलिए ओके okay. जनसंख्या कम होती हुई नजर आ रही है मुझे वापस आ जाओ फटाफट से सारे बच्चे एंड नाउ दिस इज द टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आर बुलंद जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग बट वन सेकेंड बिफोर वी प्रोसीड अहेड मैं एक बार ना ये पूरा सेव कर लेती हूँ कहीं पता चले गायब हो गई चीजें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यस चलिए सो स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में जिस भी प्रकार के सवाल आते हैं चाहे सिंपल लेवल के चाहे हाईफाई लेवल के सारे प्रैक्टिस कराऊंगी आपको सारी थियोरी भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी मगर चैट्स में मुझे है ना क्या मिलना चाहिए क्या मांगती है मैम हमेशा हैश बुलंद तैयारी यस हैश टैग बुलंद तैयारी वापस में आ जानी चाहिए भरमार उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सामने देखिए सबसे पहला टॉपिक जो केमिकल बॉन्डिंग में है दट इज रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन आपको ये बताना है कि बॉन्ड बनता कैसे है आपको पता ये भी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड सवाल पेपर में आए हुए हैं ध्यान से सुनना सपोज करो आपके पास दो एटम्स है सबसे पहले ये दो एटम्स एक दूसरे से इंफाइट डिस्टेंस पर है जैसे तुम और तुम्हारी बंदी तुम यहाँ हो हो सकता है तुम्हारी बंदी इंडिया के किसी और कॉर्नर पे हो बहुत दूर है तुम्हारे से तो तुम दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स आर तो जब दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस इन्फानाइट था तो कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं थी धीरे धीरे हमारे एटम्स एक दूसरे के पास आने स्टार्ट होते हैं सपोज करो तुम्हारा और तुम्हारी बंदी का एक बार है ना मिलन हुआ तुम कहीं पे पे मिले मिले मेट्रो स्टेशन पे एक बार ठीक है तो तुम्हें उसकी अच्छाइयां ज्यादा अच्छी लगेंगी और बुराइयां कम बुरी लगेंगी ये होता है हर रिश्ते के शुरुआत में अच्छाइयां ज्यादा अच्छी लगती हैं बुराइयां कम अच्छी लगती हैं मतलब शुरू शुरू में देखो हो, हो क्या रहा है दो न्यूक्लियस भी आपस में पास आ रहे हैं और दोनों न्यूक्लियसों के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पास आ रहे हैं यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन भी है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी है इसका न्यूक्लियस इसको इक... इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कहने का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही बढ़ेंगी मगर जैसे कि मैंने बोला शुरू शुरू में अट्रैक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ती है रिपल्शन कम तेजी से बढ़ता है तो देखो आपकी एनर्जी शुरू है।, है? है।, है।, है बढ़ती जा रही है एक पॉइंट आया जब ये दो एटम्स एक दूसरे के काफी पास आ चुके हैं ये जो पॉइंट आया ना जब दो एटम्स एक दूसरे के काफी पास आ चुके हैं इस पॉइंट को कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो

मतलब ये वो सिचुएशन थी है ना जब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली सिचुएशन थी फिर एक सिचुएशन आती है जहां मम्मी पापा शादी करा देते हैं शादी करा दिया मतलब बॉन्ड लेंथ बन चुकी है मतलब नाउ यू गाइज आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी है सब बैलेंस है अब तुम एक दूसरे के और पास घुसने की कोशिश करो है ना तुम उससे बारी बारी पूछो कहाँ गई थी क्यों गई थी कितने पैसे खर्च किए कहाँ गए ये वो ये वो भाई साहब इतनी गंदी तरीके से रिपल्शन बढ़ता है कि डाइवोर्स हो जाता है समझ रहे हो तो एकदम से रिपल्शन तेजी से बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी मोर ये पूरी कहानी थी द रीजन फॉर बॉन्ड फॉर फॉर्मेशन खाली ग्राफ से रिलेटेड सवाल नहीं आता अगर खाली ग्राफ से रिलेटेड सवाल आता होता तो ग्राफ चिपका देती मगर जो मैंने ये आपको टुकड़ों में चीज़ बताई कि पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते हैं रिपल्सिव नहीं बढ़ते उतने फिर अट्रैक्शन रिपल्शन सेम हो जाते हैं और ये जो डिस्टेंस निकल के आता है दोनों एटम्स के बीच दैट इज़ बॉन्ड लेंथ उसके नीचे जाने की कोशिश करोगे अट्रैक्टिव फोर्सेज उतने नहीं बढ़ते रिपल्सिव तेजी से बढ़ते हैं ये छोटी छोटी बारीक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे ये था हमारी क्लास का बुलंद थर्टी वन इकतीसवां टॉपिक हमने डिस्कस किया अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक सिखाऊंगी जो दुनिया की नजरों में बिल्कुल बेकार टॉपिक है और कोई टीचर इसको पढ़ाने में खुशी फील नहीं करता लाइक एवरी वन इज लाइक ल्यूइज डॉट स्ट्रक्चर कौन कराता है यार मतलब जेई के बच्चों को पढ़ा रहे हो नाइन टेंथ के बच्चों को पढ़ा रहे हो मैं जान के तुम्हें दस मिनट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे लिए रट्टे नहीं मारने सिर्फ लूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो मजा आ जाएगा सबसे पहला ल्यूस ये कहता है ना कि कोई भी एटम इसलिए बॉन्ड बनाता है सो so दैट वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए सो दैट इट कैन अ स्टेबल ऑक्टेट अब मान लो मैंने कार्बोनेट सुनो एक दो एग्जाम्पल मैं लिखूंगी बाकी तुम करोगे देखो पहले मेरे पास है कार्बन कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है चार बना दिए चार अब देखो साइड में कितने ऑक्सीजन है तीन ऑक्सीजन पता है क्या होता है ऑक्सीजन होता है राक्षस ये नेगेटिव को खा जाता है क्या सिखाया ऑक्सीजन होता है राक्षस बस याद रखने का तरीका है ऑक्सीजन होता है राक्षस ये नेगेटिव को खा जाता है कितने नेगेटिव है दो तो दोनों ऑक्सीजन को एक एक नेगेटिव दे दो वैसे तो ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं मगर अगर ओ पे माइनस आ गया तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अब कितने ऑक्सीजन बचे एक कार्बन के साथ बना दो डबल बॉन्ड ये है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर मेरे को सुंदरता से मतलब नहीं है मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि क्या आपको ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है या नहीं सामने देखो पहले क्लोरीन लिखो एक दो तीन चार पांच छह सात ऑक्सीजन क्या है राक्षस ऑक्सीजन क्या खा जाएगा नेगेटिव तो एक ऑक्सीजन नेगेटिव खा गया कितने ऑक्सीजन बचे एक वो बनाएगा डबल बॉन्ड बस यहां से देखते ही पहचान जो कितने बॉन्ड बन रहे हैं देखो दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड और ये जो लो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसे रह गया इसको क्या कहेंगे लोन पेयर अभी इतना तो आता ही है यार बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या होते हैं इसमें तो टाइम मत वेस्ट करना इतना तो बता देना फटाफट -फट. चलो नाइट्रेट नाइट्रोजन एक दो तीन चार पांच ऑक्सीजन क्या है राक्षस ये नेगेटिव खा जाएगा तो ओ पे माइनस अब नाइट्रोजन एक बनाएगा डबल बॉन्ड बना लिया सामने देखो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है एक दो तीन चार पांच छे सात आठ खत्म कहानी नाइट्रोजन आठ से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता मगर यहां पे मेरे पास अभी भी है ना दो दो ओ बन गए सारा कंप्लीट है क्लियर है तो मेरे पास एक डबल बॉन्ड बना एक सिंगल बॉन्ड बना एक लोन पेयर बना आगे चल के इनका फायदा बताऊंगी पहले ल्यूज स्ट्रक्चर बनाने सीख लो जल्दी से सी एल ओ टू पॉजिटिव भाई साहब ऑक्सीजन राक्षस है नेगेटिव खाता है कहीं पॉजिटिव खिलाने लग जाओ उसको तो देखो ये पॉजिटिव कहां जाएगा सेंट्रल एटम पे एक दो तीन चार पांच छह सात क्योंकि पॉजिटिव सेंट्रल पे चला गया तो सीएल का एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो ऑक्सीजन कितने हैं दो ले चिपका दो दो ऑक्सीजन एक लोन पर बन गया जल्दी से बी आर एफ माइनस बी आर एक दो तीन चार पांच छह सात ऑक्सीजन राक्षस था मैंने कभी नहीं कहा फ्लोरीन राक्षस है तुमने अपने मन में बना लिया कि फ्लोरीन राक्षस है क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोन नेगेटिव है मैंने तो बोला ही नहीं तो जब तक ऑक्सीजन नहीं है नेगेटिव किसको दोगे सेंट्रल एटम को दे दो कितने फ्लोरीन चिपकाओगे चार बना दो कितने बनाओगे चार दो लोन पेयर इनका फायदा बाद में सिखाऊंगी पहले ये बनाना सीखो आई थ्री माइनस वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर जेई मेन्स हर बार पूछते हैं थ्री माइनस को क्या लिखो आई आई टू माइनस आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच छ सात क्या ऑक्सीजन है नहीं तो नेगेटिव कहां जाएगा सेंट्रल एटम पे एक और इलेक्ट्रॉन दे दो कितने आयोडीन है दो बात खत्म बस इतना ही बनाना था एक्सीएफ फोर एक्सीएफ फोर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कितने फ्लोरीन है चार कितने लोन पर दो बस इतना बना लो बाद की बात बाद में करूंगी चमक गया सबको ठीक है चलो ये चमक गया बोर्ड की तैयारी भाई साहब बोर्ड की चिंता मत करो पहले जेई मेंस की चिंता कर लो आज वन शॉट है जेई मेंस का दोबारा नहीं लूंगी इनऑर्गेनिक का वन शॉट दोबारा पहले बता रही हूं तो पहले प्रेजेंट में जीना सीखो ना फ्यूचर में ना पास्ट में जल्दी से सी एल ओ थ्री एक दो तीन चार पांच छह सात तीन ऑक्सीजन है तीन ऑक्सीजन चिपका दो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है एक् ओ थ्री एक दो तीन चार पांच छे सात आठ तीन ऑक्सीजन है तीन ऑक्सीजन है एक लोन पेर है बस चिपका दो क्यों कराया ये सब अभी सिखा दूंगी पहले ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर आ गए सबको सबको ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने आ गे। आ गए बढ़िया चलो अब मैं बात करती हूं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बला है अच्छा बचपन से ये तो सीखा था ना कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था तो जब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन <coughs> दूसरे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ ओ की ये जो ओजोन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ये 2023 के जेई मेंस के पेपर का सवाल है 2023 जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 2021 लास्ट तीन साल से ओजोन का सवाल पेपर में आ रहा है तो इस साल भी आएगा O3 कैसे बनाते हैं देखो पहले बना लो ऑक्सीजन एक दो तीन चार एक दो तीन चार बन गया अब हुआ क्या एक और ऑक्सीजन बेचारा यहां पर खड़ा है जिसके पास एक दो तीन चार पाँच छ इलेक्ट्रॉन है ये कह रहे हैं हाई मैं तो लुट गया बर्बाद हो गया बॉन्ड ही नहीं बनाने को कोई मिल रहा तो ये बेचारा ऑक्सीजन कहता है कि देख मेरे वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट है मेरे को और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बट मैं तेरी हेल्प कर दूंगा मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन तेरे को दान में दे दूंगा तो ऑक्सीजन ने एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छा तुमको कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करना आता है कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो तो यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन रखो यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन रखो यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स रखो जो दान करता है जिसने दान किया इसपे प्लस जिसने दान लिया उसपे माइनस जिसने इलेक्ट्रॉन दिए पे प्लस जिसने इलेक्ट्रॉन लिए पे माइनस अब कल को आपसे कोई पूछे बताओ फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का कितना तो इसका प्लस वन इसका माइनस वन इसका जीरो कोई पूछे बताओ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर मेन का दो हजार तेईस का सवाल था कि ओजोन के अंदर टोटल लोन पेयर बताओ बता दो अब टोटल लोन पेयर काउंट करने में कितनी ही देर लगेगी एक दो तीन चार पांच छह लोन पेयर थे ये जय मेन दो हजार तेईस का सवाल था अगर तुमने पीवाई क्यू ढंग से करे मैम एनओ थ्री माइनस का स्ट्रक्चर सिखाओ सामने देखो हम किसी से नहीं डरते भाई थ्री माइनस का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन क्या है एक दो तीन चार पांच नेगेटिव खा जाएगा तो एक के साथ बना दो o दूसरे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के पास आठ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं हाथ नाइट्रोजन से कहेगा मैं अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करूंगा तो अब ये बेचारा ऑक्सीजन मुंह ताक रहा रहा है है कह हाय हाय लूट गया बर्बाद हो गया क्या करूं नाइट्रोजन ने कहा घबरा मत मैं तेरे को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता हूं तो नाइट्रेट के स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है एक ओ माइनस है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे एक डबल बॉन्ड ओ माइनस जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे प्लस जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पे माइनस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट क्या ये कहानी सबको चमकी आज तुम्हारे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एमओ टी चोटिला मेथड ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर सारा कुछ करा दूँगी केमिकल बॉन्डिंग में ठीक है ना थर्मल स्टेबिलिटी ये वो फ्लॉन्ट ढींग कोई टॉपिक बचेगा ही नहीं भाई ऐसे ही थोड़ी ना बोल रही हूँ अगर आज मेरे साथ सात या आठ घंटे जितने भी सेशन चलेगा अगर इतने घंटे की मेहनत करी तो मैं नौ में से आठ क्वेश्चन कराने की तुम्हें मतलब नौ में से आठ तुम से बन जाएंगे इस बात की प्रॉमिस ऐसे ही नहीं करिए इसलिए करिए क्योंकि एक एक टॉपिक कवर कराऊंगी मगर तुम्हें करते चलना है रुकना नहीं है ठीक है चलिए अब हमारी क्लास का ये कौन सा टॉपिक था uh, डॉट स्ट्रक्चर हो गया बुलंद का टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया बुलंद का टॉपिक नंबर थर्टी फोर आज हम कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आप पढ़ते हैं आपके दो uh, रास्ते निकलते हैं एक होता है ओवरलैपिंग थ्योरी एक होता है आपकी हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग थ्योरी से कैसे सवाल आते हैं याद है ऑक्सीजन कैसे बनता है वी के अकॉर्डिंग सुन लो तो ऑक्सीजन होता है हमारा 1s2 2s2 है ना कितना होता है ऑक्सीजन आठ यानी कि 1s2 2s2 2p4 तो अगर मैं 1s2 2s2 2p4 बनाऊंगी तो मेरे पास ऐसे बनेगा मैंने देखा मैम ऑक्सीजन को ओ डबल बॉन्ड ओ बनाना है तो एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड बनाना है सिग्मा बॉन्ड दूसरे वाले को पाई बॉन्ड बनाना है तो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को बीच में रखो मैम एक ऑक्सीजन का टूपी और बाइटल दूसरे ऑक्सीजन के टूपी और बाइटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये बीच में क्या है ऑक्सीजन एटम बीच में क्या है ऑक्सीजन एटम ये बन गया सिग्मा बॉन्ड फिर हमने एनसीआर का स्ट्रक्चर है ये ऑक्सीजन का टूपी इसके टूपी के साथ कंबाइन करके पाई बनाता है इज हाउ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओ टू याद आया एक सिग्मा बॉन्ड जो अलोंग द एक्सिस बनता है इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं जो ऐसे साइड वाइज ओवरलैप से बनता है इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं एंड सेम स्ट्रक्चर आपने एन टू के लिए भी सीखा होगा नाइट्रोजन क्या होता है टू पी थ्री टू पी थ्री से कुछ याद आया ऐसा 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 तो मान लो ये नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन है एक का नाइट्रोजन का पी और बाइटल दूसरे पी और बाइटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है है फिर ये जो वाला है, ये जो वाला के साथ कंबाइन करके पाई बॉन्ड बनाएगा और फिर दूसरा ये वाला इसके साथ कंबाइन करके दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा दिस इज एन ट्रिपल बॉन्ड एन ये टाइम पास नहीं है ये इंपॉर्टेंट है इस साल पेपर में सवाल आएंगे फिर मत कहना कि मैम हमने तो इसको इतना ईजी मान के किया ही नहीं था इसको इजी मत मान लेना ये चीजें पेपर में आएंगी तो एन टू के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बनते हैं चलिए ओवरलैपिंग किसने प्रकार की होती है ऐसे पेपर में सवाल आते हैं कि बताओ एस पी की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा पी एक्स की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा सुनो ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है एक होती है को एक्सियल ओवरलैप को एक्सियल मतलब हेड टू हेड ये नाखूनों की नाखूनों से टक्कर कराओ को एक्सियल ओवरलैप एक होती है को ओवरलैप साइडवेज ओवरलैप कहते हैं मान लो जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ अलोंग द एक्सिस बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है एक टूपी दूसरे टूपी के साथ अलोंग द एक्सिस बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा यानी कि एक की एक लोब दूसरे की एक लोब एक एक लोब जब आपस में मर्ज करती है क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड एक एक लोब जब आपस में मर्च करती है क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड मगर एक पी ऐसा एक पी ऐसा दो दो लोब्स मर्च कर रही हैं ऊपर वाली ऊपर वाली के साथ नीचे वाली नीचे वाली के साथ दो दो लोब्स जब मर्च करती हैं इसको क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड और ध्यान से सुनना जो आप बनाने वाली हूं वो इंपॉर्टेंट है मान लो मेरे पास एक डी और ऐसी है दूसरी डी और ऐसी है और मैं आपको कह रही हूं ये देखो ये व्हाइट वाली डी और बाइटल व्हाइट के साथ मर्ज करेगी ठीक है ये ब्लू वाली डी और बाइटल ये कलर तो वैसे ही करके दिखा रही हूं ये ब्लू वाली के साथ मर्ज करेगी फिर येलो वाली डी और बाइटल का लोब इसके साथ मर्ज करेगा और एक चौथा भी ड्रॉ कर लेते हैं लाल का जो लोब है वो लाल वाले के साथ मर्ज करेगा क्या तुमको चार चार लोब्स की ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है जब भी चार लोब्स आपस में ओवरलैप करते हैं क्या बनता है डेल्टा बॉन्ड क्या बनेगा डेल्टा बॉन्ड एक क्वेश्चन देती हूँ ये मैंने अपने वोट्स में दिया था तो तुमको भी दे देती हूँ ठीक है ना इसको कीप करते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन मैं देती हूँ देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व कर लेगा ऐसा सवाल पेपर में आता है मैंने वोट्स में दिया था उस दिन चलिए मेरे को बताइए ये किस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा इज द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट विल बी ऐसा सवाल पेपर में आता है जब लोब्स के बेसिस पे आपको आंसर देना होता है कि सिग्मा है पाई है डेल्टा है चलो जल्दी 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 से बताओ स्पैम भाई साहब स्पैम मत करना मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करूंगी एक दिन अभी तीन चार दिन पहले ना एक बच्चे ने मेरे को लिटरली सौ सौ मेल किए ठीक है थीके? तो मैंने उसको फोन किया और पहले तो उसको डांटा ठीक है पांच दस मिनट तो मैंने डांटा कह रहा मैम मैंने सोचा कि ज्यादा मेल करूंगा स्पैम करूंगा तो आप रिप्लाई करोगे मैंने कहा तू पहले तो सारे मेल डिलीट कर और उसके बाद मेरे को एक ही मेल कर और फिर मैं तेरे को आंसर दूंगी तुम एक बार भी मेल करते हो या एक बार भी चीज पूछते हो ना तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगी बट तुम सौ बार लिखोगे सेम चीज को स्पैम करोगे उससे यार मतलब नहीं होता वो दैट इज नॉट द करेक्ट वे है ना कौन सा बॉन्ड है वेरी गुड जब एक और बाइटल इससे एक और बाइटल इससे कितनी और बाइटल का ओवरलैप हुआ दो दो लोब्स का ओवरलैप हुआ दो दो लोब्स का ओवरलैप हुआ तो कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड वेरी गुड चमक गया तो डेल्टा बॉन्ड अलग है पाई बॉन्ड अलग है आगे देखिए अच्छा हाइब्रिडाइजेशन की कहानी अब देखो इतना टाइम नहीं है अब मतलब मेरे को सिर्फ छह घंटे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना होता तो मैं कहानियां सुना सुना के पढ़ाती अब मुद्दे की बात करती हूँ मान लो मैं बेरिलियम क्लोराइड की बात करूं मैंने कहा बेरिलियम है वन एस टू है ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम वन एस टू टू एस टू मैंने कहा मैम बेरिलियम ने दो दो बॉन्ड्स बनाने हैं तो जब और वन एस टू तो अंदर वाला है तो उसको इग्नोर कर दो मैंने कहा मैम टू पी जीरो है अगर बेरिलियम ने दो बॉन्ड बनाने हैं तो VBT ये कहता है कि मुझे दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए सुनो VBT कहता है कि अगर आपके सेंट्रल एटम ने दो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो आपके पास दो हाफ फिल्ड फिल्ड होने चाहिए तो तो बेरिलियम अपने ग्राउंड स्टेट में दो हाफ फिल्डल नहीं रखता तो हमने बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन के एक्साइट किया बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया ये दोनों ऑर्बिटल्स अब आपस में मिक्स होंगी और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन मतलब इट इज ये असर्शन रीजन में सवाल आते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सो दैट नई ऑर्बिटल्स बनेंगी जहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी तो दो ऑर्बिटल देखो पहले एस ऐसा था गोलू-मोलू पी था पतला और लंबा जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो मेरे पास दो सेम टू सेम ऑर्बिटल आएंगी ऑर्बिटल क्या होती है ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहेंगे तो देखो ये बेरिलियम सेंटर में रहेगा एक और बाइटल ऐसे एक और बाइटल ऐसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया 180। अब एक क्लोरीन यहां से आएगा एक क्लोरीन यहां से आएगा मेरे पास बन जाएगा BeCl2 अब हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो हम कहेंगे sp शेप कोई पूछे तो मैं कहूंगी देखो लीनियर और बॉन्ड एंगल पूछे तो मैं कहूंगी 180 डिग्री इतनी लंबी कहानी पेपर में करना आसान नहीं है मैंने कहा था ना मेरे पास सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने का होगा मैं ऐसी कहानी हर एक के लिए सुनाऊंगी मगर इतनी लंबी कहानी हम नहीं पढ़ सकते पेपर के लिए अब हम सीखते हैं शॉर्टकट सामने देखिए शॉर्टकट बहुत प्यारा सा सिखाऊंगी यहाँ पर एक और स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं शॉर्टकट सीखने के लिए न्यू स्लाइड सामने देखिए देखते जाओ देखो मैंने एक नंबर लिखा जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर स्टेरिक होता है कि प्लस लोन तुमने सुनना अब ये मस्त चीज है यहाँ से चार नंबर का मस्त सवाल बनेगा आसान सवाल बनेगा और अब दस मिनट तक सब कुछ भूल जाओ सिर्फ इस पे फोकस करना ये नहीं कि मेरी ऑर्गेनिक कैसे होगी मेरा फिजिकल कैसे होगा किसी की कोई टेंशन नहीं लेनी यहाँ से चार नंबर बटोर लो कभी भी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन का सवाल आए या ये सवाल आए बताओ शेप क्या है ज्योमेट्री क्या है ना, है ना लोन पेयर कितने हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं कितने एटम प्लेन में लाई करेंगे गोली मारो देखो तुम्हें निकालना एक नंबर जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर मतलब बॉन्ड बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर स्टेरिक नंबर दो आ रहा है तो चुपचाप कह देना हाइब्रिडाइजेशन एस है स्टेरिक नंबर तीन आ रहा है कह दो हाइब्रिडाइजेशन एस टू है चार आ रहा है कह दो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है पांच आ रहा है कह दो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है छह आ रहा है कह दो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है सात आ रहा है कह दो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है इससे ज्यादा तुमसे कोई पूछेगा नहीं चमक गया दो तीन चार पांच छह सात के लिए sp sp2 sp3 sp3d SP3, sp3d2 sp3d3 चमक गया देखो मैम हमें पता कैसे चलेगा सामने देखो मान लो बीसीएल है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो आ गया बना लिया लुइस डॉट स्ट्रक्चर सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं तीन लोन पेयर कितना आ रहा है जीरो टोटल नंबर तीन तीन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 चमक गया अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो आपका पता है दो बॉन्ड ऐसे रखोगे 180 डिग्री पे लीनियर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो तीन बॉन्ड ऐसे रखेंगे 120 डिग्री पे इसको बोलते हैं ट्राइगनल प्लेनर क्या बोलेंगे ट्राइगनल प्लेनर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हमारी शेप होती है टेट्राहेड्रल जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना बिल्कुल वैसा पंखे है ना पंखा पंखे की तीनों विंग्स को थोड़ा धक्का मार के नीचे कर दो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल पता है कितना 109 डिग्री 28 मिनट अब सब सिखाऊंगी सारे सारे एग्जांपल्स देखो मीथेन पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बना लो चुपचाप लिख देना मैम शेप क्या है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल और एंगल कितना आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स ये आने चाहिए एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट्स आगे देखो अमोनिया रटना नहीं है अमोनिया एक दो तीन चार पांच तीन सिग्मा बॉन्ड बना लो हाइड्रोजन के साथ एक लोन पेयर तो सिग्मा बॉन्ड कितने है तीन लोन पेयर कितना एक टोटल कितना चार चार का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी एसपी थ्री दोबारा बोल रही हो जितने एग्जाम्पल्स मैंने सिखा दिए अगर तुमने सीख लिया ना एक एग्जाम्पल पेपर में बाहर से नहीं आएगा और अगर आया तो मेरे बच्चे कर लेंगे मगर लॉजिक सीखो देखो तो मेरी शेप होनी चाहिए ये मगर लियो एक तो लोन पेयर है एक तो लोन पेर है और लोन पेयर होता है भूत लोन पेयर क्या होता है भूत भूत की फोटो खींचो मान लो मेरे साथ एक भूत यहाँ खड़ा है तुम फोटो खींचो कैमरा में तुम्हें भूत थोड़े ना दिख रहा है कैमरा में तो मैं ही दिख रही हूँ ना इसी तरह कैमरा में भूत नहीं दिखेगा कैमरा में क्या दिखेगा सिर्फ ये एक ट्राइंगल ट्राइंगल के ऊपर पिरामिड तो बॉन्ड एंगल तो शेप क्या हो गई पिरामिडल शेप क्या हो गई पिरामिडल आगे सुनो इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर सारे आपस में रिपेल करते हैं और फिर एक एंगल यानी कि 109 पे आके अटक जाते हैं ये भी चाहता था कि मेरा एंगल 109 हो मगर भाई साहब ये लोन पेयर ऐसा होता है जो ज्यादा जगह करता है ऐसे फूला नहीं समाता जैसे कई बार क्या होता है ना मतलब मैं कल की तुम्हें कहानी बताती हूँ कल क्या हुआ मेरे को फाइल वाइल बनानी थी तुम्हारी है ना ये ये सारी सारी स्लाइड्स लिखनी थी सारी। तो मैंने नक्श को कहा वैसे हम नक्श को ना ज्यादा टीवी नहीं देखने देते टीवी फोन आईपैड पैड वाईपैड बिल्कुल नहीं मतलब देसी बच्चा हमारा है ना हम उसके साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं पार्क में चले जाते हैं ऐसे जमीनों पर बैठ के खेलते हैं मगर फोन नहीं देते उसको तो कल क्या हुआ कल मैंने निशान सर को बोला कि भाई आप रख लो नक्श को मेरे को फाइल बनानी है है ठीक नक्श को पता चल गया उसको समझ आ गया कि मम्मा का तो कल क्लास है मम्मा पड़ी पड़ी कर रही है मैं हो गया हूं, एकदम आजाद परिंदा भाई साहब उसने अपने पापा को जीने नहीं दिया उसने पापा को बोला फोन चला के दो आईपैड चला के दो है ना वो कौन सी अकबर बीरबल भी की कहानी चला के दो हनुमान की कहानी सुनाओ भाई साहब कल उसने इतनी नौटंकी करी रात को बारह साढ़े बारह तक वो जाग रहा था और पूछो क्या कर रहा था जिद पापा पापा चॉकलेट खानी है आइसक्रीम उसको पता है मम्मा होती है तो कुछ नहीं खाने देती पापा है पापा तो कुछ कहेंगे नहीं भाई साहब कल उसने बड़ी ऐश करी ये लोन पेयर ऐसा ही होता है जब कोई एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो दो के इन्फ्लुएंस में होता है ना जैसे मम्मा पापा दोनों के इन्फ्लुएंस में भाई साहब चुपचाप रहते हैं जिस दिन पता चल जाए ना मम्मा काम पे गई है और घर पे नहीं है भाई साहब ये लोन पेयर हमारा नक्श ऐसे जिंदगी है ना नष्ट करता है तुम्हारी मैं क्या बताऊं ऐसे फूला नहीं समाता ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा अगर लोन पेयर ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा तो ये बॉन्ड पेयर को धक्के मारेंगे बॉन्ड पेयर 109 पे ना रहकर कितने पे रहेगा 107 डिग्री ये वैल्यूज याद होनी चाहिए पानी पानी के, के केस में देखो ऑक्सीजन एक दो तीन चार पांच छह पानी दो सिग्नल बॉन्ड बना रहे है। तो देखना दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर टोटल कितना चार चार मतलब एसपी तो शकल होनी चाहिए थी ये मगर दो लोन पर अरे भैया अभी तो हमारा एक बच्चा है मान लो किसी घर में दो बच्चे हो और दोनों ऐसे ऐश परस्ती करें तो देखना ये फूले नहीं समाएंगे इतनी रिपल्शन करेंगे बेचारे दोनों बॉन्ड्स को पास आना पड़ेगा 104.5 डिग्री हो जाता है पानी का एंगल चमक रही कहानी हाँ सच बात बता रही हूं, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ भाई मेरे एग्जाम्पल सच के होते हैं झूठ के नहीं होते हैं सही तो तुम अभी कल निशान सर लेंगे ना आज आज नहीं होगा अब जैसे कल निशान सर की क्लास है तो निशान सर आज पूरी रात फाइल बना रहे होंगे तुम्हारे लिए ठीक है हम मेहनत करते हैं यार मैं तुम्हें झूठ क्यों जूठ कोई मेरे पास ये बनी थोड़ी ना पड़ी होती मैं बनाती हूँ मैं लिखती हूँ सारी हैंड रिटन है कल ही आई पैड बना के लिखी है सारी ठीक है अब आज बेचारे नक्श की हालत देखना क्या एक बार कह दे मम्मा आईपैड दे तड़ाक एक थप्पड़ आएगा उसके मारती नहीं हूँ खैर ऐसी बात नहीं है बट हाँ मैं एक स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ डांट देती हूँ उसको अब वो मानता नहीं अपने पापा से उसको उसने कहना पापा आइसक्रीम और संभलता है नहीं है जिद करेगा एक दिन पता है क्या हुआ ये गया किसी मॉल में भाई साहब मैं उसको दो सौ रुपए से ज्यादा खिलौना ना ले के दूं। भी छोटे बच्चों के खिलौने ऐसे ही होते दो सौ तीन सौ रुपए के ऐसे ही आते हैं ठीक है एक दिन गया मैं नहीं थी घर पे ये अपने पापा के साथ गया ठीक है अपने पापा दादी दादू के साथ तो गया मॉल में कोई एक बड़ी सी शोरूम होगा वहां जाके इसने घुस गया और कह रहा है टॉय लेके दो अब मैं इसके पापा ने वीडियो भेजी मुझे ठीक है तुम समझ नहीं रहे हो भाई साहब इसने ऐसे जिद करी कि पता नहीं जिंदगी बर्बाद हो गई इसकी जमीन पे लेट गया कि टॉय लेके दो लेके दो लेके दो तब तक माना नहीं जब तक उसके पापा ने उसके पंद्रह सौ रुपए का टॉय ना लेके दिया मैंने कहा भाई हमें आज तक हमारे मम्मी पापा ने रुपए से ज्यादा का टॉय नहीं लेके दिया ये बच्चे देख रहे हो तुम आजकल के बहुत चंट है भाई साहब पंद्रह सो से नीचे का खिलौना नहीं मांग रहा था कह रहा लेके दो अब वो दुकान ऐसी जिसके अंदर भारी भरकम खिलौने मतलब मैं तो सही कह रही हूँ जिस दिन तुम्हारा जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना तुम बन जाओगे आई एक मेरे लिए काम कर देना ठीक है एक एक दिन नक्श को घुमाने ले जाना ठीक है हाँ मजा आ जाएगा मतलब मैं तो खुश ही हो जाऊंगी मैंने तो उसको वैसे ही कह रखा देख तेरे बहुत सारे दीदी भैया लोग हैं पढ़ रहे हैं अभी देख इनका पेपर खत्म होएगा ना तेरे को पार्टी देंगे तो तुम उसको ले जाना घुमाने ठीक है फिर तुम्हारे पे छोड़ती हूँ तुम उसको आइसक्रीम खिलाओ चॉकलेट खिलाओ वो तुम्हारी दिक्कत तुम्हारी ड्यूटी ठीक है मैं नहीं लेके देती हूँ उसको तुम्हारी बारी आएगी चलो अब बात करते हैं पी फाइव की पी फाइव में कहानी ध्यान से सुनना फॉस्फोरस एक दो तीन चार पांच फॉस्फोरस ने पांच क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं ध्यान से देखना तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने तुम्हें सिखाया एस बच्चों को भी इतना पता होता है कि मैम एस पी फाइव के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो एस हो जाएगी बच्चा भी खुश हो जाता है मगर अब जेई वाला उसको धोखा देता है वो ये नहीं पूछता एस पी हाइब्रिडाइजेशन क्या है क्या नहीं है समझो बच्चे ये जो sp 3d हाइब्रिडाइजेशन होती है ये एक्चुअली sp 2 प्लस pd हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सचर होती है ध्यान से सुनना सबसे पहले एक s ऑर्बिटल एक px और py आपस में मिलते हैं हाइब्रिडाइजेशन होती है sp 2 sp 2 का मतलब ये बनाएंगे ट्राइगनल प्लेनर एक हमारा pz और एक d z square ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे ये बनाएंगे pd देखो एक S, तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ तो हर एक में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ तैतीस परसेंट हर और बाइटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है तैतीस परसेंट तैतीस परसेंट एस कैरेक्टर ठीक है और ये पी और डी के अंदर तो एस है ही नहीं तो ये पी और डी बॉन्ड होते हैं लंबे इनके अंदर परसेंटेज एस क्या है जीरो इसीलिए इनको शर्मलेस यानी कि लेस बॉन्ड बोलते हैं भाई एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड छोटा होगा और स्ट्रोंग होगा जिस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस यानी कि शर्म है ही नहीं उसके अंदर परसेंटेज है जीरो वो बॉन्ड लंबा होगा यही तुमने बचपन में रटा था कि ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स ये एसलेस होते हैं ये होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो कि छोटे और मोटे होते हैं स्ट्रोंग होते हैं अब इसका शेप क्या है बीच में एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से इसको बोलते हैं टीबीपी लिख लेना स्पेलिंग ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बीच में ट्रायंगल एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल चमक गया सबको टीबीपी टीबीपी की और कहानी सुन लो ये सारी पेपर में पूछने लायक कहानी है एक स्लाइड ऐड कर देता हूं 200 स्लाइड तो मेरी थी और कितनी ऐड करूंगी मैं देखो मन नहीं करता कुछ छोड़ने का ये देखो टीबीपी ट्राइगनल बाई पिरामिडल ऐसी ये बॉन्ड एंगल है 120 ये है 120 ये है 120 तो TBP में 120 डिग्री का एंगल होता है ये देखना इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल ये और ये 90 अब ये मत कहना ये 90 नहीं दिख रहा है ये प्लेन में है ये नीचे है 90 तो 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो कई बार यह सवाल आ जाता है बताओ टीबीपी में कितने प्रकार के एंगल होते हैं तीन प्रकार के 120, 90 और 180 डिग्री चमक गया आगे देखिए अब एक हमारा सेक्शन है जिनको हम बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड एनसीआर टी ड्रैगो नहीं मानती मैं पहले ही डिस्कलेमर देती हूँ जेई मेन्स वाले ड्रैगो नहीं मानते कोई भी फॉरेन ऑथर की बुक उठा के देख लो वो ड्रैगो मानते हैं मगर ना एनसीईआरटी ना मेंस वाले ड्रैगो नहीं मानते एडवांस वाले मानते हैं फिर भी कभी-कभी किसी साल ड्रैगो मान लेते कभी नहीं मानते तो मैं पहले ही बता देती हूँ बच्चे एटॉमिक नंबर 15 से ऊपर वाले के हाइड्राइड्स जैसे कि देखो PH3 AsH3 SbH3 अब इनकी कहानी सुनो ये कहानी मस्त है इसकी कहानी को ध्यान से सुनना बच्चे होता क्या है जब हमने अमोनिया से पूछा कि भाई तेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो अमोनिया कह रहा है देखो वैसे तो मैं हूं वैसे तो अमोनिया क्या है 2S2, 2P3. हमने अमोनिया को बोला भाई तेरे को तीन ही तो बॉन्ड बनाने थे तेरे पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तू काहे पंगे में पड़ रहा है क्यों ना तू अपने तीन और बाइटल को यूज कर ले क्या दिक्कत है यूज कर ले एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा बॉन्ड बना लियो कह रहा मैंने सोचा तो था ऐसा करना मगर प्रॉब्लम पता है क्या हुई मैं निका सा हूं छोटू सा मेरे ऊपर तुम तीन हाइड्रोजन बिठा दो नब्बे डिग्री के एंगल पे भाई साहब मैं पगला जाऊंगा हो ना पाएगा तो नाइट्रोजन ने हाथ जोड़ दिए कह रहा मैं छोटा हूं मैं अपने ऊपर तीन हाइड्रोजन एटम नहीं बर्दाश्त कर सकता वो भी नाइन्टी डिग्री के नाइनटी डिग्री पे तो मतलब रिपल्शन ही रिपल्शन है फिर ये कह रहा मैं तो नहीं करूंगा हाइड्रोजन से शादी नाइट्रोजन कह रहा मैं नहीं करूंगा शादी हमने कहा भैया कोई बात नहीं चल तेरी एस और वाइटल को भी इसके साथ सबको मिला के शादी कराते अब वो बन गया एस पी थ्री एस पी थ्री बनने से हुआ क्या हाइड्रोजनों के बीच में जो एंगल आ गया वो आ गया 107 नाइट्रोजन हो गया खुश कहता मैं खुश हूं फिर हमने सोचा पी थ्री भी सेम नौटंकी करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन करनी पी कहता भैया क्या हमको नहीं करनी हम है थ्री एस थ्री एस टू थ्री पी थ्री कह रहे हम ऑलरेडी है? बड़े हैं भले ना तुम तीन हाइड्रोजन को मेरे पे नाइनटी डिग्री पे चिपकाओ हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा यानी कि अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है मगर जो नीचे वाले है ना वो कहते हैं हमको हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं करनी हम ड्रैगो हम no hybridization वाले हैं इसीलिए जब तुम PH3, ASH3, SBH3 का एंगल देखोगे ना तो लगभग नब्बे के पास होता है नाइनटी टू नाइनटी फोर के पास होता है सिमिलरली पानी के ऑक्सीजन का होती है थ्री इन सब से पूछो इन सबका बॉन्ड एंगल नाइनटी टू टू नाइनटी फोर लिख लो नाइनटी टू टू नाइनटी फोर होता है कह रहे हमें नहीं करनी हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं करनी क्योंकि उनका थ्री पी फोर पी फाइव पी ऑलरेडी इतना बड़ा है कि उसके ऊपर तीन हाइड्रोजन नाइनटी डिग्री पे बड़े आराम से रह जाते हैं इसीलिए इन कंपाउंड को बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड अब एनसीआरटी नहीं मानती अब एनसीआरटी कहती अगर मैं तुमसे पूछू की अमोनिया और पी एच थ्री के एंगल को कंपेयर करो तो तुम पता है कैसे करोगे तुम कहोगे नाइट्रोजन छोटा है है ना तो लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए बॉन्ड पेयर पास आएगा 107 पे इतना तो बड़ा है तो पी के बॉन्ड एंगल्स आप मतलब बॉन्ड्स पास पास आ जाएंगे बहुत पास आ जाएंगे इसीलिए का बॉन्ड एंगल होगा तो जेई मेंस वाले कभी इधर के हो जाते हैं कभी कभी उधर के कह हाँ ये देर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ड्रैगो नाम ही नहीं यूज कर रखा जेई मेंस में ड्रैगो नाम अलाउड नहीं है अब जितनी भी फॉरेन ऑथर्स की बुक देखोगे वहां पर इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन होती मैंने तुम्हें सेम एक्सप्लेनेशन दे दी चमक गया तो याद रखना ये 107 वाला है ये 92 टू 94 एक सौ चार वाला है नाइनटी टू टू नाइन्टी फोर वाले चमक गया अब कल को कोई पूछे ये देख लो कार्बन सब ऑक्साइड इसका नाम है सी थ्री ओ टू पेपर में आएगा इस बार ध्यान से सुन लेना कोई पूछे सी थ्री एच फोर में बताओ कितने आ, लोन पेयर है कितने एटम्स इन द प्लेन है या जो भी है तो पहले सी थ्री बना लो एक दो तीन एच फोर क्या ये कहानी चमकी एलिन बोलते हैं दो डबल बॉन्ड बाजू बाजू में सी थ्री ओ टू सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ओओ गया, इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है मान लो ये जो डबल बॉन्ड है इन ऐसे बना है ऐसे ठीक है ये दोनों ऐसे वाले हैं तो जो दूसरा डबल बॉन्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बनेगा क्या ये बात चमक रही है एक डबल बॉन्ड ऐसे है दूसरा ऐसे है फिर एक ऐसे आएगा एक ऐसे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड चलते हैं तो कोई तुमसे पूछे बताओ कितने एटम्स इन द प्लेन ऑफ पेपर लाई करते हैं बहुत ध्यान से दिखने में बच्चे को लगता है कि चारों एटम्स कार्बन हाइड्रोजन के चारों एटम्स इन द प्लेन ऑफ पेपर है मगर तुमको चमक गया प्लेन कहा है हमारा ये देखो तुमको चमक गया देखो मैम ये देखो ये मेरा कार्बन ये वाला कार्बन इस वाले प्लेन पे है, इस वाले पे ये दो हाइड्रोजन इधर हैं, दिख गया इन द प्लेन ऑफ पेपर फिर एक डबल बॉन्ड ऐसा बना तो दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा अब कहानी चमक रही है या नहीं चमक रही तो दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऐसा नहीं है अब देखो अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया होता एक दो तीन और अब एच 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 लगाया होता तो देखो समझना है ये इस प्लेन में डबल बॉन्ड बना ओके ये इस प्लेन में डबल बॉन्ड बना ओके और ये इस प्लेन में डबल बॉन्ड बना यानी कि अब ये ये देखो ऐसे 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 चमक रहा है तो हर डबल बॉन्ड अल्टरनेट चलेगा वन इन द प्लेन वन परपेंडिकुलर इन द प्लेन परपेंडिकुलर चमक गया सो दिस वाज इंपॉर्टेंट C3H4 में कई बार पूछ लेता है बताओ कितने एटम्स टर्मिनल पे हैं या कितने इन द प्लेन ऑफ पेपर हैं आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है sp3d की कहानी समझ गई सबको वापस से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं sp3d मतलब sp2 pd sp2 मतलब ये इनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है 33 और इनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना जीरो एक्सियल और इक्वेटोरियल ये तीन बॉन्ड्स कौन से कहलाते हैं इक्वेटोरियल और ऊपर वाले नीचे वाले क्या कहलाते हैं एक्सियल अब जैसे ही sp3d बच्चे को समझाया उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी लगा ली कह रहा फिर तो sp3d2 में भी एक्जियल इक्वेटोरियल है सामने देखो एस पी थ्री डी टू में एस पी थ्री डी टू ये सारे एक ही तरह से कंबाइन होके एस पी थ्री डी टू बनाएंगे एस पी थ्री डी टू का मतलब है ये देखो एक बनेगा स्क्वायर क्या बनेगा स्क्वायर एक पिरामिड ऊपर बनेगा एक नीचे इसको बोलेंगे स्क्वायर बाई पी वाई आर पिरामिडल यहाँ कहानियां मत लगाना कि मैम ये जो ऊपर नीचे वाले हैं ना ये एक्सियल है ये इक्वेटोरियल है यहां देर इज नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल यहां पर ऑल बॉन्ड्स आर सेम सारे के सारे हमारे बॉन्ड्स क्या हैं सेम चमक गया सबको सारे बॉन्ड्स सेम होते हैं चमक गया चलिए अब मस्त तरीके से एक बार वीएसई पी आर निपटा देते हैं देखो मैं ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर वीबीटी वी एस सी पी आर सारा एक साथ निपटाती हूं क्योंकि मेरे लिए ये अलग अलग चीजें नहीं है वो अलग बात है कि जब पुराने जमाने में वीबीटी वी एस सी पी आर जब दिए गए थे तो एवरीथिंग वॉज डिफरेंट अब तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा वी एस सी पी आर के अकॉर्डिंग बताओ तुमसे पूछेगा लोन पेयर बताओ शेप बताओ हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो सारी चीजें नॉर्मली करनी क्या सिखाया स्टेरिक नंबर क्या है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर स्टेरिक नंबर टू है हाइब्रिडाइजेशन एस पी एस पी का मतलब बॉन्ड एंगल एक सौ अस्सी डिग्री शेप क्या है लीनियर चमक गया हाइब्रिड अगर स्टेरिक नंबर तीन है ध्यान से देखना स्टेरिक नंबर तीन दो केसेस तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 दो केसेस तीन के तीन सिग्मा बॉन्ड है जीरो लोन पर है या दो सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पर मैं एग्जांपल्स के नाम नहीं सिखा रही हूं मैं डायरेक्टली आंसर लिखना सिखा रही हूं देखो तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे तो 120 डिग्री ट्राइगनल प्लेनर क्या है ट्राइगनल प्लेनर अब खुद से सोचना तीन दो सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पेयर तो जब एक लोन पेयर है लोन पेयर को ऐसे बना दो लोन पेयर एक ही है ना अब फोटो खींचो खाली वी नहीं दिखाई दे रहा वी। इसको बेंट वी भी लिख सकते हैं बेंट वी अब एंगल होना चाहिए था 120 जब ये ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा तो एंगल विल बी लेस देन 120 ये सीखो तो हजारों है कितने रट्टे मारोगे लॉजिक सीखो कभी नहीं अड़ोगे लॉजिक सीखते जाओ ठीक है चलो आगे देखो स्टेरिक नंबर चार ये तो कर ही लिया स्टेरिक नंबर चार में चार के चार सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा टेट्रा तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर क्या हो जाएगा ट्राइगनल ट्राइगनल पिरामिडल पिरामिडल दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर क्या हो जाएगा क्या है बेंट बोल दो या वी बोल दो अब ध्यान से सुनना स्टरिक नंबर पांच जब पढ़ाऊंगी तो एक रूल होता है जिसको हम बेंट्स रूल बोलते हैं क्या बोलते हैं रूल मेरी बात ध्यान से सुन लो बच्चे यहां पे दो चीजें हैं एक है लोन पेयर एक है इलेक्ट्रो नेगेटिव ध्यान से सुनना बच्चे लोन पेयर हमेशा वहां जाना चाहेगा जहां परसेंटेज एस ज्यादा है लोन पेयर हमेशा लोन पेयर पता है लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर घुसना चाहते हैं तो लोन पेयर कहां जाना चाहते हैं जहां परसेंटेज ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाना चाहता है जहां परसेंटेज एस कम हो लोन पेयर कहां जाएगा जहां इलेक्ट्रो जहां परसेंटेज एस ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जाएगा जहां परसेंटेज एस कम है सामने देखिए स्टेरिक नंबर पांच आ रहा है सिग्मा बॉन्ड पांच है लोन पेयर जीरो है एक केस सिग्मा चार है लोन पेयर एक है सिग्मा तीन है लोन पेयर दो है सिग्मा बॉन्ड दो है लोन पेयर तीन है अब एग्जाम्पल्स देख लो देखो जरा मतलब स्टेरिक नंबर पांच मतलब एस पी थ्री डी पांच मतलब ऐसे बना लो तो क्या शेप बन गई ट्राइगनल बाई पिरामिडल एग्जाम्पल था पीसीएल फाइव करना जरा एस एफ फोर कोई कहे एस एफ फोर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो मैंने कहा सल्फर एक दो तीन चार पांच छह चार फ्लोरीन एक लोन पेयर क्या दिख गया मैम सिग्मा बॉन्ड चार है लोन पेयर एक तो शक्ल होनी क्या चाहिए ये होनी चाहिए पहले जो होनी चाहिए वो बनाओ क्या सिखाया लोन पेयर जाना चाहेगा इक्वेटोरियल पे क्यों क्योंकि इक्वेटोरियल पे परसेंटेज है ज्यादा है ये देखना लोन पेयर यहां आ गया तो ये ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ तुम बैठे हो यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है C -Saw, C -Saw शेप लग रही है बिल्कुल वैसे ऐसे देखो ना ऐसे यहाँ तुम बैठे हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है अब देखो सी एल एफ थ्री सी एल एफ थ्री एक दो तीन चार पांच छ सात तीन फ्लोरिन है दिख गया तीन सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर शक्ल होनी चाहिए ये लोन पेयर दो रखने हैं लोन पेयर एक यहाँ रख दो एक यहाँ रख दो अब ये मत कहना मैम यहाँ और यहाँ नहीं रख सकते रख सकते हो वो बस देखने से मतलब तुम्हें लग रहा है कि डिफरेंट पोजिशन है ये तीनों पोजिशन एक है एक ही जैसी पोजिशन है तो ये क्या बन गया ये इसको धक्का मारेगा इसको धक्का मारेगा क्या तुमको बेंट टी दिखाई दे रहा है कई बच्चे इसको टी बोलते हैं कई टीचर्स भी इसको टी बोलते हैं दिस इज नॉट टी ये बॉन्ड एंगल 180 नहीं है ये इसको धक्का मारेगा इसको धक्का मारेगा तो 180 से कम है अगला आई थ्री माइनस कैसे लिखा था आई आई टू माइनस आयोडीन एक दो तीन चार पांच छह सात एक आयोडीन पे नेगेटिव दो आयोडीन लगा दो क्या तुमको दो सिग्मा बॉन्ड तीन लोन पेयर नहीं दिख रहा देखना शकल होनी चाहिए ये तीन लोन पेयर बनाओ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ क्या तुमको लग रहा है ऊपर वाला जितना रिपेल होगा उतना ही नीचे वाला रिपेल होगा लीनियर लीनियर मतलब 180 डिग्री ये सवाल जेई मेंस 2023 का विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर कितने इन द कई होते हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर कौन से प्लेनर हैं कई हैं कितने लीनियर हैं चमक गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में मान लो सिग्मा बॉन्ड छह है लोन पेयर जीरो sf6 का एग्जाम्पल ले लो ऐसा होगा ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल अब अगला देखो सिग्मा बॉन्ड छह लोन सिग्मा बॉन्ड पांच कर दो लोन पेयर एक कर दो सिग्मा पांच लोन पेर है कैसे करोगे होना चाहिए ये एक लोन पेयर बच्चे अब तुम्हारी मर्जी है तुम लोन पेयर यहां लगाओ यहां लगाओ यहां लगाओ दे आर वन एंड द सेम थिंग इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है क्या बन गया एक तो स्क्वायर और ऊपर एक पिरामिड तो इन सबको ही मैं बोलूंगी स्क्वायर पिरामिडल क्या बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल देखो ये स्क्वायर दिख गया एक पिरामिड यह देखो, यहां ये देखो यहाँ ये स्क्वायर है एक पिरामिड तो सारे सेम है ये हमने कन्फ्यूशंस अपने आप में ले रखी है कि ये अलग है ये इक्वेटोरियल है ये एक्सियल है कोई इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं होता एक अगला केस ये तुमको नहीं आता होगा अभी तक तुम चिल मार रहे थे ये चिल नहीं मारना है अगर मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है सात सिग्मा बॉन्ड है जीरो लोन पेर है आप 1 2 3 4 5 करोगे एक पेंटागन नजर आएगा एक ऊपर एक नीचे इसको बोलते हैं पेंटागनल पिरामिडल, क्या बोलेंगे पेंटागनल बाय पिरामिडल क्योंकि तो पांच सिग्मा बॉन्ड है और सात सिग्मा बॉन्ड है जीरो लोन पेयर है सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड अग्रीड एक है सिग्मा बॉन्ड पांच है लोन पेयर दो है तो एक दो तीन चार पांच तुमने पांच सिग्मा बॉन्ड बनाए अब देखो लोन पेयर को वैसे तो ये देखो इनके बीच का एंगल है सेवनटी टू तो लोन पेयर को हम एक दूसरे से जितनी दूर रख सकते हैं उतनी दूर रखेंगे एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे गलती से भी लोन पेयर को यहां मत रख देना सेवेंटी टू डिग्री पे लोन पेयर अगर रखोगे तो भाई साहब आग लग जाएगी बहुत गंदी लड़ाइयां हो जाएंगी कलेष हो जाएगा घरों में तो क्या बन गया पेंटागनल प्लेनर क्या बना पेंटागनल प्लेनर अगला बिफोर आई टीच यू यू विल टेल मी अगर ये ये केस है स्पेशल अभी मैंने नंबरिंग नहीं डाली एक मिनट नंबरिंग डाल देते हैं नहीं तो फिर बाद में बच्चे दुखी हो जाते हैं बी थर्टी फोर था बी थर्टी फाइव हो गया टॉपिक नंबर थर्टी फाइव बी थर्टी सिक्स टॉपिक नंबर थर्टी सिक्स फिर ये तो वही चलता जा रहा था ये भी चलता जा रहा था ये भी चलता जा रहा था इसको थर्टी सेवन रख दो ठीक है ओहो नहीं इसको थर्टी सेवन रखो ये तो सिंपल सा है वही कंटिन्यू था वी एस सी पी आर को बी थर्टी सेवन रख दो थर्टी सेवन टॉपिक कंटिन्यू 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 इसको लिख लो बी थर्टी एट महा 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर अभी तक तुमने टाइम पास किया तो अब तुम टाइम पास नहीं करोगे इसको सामने ध्यान से सुनना ये एनसीईआरटी में नहीं है ये तुम्हारे नोट्स में भी नहीं कराया मेरे से पढ़ो तो मैंने कराया नोट्स में नहीं कराया अगर तुम्हारी टीचर ने तो ध्यान से पढ़ो मेरे पास एक हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 अगर मेरे पास सिग्मा बॉन्ड छ है और लोन पेयर एक है यानी कि 61 नंबर देखते ही दिमाग में ऐसे छन 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 होनी चाहिए कौन सा नंबर 61 टोटल हाइब्रिड टोटल हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें अगर स्टेरिक नंबर सात आ रहा है जिसमें से सिक्स कॉमा वन तो यहां दो केसेस बनते हैं एक केस वो होता है जहां हमारा लोन पेयर एक्टिव बोला जाता है क्या है अभी समझाऊंगी एक केस होता है जहां एक्टिव लोन पेयर कहलाता है एक केस होता है जहां मेरा लोन पेयर इनएक्टिव करार, करार कर दिया गया है ना जैसे हमारे गुजराती में जो सोता ही रहता है ना पूरा दिन उसको बोलते हैं उंगड़सी कुंभकर्ण टाइप सोए रहो इनएक्टिव हो तुम उसको बोलते हैं ऊंघड़ी लोन पेयर ये गुजराती लोन पेयर है ठीक है मतलब गुजराती में मैंने इसको बोल दिया उंग़ण सी, उंग़ण सी, मतलब सोता ही रह रहा है इनएक्टिव है एक होता है एक्टिव लोन पे कई लोग बड़े एक्टिव होते हैं पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं देखो मतलब मैम मतलब ये मान लो आपके पास है एक, एफ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आपने सिग्मा बॉन्ड बनाए ये लोन पे आपने देखा मैम सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पेर है टोटल सेवन सेवन का मतलब एसपी थ्री डी थ्री आपने कहा था सिक्सटी वन देखते ही चौकन्ना हो जाना है कुछ तो गड़बड़ है तो ध्यान से देखो बच्चे आपका बहुत ही बड़ा है काफी बड़ा सेंट्रल एटम काफी बड़ा है उसके ऊपर अगर आप फ्लोरीन रखोगे आपने एक दो तीन चार पांच छ फ्लोरीन रखे छे फ्लोरीन रखने के बावजूद भी इस लोन पेयर को जगह मिल जाती है बाहर निकलने के लिए क्यों क्योंकि आपका सेंट्रल एटम काफी बड़ा है तो वो जो लोन पेयर था ध्यान से देखना ये एक आपको स्क्वायर दिख रहा है एक ऊपर पिरामिड एक नीचे तो वो जो लोन पेयर था कई कबार यहां से बाहर निकलता है एक फेस से कभी इस फेस से बाहर निकलेगा कभी इस फेस से बाहर निकलेगा यानी कि ये फ्लगोनियल बिहेवियर शो करता है अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये पार्ट नहीं है और टीचर्स भी नहीं सिखाते क्यों क्योंकि ये पी ब्लॉक कट गया है बच्चे पी ब्लॉक कटा है केमिकल बॉन्डिंग नहीं कटा पी ब्लॉक में ग्रुप 18 में जाके देखो XZF6 का स्ट्रक्चर दे रखा है जहां पर ये बिहेवियर शो कर रखा है अब ये पेपर में तो आएगा ना कटा कहां है ये नहीं कटा तो समझो चीजों को जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना उनको लेट गो मत करो नहीं तो पेपर तुम्हें लेट गो कर देगा तो अगर आपका सेंट्रल एटम बड़ा है जैसे की जिनॉन उसपे अगर आपने छ फ्लोरीन रखे छे फ्लोरीन रखने के बाद भी इस लोन पेयर को जगह मिलती है कि ये ऐसे कभी यहां से कभी यहां से बाहर निकल रहा है तो ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d3। d3 एग्जांपल है xef6 या if6 की बड़े वाला सेंट्रल एटम बड़ा होना चाहिए ऑन द अदर हैंड अगर आपने लिया clf6 माइनस एक दो तीन चार पांच छह माइनस किस पे जाएगा क्लोरीन पे छह फ्लोरीन लगा दो अभी भी दिखा सिग्मा बॉन्ड छ है लोन पेयर है टोटल सात मतलब हाइब्रिडाइजेशन अभी दिखा मगर अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है क्लोरीन छोटा है उस पे तुमने छे फ्लोरीन चिपका दिए इवन ब्रोमीन भी उतना बड़ा नहीं है कि वो छे फ्लोरीन को स्वीकार करे उसने कर भी लिया वो हाथ जोड़ देता है लोन पेयर को कि भैया तू मेरे से बाहर नहीं निकल के दिखाएगा मैं हाथ जोड़ देता हूँ मेरे से बाहर नहीं निकलो तो इनका जो लोन पेयर होता है ये प्योर एस ऑर्बिटल में पड़ा रहता है और इनकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है पी थ्री डी थ्री आपसे ये कोई पूछे ना पूछे ये तो पूछेगा ही चमक गया इसीलिए को ये दिखने में तो ऑक्टाहेड्रल है मगर इसका नाम एज पर एनसीईआरटी है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड क्यों क्योंकि कभी से कहीं से लोन पेयर बाहर निकल रहा है कभी कहीं से लोन पेयर बाहर निकल रहा है तो लोन पेयर स्टैटिक नहीं है डिस्टॉर्शन मचा रखी है डिस्टोर्टेड ऑक्टा हेड्रल इसकी हाइब्रिडाइजेशन है पी थ्री डी थ्री परफेक्ट ऑक्टा हेड्रल लोन पेयर सेंटर में ही बैठा रहता है अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया अभी अगर आपने वोट्स दिया होगा <coughs> मुझे याद नहीं है ये अगले वोट्स में आई थिंक अरे यार क्वेश्चन नहीं रिविल करना चाहिए था खैर अब बता ही देती हूँ अभी जो मैंने वोट्स पेपर सेवन इस बार का आपका है उसके अंदर खैर ये एक सवाल है वोट 7 में या एट में मुझे ध्यान नहीं है बट किसी एक पेपर में है कि एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डी और बाइटल कौन से यूज होते हैं तो एस तो यूज होता है एस पी एक्स पी वाई पीजेड ये तो यूज होते ही है डी और बाइटल देखो डी और ये भी ये भी पता क्या होता है ये होता है एस पी थ्री डी ठीक है मतलब ये ये भी वही होता है पहले आपके दो टुकड़े करते हैं हम पहले हम इसके दो टुकड़े करेंगे वाई और स्क्वायर स्क्वायर वाई स्कौर, ये देखो पेंटागनल प्लेनर चाहिए ना मुझे तो पहले तो मेरे को दो डी तीन डी और बाइटल में से दो तो वो चाहिए जो एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं एक हो गया डीएक्सवाई एक हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक चाहिए जो परपेंडिकुलर होगा डी जेड स्क्वायर के जैसे तो एक हो गया मेरा डी जेड स्क्वायर तो कौन सी डी और बाइटल यूज होती है कई बच्चों को लगता है अरे मैम देखो dx वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स क्योंकि ये एक जैसी है नहीं एस पी थ्री डी थ्री में एक होती है dx वाई एक होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इसलिए क्योंकि मेरे को प्लेनर मॉलिक्यूल चाहिए ऊपर नीचे के लिए एक परपेंडिकुलर और बाइटल चाहिए वहां के लिए हम यूज करते हैं डी जेड स्क्वायर अब बहुत डिटेल तो खैर अभी समझाने का समय नहीं है मैंने ब्रह्मास्त्र में फास्ट ट्रैक में इवन बूस्टर के बैचेस में भी आपको ये सिखाया है जो बूस्टर वाले बच्चे हैं ब्रह्मास्त्र वाले उनको ये आता है बट अभी इसकी बहुत डिटेल एडवांस में है वो हम अभी नहीं करेंगे ठीक है कल को अगर आ भी गया क्वेश्चन तो इससे ज्यादा नहीं आएगा चमक गया सबको एवरी इज ओके ठीक है मैम आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो फिजिक्स है क्या ये सब फिजिक्स वाले भी ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर हमें नहीं पता था हम तो मतलब बेचारे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। एक ही चीज़ आती है मुझे पढ़ानी केमिस्ट्री मैथ्स निशान पढ़ाते हैं है ना मैं पंगे ले नहीं सकती क्योंकि मेरे को मैथ्स ज़्यादा आती नहीं और फिजिक्स तो मेरे बस की बात नहीं कि मैं पढ़ाऊँ तुम्हें फिजिक्स से तो मैं ही हाथ जोड़ देती हूँ भैया ना समझ आती मुझे नहीं आती देखो मैंने बचपन में ना मेरे फिजिक्स के टीचर बिल्कुल बेकार थे ऑनेस्टली मतलब मैं सच बोल रही हूँ यार किसी भी बच्चे का कोई सब्जेक्ट अच्छा है या बुरा है ना उसके पीछे सब्जेक्ट की हाथ नहीं होता उसके पीछे हाथ होता है टीचर का तो अगर कोई टीचर तुम्हें सब्जेक्ट से प्यार करा सकता है ना सब्जेक्ट में नंबर दिला सकता है प्यार करा सकता है तो वो तुम्हें सब्जेक्ट पसंद आ जाता है मैंने बचपन में ऐसे फिजिक्स के टीचर से पढ़ाई करी है मतलब मैं क्लास में सो जाती थी मतलब केमिस्ट्री वॉज गुड मैथ्स के सर वॉज सर वॉर ऑल्सो वेरी गुड बट फिजिक्स की क्लास में तो मैं बचपन में सोई ही हूँ तो काश इंद्रजीत सर तब मुझे पढ़ा देते तो खैर मुझे नींद ना आती बट मेरे को फिजिक्स नहीं आती वही देखो चलो मुश्किल से मतलब पास वास कर ली थी मैंने कि बस जितना रिक्वायर्ड है और नंबर आ गए थे देखो बोर्ड्स में भी मेरे नाइन्टी सिक्स नंबर आए थे आती थी बट ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाते देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है डायपोल मोमेंट सब बच्चे जानते हैं कि भाई अगर मान लो मेरे पास एक बॉन्ड है जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड है अगर इस एटम पे डेल्टा प्लस चार्ज है इस एटम पे डेल्टा माइनस चार्ज है तो इन दोनों के बीच में अगर चार्ज सेपरेशन है क्यूँ डिस्टेंस से आपने सेपरेट कर रखा है तो किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को डिस्कस करने के लिए हम डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं जिसका फॉर्मूला है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डायपोल मोमेंट को डिबाई में मेजर करते वन डिबाइस थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन रेशोदीपा माइनस थर्टी कूलम मीटर सेंटीमीटर नहीं है कूलम मीटर है ये ठीक है ये फिजिक्स का पार्ट है हमारे को नहीं पूछा जाएगा हमसे पूछा जाएगा बताओ अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है अच्छा ये तो जानते हो ना जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा वो उतना ज्यादा पोलर जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है उसकी उतनी ज्यादा पोलैरिटी होती है अब आप ये तो सिंपल है ये सवाल मेंस का नहीं है ये सवाल नहीं ये भी नहीं ये सवाल मुझे बेसिकली तुम्हें कराना था तो दैट वाज द क्वेश्चन जो मैं कराना चाहती थी बट उसको कराने के लिए यहां से गुजरना पड़ेगा अच्छा केमिस्ट्री में जब हम डाइपोल डिफाइन करते हैं तो डाइपोल इज डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये मेरा तुक्का है जो मैंने बच्चों को सिखाया है पी से ई e, पी से ई e मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव है तो प्लस से माइनस प्लस से माइनस और लोन पेयर हमेशा ऊपर की तरफ ही डाइपोल शो करता है तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट एड हो रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है एफ पे डेल्टा माइनस तो ये डाइपोल नीचे है लोन पेयर का ऊपर है एक ऊपर है कुछ नीचे है तो एड तो नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है एक मिनट एड तो नहीं हो रहे हैं ठीक है यार मेल भेजना बंद करो यार कौन है ये जे एस के अभी नहीं मेल भेजो अभी अभी पढ़ाने दो थोड़ी देर ठीक है एड नहीं हो रहे हैं तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कम है तो ये ज्यादा पोलर है एन थ्री कम पोलर है ठीक है पानी के केस में और वाटर ये मैंने जिस दिन आपका वन शॉट लिया था सारे ट्रेंड्स का वहां पे ये कराया था सोच के बताओ यहां पे भी कई बच्चे गलती करते हैं इसीलिए स्पेशली केस लिया है बताओ एच टू ओ टू में और पानी में ज्यादा डाइपोल किसका है विच इज मोर पोलर एच टू ओ टू और वॉटर सब आता है ना तुमको चलो जल्दी से बताओ अब अभी ब्रेक नहीं मुझे भी हाँ मेरे को भी भूख लग रही है बट अभी नहीं केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा ना फिर ब्रेक लेंगे ब्रेक ब्रेक मत चिल्लाओ केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा जिसको खत्म होने में समय लगेगा अभी हुई है सवा तीन चार सवा चार तक केमिकल बॉन्डिंग चलेगा फिर ब्रेक लेंगे ठीक है फिर पढ़ेंगे डी ब्लॉक फिर ब्रेक लेंगे फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन फिर ब्रेक लेंगे समझ रहे हो तो केमिकल बॉन्डिंग जब तक खत्म नहीं होता ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि पढ़ाई करनी जरूरी है एक दिन एक दिन खाना लेट नहीं खा सकते एक दिन मैं भी तो लेट खाऊंगी कड़ी चावल बनाया मैंने आज मेरे को बहुत पसंद है चावल चावल मैं भी तो नहीं नहीं खा खा रही 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 अंदर से मेरे को भी कड़ी चावल के डब्बे की ऐसे खुशबू आ रही है बट ना हाँ जी कौन ज्यादा पोलर है देखो गलती बताती हूँ बच्चे को पता है मैम एच टू ओ टू का ना ऐसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो एक लोन पेयर ऐसे बनाता है एक लोन पेयर ऐसे बनाता है फिर कहते हैं ये देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए इसीलिए पानी ज्यादा पोलर है क्योंकि मैम देखो देखो ये ऐड हो रहे हैं क्या तुम में से कई बच्चों ने ये सोचा सोचा ही होगा बोलोगे नहीं बट सोचा तो था सोचा सोच, जेनुअन सी बात है सोचा है तुमने अगर मैं तुम्हें का थ्री टू डी तुमने बनाया है और तुमने कैंसिल कर दिया ये ये इधर ये इधर अगर तुम थ्री डी स्ट्रक्चर देखो तो सारे लोन पेयर एड ऑन होंगे मैं मानती हूं यहां पे दो ओएच OH बॉन्ड की वजह से डाइपोल है यहां पर भी दो ओ एच बॉन्ड की वजह से डाइप यहाँ चार लोन पेयर की वजह से डाइपोल एड ऑन हो रहा है इसीलिए एच टू ओ टू ज्यादा पोलर है कंपेयर टू वॉटर ये नहीं की तुम टू डी स्ट्रक्चर में कंपेयर कर रहे हो एंगल तो देख लेते बॉन्ड एंगल तो 109 था समझ रहे हो जो बॉन्ड्स का होना चाहिए ठीक है H2O2 में दो लोन पेयर हैं एक OH एच एक ओ ओ बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट तुमने ऐसे 2D डी मान के ये कैंसिल ये कैंसिल करा विच इज रॉन्ग तो पानी में दो OH एच बॉन्ड एच टू ओ टू में भी दो ओ एच बॉन्ड है ओ बॉन्ड तो वैसे ही डाइपोल नहीं करेगा मगर एच टू ओ टू के अंदर चार लोन पेयर की वजह से डाइपोल एड हो रहा है तो वो रिजल्टेंट इंक्रीज होगा वन ऑफ द क्वेश्चन जो इस साल दो हजार चौबीस के पेपर में आएगा ध्यान से सुनना दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मेरे पास है सी एच थ्री सी एल एच हटा के सीएल बढ़ा रही हूं H हटा के सीएल बढ़ा रही सीसीएल फोर चार मॉलिक्यूल्स है सी एच थ्री सी एल सी एच टू सी एल टू सी एच सी एल थ्री सी सी एल फोर अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ कि इसमें से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी कंफ्यूजन यहाँ होती है अगर यहाँ पे मैं लगा दूं सी एच फोर सी एच फोर और सी सी एल फोर दोनों का डायपोल मोमेंट जीरो है सी एच फोर सी सी एल फोर दोनों का डायपोल मोमेंट जीरो है मैं मानती हूँ दोनों का क्या है डायपोल मोमेंट जीरो अब ये देखो ये है सी एच थ्री सीएल यहाँ पे सी एल कर दो यहाँ एच 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 यहाँ सी एल बढ़ाते जाओ मैंने दो सी एल लगाए यहाँ मैंने तीन सी एल लगाए ध्यान से सुनना अब ये थ्री डी में विजुअलाइज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया नहीं तो खाली विजुअलाइजेशन से कुछ होता नहीं जब तक नंबर ना आए समझ रहे हो तो सुनो जैसे जैसे साइड एटम बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे क्लोरीन साइड एटम पहले एक था अब दो बड़े हैं तीन बड़े हैं चार बड़े हैं जैसे जैसे साइड एटम का साइज बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा थीटा कम होगा म्यू की वैल्यू कम होगी तो सबसे ज्यादा पोलर है सी एच थ्री सी एल फिर है सी एच टू सी एल टू फिर सी एच सी एल थ्री और सबसे लास्ट है सीसीएल फोर ये याद रखना पेपर में आएगा कोई भी दो उठा के दे, दे देगा सी एच सीएल थ्री और सीसीएल फोर और कहेगा बताओ कौन सा डाइप किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है सीसीएल फोर सी एच फोर तुम कर लेते हो गाड़ी अड़ती यहां पर है इन दोनों में तुमको नहीं चमकता तो याद रखना जैसे-जैसे साइड एटम थीटा थीटा चमक गई कहानी एडिशन है बट वो एंगल या तो तुम निकाल के देखो देखो सी एच सी एल थ्री है ना तो या तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए ऐसे देखो इसका पहले तुमने इसका डायपोल निकाला फिर तुमने कहा मैम इसका रिजल्ट आया फिर इसका इसके साथ निकालो रिजल्टेंट यहां आएगा फिर इसका इसके साथ या तो तुम सारे कॉज थीटा के करके देखो एक एक बॉन्ड का तो तो ठीक है तुम आंसर निकालोगे निकालोगे बट पेपर में ना तो तुम्हारे पास सी एच सी एच एंगल है ना ही एच सी सी एल एंगल है तो तुम्हें डायरेक्टली कह रही हूँ ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट है पेपर में आता है आएगा पेपर में बाद में मत बोलना कि कराया नहीं था चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या था डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा बी थर्टी एट था ये टॉपिक नंबर थर्टी नाइन ये है टॉपिक नंबर फोर्टी चालीसवे टॉपिक पे आ जाते हैं अपनी क्लास के सॉलिड स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम इन द सॉलिड स्टेट बच्चे पी एफ फाइव गैशिया स्टेट में भी एस पी थ्री डी है और सॉलिड स्टेट में भी एस पी थ्री डी है ये पता है पी सी एल फाइव जब अकेला गैस में होता है एस पी थ्री डी है मगर जब PCL5 सॉलिड में होता है सारे मॉलिक्यूल इतने दबोच के तुमने रखे हैं एक CL- वहां से निकल जाएगा क्या बना लेगा PCL4 पॉजिटिव जो CL- निकला वो दूसरे PCL5 के पास आके क्या बनाएगा PCL6- सो so, PCL5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट एस PCL4 पॉजिटिव एंड PCL6 नेगेटिव पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d अब हो गई sp3 और sp3d2 एक की कम हो गई एक की बढ़ गई जेईई मेंस का पीवाईक्यू है जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर अब अगर मैं pbr5 की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d अब बच्चा यही सोचता है सेम टू सेम करा दो भैया ब्रोमीन बहुत बड़ा है तो pbr4 पॉजिटिव तो बन जाता है बट pbr6 माइनस नहीं बनता ये br- ऐसे ही आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन से कहा आ गई sp3 में यहां से सवाल आएगा मैं कह रही हूं आज मेरे क्लास के लाइव अटेंड करना तो बहुत जरूरी है जिन्होंने करा उनकी गारंटी मैं ले सकती हूँ जो रिकॉर्डेड भी देखेगा या जो बच्चे सिर्फ नोट्स भी अगर तुमने डाउनलोड करके पढ़ लेना मैं कह रही हूँ तुम्हें नौ में से आठ क्वेश्चन की गारंटी मैं लेती हूँ और प्रू, प्रूफ करना ना मुझे अगर विश्वास में थोड़ा सा भी डाउट है कल मैं पी वाई क्यू थैंक यू सर कल मैं पीवाई क्यू तुम्हारे साथ शेयर करूंगी कल क्यों आज रात को ही पीवाई क्यू शेयर कर दूंगी लगा डे, लगा डालना सारे पीवाई क्यू रात भर में सिक्सटी फोर क्वेश्चन दूंगी गिने चुने ऐसे नहीं है कि मतलब कोई भी दे रही हूं सिक्सटी फोर चुन चुन के सवाल दूंगी लगा डालना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा चौंसठ में से कितने कर सकते हो ठीक है ये कौन लिख रहा है लंच ब्रेक दे दो नहीं तो सीधी मौत हो जाएगी भाई नहीं होगी इतना तो जज्बा रखो तुम फास्ट नहीं रखते क्या कभी फास्ट वास्ट नहीं रखा चलो भाई तुम्हारा फेवरेट टॉपिक आ गया ऑक्सी एसिड पानी पीना दो तो देखो पानी के बिना मेरा तो गुजारा नहीं है क्योंकि ना क्या होता है बहुत देर से बोल बोल के बोल बोल के, के ना ये थक जाता है ना तो पानी वानी पीते रहो तुम भी पीते रहो नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी तुमको चलो ऑक्सी एसिड टॉपिक पे आ जाते हैं कितने हो गए बी फोर्टी वन आज की क्लास का फोर्टी फर्स्ट आज की क्लास का फोर्टी फर्स्ट टॉपिक चल रहा है हमारा

फॉर्म भरा है सब बच्चों ने अभी ब्रेक मिलेगा ना सब बच्चे फॉर्म भर देना मैं देख लो बहुत ही रिग्रसली मेहनत कर रही हूँ तो काम करना पड़ेगा फॉर्म भर देना ठीक है हाँ मैम मेरे को मेरे को मेरे को डर की बात कर लो सारी मतलब ऐसे मी 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 करा लेते हैश टैग है ना मेरे को डर हमें तो डर ही लगता है अब पूछ लो ना किसको डर नहीं लगता तो एक भी हाथ नहीं उठेगा सामने देखो अब नहीं डरोगे दोबारा एक बार पढ़ा रही हूँ बच्चे जैसे तुमने सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस एसिड ऐसे हजारों ऑक्सी एसिड पी ब्लॉक में दे रखे है ना कैसे समझना सुनो एक होता है मान लो आपके ऑक्सी एसिड के अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है जैसे ग्रुप नंबर फिफ्टीन वालों के लिए प्लस फाइव ग्रुप नंबर सिक्सटीन वालों के लिए प्लस सिक्स तो इनका नाम होता है इक एसिड अभी समझाऊंगी अगर मैक्सिमम से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा है इसको बोलते हैं पर इक एसिड अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्स से कम है इसको बोलते हैं अस एसिड और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है मतलब मैक्स से कम है तो अस एसिड और अस में से भी दो कम है तो उसको बोलते हैं हाइपो एसिड अभी समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी मगर ग्रुप नंबर सेवनटीन वालों के लिए अलग कहानी चलती है अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है इसको बोलते हैं पर इक एसिड यहां देखो मैक्स वाले को बोलते थे इक यहां मैक्स को बोलते हैं पर इक मैक्स में से दो कम करो क्या बोलेंगे इक इक में से दो कम करो क्या बोलेंगे अस अस में से दो कम करो क्या बोलेंगे हाइपोस क्या बोलेंगे हाइपोस मैम ऊपर से गया कुछ चमका नहीं कोई बात नहीं टेंशन का लेते हो कीप कर लेते हैं सेव करनी है चीजें हमें ये लो पहले हम नया स्लाइड ऐड करके सिखाएंगे देखो जरा सामने देखो एक एक करके सारी कहानियां निपटाते हैं एक है एक है एक है एक एक आपके पेपर में ये नहीं आएगा बताओ इस एसिड का फॉर्मूला क्या है पेपर में आता है बताओ पर क्लोरिक एसिड के अंदर कितने लोन पेयर है पर क्लोरिक एसिड के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं डबल बॉन्ड कितने हैं ऐसा सवाल आता है मैंने कहा मैम देखो वन प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सेवन यानी कि मैक्सिमम तो इसका नाम होता है पर गया, आगे देखो एच सी एल ओ थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट पांच पांच मतलब सात में से दो गया क्या होगा पांच मतलब पर क्लोरिक के बाद क्या बन गया क्लोरिक एसिड पहले था पर एसिड फिर है एक एसिड आगे देखो ये आएगा प्लस थ्री प्लस थ्री का मतलब क्लोरस एसिड क्लोरस एसिड और ये आएगा प्लस वन। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड चार ऑक्सी उकस... एसिड के स्ट्रक्चर चमक गए स्ट्रक्चर मतलब नाम तो आ गए स्ट्रक्चर सिखाती हूँ देखो जब भी क्लोरीन का ऑक्सी एसिड बनाएंगे जब भी क्लोरीन का एसिड बनाना है तो समझ लो ये तीन डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड 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 ये इसका ढांचा होता है ढांचा मतलब स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है ढांचा ये ब्रेक ब्रेक मत करो मैनी देरी ब्रेक 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 नहीं चिल्लाना तीन बज के सत्ताईस मिनट हो चुके हैं चार बजे तुम भी लंच करना मैं भी लंच करूंगी तुम्हें ज्यादा भूख लग रही हो कोई बात नहीं पढ़ते पढ़ते तुम खा लो खाना दैट इज ओके ब्रेक ब्रेक मत चिल्लाओ ये सेशन रात को आठ नौ बजे तक जाएगा तो तुम काहे तंग कर रहे हो अगर नहीं पढ़ना तो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ना जरूरी है कैसी बातें कर रहे हो खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पेपर में नंबर लाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है है ना तो थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओ मैम बारी बारी ये नहीं बोलेगी कि सीरियस हो जाओ ब्रेक नहीं मिलेगा मैंने बोल दिया चार सवा चार जब भी केमिकल बॉन्डिंग देख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कितने पन्ने बचे हैं एमओटी होने वाला है चोटिला मेथड होने वाला है सोल्यूबिलिटी इंटर बॉइलिंग पॉइंट फैजांस रूल थर्मल स्टेबिलिटी हाँ तो जैसे ही केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा चार सवा चार तक खत्म हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग फिर जितनी मर्जी देर ब्रेक लेना ना मैं मना नहीं करूंगी बट बीच बीच में मत चिल्लाओ यार देखो मेरे को तुम्हें तुम फिर भी बैठ के पढ़ रहे हो है ना आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ रहे हो जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है जगह चेंज कर करके पढ़ रहे हो मैं रहा बजे स्टार्ट किया था चार बजने वाली है तुम्हारे सामने खड़े होकर पढ़ा रही हूँ ना दो मिनट भी नहीं बैठे ना तो मेरे लिए भी तो स्ट्रगल है ना बट मैं कर रही हूँ खुशी खुशी कर रही हूँ तो खुशी -खुशी रुकना नहीं है यार डरने से क्या होगा डरने से किसी का सिलेक्शन हुआ जो तुम्हारा हो जाएगा थकने से क्या होगा कुछ नहीं होगा मैं ना तो तुम्हारे पास्ट को जज कर रही ना तुम्हारे फ्यूचर को जज कर रही मैं कह रही हूँ आज पढ़ लो आज बस आज अगर ढंग से पढ़ लिया ना तो मतलब आठ क्वेश्चन हो जाएंगे यार ये छोटी मोटी बात नहीं है कल निशान सर का वन शॉट है कल सर आठ क्वेश्चन पक्के करा देंगे तो ऐसे पक्के करते चलो इजी हो जाएगी लाइफ पेपर के दिन थैंक यू बोलोगे अभी पढ़ो सामने देखो क्लोरीन का ढांचा होता है कि क्लोरीन तीन डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बनाता है सामने देखो कितने ऑक्सीजन है चार चार ऑक्सीजन चिपका दो हाइड्रोजन कितने एक बन गया एच सी एल ओ फोर कितने ऑक्सीजन है तीन और एक हाइड्रोजन है पहले तो एक ओ को एच दे दो अब कितने ऑक्सीजन बचे दो अब जो बच गया ना टेंशन मतलब इसको लोन पेयर करार कर दो इसको क्या कह दो तू लोन पेर है देखो कितने ऑक्सीजन है दो तो एक ऑक्सीजन को एक एच दे दो एक ऑक्सीजन बच गया यहाँ लिख दो जो दो बचे उसको लोन पेयर करार कर दो बस कितने ऑक्सीजन है एक और कितना एच है एक तो एक ओ एच बना दो बाकी जो बच गया लोन पेर अब ये जेई मेन्स के पीवा क्यू थे कि बताओ एच सी एल ओ के अंदर कितने लोन पेर है अब चमक जाएगा अगर पूछे टोटल लोन पर बताना तो आंसर आएगा एक दो तीन चार पांच टोटल लोन पर लोन बताओगे तो दो तीन चार पांच सेंट्रल आटम पे पूछे तो केवल दो ये ध्यान से कर लेना आप ऐसे मत करना कि ये भी नहीं आ रहा चमक गया ग्रुप नंबर सेवनटीन के ऑक्सी एसिड्स चमक गए सबको ग्रुप नंबर सेवनटीन ऑल सॉर्टेड टेंशन खत्म अब इसको बी फोर्टी वन कर लो ऑक्सी एसिड ग्रुप सेवनटीन के इसको बी फोर्टी करते हैं अगला टॉपिक लिख लेते हैं चलो बी फोर्टी के ऑक्सी एसिड कैसे ड्रॉ करते हैं देखो मान लो मेरे पास है एच थ्री पीओ फोर एच थ्री पीओ फोर मतलब थ्री प्लस एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो प्लस फाइव फॉसफोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड क्या नाम है फॉस्फोरिक एसिड पहले नाम सीखो फिर स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगी अगर एच थ्री पीओ थ्री थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई प्लस थ्री तो पांच में से दो गया तीन ये एक था तो ये क्या बन जाएगा acid. क्या बनेगा acid. आगे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस वन तीन में से दो गया एक तो अस आस एसिड के नीचे क्या आएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या आएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड पहले नाम सिखा रही हूँ स्ट्रक्चर फिर सिखाऊंगी कोई टेंशन मत लो आजकल का बड़ा प्यारा ऑक्सी एसिड है जिसका नाम है एसिड या फिर एसिड ये पेपर में आएगा 2024 के 2024 के पेपर में 100 परसेंट आने के चांसेस हैं देखो पाइरो का मतलब पता क्या होता है पाइरो का मतलब होता है गर्म करना हीट और दो फॉस्फोरिक एसिड ले लो देखो एच थ्री पीओ फोर एच थ्री पीओ फोर क्या हो गया टोटल करो छे दो आठ इसमें से जब दो एसिड को गर्म करोगे पानी निकाल दो दो को गर्म करके पानी निकाल दो क्या बन गया एच फोर पी टू ओ सेवन चमक गया इसका नाम है एसिड ये तुम देखते रहो एनसीआर रटते रहो कहीं नहीं दे रखा इसको ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला दे दिया उन्होंने उन्होंने नहीं बताया कैसे करते हैं और तुम्हें कई लोग कहते हैं रट लो बहुत आसान है क्यों रटे लॉजिक है पायरो मतलब गर्म करना फॉस्फोरिक मतलब दो फॉस्फोरिक एसिड को गरम करोगे पानी निकलेगा फॉर्मूला क्या बन गया H4P2O7 सॉर्टेड आगे देखिए अब एक एसिड है जिसका नाम है परऑक्सीडाइफॉस्फोरिक एसिड रटना नहीं है मैं नहीं रटवाऊंगी मैं तुम्हें सिखाऊंगी देखो ये जो पाइरोइक एसिड था ना इसका नाम था डाईफॉस्फोरिक दो फॉस्फोरिक एसिड को हीट करो अब दो फॉस्फोरिक एसिड को हीट किया था तो क्या नाम बना था एच फोर पी टू ओ सेवन तो जब इसके अंदर तुमने परऑक्सी एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया क्या बन गया एच फोर पी टू ओ एट इस बार अगर पेपर में आया तो भाई साहब थैंक यू बोल देना मुझे देखो एच फोर पी टू ओ एट का नाम हैोक्स डाई फोस्फोरिक एसिड चमका अब इस अब लिख दो अब लिख दो हैश टैग बुलंद तैयारी ये इंपॉर्टेंट है महा 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 इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ये चीजें सीखनी पड़ेंगी सीखोगे तो मजा आएगा देखो ये है फास्फोरिक एसिड एच थ्री पीओ फोर एक एसिड में से पानी निकालोगे ना एक ही एसिड में से क्या बन गया एच थ्री और यही तुम्हारी एनसीआरटी में लिखा हुआ है एच थ्री एन और बताओ तुम्हारी एनसीआरटी में लिखा हुआ है एच पी थ्री थ्राइस एच थ्री पी थ्री ओ नाइन अभी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड 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 दिस इज चमका सबको भाई साहब इससे ज्यादा कोई ऑक्सी तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा जितना सिखा रही हूं इससे ज्यादा एक सवाल नहीं आएगा मगर ऑक्सी एसिड आएगा ही आएगा ग्रुप नंबर सेवनटीन डन ग्रुप फिफ्टीन डन अब ग्रुप सिक्सटीन को तुम खुद से करोगे देखो सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओफोर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स सिक्स में से दो गया एच टू एस थ्री क्या नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड फिर है डाई सल्फ्यूरिक एसिड डाई सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड पानी निकालो क्या बन जाएगा एच टू एस टू ओ सेवन ये दो हजार तेईस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं मजाक तो बहुत अच्छा करती हूँ बट ये मजाक नहीं है दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाइसल्फ्यूरिक एसिड एक है पर डाई एसिड तो एच टू एस टू ओ सेवन एच टू एस टू ओ सेवन में ऑक्सीजन ऐड कर दो क्या बन गया एच टू एस टू ओ एट सुपर 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 इंपॉर्टेंट चमका सबको चमक गया सब बच्चों को ऑल क्लियर हैप्पी है यहां तक सारे अब तुम देखो कहानियां अब क्या देखनी है कहानियां जरा हम सेव कर लेते हैं ठीक है ना बहुत देर से ये बोर्ड वोर्ड चल रहा है तो गायब नहीं होनी चाहिए स्लाइड्स चलिए कहानियां देखो कहानियां अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर अभी तक मैंने तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाया नाम में अब मैं कॉन्फिडेंस दिलाऊंगी स्ट्रक्चर में और तुम देखो अगले पांच मिनट के अंदर अंदर तुम्हें ऑक्सी एसिड से प्यार हो जाएगा देखो फॉस्फोरस लिख लो फॉस्फोरस का स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है एक डबल बॉन्ड तीन सिंगल बॉन्ड सल्फर का होता है दो डबल दो सिंगल हेलोजन का होता है तीन डबल एक सिंगल फॉस्फरस एक डबल तीन सिंगल सल्फर दो डबल दो सिंगल हेलोजन तीन डबल एक सिंगल अब देखो स्ट्रक्चर एक डबल तीन सिंगल फॉस्फरस है ना एक डबल तीन सिंगल क्लोरीन है ना तीन डबल एक सिंगल देखो एच थ्री पीओ फोर लिख लो एच थ्री पी एक दो तीन चार पी लिख दिया फॉस्फरस हमेशा एक पीओ बॉन्ड बनाएगा एक ओ एच बॉन्ड बनाता है फॉस्फरस की पहचान है कि मैं पी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच OH बनाऊंगा बचा क्या दो ओ OH, एच दो OH. बन गया H3PO4? लिख लो एच थ्री लिख थ्री एच थ्री पी को तो हो गया ओ थ्री हमेशा एक डबल बॉन्ड ओ तो बनाएगा ही बनाएगा एक ओ OH एच बनाएगा अगला क्या बचा? ओ OH. एच एक क्या बचा एच चमका जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं उतना बेसिक होता है ये। इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड ये कहलाएगा ट्राई बेसिक एसिड ट्राई बेसिक एसिड ये नहीं कि मैम एच थ्री है तो ये भी ट्राई बेसिक है क्योंकि तीन एच देगा ना 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 जहां जहां पर pH बॉन्ड होगा वो एक रिड्यूसिंग एसिड की तरह बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एसिड जेई मेंस 2022 का सवाल था इनमें से कौन सा एसिड है जो एजी प्लस को रिड्यूस करेगा सिल्वर नाइट्रेट की रिडक्शन करेगा आंसर था एच थ्री पीओ थ्री एच सी एल ओ थ्री अब देख लो मैम ने कहा था कि एक ओ OH एच तो इसको दे दो दो ऑक्सीजन और लगा दो एक लोन पे बन गया देख रहे हो तुम ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर कर रहे हो सारे भूख लग रही है भगवान <laughs> भाई भूख तो मेरे को भी बहुत तेज लग रही है ठीक है और मैं मेरे, मेरे, मेरे सच में भूख लग रही है और मैं तो सुबह चार बजे सोई थी क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी पहले फाइल बनाई तुम्हारे लिए फिर मैंने कहा नहीं हवा फिर कई बार ऐसा होता है ना मतलब जिस चीज के मुझे पता था यार आज बहुत सारे बच्चे है ना मेरे पर डिपेंडेंट हैं और आज का सेशन देखेंगे तो मैं भी चाहती थी कि यार मेरी तरफ से एक परसेंट की भी कमी नहीं होनी चाहिए हर चीज़ दोबारा मतलब मेरे पास सारी स्लाइड्स हैं ऐसा नहीं है कि नहीं बनी हुई फिर भी मैंने सारी स्लाइड्स तुम्हारे लिए दोबारा बनाई कि यार बच्चों को एकदम फ्रेश पढ़ाऊँ एक चीज़ की भी कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है फिर चार बजे सोई बना बना के फाइल उसके बाद सात बजे वापस उठी और चार से सात में नींद नहीं आ रही थी तो भाई तुम्हारे से ज्यादा मैं थकी हुई हूँ इस टाइम पे <laughs> मैं नहीं बोल रही ना तो तुम्हें भी नहीं बोलना भूल जाओ थकान वगान कुछ नहीं होती मेहनत करो सब हो जाएगा बढ़िया नंबर आ रहे हैं तुम्हारे चलो भाई अब एक और चीज सीखते हैं हम सीखते हैं हमारे ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर तुम कहोगे मैम ये तो आसान थे हाँ इनमें क्या है कुछ नए सिखाओ जिसमें हमें पेपर में बड़ी दिक्कत आती है तो देखो मैं तुम्हें चार तीन चार एग्जाम्पल लेके सिखाती हूँ पहली बात तो ये सीखो अगर आपके ऑक्सी एसिड में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है दो सेंट्रल एटम है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है तो वहां आप ओ एक्स मतलब जो भी पीओ ऐसे वाला बॉन्ड बनाते हैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा है तो हम वहां एक्स ओ ओ एक्स बॉन्ड बनाते हैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है तो वहां एक्सेस एक्स बॉन्ड बनाते हैं दो ही एक्सेप्शन है एक है एच फोर पी टू ओ फाइव एक है आई टू ओ फाइव इन दोनों एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी हर जगह ये रूल वैलिड है अरे मैम सब ऊपर से गया है देखो सामने देखो टेंशन नहीं एच फोर पी टू ओ सेवन करो फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो प्लस फाइव क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आई आई तो जब भी मैंने कहा था मैक्सिमम आए तो क्या बनाओगे पीओपी बॉन्ड बना दो फॉस्फोरस एक डबल बनाता है तीन सिंगल बनाता है बनाया कितने ऑक्सीजन चिपकाने हैं सात एक दो तीन चार पांच छ सात कितने हाइड्रोजन चार एक दो तीन चार चमक गया अब आज वाले सेशन में किसी को ऐसा लग रहा है ना कि मैम ये आप मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो तो देखो अभी इस बार तो ऐसे ही करना पड़ेगा अभी इस बार टाइम नहीं बचा बट अगली बार बूस्टर में मैंने सब पढ़ाया है और हर चीज ये तो तीन एग्जाम्पल है ना मैंने दस दस बारह बारह एग्जाम्पल कराए हैं तो रेफर कर लेना क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये नहीं कि हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है मगर जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं करना पढ़ाई करोगे टॉपिक पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा टॉपिक ही नहीं पढ़ रखे होंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता ये एक फैक्ट है तो जो भी बच्चे देखो फर्स्ट अटेम्प्ट कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अब ये समझ आ चुका है कि चलो मैं अपना बेस्ट तो दूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट में बट दैट इज नॉट द फाइनल फॉर मी मैं सेकंड भी दूंगा और मुझे सेकंड में मचाना है तो अगर कोई ऐसा बच्चा ना तो आप डेफिनेटली बूस्टर को फॉलो कर सकते हो बिकॉज दैट इज वर्थ इट मतलब तुम्हें लिटरली बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के आज इतनी इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो एक दिन में यही तुमने मतलब ऐसे बकेट वन टू थ्री फोर के हिसाब से मान लो पढ़ी होती तो क्या तुम्हें आज कॉन्फिडेंस ना आता आता तो जो गलती फर्स्ट के टाइम पे हुई है अगर किसी से, तो वो टाइम है तो बट तो अब दस दिन में तुम सेकंड के लिए तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि भाग रहे हो फिर तुम मतलब भाग रहे हो पेपर से भागो मत चलिए एच फोर पी टू ओ एट ये करके दिखाओ फोर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स टू जीरो 2x की वैल्यू 12 है ना 2x की वैल्यू 12 x की वैल्यू प्लस 6 और, और ये तो 5 से ज़्यादा है मैक्सिमम से ज़्यादा मतलब P O O P बॉन्ड बनेगा फास्फोरस एक डबल तीन सिंगल कितने ऑक्सीजन चिपकाने हैं आठ तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ हाइड्रोजन कितने चिपकाने हैं चार अब ये तुम करोगे होमवर्क है और ये सवाल पेपर में आएगा 2024 में फिर मत कहना हमको नहीं आता करा दिया सेम टू सेम आएगा चमक गया ठीक है यहां पर एक एक्सेप्शन थी विच इज एच फोर पी टू ओ फाइव इसका स्ट्रक्चर कई बच्चे कहते हैं कि मैम ये कैसे आया ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है? अब देखो फोर प्लस टू एक्स माइनस टेन वैसे तो आंसर आना चाहिए पीपी बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम आ रही है तीन आ रही है मैक्सिमम से कम है तो वैसे पीपी बॉन्ड होना चाहिए बट इट हैव पीपी बॉन्ड इसके अंदर पीओपी बॉन्ड होता है बाकी सब कुछ सेम जैसे सिखाया है, वैसे ही चलेगा बस दिस इज वन एक्सेप्शन एक्सेप्शन और एक है I2O5. I2O5 पेपर में नहीं मेंस में नहीं आता एडवांस में आता है मगर एच फोर पी टू ओ फाइव मेन्स में भी आ सकता है तो ये गलती नहीं करनी है ठीक है तो यहां तक हमारा जो टॉपिक था टॉपिक नंबर कहां गया ऑक्सी एसिड वाला फोर्टी टू टॉपिक नंबर फोर्टी टू कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आऊंगी टॉपिक नंबर फोर्टी थ्री पर अब ज्यादा नहीं बचा थोड़ी देर एमओ टी कराऊंगी चोटिला मेथड मैग्नेटिक हाइब्रिडाइजेशन करेंगे फिर आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे फजान रूल थर्मल स्टेबिलिटी और इतने में डी एंड एफ ब्लॉक आ जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक आसान हो गया क्योंकि डी एंड एफ के कई सारे ट्रेंड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पी ब्लॉक में केमिकल तो बॉन्डिंग में थोड़ी देर की मेहनत है फिर आगे थोड़ा आसान फील आएगा फिर कोऑर्डिनेशन में मस्त मेहनत करेंगे डरो मत यार कर लेंगे सर देखिए तो भाई मेरे को चैट्स में थोड़ी सी एनर्जी दिखनी चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। ओलियम एच टू एस टू ओ सेवन को ही बोलते हैं बच्चे ओलियम इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर के अंदर एसओ थ्री एड करो एच टू एस टू ओ सेवन का ही स्ट्रक्चर बोला आपको ओलियम इज एच टू एस टू ओ सेवन चैट्स में एनर्जी दिखनी चाहिए है ना हैश टैग बुलंद तैयारी चैट्स में एक बार स्पैम करो तब तक पानी पीती हूं फिर बढ़ाऊंगी नहीं स्पैम हुआ नहीं है बुलंद तैयारी जल्दी से चलिए नाइस <laughs> ओके okay, सामने देखिए हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है टॉपिक का नाम है मोलिकुलर और बाइटल थियोरी एमओटी आप बच्चे जानते हैं कि वी ने हमें काफी कुछ सिखाया वीएसई ने काफी कुछ सिखाया बट वो ये चीजों का आंसर नहीं दे पाए कि ओटू पैरामैग्नेटिक कैसे हो गई लो मतलब कहीं से भी सोचो ऑक्सीजन के अंदर ऐसे लगता है सारे इलेक्ट्रॉन पेग है तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक या फिर हेलोजन्स का कलर ये सारी चीज़ें वीबीटी बी वी एस सी नहीं बता पाई तो इसके लिए हमने एक नई थ्योरी निकाली विच इज एमओ टी मॉलिकुलर और बाइटल थ्योरी मॉलिकुलर और बाइटल थ्योरी वैसे तो बहुत डिटेल में है बट ये नहीं कि हर टॉपिक से सवाल पेपर में आएगा पेपर में सबसे पहले सवाल ये आता है कि आपको पता होना चाहिए एम ओ टी कहती कहती क्या है तो मॉलिकुलर और बाइटल थ्योरी ये कहती है कि भाई देखो फॉर एग्जाम्पल तुमको एच मॉलिक्यूल बनाना है तो पहले मेरे पास दो है हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के अंदर उनकी एटॉमिक और बाइटल होती है तो ये दोनों अटोमिक और बाइटल और कुछ नहीं ये है तो क्या ये वेव फंक्शन भाई अटोमिक और बाइटल क्या है हर ऑटोमिक और बाइटल का वेव फंक्शन होगा तो या तो दोनों वेव फंक्शंस को ऐड कर सकते हो या दो वेव फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो कई बार ऐसा सवाल आता है जैसे अभी मैंने वोट सिक्स में सवाल दिया था बताओ कि इन दोनों के बीच का आ, नोडल प्लेन्स कितने हैं कई बार ऐसा सवाल आ जाता है तो सुन लो तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं मान लो आपके पास वन एस है दो वन एस और बाइटल है मेरे पास या तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी अब जब ये मर्ज कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस तो ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ये वन एस था ये वन एस तो जब ये अलोंग द एक्सिस मर्ज कर रहे हैं तो इसका नाम रख दिया सिग्मा वनस इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बीएमओ अब हो सकता है ये वन इस वन से आपने सब्ट्रैक्ट जाएगा माइनस अभी भी अलोंग द एक्सिस है तो इसमें क्या करते हैं इधर वाले को इधर कर देते हैं उधर वाले को इधर कर देते हैं अब जब ये एक दूसरे से दूर गए तो इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार वनस इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या बोलते हैं सिग्मा स्टार वनएस विच इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ बताओ नोडल प्लेन कितने नोडल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है दिख रहा है एक नोडल प्लेन दिख रहा है एक नोडल प्लेन तो दो जो हमारे लोब्स आए प्लस और माइनस उनके बीच में एक प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता दैट इज सिग्मा स्टार वनएस और बाइटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो जब दो अटोमिक ऑरबाइटल आपस में मर्ज करेंगी तो दो मॉलिकुलर ऑरबाइटल बनेंगी एक लो एनर्जी की होगी एक हाई एनर्जी की होगी ये आएंगे ये पेपर में आएंगे एनसीआरटी में बने हुए हैं 2023 में भी पूछे हैं 22 में भी पूछे हैं तो 24 में भी पूछे जाएंगे आने चाहिए देखो ये दो अलोंग द एक्सिस मर्ज कर रहे हो तो या तो देखो ऐसे कर सकते हैं एक का प्लस एक के माइनस के साथ देखो प्लस और माइनस आ जाए या प्लस और प्लस आ जाए तो प्लस और प्लस आएगा तो माइनस वाला छोटा हो जाएगा आ जाएगा देखो माइनस प्लस माइनस ये दोनों चिपक जाएंगे ये छोटे छोटे हो जाएंगे तो एक छोटा कर दो यहां पर भी देखो माइनस को छोटा प्लस वाले को बड़ा कर दो चमक गया ये भी सिग्मा है इसको बोलते हैं सिग्मा टू इसको क्या बोल देंगे अलोंग द एक्सिस हो रहा है और अगर साइडवेज करानी है तो दो पॉसिबिलिटी है देख लो दोनों करा के दिखाऊंगी प्लस को प्लस को, प्लस, को प्लस से माइनस को प्लस से देखो तो जब प्लस, प्लस वाला मर्ज करेगा ये ऊपर प्लस आ जाएगा नीचे माइनस आ जाएगा इसको बोलते हैं पाई टू पी एक्स पाई टू पी एक्स अब ये देखो प्लस का माइनस है माइनस का प्लस है तो इन सबको एक दूसरे से दूर भगाओ ये प्लस माइनस ये माइनस प्लस तो आपको ये सवाल मैंने दिया था एक नोडल प्लेन ये है एक नोडल प्लेन ये है तो तुमको दो नोडल प्लेन दिखाई देंगे इसको बोलते हैं पाई पाई स्टार स्टार या फिर स्टार टू पी अब देखो मुझे पता है इनकी गहराइयों में जाना बहुत जरूरी है है ना बट वो मेंस में ऐसे गहराइयों वाले सवाल नहीं आएंगे मेंस में या तो ये सवाल आएगा कि बताओ नोडल प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं या फिर डायरेक्ट आपके पास आएगा ठीक है कि आप मोलिकुलर और बाइटल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए देखो इसको मैंने अब कई बच्चे ऐसे ऐसे सीखते हैं कि 14 से लेस वालों के लिए ये 14 से ज्यादा वालों के लिए ये ये कुछ नहीं करना अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी है मैं आपको सिखाती हूँ अगर तुम्हारे पास ओ टू है एफ टू है नियॉन टू है या फिर इनके रिश्तेदार रिश्तेदार मतलब इसका ओ टू प्लस ओ टू माइनस ओ टू टू प्लस ओ टू टू माइनस ब्ला 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 या इनके रिश्तेदार या इनके रिश्तेदार तो इनका एक ही हमारे पास मोलिकुलर और बाइटल डायग्राम आएगा क्या सिग्मा वन एस स्टार वन एस 2s टू एस स्टार टू एस 2p टू पी जेड फिर आएगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई फिर आएगा पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई फिर आएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड अब ये बनाना नहीं चाहिए मैं तो ऐसे सिखाती हूँ देखो सिग्मा वन है मैं तो ये भी नहीं बनवाऊंगी बट आना चाहिए कई बार ऐसे सवाल आते हैं जहां पर आपको एमओडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता होना चाहिए क्या था मैं तो और भी ऐसा सिखाती हूँ देखो बता टा टाणा टा टना टाणा टा ये देखो ऐसे बोलते जाओ और सीखते जाओ

बच्चे इन सबके जो साइजेस होते हैं ना इनके साइज काफी छोटे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ एस और पी में मिक्सिंग होनी शुरू हो जाती है यहाँ पर एस पी मिक्सिंग शुरू हो जाती है अब इसकी डिटेलों में नहीं जाना और अगर इनकी एस पी मिक्सिंग होती है तो इनका जो लेवल होता है चेंज हो जाता है ओवरऑल आता है सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस, सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस

तो एडवांस की टेंशन हम बाद में लेंगे पहले मेन्स निपटा देते हैं ठीक है अब मैम क्या ये हर बार करके देखना है नहीं करना आपके पेपर में देखो सवाल आएगा ओ टू प्लस ओ टू माइनस ओ टू टू माइनस ओ टू टू प्लस कहेगा बताओ इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना अच्छा जिनको बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना आता बता देती हूँ बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटलॉन हैश टैग चोटिला माता की जय भाई मैं राजकोट से बिलोंग करती हूँ ठीक है तो वहां पर राजकोट से थोड़ी सी दूर पे एक मंदिर था माता रानी का जो कि पहाड़ों पे बना हुआ था माता रानी का नाम है चोटिला माता हम गए थे एक ही बार गई गयी मैं भाई साहब बड़ा मजा आता है मतलब ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है हम बोलते गए पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ जय माता की करते जाओ ऐसे हमने पहाड़ बनाया नंबर लिखो यहाँ पे आठ नौ दस बारह तेरह चौदह नीचे आओ पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस अब ये चोटिला मेथड हमने सिखाया है यूट्यूब पे कुछ साल पहले हो हर कोई चोटिला मेथड सिखा रहा है <laughs> अच्छी बात है मतलब दिस इज गुड कि चलो ये बच्चों के काम आया देखो अगर किसी में चौदह इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर तीन तेरह या पंद्रह इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर ढाई बारह या सोलह इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर टू ग्यारह या सत्रह इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर फाइव बॉन्ड ऑर्डर वन जीरो पॉइंट फाइव बॉन्ड ऑर्डर जीरो किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर जीरो मतलब स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब डजंट एग्जिस्ट अच्छा क्या ये बात जानते हो कि अगर हमारे पास अब इसको भी सेव कर लेते हैं यहाँ पर आ, न्यू स्लाइड ऐड करते हैं हाँ ये बात कौन कौन जानता है ध्यान से सुनना कि अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रोंग होगा बॉन्ड स्ट्रोंग होगा मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड बॉन्ड है की स्ट्रेंथ ज्यादा देखो O2 टू प्लस सोलह में से एक गया कितना पंद्रह 15. 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आगे देखो O2 माइनस में एक ऐड करो कितना सत्रह सत्रह का बॉन्ड ऑर्डर वन पॉइंट फाइव ओ टू टू माइनस सोलह में दो ऐड करो कितना अठारह अठारह का बॉन्ड ऑर्डर कितना वन ओ टू प्लस सोलह में से एक गया अच्छा ओ टू टू प्लस लिख दो सोलह में से दो गया कितना चौदह चौदह का बॉन्ड ऑर्डर तीन तो अब बता दो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे ओ टू टू प्लस सबसे बढ़िया ओके okay. फिर आएगा ओ टू पे प्लस फिर आएगा ओ <coughs> टू पे माइनस फिर आएगा ओ टू पे टू माइनस ले अब मान लो तुम्हें ये मेथड ना आए और तुम वो बना के देख रहे हो डायग्राम भाई सब टाइम वेस्ट करोगे बेस्ट एम बेस्ट है चोटिला माता की मेथड चमक गया सबको तो हैशटैग ठीक है ना हाँ चोटिला माता की जय चमक गया सबको डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के बॉन्ड ऑर्डर बता दोगे इतना बढ़िया तरीका है इससे ज्यादा क्या सीखोगे डायरेक्ट मैंने तो क्या ही किया ये तो एक बार पेपर में बनाना है और कोई दोबारा दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है चमक जाएगा और बताती हूँ कई बार पेपर में पूछा जाता है बताओ डाय मैगनेटिक प्रॉपर्टी कौन, स्पीशीज कौन सी है पैरा मैग्नेटिक कौन सी है सुन लो अगर तुम्हारी स्पीशीज में ऑड इलेक्ट्रॉन है तो चुपचाप कह देना पैरामैग्नेटिक Even electrons है तो कह देना डायमैग्नेटिक बना के देखने की जरूरत ही नहीं है जो तुमने वो क्लीशे तरीके सीख रखे ना सिग्मा वन है सिग्मा स्टार वन है सिग्मा है, सिग्मा है पाई 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 नहीं करना ये अगर में अठारह इलेक्ट्रॉन है तो चुपचाप कह देना डायमैग्नेटिक अगर स्पीशीज में पंद्रह इलेक्ट्रॉन है चुपचाप कह देना पैरा मैग्नेटिक मगर एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है दस और सोलह इलेक्ट्रॉन सोलह इलेक्ट्रॉन सोलह देखते ही डाया मैग्नेटिक चाहिए मगर होता है पैरा सोलह और दस एक्सेप्शन है सामने देखो करना पंद्रह मतलब पैरा सत्रह अठारह अठारह मतलब डाया चौदह चौदह मतलब डाया मतलब बात खत्म और कल को कोई कहे ओटू ओटू के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन सोलह सोलह का बॉन्ड ऑर्डर कितना दो और सोलह मतलब वैसे डाया मैग्नेटिक मगर होगा क्या पैरा मैग्नेटिक क्योंकि एक्सेप्शन है चमका ये नहीं चमका सबको चमक गया ठीक है हैप्पी हो यहां तक कितने मेथड कर लिए हमने ये फोर्टी थ्री था फोर्टी फोर बुलंद फोर्टी फोर बुलंद फोर्टी फाइव बुलंद का फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स छियालीस टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग यहां पर समाप्त हो जाता है ठीक है और कोई तुम्हें ये चीजें नहीं कराएगा और नहीं कराई है किसी ने बट अब मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूं कई बार पेपर में अच्छे सवाल आते हैं और अच्छे सवाल तब बनते हैं जब तुम्हें अच्छी नॉलेज हो तुम्हें थ्योरी आनी चाहिए तो अब मैं तुम्हें ये फोर्टी सिक्स है ना एक फोर्टी सेवेंथ टॉपिक एक फोर्टी टॉपिक एक फोर्टी नाइन्थ टॉपिक और ये फिफ्टी टॉपिक कुछ और टॉपिक्स मैं तुम्हें कराऊंगी ये फिफ्टी फर्स्ट टॉपिक है ठीक है और फिर हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे छह टॉपिक्स और कराऊंगी और ये छे के टॉपिक ऐसे हैं जो तुम्हारे रैंक को इम्प्रूव करेंगे तो अभी भी बोल देती हूँ कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल ही मतलब है ना गई गुजरी तैयारी कर रहा भैया हमें कोई मतलब नहीं है वो ये टॉपिक्स ना करें ये टॉपिक्स अच्छे हैं कि अगर पेपर में जैसे मैं कह रही हूँ ना कि नौ में से आठ की गारंटी मैं ले रही हूँ तो जो नाइन्थ सवाल है वो यहां से बनता है अच्छे टॉपिक्स हैं सामने देखो प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में कहीं इनका जिक्र नहीं है बट करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा कई बार आपसे इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की कहानी पूछी जाती है, तो एक, मैं तुक्का बताती। देखो, है। अब डिटेल में मत जाना बट पहले तुक्का सीख लो अगर कभी भी लोन पेयर आएगा सुनो कभी भी लोन पेयर आएगा तो वो परसेंटेज एस को खा जाएगा लोन पेयर क्या करता है लोन पेयर परसेंटेज एस को खाता है और अगर कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो वो परसेंटेज एस को फूक मार देगा क्या कर देगा फूक मार देगा। बस इतना याद रखना है देखो जैसे सी एफ थ्री है मेरे से कोई पूछे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या तुम कहोगे मैम तीन सिग्मा बॉन्ड है लोन पेयर तो है ही नहीं लोन पेयर तो है ही नहीं तो अब मैं कैसे क्योंकि कभी भी मैंने हाइब्रिडाइजेशन में आपको इलेक्ट्रॉन तो सिखाया नहीं अब देखो क्या ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है हां जी अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ना फूक मारेगा फूक मारेगा मतलब परसेंटेज एस बढ़ जाएगा और अगर लोन इसमें परसेंटेज एस बढ़ गया मतलब ये लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा तो एक दो तीन चार चार का मतलब हाइब्रिडाइजेशन है लोन परसेंटेज एस खा जाएगा जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम परसेंटेज एस को फूक मार देगा क्या कर देगा, मार देगा। सामने देखो एक और एग्जाम्पल अगर कोई मेरे को कहे की बताओ, मैंने एक सेकेंड एक दो तीन चार पांच छह सात एक ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है ये लोन पेयर ये और इलेक्ट्रॉन अब हमने कहा हाय हाय ये कैसे बताएंगे मैंने कहा मैम मैम सुनो सुनो लोन पेयर लोन सारा परसेंटेज एस खा जाएगा भाई पूरा इससे निचोड़ के खा जाएगा तो मेरे पास दो सिग्मा बॉन्ड बने एक लोन पेयर बना टोटल कितना तीन कि एसपी टू यानी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जबकि सी एफ थ्री वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है चमका कौन सा ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा कौन सा नहीं करेगा डिपेंड करता है अगर आपके पास लोन पेयर है वो सारा परसेंटेज एस खा जाएगा अगर ये सारा खा गया, है, इसको कुछ मिलेगा नहीं सारा परसेंटेज एस कैरेक्टर उसको मिल जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन को तो लोन पेयर के जैसे बिहेव करेगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा चमका आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फोर्टी एट्थ इक्यावन टॉपिक कराएंगे फिर ब्रेक मिलेगी फोर्टी टॉपिक ये मेरे ख्याल से मैंने क्वालिटेटिव में भी सिखाया था आपको कई बार डर लगता है सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड से लेकर कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल है और ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और बच्चों से नहीं बनते क्योंकि उनको पता नहीं होता करना कैसे है आज मैं शॉर्टकट शेयर करती हूँ सुनना मान लो मेरे से कोई पूछ रहा है बीई एफ टू बीई सी एल टू बीई बी आर टू बीई आई टू मेरे से कोई पूछ रहा है बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे फेर पड़ेगी या मान लो मेरे से कोई पूछ रहा है कि Na2O टू ओ है ना या फिर के टू ओ एल आई टू ओ इनकी सॉल्युबिलिटी बताओ पानी में कैसे इसका एक मैंने कॉन्सेप्ट अपनी क्लास में सिखाया था कॉन्सेप्ट का नाम होता है बी फोर्टी एट कॉन्सेप्ट का नाम है रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट का नाम है रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट याद रखना मस्त सिखाऊंगी रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट रक्षा यह कहता है कि एक लड़की थी उसके सात भाई थे एक और लड़की थी जिसके चार भाई थे सुन लो ये तुमने नहीं सीखा आज तक तो सुन लो ध्यान से एक लड़की थी और ये बिल्कुल मतलब मस्त इससे एडवांस के सवाल होते हैं मैं तुम्हें मेंस के लिए ये करा रही हूं ताकि मेंस का मुश्किल सवाल भी आए तो मेरे बच्चों से बनना चाहिए ये ना करना चाहो तो ना करो वो आठ सवाल करने है ना बस आठ तो हो जाएंगे नौवा सवाल भी करना छोड़ूंगा नहीं कुछ वो ये है दो लड़कियां थी एक लड़की के सात भाई थे एक लड़की के चार भाई थे ठीक है एक लड़की के सात भाई एक के चार जिसके सात भाई थे उसका नाम था फ्लोर मतलब उसके सात भाई कौन से थे फ्लोराइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट अब इसके सात भाई मतलब कार्बोनेट था तो भाई कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड इसके सात भाई हो गए जो दूसरी लड़की थी जिसके चार भाई थे उसमें था फ्लोराइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीनेट अब सुनना जनरली आपकी सोल्यूबिलिटी ऊपर से नीचे जाते हुए कम होती है एस ब्लॉक की कहानी सिखा रही हूं अब दुनिया की नजरों में यह टॉपिक डिलीट हो गया इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम एनसीआरटी मगर केमिकल बॉन्डिंग में यह टॉपिक है तो तुम्हारा एस ब्लॉक डिलीट हुआ है लग रहा है एस ब्लॉक नहीं आएगा तुम छोड़ के जाओगे, तो जाओगे। इसीलिए पढ़ना जरूरी है तुमने नहीं पढ़ा तभी कह रही थी ये वो है जो बच्चे छोड़ रहे हैं, जो ने छुड़वा दिया क्योंकि एस ब्लॉक तो कट गया है अब एस ब्लॉक कट गया तो बच्चा कर नहीं रहा कर नहीं रहा तो पेपर में सवाल आएगा वहां फंस जाओगे फिर सुन लो जितने भी मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक वाले मेटल हैं उनके जब कंपाउंड बनते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी ऊपर से नीचे जाते हुए कम होती है तो जनरली सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज ऊपर से नीचे जाते हुए एस ब्लॉक के लिए मगर ये जो ग्यारह भाई हैं सात और चार ग्यारह भाई इनकी सोल्यूबिलिटी ऊपर से नीचे जाते हुए बढ़ेगी इनकी सोल्यूबिलिटी ऊपर से नीचे जाते हुए बढ़ेगी मैम ऊपर से गया देखो एक और चीज याद रख लो जितने भी मेरे बेरिलियम के सोल्ट होते हैं वो मैक्सिमम सोल्यूबल होते हैं बेरिलियम के जितने भी सोल्ट होते हैं वो मैक्सिमम सोल्यूबल होते हैं चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कोई तुमको कहे बीई एफ टू बी बी एफ टू एस आर एफ टू सी एफ टू एम जी एफ टू की सोल्यूबिलिटी बताओ हाँ, आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड ना तो तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा क्योंकि हट गया ना ही एस ब्लॉक में पढ़ा क्योंकि हट गया अब इनकी सोल्यूबिलिटी पूछी जाए फिर हम कहेंगे मैम ने सिखाया था ऊपर से नीचे जाते हुए सोल्यूबिलिटी कम होती है सिखाया था ऊपर से नीचे जाते कम होती है मगर जो ग्रुप अच्छा वो दोनों बहनें बता देती ये ग्रुप नंबर वन की बहन है टू के चार भाई है फ्लोराइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और ऑक्सलेड तो इनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी यानी कि बेरियम फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी ज्यादा फिर स्ट्रॉनशियम की कैल्शियम की मैग्नीशियम की लास्ट में रखना चाहिए बी एफ टू मगर मैम ने सिखाया था बेरिलियम के सॉल्ट हाईली सोलबल होते हैं तो बी एफ टू और ज्यादा चमका सब बच्चों को क्लियर है भाई ये सवाल अगर इस साल 2024 के पेपर में आया तो बच्चों से बनना चाहिए भाई बना लेना ये क्वेश्चन गलतियां मत करना ये नहीं कि डिलीटेड मैंने तभी आज का मैराथन ऐसे ही लिया कि रिवाइज्ड एनसीआर के अकॉर्डिंग है ये है रिवाइज एनसीआर फिर भी मैं टॉपिक करा रही हूँ क्योंकि यही तो वो पॉइंट है जहां पर बच्चा फंसेगा क्योंकि वो एस ब्लॉक करके नहीं जाएगा और ये आएगा क्योंकि ये तो केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है तो इन चीजों पे गौर फरमाना चला गया सबको चलिए अब अगला टॉपिक आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब बच्चे जानते हैं कि अगर मैम हाइड्रोजन एक ऐसे एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए फिर रहा है जो कि काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस आ जाएगा जिसके चक्कर में दूसरे हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस है ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से वैसे तो देखो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वैसे तो क्या है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन मगर ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इतनी अच्छी खासी है कि इस बॉन्ड को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है एक है इंट्रामोलिकुलर एक है इंटर मोलिकुलर इंटर मतलब जैसे दो के बीच में जैसे ये हो गया मेरा फिनोल ये एनो टू फिर एक और हो गया मेरा फिनोल लगा लो यहां पे या और देख लो जैसे ये एच एफ ही बनाया तुमने एच एफ एच एफ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाती है इंटर दो मॉलिक्यूल्स के बीच वाली इंटर एक होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे यहां पर एनओ टू लगा लिया और यहां पर फिनोल लगा लिया इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ऑर्थो नाइट्रो फिनोल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ याद है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे सवाल आते हैं देखो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने आप में ही खुश हैं मतलब अपने आप में जुड़े हुए हैं यानी कि इनका आपस में इंटरक्शन एक बार बिल्कुल ही जीरो है तो इनको एक दूसरे से दूर करना बहुत आसान हो जाएगा तो इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है कुछ याद आ रहा है जबकि जहां पर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे मान लो अगर मैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रही हूं यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये आपस में इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि इनको दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा कुछ याद आया इसीलिए ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और पैरा नाइट्रोफिनोल में क्योंकि इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोनों सारे मोलिक्यूल्स आपस में अच्छे से जुड़े होते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है चमका सबको ठीक है वेरी गुड चलिए अगले दो चार क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से करके दिखा दो और फिर लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है आ, रूल. चलो ये क्वेश्चन तुम भले होमवर्क में कर लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सिंपल सवाल है फजान्स रूल सिखाती हूं। rule सुपर इंपॉर्टेंट है सुनना ध्यान से सुनना क्योंकि इसी के बेसिस पे अगला आएगा और यहां से सवाल आएगा ध्यान से सुनो मान लो मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है आपको पता है कोई भी आयनिक कंपाउंड हंड्रेड परसेंट आयनिक नहीं होता नन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज हंड्रेड परसेंट आयनिक जैसे तुम कहो एन ए सी एल ना बाबा ना जैसे तुम कहो एल आई सी एल ऐसा नहीं है इसके अंदर हंड्रेड परसेंट आयनिक कैरेक्टर है आ, देखो अगर आयनिक कंपाउंड हंड्रेड परसेंट होता ना मतलब इसका कैटायन एकदम गोलू मोलू होता एनायन गोलू मोलू होता यानी कि इसके अंदर सिमिट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए मगर अगर मान लो आपका कैटायन ध्यान से सुनो अगर कैटायन छोटा है तो पता है ये कैटायन इलेक्ट्रॉन मतलब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने टुवर्ड्स पोलराइज करेगा आपकी जो गोल मटोल सिमिट्रिकल डेंसिटी थी ना इलेक्ट्रॉन की वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी जिसकी वजह से एक कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा दैट इज व्हाट इज नोन एज कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना इज फजान्स रूल फजान्स रूल क्या कहता है फजान्स रूल कहता है कि अगर आपका कैटायन छोटा होगा एनायन बड़ा होगा कैटायन पे पॉजिटिव ज्यादा होगा एनायन पे नेगेटिव ज्यादा होगा तो आपका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा फजान पते क्या कहता है? फजान बाबा ने कहा अगर तुम्हारा कैटायन छोटा है ठीक है कैटायन छोटा एनायन बड़ा क्योंकि कैटायन जितना छोटा होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा एनायन जितना बड़ा होगा देखो कैटायन के लिए डिफाइन करते हैं पोलराइजिंग पावर एनायन के लिए डिफाइन करते हैं पोलराइजेबिलिटी चमका। कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर जो जितना छोटा होगा जिसपे जितना चार्ज ज्यादा होगा वो दूसरे को पोलराइज करेगा जो जितना गोलू मोलू बड़ा होगा उस पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा क्वेश्चन वो ये का है बताओ इन दोनों में से कोवेलेंट कौन है ज्यादा कोवेलेंट कौन तो तुमने कहा मैम ये भी सीएल है ये भी सीएल है ये लेड पे प्लस टू है लेड पे प्लस फोर मतलब मैम पी बी प्लस फोर कैटायन पे ज्यादा चार्ज है मतलब इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा चमका कोई ये सवाल दे कि बताओ एम एन ओर एम एन टू सेवन में से आयनिक कौन है ज्यादा विच इज मोर आयनिक मैंने कहा मैम ये भी ऑक्साइड उकसा, है ये भी ऑक्साइड है यहाँ पे मैंगनीज प्लस सेवन में है जबकि मैंगनीज प्लस टू में अगर मैंगनीज प्लस सेवन में है तो फजान रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर कोवल कैरेक्टर ज्यादा तो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा क्या ये बात चमकी ये सवाल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीबीसीएल टू पीबीसीएल फोर कौन सा किस सॉल्वेंट में मतलब वो कहता है पीबीसीएल फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाता है बताओ क्यों क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है क्यों क्योंकि उसके अंदर फजान रूल लग रहा है चमक रही है कहानी ओके ब्रेक चलिए आज की क्लास का केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी टॉपिक ब्रेक 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 चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी टॉपिक हमारा है विच इज थर्मल स्टेबिलिटी यार आज तो तुम ब्रेक ब्रेक कह रहे हो मगर मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ सवाल, ब्रेक ब्रेक तो सवाल, के के सवाल नहीं आएंगे पेपर में मतलब जितना आज तुमने कर लिया ना एक बार एक अच्छी रिविजन होगी ना इसके बाद पेपर में सवाल नहीं आएगा आई प्रोमिस तो करो शिद्दत से करो मैं ब्रेक दे रही हूँ लास्ट मुझे पता तुम भी थक हो आई हंड्रेड परसेंट अग्री तुम भी थक हो मेरा भी अब मुंह थक गया चार साढ़े चार घंटे हो गया मैं कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ आई अग्री तो मैं थोड़ी देर ब्रेक दूंगी मैं भी लंच कर लूंगी तुम भी लंच कर लेना उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे बट एक लास्ट टॉपिक पढ़ लो टॉपिक का नाम है थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी सुनो मस्त तरीके से सिखाऊंगी यार हमारे ना दो प्रकार के रिश्तेदार होते हैं ठीक है एक ऐसे देखो कई अब इसको मतलब ऐसे दिल पे मत लेना मैं भी दिल पे नहीं लेती हूँ मान लो ये तुम हो ठीक है तुम्हारी मान लो बुआ घर आ रही है अरे मेरी बुआ भी आई है अभी घर अभी लोड़ी पे जाना है मेरे को अपने भाई के घर मम्मी के घर तो बुआ लोग भी आएंगे अब कई बार क्या होता है ना बुआ अकेले घर आती है तो केवल अकेले बुआ ही घर आती है खाली बुआ आती है उनके बच्चे आंटी के बच्चे नहीं आते हैं मगर कई लोगों के घर जब बुआ आती है ठीक है बुआ जब कई लोगों के घर बुआ आती है उनकी तो भाई साहब बुआ भी आती है बुआ के बच्चे भी आते हैं अंकल भी आते हैं है ना उनकी सासू माँ भी आती है उनकी जेठानी भी आती है जेठानी के बच्चे भी आते हैं जेठानी के पति भी आते हैं सॉरी आ जाते हैं समझ रहे हो होता है 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 ना तुम्हारे घरों में भी और दोनों ही घर बढ़िया यार ठीक एक घर में बुआ आती है तो अकेले आती है ठीक है मोनो एटोमिक बोलते हैं इनको मोनो एटोमिक एनायन अब तुम बताओ तुम कौन से घर से बिलोंग करते हो मोनो एटोमिक एनायन एक के घर में बुआ आती है उनके फूफा जी भी आते हैं बच्चे भी आते हैं है ना अगर बच्चों की शादी हो गई तो उनकी सासू माँ भी आती है फिर समझ रहे हो फिर उनकी जोठानी के बच्चे भी आते हैं फिर ननद के बच्चे, 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 बच्चे सबके बच्चे आते हैं इनको बोलते हैं पॉली एटोमिक एनायन क्या बोलते हैं पॉली एटोमिक एनायन देखो तो अगर तुम्हें थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी मतलब मैं तुम्हें कितना हीट करूं कि तुम भड़क जाओ कई लोग होते हैं देखो ठीक है अब जैसे मैं ऐसी नहीं हूं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम जरा सा छेड़ दो भाई साहब इतना सा छेड़ने की जरूरत है ऐसे भड़क पड़ते मतलब भड़क ही जाते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम जितना मर्जी बोल दो बोलते जाओ बोलते जैसे जा, बोल मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा यार थर्मल स्टेबिलिटी बहुत है मेरी ठीक है कई कई होते हैं तुमने एक बार टीचर को बोला ब्रेक टीचर भी तुम्हारे पे दया खा के गए थे चलो ब्रेक कई मेरे जैसे डीप टीचर होते हैं जिद्दी तुम हजार बार बोलो ब्रेक हम नहीं देते हैं जब तक हमने टारगेट सेट किया हम नहीं देंगे ब्रेक है ना तो कई आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनको माड़ा जहा हीट करो जरा सा हीट करो वो टूट जाएंगे तो वो थर्मली कम स्टेबल है ऑन द अदर हैंड कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको तुम थोड़ा सा हीट करो भाई साहब उनको कुछ नहीं होता उनको बहुत हीट करना पड़ता तब टूटते हैं इसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी तो मान लो अगर तुम्हारी बुआ जी अकेले आ रही है मोनो एटोमिक एन है अकेले रिश्तेदार हैं तो तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाती है लैटिस एनर्जी के बेसिस पे बात खत्म थर्मल स्टेबिलिटी किसके बेसिस पे देखी जाएगी लैटिस एनर्जी के बेसिस पे जैसे ले लो किसी ने कहा LIF, NAF, और KF में बताओ थर्मली सबसे बुआजी कौन सी है एफ माइनस बुआ जी अकेली आई है हाँ तो जिसका लैटिस स्ट्रॉन्ग है वो थर्मली ज्यादा स्टेबल लिथियम छोटा है लैटिस स्ट्रॉन्ग थर्मली ज्यादा स्टेबल बात खत्म खत्म हो गया सवाल यही था

मतलब पॉलीएटॉमिक आयन है जैसे SO32- हो गया जैसे SO42- हो गया ऐसे केस में भाई साहब थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर अब देखो मैम ये क्या बला है देखो जरा कोई मुझे कह इनकी थर्मल स्टेबिलिटी लिखो मैंने कहा इधर आओ उधर तो आपने आंसर लिख दिया मैम कोई बात नहीं यहां से समझ लो यहां से समझ लो Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 हमने कहा बुआ जी कौन सी है बुआ जी तो वो रिश्तेदारों वाली है मैंने कहा ओ बुआ जी को छोड़ो कैटायन देखो यहाँ कैटायन एल आई प्लस या मैंने कहा भाई पता है कैसा है जिसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि कैटायन छोटा होगा ना तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा भैया इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम इसीलिए एल आई टू सीओ थ्री कम स्टेबल है फिर एन ए टू सीओ थ्री के टू सीओ थ्री क्या ये बात सबको चमकी या नहीं चमकी जल्दी से जी ठीक है सबको चमक गया ये था हमारा हैश टैग बुआ जी कॉन्सेप्ट जो कि चैच में दिख जाना चाहिए तो अब हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए भाई दो चैप्टर्स डन अब पढ़ाऊंगी डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन और ऐसे पढ़ेंगे कि खत्म हो जाएगा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें ये मेरी प्रॉमिस है ठीक है तो केमिकल बॉन्डिंग में तुमने आज तक जितना भी पढ़ा था उससे कई गुना ज्यादा हमने आज पढ़ लिया है राइट चाहे ये बुआ जी कॉन्सेप्ट हो चोटेला मेथड हो ये वाले सारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो गए चमक गया तो एक बार चार्टैग बुआ जी कॉन्सेप्ट आश टैग बुआ जी आ जाना चाहिए यार बुआ को याद करना चाहिए कभी मेरी इतनी अच्छी अच्छी बुआ है मेरे को बहुत मन कर रहा है अपनी बुआ से मिलने का मैं जा रही हूँ खैर लोड़ी पे खुश हूँ मैं मिलूंगी मैं हाँ ठीक है तुम्हारे लिए भी दुआ करेंगे भाई बढ़िया दुआ ये नहीं करेंगे तुम्हारी बुआ जी हो अब बुआ जी अब कैसे हो सकती है यार कैसी बातें कर रहे हो

इक्यावन टॉपिक्स फिफ्टी वन टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी तक टिके पड़े हैं <laughs> मतलब जिन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है दैट इज वेरी गुड आप ऑलमोस्ट आधी जर्नी कंप्लीट कर चुके हो अदर हाफ पार्ट इज देयर एंड आई एश्योर यू आज आपकी मेहनत आज आपकी कंसिस्टेंसी बेकार नहीं जाएगी दिस विल बी वर्थ इट तो मैंने कहा था ना जितनी बुलंद तैयारी होती है उतना बुलंद हौसला होता है और उतनी बुलंद सिलेक्शन होती है उतना बुलंद परिणाम आता है और उस बुलंद परिणाम के लिए तुम्हें बुलंद तैयारी करनी पड़ेगी जो कि हम अब करेंगे ठीक है चलिए तो ब्रेक का टाइम कितना रखें तुम ही बता दो ब्रेक का टाइम कितना रखें तुम ही बता दो बता दो बता दो कितनी ब्रेक का टाइम देंगे तुमको ट्वेंटी मिनट्स बीस मिनट ले लो कोई बात नहीं काउंट डाउन कर लेते हैं बीस मिनट अनफ है खाओगे खाना ये मत कहना कि खाना नहीं खाया ट्वेंटी मिनट्स गुड नहीं थोड़ा सा तो ट्वेंटी मिनट्स तो ले लो यार मैं भी एक बार मुंह वगैरह धो के आऊंगी खाना खाऊंगी सुबह से मेरे को भी भूख लग रही है ऐसे मत करो ठीक है ना अच्छा ट्वेंटी मिनट्स रख देते हैं चलो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स रख लेते हैं चलो फिर और नहीं ट्वेंटी रख लो फिर तुम बीच में बाद में दोबारा को ब्रेक दे दो ब्रेक दे दो नहीं नहीं, नहीं ना तुम्हारी ना मेरी तेईस मिनट रख देते हैं चलो तेईस मिनट का ब्रेक है तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी देखो मैं तो लाई हूँ कड़ी चावल आज बना के किसी ने खाने हो तो आ जाओ एड्रेस मैं भेज देती हूँ तुम्हें अभी ठीक है हाँ एड्रेस मैं भेज देती हूँ कड़ी चावल बनाया मैम ने तो जो दोस्त हु जिनको कड़ी चावल पसंद है आ जाइए बढ़िया से कड़ी चावल खाएंगे और अगर तुम्हारी मम्मी ने और अच्छा खाना बना रखा है जैसे पनीर की सब्जी किसी की मम्मी ने गुलाब जामुन गुलाब जामुन बनाए हो तो फिर बढ़िया मेरे घर भी पार्सल कर दो ठीक है चलो मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ सो विल मीट आफ्टर ट्वेंटी थ्री मिनट्स ओके सेशन को लाइक कर देना जो तो नहीं किया ना तो फिर डांट खा लोगे मेरे से बाद में पहले बता रही हूँ मैं चलो you mm -hmm. जी सो इज बैक बताइए आ रही है मैम की आवाज यस एवरी वन इज बैक ऑल ऑफ यू कैन हियर मी चलिए बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करते हैं वापस से इस सेशन को कोज एवरी वन रेडी

इसीलिए चैट्स में एक्टिव रहना मतलब ये नहीं की मैं कुछ पूछ रही हूँ और तुम अलग ही मतलब अलग ही दुनिया में खोए पड़े हो ठीक है ऐसे मत करना खैर वो कड़ी चावल का असर मेरे ऊपर नहीं होगा मेरे को कड़ी चावल खाने की आदत है नींद नहीं आएगी मैम को अपना अपना देख लेना ठीक है <coughs> बैंगन का भरता खाया है अच्छा और किसने क्या खाया है कॉफी भी है एक कॉफी एक कॉफी ब्रेक लेंगे कॉफी ब्रेक मेरे को कॉफी बहुत बढ़िया लगती है आलू गोभी खाई थी क्या बात है आलू गोभी बनाई थी मम्मी ने सही है

ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उससे पहले चैट्स में कड़ी चावल की बजाय अब हैश है ना कुछ और चलना चाहिए कड़ी चावल नहीं चलने चाहिए हैश टैग बुलंद तैयारी यस yes, क्विक चाहे आलू पराठे भाई ज्यादा मत ठूस के मैंने थोड़ा सा खाना खाया ज्यादा ठूस लो तो नींद आ जाती है आलू पराठे ठूस के आए बताओ ये बटर वटर लगा के खाया था क्या <laughs> चलो तो हैश टैग बुलंद तैयारी चैच्स में आ जानी चाहिए ठीक है अब आलू पराठे गोभी पराठे गोभी मंचुरियन नूडल्स है ना कड़ी चावल सब सब अंदर चला गया पेट में अब इसको डाइजेस्ट करते हैं देखिए बच्चे अब हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे अगर मैं सीक्वेंस में चलती मुझे आपको पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाना चाहिए बट पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले बहुत डिटेल वन शॉट लिया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स का और दूसरी चीज ये कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इस साल हमारे पास आने हैं ट्रेंड्स ट्रेंड्स की हमने सारी डिस्कशन कर ली में ठीक है उसके बावजूद भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर किसी को और ट्रेंड्स की डिस्कशन करनी है तो मैंने वन शॉट ले रखा है और अगर आज समय ने अलाउ किया तो मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स दोबारा भी थोड़ा सा रिकैप करा दूंगी मैंने अभी रिसेंटली आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक वन शॉट लिया था एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का भी वन शॉट लिया था तो समय देखते हैं जितना हमारे पास होगा उस हिसाब से रिविजन जरूर करेंगे मगर एज पर द न्यू सिलेबस एज पर योर रिवाइज सिलेबस आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वेटेज ज्यादा है कंपेयर टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए पूरा फोकस अब आपका होना चाहिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर आपको मैंने ये तो बता दिया कि जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखते हैं तो ये हमारे मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं मेटल्स और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पी ब्लॉक वाले होते हैं ये क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स मेटल से ये जो नॉन मेटल का ट्रांजिशन है तो बीच में जितने एलिमेंट्स आते हैं इनको वैसे तो हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ये पुरानी डेफिनेशन थी कि सिंस ये मेटलिक से नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करते हैं तो ट्रांजिशन शो करते हैं इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोल देते हैं बट नई डेफिनेशन ये कहती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास या तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या पार्शियली फिल्ड डी और बाइटल होनी चाहिए या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कैंडियम की बात करो तो स्कैंडियम क्या होता है थ्री डी वन फोर एस टू तो क्योंकि डी अनपेयर्ड है अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे हम इसको कह देंगे कि ये आ, हमारा ट्रांजिशन मेटल है चलो कॉपर की बात करते हैं कॉपर वैसे तो क्या होता है थ्री डी टेन फोर एस टू यही होता ना कॉपर थ्री डी टेन फोर एस टू हो गया हमारा मैंने का, एक बात बताओ, अगर आप कॉपर प्लस वन लेते हो, <coughs> मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था या तो आपके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट तो हम आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में डालते हैं मगर अगर मैंने अच्छा माय बैड मैंने कॉपर को थ्री डी टेन फोर एस वन लिख दिया फोर एस टू लिख दिया थ्री डी टेन फोर एस वन तो अगर अब कॉपर में तो मेरे पास d10 है तो ये ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए मगर कॉपर जब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा ये 3D9 आएगा, एक आ गया एंड आएगा एक मेरा ट्रांजिशन मेटल है की, 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 इनके अंदर डी टेन एस है तो हद हद ये प्लस टू में रहेंगे तो ये हट गया मगर तब भी डी टेन बचा मतलब इनकी ऐसी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं है जहां पर हाफ फिल्ड डी और बाइटल हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी हो तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन भी नहीं इसीलिए जिंक कैडमियम मरकरी कहलाते डी ब्लॉक एलिमेंट्स है मगर इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स करार नहीं करते ये चमक गया जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एन माइनस वन डी वन टू टेन और एन एस जीरो सबको पता ही है टमिक रेडियस का ट्रेंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये पूरी की पूरी कहानी हमने कर ली है मैंगनीज में एक हाइक आता है आपको पता है साइज की बात करूं जब हम थ्री से फोर से फाइव जाते हैं तो थ्री से फोर जाते हुए क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है साइज बढ़ता है देखो ना 3D से 4D जाते हुए आपका साइज बढ़ेगा मगर 4D और 5D के बीच का साइज लगभग लगभग सिमिलर होता है क्योंकि यहां पर आपके 4F इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि पुअर शील्ड शील्डर्स होते हैं हैं तो ये सारी हम आए मुद्दे की बात पर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से सुनना ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करती हूँ अभी ये ट्रेंड मैंने आपको जब मेटेलिक रेडियस के लिए बताया था तब आपने सीखा था सेम ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट में लगेगा देखो सरस्वती तेरी वंदना करे जब मैं सरस्वती से टाइटेनियम से वेनेडियम से क्रोमियम जाऊंगी तो मुझे पता है मेरे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मैम ने सिखाया था मेटल मेटल बॉन्ड बढ़ेगा मेटल मेटल बॉन्ड बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगी मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा यानी कि सरस्वती से क्रोमियम जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा ये चमका मगर फिर आता है मैंगनीज मैंगनीज एक ऐसा मेटल है जिसका टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया देखो कम हो गया उसके बाद हमने देखा कि यहां से यहाँ जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो रहा है मेटल मेटल अट्रैक्शन कम हो रही है मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है कहने का मतलब पूरे थ्री सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है क्रोमियम का पूरे थ्री सीरीज में हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका क्रोमियम का ये बात चमकी नहीं चमकी ये बात चमकी है नहीं चमकी ठीक है चलो डन आगे बढ़ते हैं अब अगर मैं ग्रुप की बात करती हूं तो नीचे जाएंगे क्या आपको याद है मैंने सिखाया था कि जब हम 3D से 4D से 5D में जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ता है जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगी जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो 3D का कम है 4D का ज्यादा 5D का ज्यादा इसीलिए कहा था जब मैं आपको शुरू में प्रियोडिक चैप्टर पढ़ा रही थी ना प्रियोडिक क्लासिफिकेशन तो जब मैं इस वाली स्लाइड पे आई थी कई बच्चे भाग लिए देवर लाइक यार ये कौन पढ़ाता है ये टाइम पास मत करो मैम है ना मैंने खुद चार्च में देखा कि बच्चे लिख रहे थे मैम ये मत पढ़ाओ फटाफट पढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ मैंने कहा नहीं स्पीड नहीं बढ़ेगी कहाँ गया वो टॉपिक देखो शुरू शुरू में मैंने आपको कराया था और मैंने कहा था इसका यूज बाद में होगा ये रहा Effective nuclear charge, पूरा पूरा के सिखाया था था इसीलिए कहा में जब top से से पे जाओगे तेज़ी बढ़ता है और मेल्टिंग मतलब मतलब पॉइंट बढ़ेगा ये वो बारीक बारीक चीजें होती है जो अगर बचपन में सीखी होती है ना तो फिर आगे चल के बड़ी हेल्प मिल जाती है चलो आगे देखते हैं कहां तक आगे तो कितनी स्लाइड्स कवर कर ली भाई हमने वेरी गुड चलो यहां तक हो गया है हां जी डेंसिटी की बात करूं डेंसिटी में देखो नीचे जाओगे पता है मास बढ़ता है ये तो पता है मैं मानती हूँ वॉल्यूम भी बढ़ता है मगर वॉल्यूम उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से मास बढ़ रहा है नीचे जाते हुए डेंसिटी भी बढ़ती है तो मास तेजी से बढ़ता है वॉल्यूम उतनी तेजी से नहीं बढ़ता तो इसीलिए आपकी जो डेंसिटी है ओवरऑल वो तेजी से बढ़ती है तो नीचे जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा नीचे जाते हुए डेंसिटी भी बढ़ी ये चमका एन की एक फोटो आपको याद आ गई होगी एनसीआर में एक टेबल दे रखी है जहां लिख रखा है कि हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि जो हमारा एन माइनस वन डी ऑरबाइटल होता है और एनएस ऑर्बिटल होता है इनके बीच का जो हमारा एनर्जी गैप होता है ना बच्चे वो कम होता है एन माइनस वन डी और एन के बीच का एनर्जी गैप कम होता है इसीलिए कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एक्सेप्ट स्कैंडियम स्कैंडियम केवल एक इकलौती ऑक्सीडेशन शो करता है जिसका नाम है प्लस थ्री स्कैंडियम प्लस थ्री टाइटेनियम देखो टू टू थर्टी फोर वेनेडियम टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्रोमियम टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैंगनीस टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आयन टू थ्री फोर सिक्स टू थ्री फोर टू थ्री फोर प्लस टू प्लस टू सुनना है? मैं नहीं कहूंगी सबको रटो नो नीड आपसे पूछा जा सकता है बताओ कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा मैंगनीज और उसी एनसीआरटी के नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है कि अगर आप किसी सेंट्रल एटम को उसकी हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर जाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैंगनीज को प्लस सेवन तक लेकर जाना है तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए जैसे मैं MnF7 बना सकती हूं Mn2O7 बना सकती हूँ। मगर पता है मैं MnF7 नहीं बना पाती क्यों क्योंकि अगर मुझे मैंगनीज को प्लस +7 तक लेकर जाना है मुझे सात फ्लोरीन चाहिए तो बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है इससे अच्छा मैं कम ऑक्सीजन लेती हूं Mn2O Mn2O7 में भी मैंगनीज प्लस +7 में गया क्योंकि एक ऑक्सीजन +2 बढ़ाता है ना। इसीलिए अगर आप किसी एलिमेंट को उसके मैक्सिमम तक लेकर जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स चूज करने पड़ते हैं ऑक्सीजन फ्लोरीन उसमें से भी ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि कम ऑक्सीजन से ज्यादा चार्ज आ जाता है जैसे आप देख लो कि सी एल एफ सेवन भी हो सकता है मगर हम सी एल एफ फोर सी एल ओ फोर माइनस प्रेफर करते हैं क्यों क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है सिमिलरली एम एन टू ओ सेवन प्रेफर करते हैं राधर देन एम एन एफ सेवन क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ये मैं अभी आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बता रही हूं यहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं चमका ठीक है ठीक है ठीक है फर्स्ट <coughs> फेब से बोर्ड्स हैं क्या करूं बच्चे बोर्ड्स की तैयारी है ना कि टेंशन मत लो जब मेंस यार देखो मैं बताती हूं आपको हम ना मतलब लिटरली एक चीज हमारे दिमाग में हमेशा होती है कि कुछ भी करके ना बच्चों की हेल्प हमारा लिटरली कोई प्लान नहीं था कि हम ये बुलंद सीरीज आपके साथ स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली सेशन आते बट एज सच कोई as such प्लान नहीं था कि आप मुझे कहो मैं डेफिनेटली बहुत सारे सेशन पहले भी लिए थे मैं और भी लेती बट दो दिन पहले मैंने आपको बोला ना मेरी एक बच्ची से बात हुई वो बच्ची रो रही थी फोन पे मुझे लगा चलो ये इमोशनल हो गया ये रो रही है ठीक है तो मुझे ऐसा लगा फिर मैंने और बच्चों से बात करी एक लड़के से बात करी वो लड़का रो रहा था मतलब पहले तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो यार एक आधा बच्चा है थोड़ा सैड होंगे तो रो दिए बट जब मेरे को पता चला ना नहीं, नहीं यार बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि अब डर सता रहा है पढ़ सब कुछ रखा है ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तुमने पढ़ा नहीं है चाहे मेरे से चाहे कहीं और से किसी और टीचर से पढ़ा तो तुमने है बट वो डर सता रहा था ना और ना मतलब मैंने निशान सर को बस एक बार बोला कि सर मेरी देखो बच्चों से बात हुई और बच्चे टेंड हैं सर ने कहा मैम ठीक है कुछ प्लान करते हैं मतलब हमने आधे घंटे के अंदर अंदर ये प्लान किया कि नहीं कुछ तो करना है और क्या करें कि बच्चों का मैक्सिमम फायदा हो जाए पूरा स्कीड्यूल बनाया अभी मेरी आगे की कोई स्लाइड्स नहीं बनी हुई है तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि मेरे आगे के सारे सेशंस प्रिपेयर हैं कल रात को जब लॉन्च किया उसके बाद हम घर गए मैंने तुम्हें बताया साढ़े नौ बजे मैंने फाइल बनानी चालू करी और लगभग साढ़े तीन चार बजे तक फाइल बनी है ना तो तुम टेंशन मत लिया करो यार तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करेंगे भी बोर्ड जाएगा तब भी खड़े हैं ना हम तो तुम काहे टेंशन लेते हो बोर्ड्स की टेंशन लेने के चक्कर में खराब करोगे ना फिर फिर तुम्हारी तैयारी की तो होनी चाहिए ना सपना तो आईआईटी जाने का देखा था हम नहीं पढ़ा रहे उस दिन तुम ठीक तुम है तुम डर लेना बट जब तक मैं कह रही हूं यार मैं हूं नहीं, नहीं डरो करा दूंगी मैं ठीक है तो तुम काहे डर रहे हो विश्वास रखो कुछ नहीं होगा सब बढ़िया हो जाएगा बट पढ़ते चलो रुको मत समझ गए मतलब यार हम मतलब दिस इज़ नॉट इजी मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ एंड टेकिंग दिस स्टैंड वाज आल्सो नॉट इजी क्योंकि देखो हमारे भी पेड बैचेस चल रहे हैं ऐसा नहीं है कि वी डू नॉट हैव पेड बैचेस ठीक है उनके भी डाउट सेशंस रेगुलरली होते हैं जो आपको हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी उसके वीडियो सोल्यूशन करने होते सो वी हैव एवरीथिंग पैलली गोइंग ऑन बट यार जब तुम इतनी मेहनत करते हो तो फिर हमारी तरफ से कमी नहीं आनी चाहिए और हम किसी की देखा देखी नहीं करते कि यहाँ वन शॉट चल रहा है चलो हम भी वन शॉट करना चालू कर देते हैं बच्चों का हेल्प हो जाएगी नहीं यार ये सारी ताम के लिए करने होते ना तो महीने पहले करने होते, है ना? साथ बोलती हूँ कि तुम कर लोगे तो तुम डरो मत यार अभी तुम देखना आज वन शॉट चल रहे अभी देखो कहाँ वन शॉट चलेंगे मतलब ऐसा नहीं है तो तुम टेंशन मतलब यार हम खड़े हैं ना और जब तक हम हैं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बट आप फोकस करो आप बातें नहीं करोगे देखो तो एनसीआरटी के उसी डब्बे के नीचे एक लाइन लिखी हुई है कह रहा है जो कॉपर प्लस वन है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है मगर कॉपर प्लस वन एक्वा सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि में वो हो जाता है। वो टू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है ये छोटी छोटी फैक्चुअल चीजें भी पता होनी चाहिए आगे देखो एक और चीज आपको पता है जैसे जो हाइअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं सुनो एक बार टेबल दोबारा दिखाती हूँ रुको, रुको, दो ये देखो जो हाइयर देखो मेरे मैं ये कह रही हूँ जैसे कोबाल्ट है ठीक है ये जो ऊपर वाले होते हैं ना ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश रहते हैं मगर नीचे वाले ना हाईअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा खुश रहते हैं देखो जैसे कोबार ये को, क्रोमियम हो गया क्रोमियम प्लस सिक्स में एग्जिस्ट करता है मोलिबिडनम प्लस सिक्स में ज्यादा स्टेबल है ये डब्ल्यू टंग्स ये प्लस सिक्स में और ज्यादा स्टेबल है सिमिलरली आयन की हद हद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है प्लस टू प्लस थ्री है ना प्लस फोर भी कई कंपाउंड्स में है मगर ये ऑस्मियम है ना ये प्लस 8 तक जाता है मतलब नीचे वालों के लिए ना हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है क्यों क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एक हाइयर स्टेबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज़ करना आसान हो जाएगा यह बात चमकी एनसीआरटी की लाइन है अभी आपको दिखाती हूँ ये एनसीआरटी की लाइन है देखो कि जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दीज आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप तो क्रोमियम प्लस सिक्स मॉलिबिडनम प्लस सिक्स से कम स्टेबल है डब्ल्यू प्लस सिक्स और ज्यादा स्टेबल है आयन का प्लस एट एग्जिस्ट नहीं करता ऑस्मियम का प्लस एट एग्जिस्ट करता था तो जिन्होंने अच्छा मैं वो तो लिखना ही भूल गई ले बुलंद का फिफ्टी सेकेंड टॉपिक है ओके बुलंद का फिफ्टी थर्ड टॉपिक है ओके दिस इज बुलंद का फिफ्टी फोर्थ टॉपिक डन है ये बुलंद का फिफ्टी फाइव टॉपिक देन वी हैुलंद का फिफ्टी सिक्स टॉपिक ये टॉपिक्स इसलिए लिख रही होता तो लिख सकते हो ना बुलंद फिफ्टी सिक्स में डाउट है अदरवाइज वो टाइम स्टैम मार्क करते रहोगे देखो अगला टॉपिक है ई नॉट वैल्यूज और अब पांच मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना ये ई नॉट वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी थोड़ा सा सिंपल सी कहानी है सुनो अगर मैं ई नॉट वैल्यूज की बात करती हूँ मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं बात करूँ क्रोमियम से क्रोमियम प्लस टू की मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट e not Fe से Fe plus two तो so, इसमें केवल ये नहीं देखना होता कि आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ये तीन स्टेप्स में रिएक्शन होती है पहले आयन सॉलिड या मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट करोगे फिर मेटल गैस से M प्लस गैस बनाओगे M प्लस गैस से M टू प्लस गैस बनाओगे और M टू प्लस गैस से M एक्वस बनाओगे ये रिएक्शन मतलब ये जो E नॉट वैल्यू तुम्हें नजर आ रही है ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है सबसे पहले ये डिपेंड करती है एटोमाइजेशन पे एटोमाइजेशन एनर्जी कितनी है फिर है फिर डिपेंड करती एनर्जी प्लस प्लस एनर्जी के लिए एम गैस से एम टू प्लस डिपेंड एक्वस डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी पे तो चार चीजें हो गई एक एनथेलिपी ऑफ एटोमाइजेशन आई ई वन आई ई टू और हाइड्रेशन एंथेलिपी अगर आप नॉट की वैल्यूज देखो अब ये ध्यान से देखना ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है जनरली जब आप लेफ्ट से राइट right जाते हो तो ई नॉट वैल्यू कम होती है लेफ्ट से राइट right जाते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आयोनाइेशन एनर्जी बढ़ती है ई e नॉट कम होता है यानी कि उस मेटल की रिएक्शन पानी के साथ कम होती है मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है चमका सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट right जाऊंगी जैसे-जैसे मैं लेफ्ट से राइट right जाऊंगी मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ई नॉट ओवरऑल कम होगा मगर ध्यान से देखो स्कैंडियम प्लस टू एग्जिस्ट ही नहीं करता हम उसको गिने नहीं रहे देखो टाइटेनियम 1.63 1.18 0.90 हे भगवान मैंगनीज के लिए एक्सेप्शनली हाई वैल्यू काहे आ गई जब कम हो रहा था तो मैंगनीज की बड़ी कैसे आगे देखो फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, कम हुई। मतलब E नॉट कॉपर <coughs> से कॉपर टू प्लस बनना स्पॉन्टेनियस ही नहीं है इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस ई नॉट नेगेटिव है मैम मैंगनीज के लिए काहे बड़ी सुनो सुनो पता क्या हुआ मैंगनीज था थ्री डी फाइव फोर एस टू से थ्री डी फाइव बनाना काफी आसान था क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन में जा रहा था तो मैंगनीज के लिए ये IE2 की वैल्यू कम होती है और मैंगनीज इसी मैंगनीज इसीलिए के लिए एक एक्सेप्शनली हाई वैल्यू आती है E0 की अब मैं ये नहीं कह रही एनसीआरटी में नहीं है ये है एनसीआर में मगर सिर्फ एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है वो पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी जो मैंने समझाई तो जिस तरीके से मैंने समझाया इसको दिमाग में चिपकाओ चिपकाना जरूरी है क्योंकि असर्शन रीजन के सवाल आते हैं वहां लॉजिक पता होना चाहिए कि ई नॉट वैल्यू लेफ्ट से राइट right कम होती है बट एक्सेप्शनली हाई है मैंगनीज मैंगनीज के लिए क्यों हुआ क्योंकि का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है चमक गया सबको चलिए अब हम बात करते हैं बी फिफ्टी सेवन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो अंडरू टेन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन आज ही पढ़ाया है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब वन पॉइंट सेवन थ्री टू दो अनपड इलेक्ट्रॉन मतलब टू पॉइंट समथिंग तीन अनपड इलेक्ट्रॉन मतलब अकॉर्डिंग टू रिवाइज एनसीआर हट चुका है एस ब्लॉक एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू रिवाइज डेंसीआर हट चुका है मगर डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं हटा आपको पता है डी ब्लॉक के कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं जैसे अमोनिया की प्रिपरेशन में प्रोसेस अमोनिया एन टू प्लस एच टू जब अमोनिया बनाता है तो हम आयन के ऑक्साइड को एज कैटलिस्ट यूज करते हैं मोलिबिडनम की प्रेजेंस में जो कि को कैटलिस्ट होता है रिएक्शन ए एल टू ओ थ्री और के टू ओ की प्रेजेंस में होती है कॉन्टैक्स प्रोसेस याद है कॉन्टैक्स प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो SO2 में ऑक्सीजन डालते हैं रिएक्शन अपने आप नहीं होती है रिएक्शन को कराने के लिए वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड वी टू ओ फाइव कैटेलिस्ट होता है डेकन्स प्रोसेस HCl से क्लोरीन बनाने के लिए इसको बोलते हैं डेकन्स प्रोसेस यहां पर CuCl2 कैटलिस्ट यूज होता है मैच द फॉलोइंग पेपर में आ जाएगा ध्यान रखना और ये नहीं कि ये तो पी ब्लॉक का पार्ट है कट गया भैया डी ब्लॉक में है ये कैटलिस्ट का नाम डी ब्लॉक में है ये कटा नहीं है ऑस्वोल्ड्स प्रोसेस ऑस्वोल्ड्स प्रोसेस याद है नाइट्रिक एसिड से हम कैसे मतलब पहले हमने सिंपल क्या लिया नाइट्रिक एसिड लिया आपने ठीक है फिर एनओ को ऑक्सीडाइज किया एनो टू में फिर एनो टू को पानी में डाला ये ना कुछ तो ये प्लेटिनम की प्लेटिनम एज अ कैटेलिस्ट यूज करते हैं एक वैसे तो पॉलीमर चैप्टर में है दिस इज इन दिस इज देयर इन पॉलीमर चैप्टर हट गया है मगर आना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट है पॉलिथीन बनाने में काम आता है इसमें होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टी आई सी एल फोर की प्रेजेंस में तो इथाइल एल्यूमिनियम और टी आई सी एल फोर ये इसीलिए दिखा रही हूं ताकि पेपर में अगर आए देखो पेपर में मैच द फॉलोइंग आएगा तीन भी कर लोगे तो चौथा अपने आप बन जाता है बट तीन में कॉन्फिडेंस आना चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कलर ऑफ आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन मैं बताती हूँ मैं कल आपके साथ जेई मेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करूंगी सिक्सटी फोर बेस्ट क्वेश्चन से ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था ये मैंने वोट्स में दिया है और के कम से कम दो अलग अलग पेपर्स में ये सवाल दिया है जो हमारे डी ब्लॉक के मेटल लाइन होते हैं ये जनरली कलर्ड होते हैं देखो आपको अभी आगे थोड़ी देर बाद है ना जब कोऑर्डिनेशन कराऊंगी तो आपको सिखाऊंगी कि मेरे पास पांच डी और बाइटल होते हैं जो कि लीगेंड की प्रेजेंस में मान लो किसी भी मेटल आयन को एक्वस सॉल्यूशन में लेते हो तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ठीक है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है यहां पर डी ब्लॉक जो डी और बाइटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं ठीक है थीके? जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे था वो कई बार ऊपर चला जाता है एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और जितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कलर रिलीज होता है मतलब एनर्जी रिलीज होती है जो विजिबल रीजन में लाई करती है इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आधे पौने घंटे बाद दूंगी जब कॉर्डिनेशन पढ़ाऊंगी थोड़ी देर के लिए रुको बट आपको मैं बताना चाहूंगी अगर आपके पास कोई ऐसा मेटल है जिसमें डी जीरो है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या डी टेन है सारे फुली फिल्ड है तो इनके अंदर तो डी डी ट्रांजिशन होगी नहीं यहां एक डी से दूसरे डी पे जाने को डी डी ट्रांजिशन कहते हैं थोड़ा सा तो पता होगा तो इनके अंदर डी डी ट्रांसिशन नहीं है मगर अगर मेरे पास जैसे वन और है। वन और है, का एक ही होता है क्योंकि दोनों में एक ही है। दी वन दी का पास कॉपर टू प्लस एक है क्रोमियम टू प्लस ये ब्लू कलर के होते हैं सिखाऊं, संस्कृत में कुत्ते को क्या बोलते हैं कुकर है ना तुम देखना संस्कृत में कुत्ते को बोलते हैं कुकर तो कुकर ब्लू कलर का था ठीक है कुकर कु आधा ककर ये जो डॉग था ना डॉग कुत्ता ये ब्लू कलर का मान लो है ना डॉग ये जो मान लो सर्दी में क्या हुआ एक डॉग या बार बेचारा ठीक है ठंड में बैठा है तो ब्लू कलर का हो जाएगा ठंडी से इसीलिए आजकल लोग कपड़े पहना देते हैं डॉग्स को भी तो कुत्ता कुत्ता मतलब कुकर सी यू टू प्लस सी आर टू प्लस ब्लू कलर का आगे देखो जो डी टू और डी एट वाले होते हैं इनमें भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इनमें भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन ये हरे रंग के होते हैं बताओ एक आइडिया दो हमारे ना यहाँ गुजरात में देखो ऐसे जेनिल है ना फेनिल कैनिल ठीक है ऐसे बड़े सारे नाम है मतलब डीज आर कॉमन नेम्स जैसे अभी बीच में नाम चले थे जब हमने नक्श का नाम रखना था तो हर दूसरे बच्चे का नाम था रियान जियान कियान है ना आ, सारे सबके नाम ऐसे थे जियान कियान रियान आ, फिर ऐसे एक और था फियान अजीब मतलब अजीब क्या बड़े सारे नाम थे अच्छे अच्छे नाम थे ठीक है तो बीच में है ना गुजरात में एक नाम फेमस हुआ था फेनिल ठीक है फेनिल गुजराती लोगों का नाम होता है फेनिल हरे रंग के कपड़े पहनता था वो लड़का तो देख लो एफ प्लस और एनआई टू प्लस हरे रंग का, फैनिल, एक लड़के का नाम है फेनिल हमारे घर के बाजू में भी रहता है फेनिल उसकी फेवरेट शर्ट है ग्रीन कलर हर रोज ग्रीन कलर के कपड़े पहनता है आगे देखो एक एक्सेप्शन याद रख लेना पेपर में आता है टाइटेनियम थ्री प्लस पर्पल से कलर का होता है टाइटेनियम थ्री प्लस पर्पलिश कलर का होता है ठीक है अब जैसे कोई मेरे से पूछे मैम आपके मन को कौन सा कलर पसंद है मैं कहूंगी यार मेरे मन को पिंकिश कलर पसंद है मतलब मन जब खुश होता है है पिंकिश पिंकिश हो जाता ना तो ये देखो एम एन टू प्लस और सीओ टू प्लस कौन सा कलर है पिंकिश ये किसके कलर है ये डी ब्लॉक के आय के कलर है एक्व सोल्यूशन में जब मान लो आपने डी ब्लॉक का मेटल लिया उसका कोई उसका कोई सॉल्ट बनाया डी ब्लॉक का आयन बन गया मेटल आयन उसका एक्व सोल्यूशन में कौन सा कलर है ये Fe3+ सब जानते हैं FeCl3 ले लो येलोइश कलर का होता है क्रोमियम थ्री प्लस थोड़ा पर्पलिश देख लो क्रोमियम थ्री प्लस और ये टाइटेनियम थ्री प्लस ये दोनों ही पर्पलिश वालेटिश कलर के हैं अब पेपर में कलर ऑफ आयन से रिलेटेड सवाल आता है याद रखना आता है दोबारा दोबारा नहीं बोलूंगी कॉपर टू प्लस हो गया क्रोमियम टू प्लस हो गया ब्लू कलर का है फेनिल एक लड़का है फेनिल एफ टू प्लस एनआई हरे रंग की शर्ट पहनता है उसको पसंद है एम एन टू प्लस सीओ टू प्लस पिंकिश कलर का है टाइटेनियम 3 प्लस मैंने वोर्ट्स में दिया था दिस इज अ पी वाई क्यू आल्सो ये पर्पल कलर का होता है ये आते हैं सवाल चलिए अब अगर मैं बारी बताऊं ऑक्साइड की ठीक है लेट अस टॉक अबाउट ऑक्साइड आपने सीख रखा है कि मैम वैसे तो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स क्या-क्या सीखा था हमने सीखा था मैम मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं है ना अभी-अभी सीखा था स्कैंडियम Sc2O3 स्कैंडियम एक मेटल है इसका ऑक्साइड बेसिक है Ti2O3 एक मेटल है इसका ऑक्साइड बेसिक है TiO एक मेटल है इसका ऑक्साइड बेसिक है मगर मैंने आपको सिखाया था अगर मेटल प्लस फोर में है मैंने कहा था ना कुरकुरे जो सस्ते वाले कुरकुरे हैं है ना उनको पत्थर मारो मारो मतलब M+4 तो जनरली प्लस 4 वाला क्या होता है एम्फोटेरिक चमक गया V2O5 मैंने स्पेशली लिखवाया था V2O5 वेनेडियम प्लस फाइव एम फोटे होता है जबकि एक बच्चा सोचता है कि वेनेडियम पे प्लस फाइव एम एम एसेडिक होना चाहिए मगर एक्सेप्शन में सिखाया था V2O5 टू ओ फाइव ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है VO2 वेनेडियम का प्लस फोर देखो जब वेनेडियम का प्लस फाइव, फाइव एम्फोटेरिका है तो वेनेडियम का प्लस फोर क्या है बेसिक ये क्या है बेसिक वैसे प्लस फोर वाला क्या हो? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मैंने आपको सिखाया था जनरली मेटल अगर प्लस फोर में है तो वो क्या होना चाहिए एम्फोटेरिक है ना तो सिमिलरली टी आई टू एम्फोटेरिक होना चाहिए था हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होता है एम एन ओ मैंगनीस एक मेटल है बेसिक मगर एम एन ओ टू मैंगनीस का प्लस फोर मैम ने सिखाया एम्फोटेरिक एम एन टू और अब देख लो पूरी लिस्ट तुम्हारे सामने अब एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का सवाल आएगा तो मैं गारंटी दे सकती हूँ तुमसे हो जाएगा क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखा दिया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सिखाया चमका सबको ठीक है याद आ गया डन है ठीक है ठीक है ठीक है चमक गया सबको ऑल क्लियर कोई डाउट है तो पूछते जाओ तो ये था आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कवर कर लिए और इन्हीं प्रॉपर्टीज में से सवाल आएगा इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा ठीक है चलो एक से पानी पीने दो फिर कंटिन्यू करते हैं हाँ ठीक है एक से पानी पीने दो फिर कंटिन्यू करते हैं चलो एक मिनट है सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ाओ मैंने सॉल्ट एनालिसिस अलग से पढ़ाया था तुम्हें वन शॉट लिया था मैं जल्दी सेशन नहीं खत्म करूंगी अगर आज टाइम बचता है ना मैं definitely salt analysis और पी ब्लॉक दोबारा रिवाइज कर रही हूँ बट टाइम देखते हैं ठीक है क्योंकि टाइम होना चाहिए तो मैं सब करा दूंगी मैं मना नहीं करूंगी <laughs> आगे देखिए भाई अब समय आ चुका है जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू सेवन एक है पोटेशियम पर मैंगनेट के एम एन इन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और इनकी प्रिपरेशन सीखते हैं वंस अगैन अभी मैंने वोट्स सेवन uh, या वोट्स एट का मैं वीडियो सॉल्यूशन एक दिन रिकॉर्ड कर रही थी अभी कल परसों की बात है वहां पर एक सिमिलर सवाल था नॉट द सेम सवाल एंड लेट मी टेल यू आपके पेपर में सिमिलर सवाल आएगा मतलब कई बार ऐसा होता है एक सीक्वेंशियल रिएक्शन आती है मतलब एक सीक्वेंस में तीन चार चीजें दे रखी होती है और आपसे पूछा जाता है ये एक्स है ये वाई है ये ब्लैक कलर का है ये ग्रीन कलर का है बताओ क्या कंपाउंड है वो जनरली यहीं से इन्फ्लुएंस होती है अगर ये सीख लिया तो हाई चांसेस है कि वो सवाल बन जाएगा देखिए कंपाउंड का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट k2cr2o7 पोटैशियम डाइक्रोमेट क्रोमाइट ओर से आता है क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला है FeCr2O4 अगर टुकड़े में सिखाऊं आसानी से सीखोगे ये देखो इसको लिख दो FeO इसको लिख दो Cr2O3 बन गया FeCr2O4 इसका नाम है क्रोमाइट ओर क्या नाम है क्रोमाइट ओर अब आपने इसके अंदर Na2CO3 डाल के फ्यूजन करना है फ्यूजन करना मतलब हाई टेंपरेचर पे गरम करो हाई टेम्परेचर पे गरम करो और क्योंकि मुझे क्रोमियम को देखो जरा मेरे पास है आयन प्लस टू में और टू एक्स माइनस सिक्स इक्व टू जीरो मेरा क्रोमियम प्लस थ्री में है मुझे इसको ऑक्सीडाइज करना है इसीलिए मैं डालूंगी ऑक्सीजन आज से कुछ साल पहले जेई एडवांस में सवाल आया था जहां इन्होंने ये पूछा था कि ए बी सी में से सी क्या है कुछ ऐसा सवाल था वो ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहे थे क्या किया हमने लिया क्रोमाइट और एफ सी आर टू ओ फोर जिसको एफ ई ओ डॉट सी आर टू ओ थ्री लिख सकते हैं उसके अंदर एन ए टू सी ओ थ्री डाला फूक मतलब ऑक्सीजन दी खूब सारी गैस ऑक्सीजन दी एयर दी तो उसके बाद क्या बन जाएगा ये बनेगा एन ए टू सी आर ओ फोर एन ए टू सी आर ओ फोर का कलर होता है येलो एन ए टू सी आर ओ फोर येलोइ कलर का है साथ में रेडिश ब्राउन कलर का एफ ई टू ओ थ्री निकलेगा साथ में सी टू गैस निकलेगी कई बार वो पूछ लेता है जो गैस निकल रही है बताओ पैरा मैग्नेटिक है डाया मैग्नेटिक है जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बताओ इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऐसे ऐसे सवाल आएंगे फिर इस, इस में Na2CrO4 टू सी आर ओ फोर में डालो। तो जब भी आप एसिडिक मीडियम डालोगे ये सीआरओ फोर टू माइनस कन्वर्ट हो जाएगा एन ए टू सी आर टू ओ सेवन में डाई uh, क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया ये था क्रोमेट सी आर ओ फोर माइनस सी आर ओ फोर टू माइनस क्या कहलाता है क्रोमेट ये है सीआर हाँ टू सेवन टू माइनस क्रोम है का है ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अगर ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा मान लो तुम्हें किसी ने कहा चलो Na2Cr2O7 टू सी आर टू ओ सेवन का ना प्राइमरी स्टैंडर्ड टाइट्रेशन में यूज करते हैं वो बनाओ तुमने क्या किया तुमने एक पेपर फाड़ा ठीक है तुम गए लैब में एन ए टू सी आर टू तो सेवन वजन करके रख रहे वजन करना था तीन ग्राम ठीक है मान लो तीन ग्राम वजन करना था वजन किया तो इस एन ए टू सी आर टू तो सेवन ने तो पानी ही एब्जॉर्ब कर लिया तो जो तुमने वजन किया वो गलत था ठीक है ना तो इसकी वजह से तुम्हारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सही नहीं बना क्यूँकी एनए टू सी आर टू तो सेवन हाइग्रोस्कोपिक होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं बनता इसीलिए हम इसकी रिएक्शन के प्लस के साथ कराते हैं के टू सी आर टू सेवन की सोल्यूबिलिटी कम होती है ठीक है वो इतना ज्यादा पानी में सोल्यूबल नहीं होता तो ये बनता है K2CR27 के कलर का प्रेसिपिटेट ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता इसीलिए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बना सकते हैं के टू टू सेवन की आप टाइट्रेशन भी कराते हैं इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज भी करते हैं ये थी पूरी की पूरी कहानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की अब दो मिनट के लिए मैं भी आंखें बंद करूंगी और तुम भी आंखें बंद करके रिकॉल करो कि हमने क्या सीखा चैट्स में दो मिनट के लिए कुछ नहीं आना चाहिए कुछ नहीं लिखो चैट्स में दो मिनट के लिए सोचो हमने के टू सी आर टू ओ सेवन की प्रिपरेशन करी के टू सी आर टू ओ सेवन की प्रिपरेशन हमने करी एफ ई सी आर टू ओ फोर से विच इज एफ ई डॉट सी आर टू ओ थ्री से उसके अंदर जब हमने एन ए टू सी ओ थ्री डाला हवा की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूजन करी तो बन गया एन ए टू सी आर ओ फोर जो कि येलो कलर का था साथ में एफ निकलेगा रेडिश ब्राउन और सी निकलेगी इस Na2CrO4 के अंदर एसिडिक मीडियम किया तो Na2Cr2O7 बना जो कि हाइग्रोस्कोपिक था पानी एब्जॉर्ब कर लेता था प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज नहीं होगा K+ डाला तो K2Cr2O7 बन गया विच इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड हेंस प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज हो सकता है ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आना चाहिए नहीं तो मैं कभी नहीं ऐसे बोलती कि तुम इसको ना पूरा मेमोराइज कर लो बट आज बोल रही हूँ ये पूरा फ्लो चार्ट आना चाहिए इनके कलर्स पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है देखिए सीआर टू माइनस और सीआर टून टू माइनस की शक्ल एज पर NCRT, 2 में देखो मेरे पास दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव है विच विल अंडरगो रेजोनेंस और मेरे सारे सीआरओ सेम हो जाएगी ऐसे दिखेगा कि सारे सीआरओ बॉन्ड की लेंथ सेम है सबका बॉन्ड एंगल सेम है All bonds are equal, सबका एक सौ नौ डिग्री दिख रहा है ऐसे लग रहा है SP3 hybridized है, है. CRO4 -2 yellow color का compound होता है, है है का का? का. होता कौन से से अब अब ध्यान से सुनना. अब बच्चा कहता ना इसके अंदर तो मैम डी डी ट्रांसिशन होगी मेरी बात ध्यान से सुनना X माइनस एट इज माइनस टू क्रोमियम हो गया प्लस सिक्स क्रोमियम होता है थ्री डी फाइव फोर एस वन तो जब क्रोमियम के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो यहाँ डी डी ट्रांजिशन होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि सीआरओ फो टू माइनस में डी डी ट्रांजिशन नहीं है फिर भी ये येलो कलर का कैसे है क्यों क्योंकि यहां पर इस लीगेंड ने मेटल को चार्ज ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा ओ माइनस ने क्रोमियम की तरफ इसको बोलते हैं एल एम सी टी लीगेंट टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या बोलते हैं एल एम सी टी लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर चमक गया एक होता है सीआर टू और सेवन टू माइनस एस पर एनसीआर के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हूं एनसीआरटी में यहां पर देखो इन तीनों अदरवाइज होना क्या चाहिए इन सबका बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए मगर आप देखेंगे यहां पर इन्होंने रेजोनेंस नहीं करा रखी है और ये जो ऑक्सीजन है देखो ऑक्सीजन पे दो सिंगल बॉन्ड है दो लोन पेयर है तो दिखने में लग रहा है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है मगर क्योंकि एक ऑक्सीजन पे दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं इनके बीच में रिपल्शन होती है तो बॉन्ड एंगल 109 से कम होने की बजाय 109 से ज्यादा हो जाता है ये छोटी छोटी प्यारी चीजें हैं मैं मानती हूँ सारा कुछ एनसीआरटी में दे रखा है बट कभी गौर किया हो तो नंबर आएंगे ना हमें लगता है कि ऑक्सीजन के ऊपर दो सिग्मा बॉन्ड है दो लोन पर है तो बॉन्ड एंगल मैम एक 109 से कम होना चाहिए पानी की जैसे एक होना चाहिए मगर ऑक्सीजन के ऊपर दो हाइड्रोजन नहीं लगे हुए हैं जो क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीजन लगे हुए हैं ना वो ज्यादा जगह लेते हैं ये ऐसे रिपल्शन करेंगे कि बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा होगा सिमिलरली इन दोनों बॉन्ड्स में भी क्योंकि डबल बॉन्ड है तो रिपल्शन होगा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो यहाँ का भी बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा है यहां का भी बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा है K2CrO4 येलो कलर का था जबकि K2Cr2O7 हमारा ऑरेंज कलर का होता है ये आनी चाहिए कलर्स आने चाहिए सिमिलरली यहां पर भी ध्यान से देखें 2x 14 is -2 2x की वैल्यू 12 x की वैल्यू +6 मतलब यहां पर भी कोई dd ट्रांजिशन नहीं है जो भी कलर होगा वो लीगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT की वजह से होना चाहिए फिर से मैं टॉपिक नंबर लिखना भूल गई हूं बी फिफ्टी सेवन था ये बी फिफ्टी एट फिर बी फिफ्टी नाइन फिर बी सिक्सटी बी सिक्सटी वन सिक्सटी वन इकासठ इकसठ इकसठ टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए आगे देखिए सिक्सटी सेकेंड टॉपिक बुलंद का सिक्सटी सेकेंड टॉपिक क्या है पता है के टू सीआर टू सेवन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये दूसरे की क्या करेगा ऑक्सीडेशन HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा क्लोरीन में HNO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा HNO3 में Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में मोस्ट इंपोर्टेंट H2S को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर में जब जब K2Cr2O7 दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद की क्या होगी रिडक्शन खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा Plus +3 खुद की क्या होगी रिडक्शन खुद की क्या होगी रिडक्शन अब बैलेंसिंग से डरना नहीं है बैलेंसिंग उस दिन सिखाऊंगी जिस दिन फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे बैलेंसिंग सिखा दूंगी चमक गया सबको खुश हो के2cr27 की कहानी खत्म हो चुकी है अब हम बात करेंगे KMnO4 की b63 बुलंद का 63rd टॉपिक जिसका नाम है KMnO4 भाई चैट्स में मैं देख रही हूं कई देर से बातें चल रही हैं बच्चे देखो जितना सीरियस होके पढ़ाई करोगे मैं मैं एक चीज़ बता देती हूँ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एन में नहीं है या ऐसा नहीं है कि आपने जिन टीचर से पहले पढ़ाई करी है उन्होंने ये नहीं पढ़ाया होगा जेनविनली हर टीचर हर चीज़ पढ़ाता ही है ठीक है मैंने भी पढ़ाया अपने बच्चों को आपने भी पढ़ा होगा जहाँ से भी पढ़ाई करी है ऑनलाइन ऑफलाइन ये चीज़ें पढ़ी होंगी मगर अगर तुमको सब कुछ आता होता ना तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता और अगर तुम्हें पेपर से डर लग रहा है ना तो तुम मानो ना मानो तुम्हें गया तुम मेरे से लिखवा लो आने के बावजूद तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा क्योंकि पेपर के टाइम पे ना तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए ना मुझे अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा चाहिए पेपर के टाइम पे ना एक दहाड़ की तरह पेपर देना होता है मतलब एक 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 अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए जब पेपर देने जाओ ये नहीं कि भीगी बिल्ली की तरह पेपर देने जा रहे हो ठीक है तो वो भीगी बिल्ली एटीट्यूड चाहिए ही नहीं अपने को और पता है हम बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कॉन्फिडेंस कोई मोटिवेशनल लाइने सुनने से नहीं आता वो मोटिवेशनल लाइने सुनने से चाहे मैं भी तुम्हें मोटिवेट क्यों ना कर दू मैं अभी बोल रही हूँ ना ये मोटिवेशन दस मिनट के लिए काम आएगी उसके बाद बेकार रही है मोटिवेशन पता है कब आता है जब तुमने मेहनत करी हो जिस दिन तुम्हें पता है ना मैंने मेहनत करी है ठीक है उस दिन तुम मतलब अलग कॉन्फिडेंट दिखते हो और ये कॉन्फिडेंस पेपर के दिन चाहिए मुझे और वो पेपर के दिन एकदम से जाग नहीं जाएगा कॉन्फिडेंस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत से कतराओ मत जितनी मेहनत करोगे उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे उतना है ना हमारा बुलंद सिलेक्शन होगा तो थोड़ा सा है ना अपनी ये जो बातें चल रही हैं चैट्स में उसको कंट्रोल करो कंट्रोल करो उसको फोकस करो जो सिखा रही हूँ अगर ज़रूरी ना होता ना तो मैं लाइव आके चीज़ें ना सिखाती ऑलरेडी पूरे चैनल पे सारी चीज़ें पड़ी है फिर भी मेरे को था कि नहीं यार कमी है किसी चीज़ की कि उसको पूरा करते हैं तो वो सीरियसनेस तुम्हारी साइड से दिखनी चाहिए समझ गए सीरियस हो गए क्योंकि जब सीरियस हो गए तब अपने एम के लिए भी सीरियस हो और तभी सिलेक्शन का मज़ा आता है और एक और चीज़ बोलती हूँ अभी जो मेहनत करोगे ना अगले दस पंद्रह दिन ये मेहनत तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है ना सिलेक्शन तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस झलकेगा जब तुम एडवांस की तैयारी करोगे और जिस दिन आईआईटी जाओगे ना मतलब कभी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखोगे वो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से तो मेहनत करना सीखो बाकी सब चीजें बकवास है दुनिया में सब बकवास है मेहनत जिसने करनी सीख लेना भाई साहब उसके आगे कोई नहीं टिक सकता चलिए सामने देखिए आज के सिक्सटी थर्ड तिरसठवें टॉपिक पे आ जाते हैं के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैंगनेट पोटेशियम पर बनाया जाता है फ्रॉम एन ओर जिसका नाम है पायरोल्यूसाइट अब अगर आपका मेटलर्जी met, uh, होता सिलेबस में तो ये नाम होता बट मेटलर्जी नहीं है मीन की नाम नहीं है ये आना चाहिए एम एन ओ टू ब्लैक कलर का होता है पायरोल्यूसाइट ओर ब्लैकिश कलर का इसके अंदर हम बेस डालते हैं मैंने के ओ एच डाला आप कोई भी और बेस डाल सकते हो और साथ में डालो ऑक्सीजन एयर या फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम नाइट्रेट जैसे केसीएल चलो देखते हैं जिस बच्चे ने आज ढंग से पढ़ाई करी है के का मुझे नाम लिखकर बताओ कॉमन नेम लिखकर बताओ के जल्दी से नाम लिखो अभी अभी पढ़कर आयो जल्दी से के का नाम लिखकर बताओ क्या होना चाहिए मैम ने सिखाया था एच सी एल ओ फोर पर क्लोरिक एसिड एच सी एल ओ थ्री क्लोरिक एसिड तो पोटेशियम क्लोरेट आ गया पोटेशियम क्लोरेट क्लोरिक एसिड से क्लोरेट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट इसी तरह क्लोरिक एसिड से क्लोरेट तो के सी थ्री डालो के एन ओ थ्री डालो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमारे एम एन ओ टू को जो कि प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में था ये कन्वर्ट कर देंगे के टू एम एन ओ फोर में टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो क्या आपको दिखा मैंगनीज की ऑक्सीडेशन हो गई मैंगनीज प्लस सिक्स में चला गया के टू एम हरे रंग का होता है कौन से कलर का होता है हरे रंग का जब इसमें एसिडिक मीडियम डालते हो तो ये डिस हो जाता है ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है के टू एम एन अंडर गोज इन एसिडिक मीडियम अलग से रिएक्शन आती है ये बनाएगा के एम फोर जो कि पर्पल कलर का होता है साथ में बनाएगा एम एन ओ टू जो कि काले रंग का होता है काले रंग का होता है चमका अब इसी की आप इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो डू इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इसके अंदर एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो क्लोरीन या ओजोन ये बनाएगा के एम एन ओ फोर ये पूरी की पूरी कहानी एनसीआरटी से ली है एनसीआरटी में एक इक्वल एक रिएक्शन ऊपर दे रखी नीचे दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस दे रखी देखना अगर कभी एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी हो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मैंने एक ही जगह पे लिख दिया क्या सिखाया आंखें बंद करो जो मैं बोलूंगी सीधा दिमाग में घुसना चाहिए मैम ने सिखाया के एम एन ओ फोर पर्पल कलर का होता है जो कि बनाते हैं एम एन ओ टू से जो कि ब्लैक कलर का होता है और इसका नाम है इसके अंदर डालते हैं बेस के ओ एच साथ में डालते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना डालनी हो हवा डाल दो हवा ना डालनी हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो जैसे के एन ओ थ्री के सी एन ओ थ्री अब ये पेपर में आता है ठीक है बच्चे को सिर्फ इतना पता होता है ऑक्सीजन मैं बस ये एड ऑन कर रही करूं कि अगर पेपर में के आए तो तुम्हें चमकना चाहिए वो पूछेगा ये ए है ये बी है बताओ सी क्या है ठीक है तो वो चमकना चाहिए इट कैन बी के सी एल ओ थ्री इट कैन बी के एन ओ थ्री ये ऑक्सीजन देने चाहिए फ्यूज करो के टू एम एन ओ फोर बनेगा के टू एम एन ओ फोर की या तो देखो एसिडिक मीडियम डाल दो एसिडिक मीडियम में डिस हो जाएगा के एमएनओ फोर प्लस एम एन ओ टू या फिर फर्दर इलेक्ट्रॉलिस करो या क्लोरीन डालो या ओजोन डालो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो सो दैट ये डालोटोर में कन्वर्ट हो जाए जो कि कौन सा कलर का होता है पर्पल अब तुम्हें लग रहा है मैम ने बहुत सिखा दिया और ये सिखाना जरूरी है क्योंकि यहां से सवाल आएगा अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता ना तो मैं चौथी बार इसको रिपीट ना करती दिस इज इंपॉर्टेंट 2024 के पेपर में यहां से सवाल गारंटीड बनेगा यहाँ से सवाल गारंटीड अब जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में के टू सी आर टू ओ सेवन पूछे यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा किसी शिफ्ट में ये वाली रिएक्शन आ जाएगी हाइग्रोस्कोपिक वाला पूछ लेगा किसी शिफ्ट में सी आर टू ओ सेवन टू माइनस का कलर रिलेटेड सवाल पूछ लेगा किसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सवाल पूछेगा आएगा तो सही है आगे देखिए अगर मैं एम एन ओ फोर माइनस की शक्ल बनाऊं तो मैंगनीज ये मैंने बनाया टेढ़ा मेढा है आप ऐसे बना देना नजर आएगा। अगर MNO4 की बात X is -1, manganese है थ्री डी फाइव फोर एस टू एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन तो होने की कोई बात ही नहीं है देर इज नो डी डी ट्रांजिशन क्योंकि डी जीरो है फिर भी पिंक कलर का है बिकॉज़ ऑफ लीगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एलएमसीटी होता है लीगैंड से मेटल में चार्ज जाता है MnO42- की बात करो तो देखो दो O पे माइनस आएगा दो डबल बॉन्ड हो आएगा अभी भी ये टेट्राहेड्रल है दिस इज टेट्राहेड्रल मगर अब ये ग्रीन कलर का है वो पिंकिश कलर का था ये ग्रीनिश कलर का है. अब ध्यान से देखना MnO42- में x 8 इज -2 x इज +6 थ्री डी फाइव फोर एस टू मैंगनी प्लस सिक्स का मतलब मेरे पास अभी भी एक डी इलेक्ट्रॉन है यानी कि यहां पर डी डी वजह से कलर होता है अब ये नहीं चमकता बच्चों ने रट रखा है कि अच्छा मैम ने सिखा था एल एम सी टी भाई देख तो लो अगर डी इलेक्ट्रॉन है तो डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर हो सकता है चमक गया अच्छा वाई पिंक पिंक क्यों है और कुछ क्यों नहीं है इसका आंसर अभी कोऑर्डिनेशन में आएंगे तब दूंगी थोड़ी देर और रुक जाओ कोऑर्डिनेशन चालू होने ही वाला है फिर आंसर दूंगी ठीक है चलो अब के एम एन ओ फोर की रिडॉक्स अब थोड़ी देर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का समय आ चुका है रिडॉक्स रिएक्शन में के एम एन ओ फोर एक ट्रिक यूज करते हैं बैन वन फिफ्टी थ्री वन फिफ्टी थ्री नंबर को बैन कर दो अच्छा नंबर है वैसे फिर भी बैन कर दो यानी कि बेसिक मीडियम में एम एन 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 फैक्टर होता है वन एसिडिक मीडियम में पांच न्यूट्रल मीडियम में थ्री अरे मैम क्या मतलब सुनो देखो अगर एम एन ओ फोर माइनस एम एन प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं यहां सात है यहां दो है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का पांच तो एन फैक्टर फाइव तो अगर मीडियम एसिडिक है मीडियम एसिडिक है तो एन फैक्टर फाइव एसिडिक मीडियम में MnO4- कहां जाके गिरेगा Mn+2 में अगर मीडियम न्यूट्रल है या फिर माइल्ड बेसिक है बहुत ज्यादा बेस नहीं है अब सुन लो मेरी बात पेपर में ऐसे ही लिखा होता है इन माइल्ड बेसिक मीडियम या इन न्यूट्रल मीडियम या सिंपल लिखा होता है बेसिक मीडियम तो MnO4- जाता है MnO2 में कहां जाता है MnO2 में तो देख लो MnO4- में प्लस +7 MnO2 में प्लस +4 तो चेंज कितने का आया 3 तो बेस बेस न्यूट्रल मीडियम या माइल्ड बेसिक में एन फैक्टर 3 होता है और अगर पेपर में लिखा हो कतई स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम में स्ट्रांग बेसिक मीडियम में तो MnO4- जाएगा MnO42- में 7 से जाएगा 6 में चेंज हुआ एक का एन फैक्टर 1 एंड हेंस आपका जो ट्रिक मैंने बताया दैट इज बैन 153 अब ये मैंने नहीं बनाई भाई ट्रिक जब मैं पढ़ती थी तो मेरे सर ने सिखाई थी बचपन में ग्यारहवीं बारहवीं में मुझे आती थी ये ट्रिक तभी से मेरे को आ रही है बैन वन बेसिक मीडियम में मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एन फैक्टर वन है एसिडिक मीडियम में पाँच है न्यूट्रल मीडियम में तीन है क्या ये कहानी चमक गई खैर जिस दिन रिडॉक्स रिएक्शन कराऊंगी इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं खुद करा दूंगी आज न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो फिजिकल का पार्ट है अभी मैं रिएक्शन वाले पार्ट निपटाना चाहती हूँ चमक गया आगे देखिए भाई जैसे के टू सी आर टू ओ सेवन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था के एम एन ओ फोर भी एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एच सी एल को क्लोरीन में करेगा एच एन ओ टू को एच एन ओ थ्री में करेगा ऑक्सैलिक एसिड एच टू सी टू ओ फोर को सीओ टू में करेगा यह आ सकता है सुपर इंपॉर्टेंट आयोडीन की ऑक्सीडेशन करेगा एच आईओ थ्री में आयोडीन कहाँ भेजेगा आयोडीन जीरो से हाई में भेजेगा एच आई ओ थ्री वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो आयोडीन को प्लस फाइव में धक्के मार के भेज दिया जाए तो अब देखो अगर मैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं एफ ब्लॉक में एक्सेप्शन सिखा देती हूं मैंने सिखाए थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ला सी गढ़ है ना ये मैंने आपको सिखाया था मेरी मां बोलती है कि लाओ गुड़ से सीरा बनाए हमारे यहाँ हलवे को सीरा कहते हैं तो मेरी सासू कहती है कि लाओ गुड़ ले आओ मार्केट से सीरा बनाते हैं हैं लासी केवल ये तीन ऐसे जिनके अंदर एक्सेप्शन होती है ये मैंने पी ब्लॉक के वन शॉट में भी कराया था अगर आपको याद हो केवल ये तीन ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सेप्शन होती है, हो। है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में जो आपको लगता है वो ना होकर के कुछ और होता है याद आ गया ये एक्सेप्शन जिनको नहीं याद है बस आपको इतना याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है जो होना चाहिए वो ना होकर के एक इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी होता है यह था लासीगढ़ मतलब स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ये भी हमने सीखा हुआ है कुछ नया नहीं है तो अगर मैं बात करूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तो मेरे ख्याल से यहां तक खत्म हो जाना चाहिए कि दिस इज डन मगर अब ये कितने हो गए टॉपिक नंबर सिक्सटी थ्री हो गया था फोर हो गया सिक्सटी फाइव हो गया और ये सिक्सटी सिक्स हो गया अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस कराने जा रही हूं ठीक है दो पन्ने हैं सिक्सटी सेवन और सिक्सटी एट दो रिएक्शंस में एक्स्ट्रा करा रही हूं बिकॉज मुझे लगता है कि इन रिएक्शन से इस बार 2024 के पेपर में सवाल आएगा ये रिएक्शंस ऑल दो एनसीआरटी में नहीं मिलेंगी मैं हमेशा जब बूस्टर में भी पढ़ाया ब्रह्मास्त्र में भी पढ़ाया मैंने भी एडवांस में पढ़ाया है बट मेरे हिसाब से मेंस में इस बार के लिए ये रिएक्शंस करनी जरूरी हैं तो ध्यान से समझना आपको पता है जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है हमने पढ़ा था जिंदा हो बे अली सुनाओ गाना किया था ना तो ये एसिड और बेस दोनों में डिजोल्व हो जाएगा जेड एन एच टू एस ओ फोर में डिजोल्व होगा जेड एन फोर प्लस वाटर ZnO, NaOH में ए होगा, Na2ZnO2 जिसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं पानी बनेगा साथ ही साथ आप इसको एन होल फोर भी लिख सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ Zn2+ जो है वो d ब्लॉक का है और अभी दो स्लाइड्स के बाद जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया है वो लीगेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और येड एन एन एच थ्री होल फोर टू पॉजिटिव एक्वस बना लेता है मतलब जो जो डी डी ब्लॉक ब्लॉक वाले वाले होते है ना, जो D block वाले ions होते हैं हैं ना ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं तो जिंक एन के साथ भी एन ए टू जेड एन ओ टू बना एन ए टू जेड एन ओ एच होल होल फोर बनाएगा अमोनिया के साथ भी जेड एन एन एच होल एन एच थ्री होल फोर टू पॉजिटिव बना सकता है एक तो ये इंपॉर्टेंट था और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इस बार 2024 के पेपर में पूछी जाने वाली चीज है वो ये मैंने अभी अपने वोट्स में भी ये सवाल दिया था खैर जिन बच्चों ने वोट्स नहीं लिया ना अभी भी अगर प्लान कर रहे हो तो इट इज गुड मैं बता रही हूँ जितने भी हमारे ऑनलाइन जो टेस्ट हो रहे हैं जो मॉक टेस्ट हैं जो पार्ट टेस्ट है उसका एक एक सवाल हमने चुन चुन कर डाला है तभी देखो मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि ये सवाल मैंने अभी वोट्स में डाला था ऐसा सिमिलर सवाल वोट्स में आया था बिकॉज अगर मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिए होते ना कि ठीक है बहुत सारे बल्क होते हैं मतलब हर टीचर के पास होते हैं वी हैव बल्क ऑफ क्वेश्चन उसमें से मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके फटाफट से टेस्ट पेपर बना सकती हूँ दैट बिकम्स ईजी फॉर अस बट नहीं किया ऐसा वोट्स में ठीक है मतलब वोट्स का एक एक टेस्ट इतना तरीके से बना है कि हर चीज़ वहां कवर करिए और एक एक क्वेश्चन हैंड पिक किया है तो वोट्स जो भी जिन बच्चों ने ठीक है मॉक टेस्ट नहीं देना शुरू किया प्लीज मॉक टेस्ट दो क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि पेपर में किस तरीके का सवाल आएगा और तुम फंसोगे तो पेपर में नंबर लाना मैं हमेशा बोलती हूँ एक कला होती है चाहे वो बोर्ड्स का पेपर हो थियोरी का पेपर हो प्रैक्टिकल पेपर हो या फिर जेई का पेपर हो एक कला होती है वो कला आपको सीखने को मिलेगी जब आप उस तरीके के पेपर दोगे तो अंटिल अनलेस आप मॉक टेस्ट देखो मैंने कई बच्चों देखे हैं जो लास्ट तक टेस्ट ही नहीं देते उनको लगता है हाय अगर मैंने टेस्ट दिया तो मेरे नंबर कम आएंगे मुझे डिप्रेशन होगा भैया काहे का डिप्रेशन मतलब रियलिटी देखने से डिप्रेशन होता है तुमको तो तुम अलग दुनिया में जी रहे हो तो मॉक टेस्ट दो तभी पता चलेगा कि मेरे को एग्जाम में क्या करना है जितना आता है ना वो तो उतना आएगा ही तुम्हें मगर उसमें से बेस्ट कैसे करना है वो मॉक टेस्ट देने से पता चलता है देखो हाँ तो मेरे पास था सिल्वर नाइट्रेट ए जी की रिएक्शन मैंने कराई हाइपो के साथ ये सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं करा रही हूं तो ये बनाएगा Ag2S2O3 का व्हाइट कलर का पीपीटी चमक गया ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आएगी पेपर में सिल्वर नाइट्रेट था हाइपो एन के साथ रिएक्शन कराया ए का वाइट पीपीटी बना अब इस ए को अगर आप एस सच खड़े रहने दोगे कि भैया तुम बैठे रहो तो ये ए के ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू ब्लैक पीपीटी ऑफ एजी तो याद रखना ये व्हाइट है ये ब्लैक है और अगर इसी एजी के अंदर एक्सेस हाइपो डाला तो ये डिजोल्व हो जाएगा ए जी एस टू ओ थ्री

लास्ट बी सिक्सटी एट द टेस्ट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ दिन पहले कराया था सॉल्ट एनालिसिस वहां पर कहा था केवल केवल आयनिक क्लोराइड्स के लिए ये टेस्ट दिया जाता है कल को तुम कहो एच जी सी एल टू दे दे एच जी सी एल फोर दे दे ए जी सी एल ये टेस्ट दे दे तो ये नहीं देते हैं क्योंकि इन क्लोराइड्स के अंदर कोवल कैरेक्टर होता है याद आया क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में हम लेते हैं के टू सी आर टू सेवन सॉलिड लेते हैं एच टू फोर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी आयनिक क्लोराइड ले लो वो कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ऑरेंज वेपर्स ऑफ सी आर ओ टू सी एल टू के CrO2Cl2 टू इसकी डिटेल मैंने बहुत डिटेल कराई थी आपको अभी जब सॉल्ट एनालिसिस कराया था खैर अभी मैं डी ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ तो रेडिश ऑरेंज वेपर्स निकलते हैं सी आर ओ टू सी एल टू दो हजार 2023 में पूछा गया था इसके बेसिस पे सवाल इसीलिए अब तो पूरे पूरे चांसेस है कि इसका डिटेल पूछा जा सकता है चमक गया इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड अब कोई भी डिटेल पूछी जा सकती है तो ये आना चाहिए सो so, यहां तक आई हैव डन द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स विद फॉर आर बुलंद एंड सिक्सटी एट टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं एक बार हम फाइल को सेव कर लेते हैं तभी आगे बढ़ेंगे नहीं तो ये सारे नोट्स मेरे गायब हो जाएंगे फाइल सेव कर लेते हैं एंड नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पौने छ हो चुकी है तो बारह बजे स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट छः घंटे होने वाले हैं इस मैराथन को एंड हमने बहुत अच्छे से मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद द वे हमने प्रियोडिक कंप्लीट किया री हैप्पी वे की हमने केमिकल बॉन्डिंग डिटेल में कम्पलीट किया डी एंड एलिमेंट्स डिटेल में कम्पलीट किया सो नाउ वी विल बी डूइंग कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री सो बिफोर वी डू कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री नो ब्रेक बोलो सीरियसली तुम बहुत थक जाते हो यार अभी नहीं ब्रेक लेंगे अभी नहीं पानी पीने दो तुम भी पानी वाली पी लो ब्रेक नहीं लेंगे यार अभी तो लिया था अभी तो कड़ी चावल मेरे हुए तुम्हारे हो कौन क्या क्या कह रहे थे तुम मटर पुलाव खाए थे एक बच्चा कह रहा था है ना आलू गोभी खाई थी होगी डाइजेस्ट इतनी जल्दी एक घंटे में थक गए एक ही चीज चाहिए क्या लाइफ में ब्रेक जय से ब्रेक मिल जाएगा किसी दिन तो जेई से ब्रेक नहीं चाहिए अभी हमें पेपर में मचा देते हैं बाद बाद में में ब्रेक ब्रेक लेना फिर में ब्रेक लेके जाना अपना कुफरी शिमला मनाली जहाँ मर्जी घूमना अभी मतलब मई तक थोड़ी शिद्दत से पढ़ाई कर लो चलिए बच्चे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एक्सेप्शन बता दी लासीगढ़ ठीक है लाउस गुड़ से सी सीरा बनाए या तो ये इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको सिखा रखी है रिवाइज कर लेना अदरवाइज वो जो लेंथनॉइड्स के वो नहीं लें, आ, मतलब आ, क्या कहते हैं के वो नहीं दे रखे एल एन ओ एच थ्राइज बनाएगा याद आ रहा है ठीक है कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रहना चाहते हैं सिर्फ इतना ही करना है

मतलब ऐसा भी कहना पड़े ना कि बाद में करा दूंगी आई एम स्टिल ओके विद दैट बट आई विल नॉट इंक्रीज द स्पीड जो है वो अच्छे से करेंगे चलिए सो आई यू रेडी फॉर वन ऑफ द मोस्ट हाईली वेटेड चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेट स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इन बुलंद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अब दो मिनट के लिए मेरी बात को सुनिए आप में से कई बच्चों के मन में ये आ रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहिए या कोऑर्डिनेशन करना चाहिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कोऑर्डिनेशन तो करना ही करना है जब मैं आ, बूस्टर वाले बच्चों के लिए जो बूस्टर जो बूस्टर बैच के बच्चे थे जेई बूस्टर के उनको हमने ना सारे चैप्टर्स के सारे 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यू 2023 का हमने बच्चों के साथ बच्चों को दिया था ठीक है तो जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सवाल कर रही थी मतलब दिस वाज द मोस्ट लेंदियस्ट चैप्टर इसके वीबीटी के भी 18 उन्नीस सवाल थे शायद फिर वी आ, क्या कहते हैं सीएफटी के भी बहुत सारे सवाल थे कार्बोनिल्स के बहुत सारे सवाल थे सो दिस इज वन चैप्टर जो बहुत ही हाईली वेटेड चैप्टर है इवन मैंने हर बच्चे को बोला था कि दिस शुड बी इन योर बकेट लिस्ट वन आपको सबसे पहले ये करना चाहिए था बट कॉन्ट्रेरी मैंने आज सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नहीं कराया क्योंकि यार मैं तुम्हारा बेस बनाना चाहती थी मैं ये नहीं चाहती कि बस नंबर नंबर आ जाए बच्चे के उसको और कुछ ना आए ऐसा नहीं है मतलब मैं तुम्हें पढ़ाई इस तरीके से रही हूँ कि जितना पढ़ा रही हूँ उसमें से तो नंबर आएंगे ही आएंगे और इसके अलावा कुछ और आ जाएगा तो भी मेरे बच्चे कर लेंगे तो इसीलिए मैंने पहले आपका बेस स्ट्रांग किया केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया वी एस ई पी आर वी बी टी पढ़ाया अब कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें आ जाएगा तो अगर कोऑर्डिनेशन किसी ने पहले पढ़ रखा है वेल एंड गुड आपके लिए अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगर आप में से किसी बच्चे ने कोऑर्डिनेशन पहले से नहीं पढ़ रखा डू नॉट वरी जितना यहां पर कराऊंगी उतना करना कंपल्सरी है जितना मैं यहां पर कराऊंगी उतना है ना करना कंपल्सरी है और जितना यहां करा जाएगा मतलब उसमें से ही सवाल लगभग आएंगे उससे ज्यादा नहीं आएंगे चलिए सो भगवान का नाम ले लीजिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बी सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन्थ टॉपिक है हमारा सबसे पहले आप बच्चों को पता होना चाहिए डबल सॉल्ट क्या होता है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या फर्क है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सॉल्ट है जिसका नाम है मोर सॉल्ट मोर सॉल्ट सब बच्चे जानते हैं स्कूल में सीखा होगा मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है एफ ई एसओ फोर डॉट एन एच फोर ट्वाइस एस फोर डॉट सिक्स एच टू ओ का हरा रंग ये रंग डालेंगे तो पता है सल्फेट एसओ फोर टू माइनस अपनी प्रॉपर्टी शो, शो, शो करेगा मतलब ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसके इंडिविजुअल आयन अपनी अपनी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट सिमिलरली एक सॉल्ट है जिसको आप पोटाश, के नाम से जानते हैं ये फॉर्मूला पता होने चाहिए पेपर में लिखे हुए नहीं मिलेंगे K2SO4 .AL2SO4 .24H2, इसको बोलते हैं पोटैश एलम जब इसको पानी में डालोगे ये के प्लस अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा एसओ फोर टू माइनस अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा ए एल थ्री प्लस अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा ये दोनों सॉल्ट के फॉर्मूला मैक्सिमम बच्चों को आते हैं एक नया सॉल्ट है जिसका नाम है कार्नेलाइट कार्ने में मेंशनड में है इसीलिए करा रही हूं कार्नेलाइट का फॉर्मूला है के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट एच टू जिन बच्चों ने मेरे साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिवाइज किया था वन शॉट में मैंने कहा था कार्नेलाइट याद रखना है ना के सी एल एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू जब ये पानी में डिजोल्व होगा के प्लस देगा सी एल माइनस देगा एम जी टू प्लस देगा यानी कि हर सॉल्ट पानी में जाने के बाद अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन करता है इसको बोलते हैं डबल डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है के फॉर एफ सिक्स जब आप के फॉर एफ सिक्स सॉलिड को लेटस से पानी में डालते हैं तो बच्चे पोटेशियम तो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा मगर ये जो एफ ई सी एन सिक्स है ना पे हमारा फोर माइनस है इसका Fe2 पॉजिटिव अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स सोल्ट और अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ये चमक गया हमें अब हमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा तो ये जो बीच में आयन लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सेंट्रल मेटल आयन ये जो सेंट्रल मेटल आयन है जनरली ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा इसके ऊपर लीगेंड कुछ ऐसी स्पीशीज जिनके पास है वो आकर के सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स दान में देंगे इन स्पीशीज को बोलते हैं लीगेंड सी एन माइनस जैसे कि यहां पर एक लीगेंड है ध्यान से सुनना इस सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ कितने लीगेंड आए ध्यान से देखिए सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ कितने लीगेंट्स आ रहे हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक सेंट्रल मेटल आयन कितनी जगहों से बॉन्ड बना रहा है छह जगह से बॉन्ड बनाया सो दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है इस फो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स का पार्ट था इसको बैलेंस किसने किया के प्लस ने तो के प्लस क्या कहलाएगा काउंटर आयन के प्लस क्या कहलाता है काउंटर आयन अब एक ध्यान से चीज सुनो एक लीगेंट कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान में दे रहा है उसको उस लीगेंट की डेंटिसिटी बोलते हैं डेंटिसिटी मतलब द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय अ लीगेंट टू अ सेंट्रल मेटल आइन कि एक लीगेंड कितने लोन पेयर का दान देगा यहां एक लीगेंड एक लोन पेयर का सारे लीगेंड एक एक लोन पेयर का दान देंगे इसीलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी हुई वन यानी कि सी क्या कहलाता है मोनोडेंटेट लीगेंड क्या कहलाएगा मोनोडेंटेट लीगेंड अब लीगेंट की अलग अलग वैरायटी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेंट जिसका नाम है ई एन इथिलीन डायमीन देखो इथिन इसको बोलते हैं सीएच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इथीन या इथिलीन अब सी एच टू डबल बॉन्ड सीएच टू के डबल बॉन्ड को हटाओ एक एनएच टू यहां लगाओ एक एनएच टू यहां लगाओ ये कहलाता है इथिलीन डायमीन अब इसको सुंदरता से लिखने की कोशिश करें ये देखिए एक एन एच टू यहां लगाओ एक एन एच टू यहां लगाओ यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है ध्यान से सुनना ये जो लोन पेर है टू का उसने मेटल को इलेक्ट्रॉन दान में दिए कौन से बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कौन से बॉन्ड बन रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे देखो पता है मान लो मुझे इस पेन को उठाना है मैं एक ऐसी उंगली से उठाऊं ठीक है एक ऐसी उंगली से तो चांसेस है ना कि ये पेन पेन गिर जाएगा मगर अब इस को मैं ऐसे दो उंगलियों से उठाऊं तो चांसेस कम है ना कि पेन गिरे ऐसा क्यों क्योंकि मान लो मेरे इस वाली फिंगर में लेट से दर्द हो रहा है ये फिंगर खुलने की कोशिश भी करेगी तो भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा अटैच है अब ये वाली खोलने की कोशिश करो तो ये वाला पॉइंट अटैच्ड है तो इसको बोलते हैं चीलेट जहां एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो इसको बोलते हैं चीलेटिंग चीलेटिंग जो एक चीलेट बना रहे हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और जो चीलेशन है वो बेस्ट होती है फाइव और सिक्स मेंबर के लिए बच्चे मैं एक एक चीज जो बोल रही हूँ ना मेरे दिमाग में सारे के सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि जब भी आप आ, लीगेंट्स बना लीगेंट्स की अटैचमेंट कराते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ तो चीलेटिंग लीगेंट सबसे ज्यादा कहां स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहां एक फाइव या सिक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है ना वहां पर चीलेटिंग एजेंट्स बहुत काम के होते हैं तो एक एक लाइन जो मैं आज सेशन में बोल रही हूँ ना वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी क्वेश्चन बनेंगे तो एक एक चीज को ध्यान से सुनना ठीक है इथलिन डायमीन हो गया अब ध्यान से सुनो बच्चे इथिलीन डायमीन में यहां पर भी नाइट्रोजन डोनर है यहां पर भी नाइट्रोजन डोनर है तो कई बार मैं इसको ए ए के नाम से भी लिख देती हूँ जहां से इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं वो दोनों सेम है इसीलिए इनको मैं ए ए भी लिख सकती हूँ मेरा अगला लीग है ऑक्सलेट क्या नाम है इसका ऑक्सलेट ऑक्सलेट मतलब देखो पहले ऑक्सैलिक एसिड बनाओ ऑक्सैलिक एसिड ये होता है सीओ एच सीओ एच ट का मतलब दोनों एच प्लस हटा दो सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो गया दोनों सेम डोनर है सेम डोनर ये कितने दे रहे हैं ने कितने लोन पेयर का दान किया दो लोन पेयर का इसके लिए इसको बोलते हैं बाइडेंटे क्या बोलते हैं बाइडेंटेट लीगेंट सिमिलरली यहां पर ऑक्सीजन कितना दान दे रहा है दो लोन पेर्स का एक यहां से एक यहां से इसको बोलते हैं बाइड क्या बोलेंगे लिए। चमका आगे नेक्स्ट वी हैव ग्लाइसिनेट माइनस ये कई बच्चों को नहीं आता तो याद रखना अच्छा नंबर डाल देती हूँ टॉपिक का सिक्सटी नाइन हो गया था सत्तरवा सेवेंटीएथ टॉपिक सेवेंटी फर्स्ट टॉपिक चल रहा है देखिए ग्लाइसिनेट ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा आपने तो मैं आपको ऑर्गेनिक के वन शॉट के दिन पढ़ाऊंगी ग्लाइसिन की शक्ल क्या होती है यहाँ सी एच टू है यहाँ सी ओ ओ एच है यहाँ एनएच टू है ये होता है ग्लाइसिन तो अगर आपने ग्लाइसीन से एक एच प्लस निकाल दिया आपके पास बनेगा सी एच टू एक एनएच टू एक सी ओ ओ माइनस अब देखो ये बन गया सी ओ ओ माइनस अब देखो जब नाइट्रोजन ए, ये मेटल आयन है नाइट्रोजन एक लोन पेयर देगा और एक लोन पेयर ऑक्सीजन देगा तो ये भी क्या है ये है क्योंकि दो लोन पेयर दिए जा रहे हैं मगर इसको मैं पता है किस नाम से लिखूंगी ए बी क्योंकि दोनों डोनर एटम अलग हैं एक ए है तो दूसरा बी है एक नाइट्रोजन है तो दूसरा ऑक्सीजन है क्या ये बात चमकी सबको ये छोटी छोटी चीजें आगे चलकर हेल्प करेंगी ध्यान रखना नेक्स्ट इज एसी एसी माइनस एसीटाइल एसीटोनेटो एसीटाइल एसीटोनेटो क्या होता है अच्छा एसीटोन पता है क्या होता है एसीटोन इसको बोलते हैं एसीटोन ये रट्टे मत मारो देखो कितना आसान है कोऑर्डिनेशन तुम डरते हो ये है एसीटोन एसीटाइल ग्रुप जानते हो ये सी एच थ्री सीओ पते क्या कहलाता है ये कहलाता है एसीटाइल तो अब एक काम करो इसके एच को हटाकर ये वाला ग्रुप यहाँ चिपका दो क्या दिख गया दिस इज एसिटाइल एसिटोन ऑर्गेनिक कुछ तो आती है कुछ तो सीखी होगी क्या ये पता है बीच वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो जब ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा कीटोनोल टोटोमेरिज्म होगा ये बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एच पे माइनस सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो क्या दिख गया ये बन गया एसिटाइल एसिटोनेटो अब ध्यान से देखो यहां पे मान लो मेरा मेटल है एक कोऑर्डिनेशन यहां से हो रहा है एक कोऑर्डिनेशन यहां से हो रहा है ये ओ ये o, ये C, ये डबल C, 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 बॉन्ड तो क्या चमक गया ये भी आपके देखो एक चीलेटिंग लिगेंड बन गया चीलेट मतलब एक एक रिंग लाइक -like स्ट्रक्चर बन गया दिस इज चीलेटिंग एजेंट एसिटाइल एसिटोनेटो चमका सबको हैप्पी आगे 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का पीवाई क्यू है कल आपको करने को मिलेगा डीएमजी डीएमजी का मतलब है डाई मिथाइल ग्लायोग लिख लो डीएमजी का फुल फॉर्म है डाई मिथाइल ग्लायोगाइम और अगर डीएमजी पे मैंने माइनस लगा दिया तो डाई डाई मिथाइल ग्लायोगीमेट स्ट्रक्चर सु, सुन लो सीख लो इंपॉर्टेंट है निकल के साथ एक बहुत ही अच्छा रोजी रेड पीपीटी बनाता है निकल डीएम जी टू ये रोजी रेड पीपीटी बनता है रोजी रेड पीपीटी क्वालिटेटिव में भी सिखाया गया था रोजी रेड पीपीटी बनता है एनआई आई डी जी होल्ड वाइज का सामने देखिए देखना हाँ ये कार्बन पे सी एच थ्री है कार्बन पे सी एच थ्री है यहां पर भी कार्बन पे सी एच थ्री है कार्बन पे सी एच थ्री है अब डबल बॉन्ड ऑक्साइम ही तो बनाना है ऑक्साइम <coughs>

निकल टू प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर चार और एकदम ब्यूटीफुल सा रोजी रेड कलर का पीपीटी आपने स्कूल्स में भी किया होगा चमका स्कूल में भी किया होगा रोजी रेड पीपीटी चमक गया अब कई बार बच्चा ये भूल जाता है कि निकल टू प्लस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है खैर अभी आगे चलकर बताऊंगी कभी उसका प्लेनैरिटी plan भूल जाता है तो निकल टू प्लस इन द प्लेन ऑफ पेपर है एक यहां से बॉन्ड बना नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से ऊपर यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है नीचे भी ये ऊपर और नीचे है ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है <coughs> क्या कर दिया हमने ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है इन 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 द द द प्लेन 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 ऑफ 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 पेपर 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 है paper, एक उपर, एक ऊपर नीचे चमक गया डन अब डाई मिथाइल ग्लायजाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं थोड़ी देर ठंड रखो अभी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी ऑक्साइम कैसे बनता है जिनको नहीं पता सी एच थ्री सी एच ओ में एन एच टू ओ एच डाल दो देखो ये जब डबल बॉन्ड जब पानी निकालोगे ये बनेगा ना सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच इसको बोलते हैं ऑक्साइम मतलब किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो ये बना लेता है ऑक्साइम यही तो है सी डबल बॉन्ड एन ओ एच सी डबल बॉन्ड एन ओ एच ऑक्साइम चार नंबर का सवाल गारंटीड है यहां से बनेगा एक लास्ट लीगेंट देखिए विच इज ब्यूटिफुल लीगेंड जिसका नाम है ईडी फोर माइनस डरना नहीं है इथिलीन डाई अमीन ठीक है अमीन इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटेट और, और ये क्या है सामने देखो सबसे पहले मैंने कहा मैम इथिलीन इथिलीन मतलब सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू डाय अमीन मतलब मैम डबल बॉन्ड को हटाओ एन एच टू एन एच टू लगाओ इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटेट का मतलब है पहले चारों हाइड्रोजन हटाओ चारों हाइड्रोजन हटाओ एसिटिक एसिड लगाओ सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच यहां देखिए सी एच टू ओ एच सी एच टू सीओ एच चमका अब एसिटेट बनाना है तो H प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस हटाओ क्या हटाओगे H प्लस एच प्लस क्या आ गया ये अब ध्यान से देखो ईडी टी ए जो है मैग्नीशियम टू प्लस या कैल्शियम टू प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी डेंटिसिटी कैसे निकालते हैं देखना जरा ओ डोनर है यह चौथा डोनर है इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन है पांचवा डोनर इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पैरा छठा डोनर तो ये हेग्जा डेंटेट लीगेंड होता है मैं एक एक चीज इतनी बारीक तरीके से इसलिए सिखा रही हूं क्योंकि कल को कोई भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ ईडीटीए में कितने कार्बन कायरल हैं हाउ मेनी कायरल कार्बन बताओ ईडीटीए के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर कितनी है भैया तुम ईडीटीए का स्ट्रक्चर रट के चले गए तुम्हें पता ही नहीं है ईडीटीए क्या है तो कहां से कायरिटी का सवाल करोगे ना हो पाएगा ना ईडीटीए क्या है हर बच्चे को पता है कि हेक्साडेंटेट है मगर स्ट्रक्चर क्या है कितने कायरल कार्बन है ये कायरल नहीं है 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 जीरो छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए ये थी मेरी सारी की सारी कहानी लिगेंड्स के बारे में सेवेंटी वन टॉपिक हो गया बुलंद का सेवेंटी सेकेंड टॉपिक एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लीगेंट एम्बीडेंटेड लीगेंट वो होते हैं जिनको दो मुए लीगेंट बोलते हैं देखो या मैं दो दो मुए लीग भी क्यों इनका नाम खराब करें एमबीडेंटेड लीगेंट का एग्जाम्पल दू जैसे वो नहीं होते शर्टे नहीं आती है शर्ट अरे हम रहते हैं नोएडा में ठीक है हमारे यहाँ पे नोएडा सेक्टर अठारह नहीं अट्टा मार्केट बहुत फेमस है भाई साहब पे कतई अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं मतलब दो सौ तीन सौ रुपए के तुम्हें बहुत ही मस्त स्वेटशर्ट्स मिल जाएंगी एक दिन मैं गई मार्केट में एक भाई शर्ट दिखा रहा था शर्ट पता कैसी थी तुम बचपन में मेरे पास भी थी ऐसी शर्ट पता क्या था मतलब तुम वो जो बटन नहीं होते टिक टिक वाले बटन एक तो नॉर्मल बटन होते हैं एक टिक टिक वाले होते हैं ठीक है उसमें क्या था अंदर से वो शर्ट थी लाल रंग की बाहर से थी ब्लू रंग की कह रहा देखो भाई कितनी बढ़िया कभी कभी ब्लू वाली शर्ट पहन लो और कभी कभी रिवर्सिबल शर्ट नहीं होती है रिवर्सिबल लाल कलर की पहन लो ऐसी होते हैं एम्बीडेंट एड ली भाई एक टाइम पे एक ही कलर की शर्ट पहनोगे ना या ब्लू पहनोगे या लाल पहनोगे ये थोड़ी ना एक टाइम पे ब्लू और लाल दोनों दिख रही है होती है ना ऐसी एम्बिडेंटेड लिगेंड उन्हीं को कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो होते तो मोनोडेंटेट है एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करेंगे मगर कभी एक साइड से करेंगे कभी दूसरी साइड से करेंगे जैसे मेरे पास है साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड एन पे माइनस बच्चे ये करेगा तो एक ही लोन पेयर का दान कभी-कभी कभी ये नाइट्रोजन की साइड से करेगा तो फिर कभी-कभी कभी ये कार्बन की साइड से करेगा समझ रहे हो तो इसको बोलते हैं साइ अगर कार्बन की साइड से करेगा तो बोलते हैं साइनाइडो सी या फिर साइनाइडो एन या कई बार साइनो और आइसो साइनो बोल देते हैं जैसे एनओ टू माइनस है अब भाई अब तुम इतने प्रो हो गए हो एनओ टू माइनस की शक्ल बनाओ एक दो तीन चार पांच ओ माइनस है यहां चिपकाओ यहाँ डबल हो एक बॉन्ड हो ये चमक गया NO2 बनाना था ना हाँ ऐसे बन गया ये ओ टू माइनस अब कभी कभी एनओ टू माइनस नाइट्रोजन की साइड से दान कर सकता है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो एन नाइट्रोजन की साइड से दान करेगा इसको बोलेंगे नाइट्रो कभी कभी ऑक्सीजन की साइड से दान करेगा इसको बोलेंगे नाइट्राइटो ओ जिसको नाइट्राइटो नाम से भी बुलाते हैं दोनों में से एक ही साइड को यूज करेगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कर किसी को भी सकता है जैसे ये है थायोसाइनाइट तो कभी कभी नाइट्रोजन की साइड से करेगा इसको बोलेंगे थायोसाइनाइटो एन कभी कभी सल्फर की साइड से करेगा जिसको बोलेंगे थायोसाइनाइटो एस करेगा एक से ही दान मगर कभी किसी से कभी किसी से रिवर्सिबल शर्टो वाला कॉन्सेप्टी सेवेंटी थ्री हाई इंपॉर्टेंट चीज है और इंपॉर्टेंट नहीं मैं कहूंगी महा इंपॉर्टेंट चीज है 2023 का पेपर उठा लो 2022 का पेपर उठा लो ये सवाल आया ही आया था आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं एक होता है आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इनका फॉर्मूला याद रखना सिखाती हूँ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है अभी आगे भी सीखेंगे आपके पास है एन आपके पास है एफ एच टू ओ एफ टू फाइव एन ओ एसओ फोर इन दोनों में बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि बच्चे को आता नहीं है आता है फिर भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आयन का है आयन ने पहले पांच पानी पिए एकदम पेट भर गया कह रहा नो और पानी नहीं पी सकता यार फॉर्मूला याद हो गया एफ ई एच टू फाइव एनओ एसओ फोर आयन ने पांच पानी पिया कह रहा नो और ना हो पाएगा पेट भर गया एसओ फोर एक है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ठीक है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो एस टू माइनस की डिटेक्शन के काम आता है सोडियम से है, तो स्टार्ट करो एन ए टू एफ ई सी पहले पांच पानी पिए थे आयन ने पांच cn खाली खा फिर तो कह रहा नो भैया गया मैं एन ए टू एफ ई सी सामने देखिए सवाल क्या आता है ये देखो यहां पर माइनस चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना प्लस टू ध्यान से सुनो वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रल तो या तो एफ प्लस वन दो एनओ no पे प्लस वन दो या तो एफ प्लस टू दो no पे जीरो दो पे हम प्रेफर करते हैं ये हम प्रेफर करते हैं दोनों में चार्जेस कम से कम होने चाहिए चार्ज डिफरेंस कम होना चाहिए तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर इज इन प्लस वन एंड एफ इन प्लस वन ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस साल भी आएगा यहां देखो यहां पे टू प्लस है तो मैंने कहा एफ सी एन फाइव कर दो एनओ no, ओवरऑल आ जाएगा टू माइनस आय को वाई मान लो एक्स माइनस फाइव प्लस वाई ओवरऑल वैल्यू माइनस टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी तीन तो याद रखना एनओ पे तो प्लस वन है आयन पे यहां पर है प्लस टू तो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस जो तुम्हारे सामने लिखे हैं इनमें एनो इज इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस एनओ पे प्लस वन है अकॉर्डिंगली आयन यहां पे प्लस वन में आएगा यहां प्लस टू में आएगा दिस इज सुपर डुपर डुपर इंपॉर्टेंट ये चमकना चाहिए अगर ये नहीं चमका तो दिक्कत हो जाएगी ये बल्ब चमकना चाहिए सेवेंटी थ्री टॉपिक्स मैं यहां पर करा चुकी हूं मुझे बताइए अभी कोई डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं नहीं तो हम आगे बढ़े हाँ जी नहीं अभी तक कोई भी एंटी कैंसर ड्रग हमने नहीं नहीं बनाया अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया अच्छा बताओ ना मैम पूछ पूछ के थक गया चलो अब मैं पांच सात मिनट तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ और मैं पांच मिनट के लिए बैठ जाती हूँ देखो मैं भी थोड़ा थक गई फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी ठीक <laughs> है हाँ वो, वोट्स में सॉल्यूशंस आर नॉट कमिंग बच्चे हर वोट्स के बाद जैसे ही आपका वोट्स कंप्लीट होता है शाम को छह बजे टेस्ट हम बंद कर मतलब वो कर देते हैं रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं और शाम को से छ बजे आपके पास वीडियो सॉल्यूशन आ जाते हैं तो वोट्स में जब आप पेपर देते हैं ना तब आंसर नहीं आते हैं तब वहां पे आंसर नहीं क्योंकि वो मॉक टेस्ट है वो आपने देने हैं मॉक टेस्ट देने के बाद आपके पास छह बजे वीडियो सॉल्यूशन आ जाते हैं फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन हाँ हाँ कराएंगे वर्नर ई सब करेंगे यार ठीक है सब करेंगे घबराओ मत डन और कितने टॉपिक हैं देखो मेरे हिसाब से मैं अपनी कैलकुलेशन बता देती हूँ अभी टाइम हुआ है सवा छह तो मेरे हिसाब से सवा सात तो बजेगी हमें कोऑर्डिनेशन करने में एक घंटा भी और लगेगा कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा है काफी सारी चीजें सिखानी है देखो तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ूंगी सब कराऊंगी मतलब हर पॉसिबल चीज जिसमें तुम फंस सकते हो ना पेपर में हर चीज कराऊंगी तो कोऑर्डिनेशन में मेरे ख्याल से एक घंटा तुम अनुमान लगा के चलो तो सवा सात तक ये उसके बाद पी ब्लॉक की रिविजन करेंगे तो एक घंटा पी ब्लॉक लगा लो सवा आठ ये रहा पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो अब देखो पी ब्लॉक और क्वालिटेटिव मैंने करा रखा है ऐसा नहीं है कि मैंने ना पी ब्लॉक कराया ना क्वालिटेटिव कराया मैंने अपना बेस्ट वहां पे करा दिया या तो आज उसी चीज़ को मैं रिवाइज करा दूं तब भी तुम कह सकते हो कि अगर रिवाइज करना है आई एम ओके मैं पूरा रिवाइज करा दूँगी और तुम्हें नहीं मैम हमें पूरा शुरू से ही पढ़ना है तो वो ऑलरेडी करा रखा है तो देखते हैं कॉर्डिनेशन तो अभी एक घंटा लगाओ आराम से तसली से पढ़ते हैं उसके बाद पी ब्लॉक भी मैं रिवाइज करा दूंगी क्योंकि पी ब्लॉक इस बार अकॉर्डिंग टू रिवाइज एनसीआर मुझे कराना जरूरी है तुम्हें कराया था मैंने उस दिन एक बार वन शॉट भी लिया है फिर भी कहोगे तो मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगी ठीक है कितनी देर चलेगा नहीं बच्चे वोट्स इज नॉट फ्री वोट्स की एक चार्ज है चार्ज इज सेवन हंड्रेड नहीं सेवन नाइनटी नाइन वो तुम चेक कर लेना ऐप पे ठीक है हाँ और उसमें तुम्हें दस मॉक टेस्ट मिलते हैं और छह पार्ट टेस्ट मिलते हैं इट इज नॉट फ्री ठीक है चलो चलो डन डन हाँ कलर वलर सब कराऊंगी यार घबराते काहे हो करें ठीक है दिखाते हैं ना अलग ही कंजूस लोगो लाइक कर दो सेशन को फटाक से। मैम की मेहनत नहीं आ रही क्या फॉर्म भरा सबने जल्दी से बताना फॉर्म किस किस ने नहीं भरा फॉर्म भरो पहले फॉर्म भरो चलो पहले जिस जिसने नहीं भरा फिर कंटिन्यू करेंगे फॉर्म भर दो मतलब दिल्ली की ठंडी में ठंडी ना लगे इसके लिए पता है बेस्ट उपाय क्या है वन शॉट ले लो बच्चों का तो बढ़िया है है <laughs> ना दिल्ली की सर्दी भूल जाते हैं हम चलो फॉर्म भर दो फटाक से भर दो भर दो पीडीएफ बच्चे अभी मैं ना हाँ सेव कर लेती हूँ बच्चे पीडीएफ डी में अभी नहीं शेयर कर सकती तुम्हारे साथ मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी जितना मैंने लिखा है एक बार सेशन कंप्लीट होगा ना अच्छा पीडीएफ डी कहाँ पे मिलेगी वो बता देती हूँ मैं तब तक फॉर्म भर लो देखो जब सेशन खत्म हो जाएगा फोन में वोरा क्लासेस की ऐप खोलना जिन्होंने नहीं डाउनलोड कर ली डाउनलोड कर लेना दिस फ्री उसके बाद में एक फ्री का बैच 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 एक फ्री फ्री आएगा batch, उसके अंदर जाओगे उसके अंदर आ, बुलंद नाम से एक फोल्डर आ रहा होगा तो जैसे जैसे हम सेशन लेते जाएंगे इन सेशन का लिंक भी और इनकी पीडीएफ भी वही मिलेगी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी कहोगे मगर फिर दिक्कत ये होती है कि टेलीग्राम पे चीज होती है ठीक है फिर आपको मिलती नहीं है ऊपर नीचे तुम देखते नहीं हो और फिर कहते हो टेलीग्राम पे है नहीं है नहीं है नहीं इससे अच्छा अब यही डिसाइड किया हमने कि ऐप पे सारे के सारे जो भी चैप्टर है तुम्हें जब भी जो भी सेशन होगा उसका लिंक भी यूट्यूब का लिंक भी और पीडीएफ सारी एक ही जगह पे एकदम ऑर्डर में तुम्हें मिल जाएगी ठीक है उससे कभी मान लो महीने बाद भी लेट से नेक्स्ट अटेम्प में भी तुम्हें ये देखना है तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी वो टेलीग्राम से गायब हो जाती है फिर तुम हमें कहते हो मैप है नहीं है नहीं। वो हमारी मेल में भी कई बार होती है कभी नहीं होती भाई ठीक है डिलीट होगी गलती से तो इसीलिए अब हमने सेफ सेफ साइड पे ऐप पर डालना चालू कर दिया है ठीक चल। चलिए तो भाई कितने हो गए हैं सेवेंटी थ्री बुलंद टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास का ओहो, आज की क्लास का बुलंद टॉपिक सेवेंटी फोर डिस्कस करते हैं टॉपिक का नाम है मेटल कार्बोनिल्स ध्यान से सुनना यहाँ से सवाल बनेगा बच्चे होता क्या है अगर आपने सीओ को कार्बोनिल को ध्यान से देखा तो कार्बन के देखो यहां पर इसके पास भी लोन पेयर है इसके पास भी लोन पेयर है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल सीओ मगर जो कार्बन वाला लोन पेयर होता है वो सबसे पहले मेटल के एम ऑर्बिटल में जाता है मतलब ये जो सी है ये जो सी है ये अपना लोन पेयर अब एक्चुअली ये लोन पेयर कार्बन का नहीं नहीं है ना ही ये लोन पेयर ऑक्सीजन का है क्योंकि जब हम एमओटी देखते हैं तो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो लोन पेयर होता है कार्बन का उसके अंदर थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है वो मेटल के खाली ऑर्बिटल में जाता है तो सबसे पहले मेटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है ध्यान से सुनना आपको ये चमका कि मैम अगर सी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे जो इलेक्ट्रॉन देगा वो ल्यूस बेस की तरह एक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा और मुझे दिख गया कि मैम सी और मेटल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है एक सिग्मा बॉन्ड बना सी ने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए अब होता यह है कि ये जिस मेटल के आप बारे में बात कर रहे हैं इसके पास डी ऑर्बिटल भी है और मेटल के जो डी और बाइटल होते हैं वो फिल्ड है ध्यान से सुनना मेटल का जो डी और बाइटल है वो फिल्ड है और अगर आप सीओ का एमओ डायग्राम डाय मॉलिकुलर बाइटल डायग्राम बनाएंगे वही सिग्मा वन है पाई 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 स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार तो इस सीओ का जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है इस सीओ का पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होता है तो ये मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन्स को पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल में डालता है जिसकी वजह से आपको दिख गया डी पाई 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 स्टार पाई स्टार बॉन्ड बना मेटल के डी से सीओ के पाई स्टार और बाइटल में इलेक्ट्रॉन आए इसको बोलते हैं सिनर्जिक -E सिनर्जिक एन जी बॉन्डिंग

सीओ को इलेक्ट्रॉन दिए यानी कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया क्यों क्योंकि सवाल, सवाल जो है ना वो जेई एडवांस लेवल का है में ना तुम्हें वंचित नहीं रखना चाहती इस कॉन्सेप्ट से सो सिखा देती हूँ ध्यान से सीखना बच्चे ये जो सीओ था पहले ये जो सीओ था ये जो सीओ था इसके अंदर का बॉन्ड ऑर्डर पता कितना था तीन सीओ के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना था तीन। बॉन्ड तीन दिख रहे हैं। मगर अब हुआ क्या जैसे ही मेटल ने अपने डी इलेक्ट्रॉन्स, मेटल ने क्या किया अपने डी इलेक्ट्रॉन्स सीओ के पाई स्टार और बाइटल में दिए अरे रे, रे, रे। तुम्हें पता है पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है यानी कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर लेस देन थ्री हो जाएगा क्या ये कहानी चमकी जो न्यूट्रल सीओ था जो अकेला पड़ा था जो मेटल से कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा था उसका बॉन्ड ऑर्डर थ्री था मगर जब सीओ ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए मेटल ने कहा मैं भी तेरे को दूंगा ऐसे नहीं होता जैसे मान लो हमने आज गाजर का हलवा बना आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी देखो बहुत बढ़िया आज याद आ गया आज गाजर का हलवा बनाएंगे हम ठीक है तो होगा क्या तो देखो मान लो मैंने गाजर का हलवा बनाया और हमने अपनी पड़ोस वाली आंटी को एक कटोरी गाजर का हलवा दिया ठीक है ऐसी खुशी खुशी तो कल को आंटी अगर घीए का हलवा बनाएगी तो वो भी हमारे घर देने आती है है ना इसको कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग तो जैसे ही मेटल ने अपने डी इलेक्ट्रॉन्स सीओ के पाई स्टार में दिए बस प्रॉब्लम ये होगी कि इलेक्ट्रॉन दिए पाई स्टार में पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो सी का बॉन्ड ऑर्डर कॉम्प्लेक्स में थ्री नहीं है थ्री से कम है ठीक है कॉम्प्लेक्स में थ्री नहीं है थ्री से कम है अब देखो एक ये मे... अभी अभी जो छूटा है ये नहीं कि मैं हटा दूंगी नहीं पढ़ाऊंगी बट पहले ये देख लो तो ये मेटल कार्बोनिल की कहानी सुन लो जो एनसीआरटी के अकॉर्डिंग है ये बहुत जरूरी है करनी चाहिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है NiCO4 निकल पे चार CO आते हैं NiCO4 क्यों बना NiCO4 टेट्राहेड्रल क्यों है सब सिखाऊंगी बट ये कॉम्प्लेक्सेस आने चाहिए एक है FeCO5 FeCO5 में Fe देखो CO 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 बिल्कुल sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाली फील नहीं आ रही है दिस इज FeCO5 एक है सी आर सीओ सिक्स क्रोमियम पे CO आएंगे। देखो क्रोमियम पे एक दो तीन चार पांच सी आर सीओ सी एन सीओ फाइव क्यों नहीं बना अभी सब सिखाऊंगी पहले स्ट्रक्चर देखो मेरे पास दो मैंगनीज है और दोनों पे टोटल दस co है मतलब हर एक पे पांच मैंने कहा मैम एक काम करो एक दो तीन चार एक पांच यहाँ पर एम बॉन्ड बना दो एक दो तीन चार पांच एकदम ऑक्टाहेड्रल वाली फील आ रही है लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीओ टू सीओ एट तो एक को बाल्ट एक को बाल्ट टोटल आठ सीओ रखने हैं तीन यहां रखो एक दो तीन चार पांच छ और दो यहां रखो सात आठ जो कॉर्नर वाले हैं ना इनको बोलते हैं टर्मिनल सीओ ये जो कॉर्नर वाले हैं इनको बोलते हैं टर्मिनल सीओ और ये जो बीच वाले हैं इनको बोलते हैं ब्रिजिंग सीओ बी आर आई डी जी आई एन जी ब्रिजिंग सीओ जनरली मेटल कार्बोनेट्स का सवाल इन्हीं पांच स्ट्रक्चर्स में से आता है ठीक है अभी अभी सिखाया जाएगा घबराओ मत ई e एन भी सिखाऊंगी कहीं नहीं भाग रही मेटल कार्बोनेट्स कर रहे थे तो मैंने सोचा मेटल कार्बोनेट्स के स्ट्रक्चर एक साथ सिखा देती हूँ जनरली इन्हीं पांच में से सवाल बनेगा अगर मेटल कार्बोनिल का बनेगा ये समझ गया अब बैक पे आ जाओ बैग पे आ जाओ चलो सेवेंटी फोर चीजें कर ली है आज की क्लास की पचहत्तरवी चीज वंस अगेन दिस इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी दिस इज देयर इन क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने सिखाया था और पूरे क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर टू प्लस और कैडमियम टू प्लस की रिएक्शन तो इस रिएक्शन को ध्यान से सुनना एनसीईआरटी में नहीं है एंड आई एम श्योर आपके नोट्स में भी नहीं है मान लो मेरे पास कॉपर टू प्लस है मैंने इसकी सी एन माइनस के साथ रिएक्शन कराई तो ये मेरा मेटल आयन है मेटल आयन है है ये मेरा है, तो जब मेटल आयन लीगेंड के साथ रिएक्शन करेगा मेरा एक पीपीटी बन गया CuCN सी एन होल्टवाइ पीपीटी बन गया मैंने कहा इसको एस सच रहने देते हैं तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि CuCN सी एन बन गया जो कॉपर पहले प्लस टू में हुआ करता था वो कॉपर प्लस वन में आ गया और सी एन गैस उड़ गई सी एन टू गैस निकल गई फिर सीयू सी एन के अंदर मैंने एक्स्ट्रा के सी एन डाला और मेरे पास बन गया के थ्री सी यू सी एन फोर मतलब मेरे पास कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया फिर मैंने इसकी एच टू एस के साथ रिएक्शन कराई तो कुछ नहीं हुआ ये ऊपर से गया होगा उन बच्चों के जिन्होंने कभी भी क्वालिटेटिव नहीं सीखी है जिन्होंने क्वालिटेटिव सीखी थी ये चीज आपके नोट्स में है जिन्होंने क्वालिटेटिव नहीं सीखी उनको ये पहली बार टफ लग रहा होगा बट ये वो जो मैंने कहा था ना आठ क्वेश्चन की गारंटी मैं लेती हूँ नाइन्थ क्वेश्चन ये वो है ये टफ सवाल है ये आसान नहीं है अगर मान लो कॉपर टू प्लस की जगह कैडमियम प्लस के साथ रिएक्शन कराई वंस अगैन ये मेरा मेटल आइन है ये लीगेंड है तो सबसे पहले सी डी सी एन टू बना यही बना यहां पर भी सी यू सी एन टू बना था सेम है पहले भी सी डी सी एन टू बना सी डी सी एन टू यहां बना सी यू सी एन टू यहां बना कैडमियम टू प्लस केस में कैडमियम साइनाइड के केस में जब एक्स्ट्रा सी एन डालोगे तो यहाँ पर कैडमियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा के टू सी डी सी एन फोर बनेगा फर्दर एच टू एस डालने से येलो कलर का कैडमियम सल्फाइड का पीपीटी आता है मगर अगर कहानी सीयू सी एन की कराई थी उसको रख दो कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा सी यू -CN सी एन में सी एन टू गैस निकल गई फिर सीयूसी में एक्स्ट्रा के सी एन डालो यहाँ कॉपर प्लस वन में आ जाता है जो कि एच टू एस के साथ रिएक्शन नहीं देता वंस ये चीज उन बच्चों को करनी है जिनको क्वालिटेटिव एनालिसिस जिन्होंने सीख रखा है जिनको क्वेश्चन नहीं करना हु आर ओके कि अगर एक क्वेश्चन छूट गया कोई दिक्कत नहीं है तो ये ये चीज आप ना ना भी करो तो चमकेगा चल चल जाएगा दैट इज ओके बट ये समझ ही उसको आएगा जिसने क्वालिटेटिव सीख रखी है ये समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटेन करना क्वालिटेटिव में सिखाया था अब जिसकी आप बेसब्री से वेट कर रहे थे 76, बुलंद पॉइंट जिसका नाम है वर्नर्स थ्योरी यहां से सवाल आते हैं बच्चे वर्नर कहता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है वो दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या दो प्रकार की वैलेंसीज टू तो बी मोर प्रिसाइज वो दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है एक होता है हमारा प्राइमरी वैलेंसी एक होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी सही है ना सेंट्रल मेटल आयन दो प्रकार की वैलेंसी दिखाता है एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी का मतलब 2022 का 2021 का अगर जेई मेन्स का पीवाई क्यू उठा के देखोगे तो सवाल ही यही था बताओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है अभी बताऊंगी सवाल क्या था प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट बात खत्म जो भी सेंट्रल मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉम्प्लेक्स है के फोर एफ ई सी एन सिक्स ठीक है ये कॉम्प्लेक्स है मेरे को किसी ने कहा बताओ आयन की प्राइमरी वैलेंसी कितनी मैंने कहा ओह ये क्या है तो देखना जरा के फोर एफ ई सी एन सिक्स X की वैल्यू प्लस टू मतलब आयन की प्राइमरी वैलेंसी है टू आयन की प्राइमरी वैलेंसी क्या टू ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या कहलाएगी प्राइमरी वैलेंसी कोई मुझे कहे आयन की सेकेंडरी वैलेंसी निकालो मैंने कहा मैम आयन पे कितने लीगेंड्स लगे हुए हैं छे आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है छे मैंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी छे बस बात खत्म तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है वो जनरली आयनिक बॉन्ड्स के द्वारा इस्टेब्लिश होती है और ये नॉन डायरेक्शनल भाई आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं ना उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है हर जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल है सिमेट्रिकल है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है ये जो हमारे लीगेंड्स है ना ये आर बेसिकली बेसिकलीटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसीज जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ये आयनाइजेबल नहीं होती है एंड इसके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर है ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे इंपॉर्टेंट ये था कि किसी भी कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालते कैसे हैं चमक गया? एक और करके दिखाओ एफ टू फाइव एनओ यही कर लो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एफ एच टू ओ फाइव एनओ एसओ फोर जल्दी से बताओ इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या क्या है दिस कॉमा दिस ए बच्चे ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस का सेशन मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे ले रखा है बेस्ट एम बेस्ट सेशन था आ, वो सेशन आपको मिलेगा लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर उस सेशन को देख लो ठीक है है नेम नेम वहां से से कवर हो जाएंगी अब बहुत सारी उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जिस दिन ऑर्गेनिक का वन शॉट कराऊंगी वहां कंप्लीट करा दूंगी वहां पूरी कंप्लीट करा दूंगी ठीक है जल्दी से बताओ नीट वालों के लिए एक एक्स्ट्रा एक एक सेशन ले लो पहले नीट वाले मुझे बताओ कितने बच्चे हैं नीट वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास जल्दी से बताओ फिर तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा प्लान करते हैं जल्दी से बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी मैम प्राइमरी वैलेंसी आपने हमें सिखाया। तो ये देखना, यहां माइनस टू है ये प्लस टू है आपने कहा ये प्लस वन है ये भी प्लस वन है तो प्राइमरी वैलेंसी वन हो गई सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर पांच और एक छे। देखते हैं किस किस का आंसर आया वन सिक्स वेरी गुड वेरी गुड नाइस ऑसम चमक गया प्राइमरी सेकेंडरी बैलेंसी कैसे निकालते हैं अब ध्यान से 76 हो गया, अब ध्यान ध्यान से से देखिए हो गया देखना एक हमारे पास थियोरी है एक है आप कह दो इसका नाम है इफेक्टिव अटोमिक नंबर अब चमकेगा कि ये मैंने क्यों बनाया इसका नाम है इफेक्टिव अटोमिक नंबर रूल इ एन रूल है एक रूल है ये इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या फिर ईएएन रूल ये क्या कहता है कहता है जब आपके पास जो मेटल आयन था उसने सारा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना लिया लिगेंड ने आके उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए सब तामझाम हो गया तामझाम होने के बाद बताओ कि आपके सेंट्रल मेटल आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जैसे कोई फार्मूला नहीं रटना लॉजिक है जैसे के फॉर FeCN6 मैंने कहा इसको हटाओ यहाँ पे फोर माइनस आएगा अब देखो x माइनस सिक्स इज माइनस फोर यानी कि x की वैल्यू प्लस टू तो मेरे पास एफ ई टू प्लस है एफई टू प्लस का मतलब आयन में छब्बीस इलेक्ट्रॉन थे छब्बीस में से दो निकाल दो कितने बचे चौबीस ओके okay. और मेरे पास 6 CN आ रहे हैं हर सी एन कितने इलेक्ट्रॉन देगा दो तो टोटल थर्टी सिक्स अगर किसी चीज का इफेक्टिव अटोमिक नंबर थर्टी सिक्स आ रहा है मतलब नियरेस्ट टू नोबल गैस आ रहा है तो वो स्पीशीज स्टेबल होती है ना तो वो अपनी ऑक्सीडेशन कराएगी ना रिडक्शन कराएगी एग्जाम्पल देखो एफ ई एच टू ओ फाइव एन चलो इसका मैं पूछू en निकालो मैंने कहा सल्फेट में मैम माइनस टू है मतलब इस पे माइनस तो इस पे प्लस अभी अभी आपने हमें सिखाया कि इस पे प्लस होगा इस पे प्लस तो आयन पे प्लस वन मतलब छब्बीस था छब्बीस में से एक निकाल गया पच्चीस बचा पानी कितने इलेक्ट्रॉन देगा दो तो पांच पानी कितने इलेक्ट्रॉन देंगे दस एनओ कितने इलेक्ट्रॉन देगा दो एनो दो इलेक्ट्रॉन डोनर है अपनी रिडक्शन कराएगा एंड इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर किसी का ई एन थर्टी सेवन आ रहा है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि, मतलब तो कि भैया <coughs> है ना उसकी टेंडेंसी है कि भैया मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूं मैं अपनी ऑक्सीडेशन कर लूं तो दूसरे की कराऊंगा रिडक्शन आई विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट अब मैं समझाती हूं कि मैंने क्यों यहां पर आपको रुकने को बोला था एक काम करिए रुको न्यू स्लाइड चलिए सेव भी कर ही लेते हैं लगे हाथ फाइल इतनी भारी हो गई है सेव करने में भी टाइम लगा रही है देखो मान लो मैं आपको बोलूं एन फाइव बताओ एम एन फाइव में मैंगनीज में का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे सोच के बोलो मैम मैंगनीज मतलब पच्चीस पांच सीओ है हर सीओ दो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब मैम पैंतीस और और, और, और और ये तो गलत बात हो गई एम एन सी ओ फाइव कह रहा है कि मेरे पास केवल पैंतीस इलेक्ट्रॉन है जबकि स्टेबल होने के लिए उसको कितने चाहिए 36. तो CO5 ने कहा, कह रहा है, देखो देखो या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एम एन सी ओ फाइव माइनस बनाना पसंद करूंगा या फिर क्यों ना मैं अपने एक एम एन सी ओ फाइव को दूसरे एम एन सी ओ फाइव के साथ मैच करके एम एन टू सी ओ टेन बना लू क्योंकि मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना मेरे 35 है सामने वाले के 35 है हम दोनों शेयर कर लेंगे हमारा 36 हो जाएगा तो इन्होंने बनाया Mn2 एक Mn-Mn बॉन्ड -MN बना लिया अब मेरे को एक एक को कितने देने हैं पांच CO मैंने कहा देखो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच लगा दो CO 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 क्या ये बात चमकी ये था स्ट्रक्चर एम एन टू टेन का ठीक है उसने सोचा या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एम एन सी ओ फाइव माइनस ठीक है ना एक इलेक्ट्रॉन गेन करूं अपना रिडक्शन करूं या फिर मैं डाइमर बना लेता हूं इसीलिए एम एन टू सी ओ फाइव एम एन टू सी ओ टेन जो है वो बना क्योंकि वो बना कैसे एम एन सी ओ फाइव से एम एन सी ओ फाइव के अंदर थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉन थे उसको छत्तीस करने थे उसने कहा डाइमर बना लो तो इसी तरह मान लो किसी को लेटर से किसी के पास थर्टी फोर इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने मेटल मेटल बॉन्ड बनाएगा उस हिसाब से हम कार्बोनिल के स्ट्रक्चर बनाते हैं अब ये टॉपिक बहुत एडवांस का मैं जा सकती हूँ मतलब इट हैज सो मच टू डू कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं कि बताओ कहाँ पर किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है कितना नहीं है ये सारी चीजें बट इतना डिटेल मेंस में नहीं आता मेंस में इस पेज से ज्यादा आने के चांसेस नहीं है इन्होंने रिसेंटली अभी एम एन टू सी ओ टेन में पूछा था कितने एम एन एम एन बॉन्ड है सीओ टू सीओ एट में इन्होंने पूछा कितने ब्रिजिंग लीगेंस हैं ठीक है कितने टर्मिनल लीगेंस हैं तो इनके अलावा ये जनरली नहीं पूछते हैं तो बी सेवेंटी सेवन हो चुका है ये बी सेवेंटी एट हो चुका है सेवेंटी एट टॉपिक्स हो चुके हैं अब हम आते हैं अपने सेवेंटी नाइन्थ टॉपिक पे विच इज आयुपैक आयुपैक करने के बाद हम करेंगे VBT फिर हम करेंगे CFT फिर हम करेंगे आइसोमेरिज्म तो अभी तो देखो थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा टॉपिक है और मैं कोऑर्डिनेशन में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती क्योंकि कोऑर्डिनेशन से एक नहीं दो दो सवाल बनते हैं ओवर होगा ठीक है मैम डाउट के रिप्लाई नहीं देना सबका दे दो मैम बच्चे देखो मैं डाउट की कोशिश कर रही हूं जितने बीच बीच में मैं पढ़ रही हूं तुम्हारे डाउट्स में आंसर कर रही हूँ वो बीच में फ्लो टूट जाता है अगर सिर्फ मैं आंसर करने लग जाऊ डाउट्स के पढ़ाऊ नहीं तो ये सेशन कभी खत्म ही नहीं होगा मतलब तुम खुद सोच रहे हो बारह बजे स्टार्ट किया था साढ़े छे घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं आ, पढ़ाते पढ़ाते तो थोड़ा सा मुझे भी डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा अदरवाइज ये सेशन साढ़े नौ बजे तक जाएगा ठीक है वो फिर टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी तो कोशिश करते हैं है ना फोकस होकर पढ़ाई करते हैं ब्रेक प्लीज अभी ब्रेक के बारे में आई यू की डिस्कशन करने के बाद सोचेंगे फिर सोचेंगे ठीक है सामने देखिए आई यू में बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कैसे हमें कंपाउंड्स का नाम करना है कैसे नहीं करना मगर मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे सिखाऊंगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की आई में बहुत समय आपको नहीं लगाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट कल को अगर सवाल आएगा तो बन जाएगा मेरी गारंटी है सामने देखिए तो मैं हमेशा कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम करूंगी पहले कैटायन फिर एनायन देखते जाना हाँ मैं सारे रूल्स एक ही जगह पे सिखाऊंगी पहले केटायन लिखेंगे फिर एनायन लिखेंगे जब मैं एक कॉम्प्लेक्स का नाम करूंगी तो उसमें सबसे पहले मुझे लीगेंड लिखना है लीगेंड के नाम और फिर बाद में लिखना है मेटल के नाम पहले लीगेंड लिखते हैं फिर मेटल लिखते हैं कितने लीगेंड है अमोनिया कितने हैं छे तो छे का मतलब हैगजा अब ध्यान से सुनना अगर मैं अमोनिया की बात कर रही हूं अमोनिया NH3 तो इसमें डबल एम आता है इसको बोलते हैं अमीन ए डबल एम आई यानी अमोनिया में डबल एम आएगा तो NH3 को अगर एज ए लिगेंड लिखोगे उसमें डबल एंड आएगा डबल एम आएगा तो देखो हेक्सा अमीन अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इस पे माइनस थ्री है तो इस पे प्लस थ्री अमोनिया न्यूट्रल है तो इस पे प्लस थ्री तो कोबाल्ट आपने नाम लिखा कोबाल्ट कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थ्री क्लोरा थ्री अब एक गलती जो बच्चा ये करता है वो गलती ये है काउंटर आयन का नाम लिखोगे तो उसमें ट्राई डाई टेट्रा नहीं लिखोगे सिंपल लिखोगे क्लोराइड क्या नाम लिखोगे क्लोराइड चमका आगे देखिए ये था पहला सवाल डन है दूसरा सवाल ये देखो जब भी मुझे डिफरेंट डिफरेंट लीगेंड लिखने होंगे तो मैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करूंगी एल्फाबेटिकल ए एल पी एच ए एल्फाबेटिकल आई विल फॉलो एल्फाबेटिकल ऑर्डर तो ये मेरा कैटायन है ये एनायन तो लास्ट में लिख दो क्लोराइड लिख दिया अब देखो ये एक्वा है पानी को बोलते हैं एक्वा पानी को वॉटर नहीं लिखेंगे एक्वा लिखेंगे सीएल को लिखते हैं क्लोरो या क्लोरिडो कुछ भी लिख सकते हो ये एक्वा है और यहां पे दो क्लोरीन है डाईक्लोरिडो अब एक और चीज डाई ट्राई टेट्रा को कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखते लिख लो डाई ट्राई टेट्रा बेस ट्रेस ये जो भी नाम आएंगे इनको हम कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे नहीं लिखेंगे ठीक है तो ये चार है मतलब टेट्रा एक्वा और ये दो है डाईक्लोरो तो वैसे तो डी पहले आना चाहिए मगर डाई ट्राई को यूज ही नहीं करते तो एक्वा में ए पहले आएगा सी बाद में आएगा तो लिखो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो या डाई क्लोरिडो यहां है तो तो इस पे प्लस वन। अब देखो x -2 is 1, तो क्रोमियम का कितना आ जाएगा हा x माइनस टू एक्स माइनस टू ये माइनस वन है प्लस वन तो यहाँ थ्री आएगा क्रोमियम थ्री क्लोराइड तो यहाँ आ जाएगा क्रोमियम क्रोमियम थ्री क्लोराइड चमका ये दूसरा एग्जाम्पल था तीसरा एग्जाम्पल देखो सामने ये तीसरा अब यहां पे क्या हुआ मेरा कैटायन है अमोनिया और जो मेरा एनायन है वो कॉम्प्लेक्स है घबराना नहीं है डाई अमोनियम मत लिख देना सिंपल अमोनियम पहले कैटाइन लिखा यहाँ पे क्या है यहां पे टू प्लस है तो उधर टू माइनस तो एक्स माइनस फोर इज माइनस टू कॉपर पे प्लस टू तो टेट्रा क्लोरो अब ध्यान से सुनना कभी भी अगर आपका मेटल इज अ पार्ट ऑफ एनायन तो उसके नाम के आगे लगाते हैं एट ठीक है, है? मतलब उसको कॉपर नहीं लिखेंगे उसको लिखेंगे क्यूपरेट तो क्यूपरेट और टू क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है टू एक लास्ट रूल है देखो मैंने चार एग्जाम्पल ऐसे चूज करे हैं कि चारों एग्जाम्पल में सारे रूल समा जाए वैसे भी आपको पेपर में लिखने को तो देगा नहीं चार ऑप्शन होंगे उनमें से बेस्ट मैच आपको बताना है कि विच इज द करेक्ट वन तो इसीलिए मैंने इस तरीके से सिखाया राधा देन की पहले मैं सारी रूल सिखाऊं और पंद्रह एग्जाम्पलों को करवाऊ इसका वेटेज कम है तो क्यों टाइम पास करना देखो अब होगा क्या मैम ये कैटायन है ये है तो टू प्लस लास्ट में लिख दो क्लोराइड गलती से भी डाई क्लोराइड मत लिख देना गलत हो जाएगा मैंने कहा मैम यहाँ पर प्लैटिनम x माइनस टू इज टू प्लैटिनम पे फोर आएगा तो यहाँ लिख दो चुपचाप प्लैटिनम पे फोर ये भी सॉर्टेड है अब मैंने कहा मैम ये इथिलीन डायमीन है ध्यान से देखो इथिलीन डाई अमीन डाय अमीन में सिंगल एम आएगा मगर अमीन में खाली डबल एम था ठीक है अब इसके अंदर दो हैं मतलब दो ऐसे हैं तो बच्चे अगर किसी लीगेंड के नाम में ही ऑलरेडी डाई ट्राई हो इसके आगे मैं डाई नहीं यूज करती इसके आगे हम स्पेशल नाम यूज करते हैं अगर दो हैं तो उसके नाम के आगे यूज करते हैं बिस तीन है तो ट्रिस चार है तो टेट्राकिस एंड सो ऑन के आई एस सिंपल के आई डबल एस में मत खो जाना बिस ट्रिस टेट्रा एंड सो ऑन तो मेरे पास कितने हैं दो तो मैंने इसका नाम रखा बिस इथिलीन डायमीन और क्लोरीन कितने हैं दो अब एक मिनट ये नहीं कि मैम बी पहले आएगा डी बाद में आएगा अरे बिस और डाई ट्राई को काउंट ही नहीं करना ये क्लोरो है सी ये इथिलीन डायमीन है ई तो पहले सी आएगा तो इथिलीन डायमीन प्लेटिनम फोर क्लोराइड सो so ये था आपका कंप्लीट क्या ये कहानी सब बच्चों को अच्छे से चमक गई डन है। तो हमने सेवेंटी नाइन टॉपिक्स जो हैं आज की बुलंद सीरीज में कंप्लीट कर लिए हैं सेवेंटी नाइन टॉपिक्स डन अब मुझे बताओ अभी से ब्रेक चाहिए अभी तो मतलब यार ब्रेक अभी तो पढ़ लो वी बी एक काम करते हैं मतलब लिटरली थक देखो अगर तुम बहुत ही थक गए हो एंड आर लाइक कि नहीं मैम हमें मज़ा ही नहीं आ रहा पढ़ने में ब्रेक चाहिए तभी हम फ्रेश होंगे तो आई एम ओके पांच सात मिनट का ब्रेक ले लो फिर मैं वी बी टी सी एफ़ टी और आइसोमेरिज्म कराऊंगी अभी आधा घंटा पढ़ सकते हो तो वी बी टी पढ़ लो फिर सी एफ टी आइसोमेरिज्म बाद में करेंगे जैसे तुम बोलो आई एम ओके भाई देखो मेरे को इफेक्टिव स्टडी चाहिए मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं यहाँ पे आके पढ़ाई जा रही हूं पढ़ाई जा रही हूँ पढ़ाई जा रही हूँ तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा उसका मेरे को कोई कोई मेरा तो कोई मेरा तो नुकसान ही है मेरा तो फायदा है नहीं चाहिए ब्रेक अब यार मतलब मिक्स मिक्स आंसर देते हो नो और यस अभी यस 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 लिख रहे थे अब नो 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 लिख रहे हो ना ले ब्रेक ठीक है चलो वीबीटी की स्लाइड दिखा देती हूँ तुम्हें तुम तो देख लो मेरे को बता दो वीबीटी पूरा कंप्लीट करने के बाद ब्रेक लेना चाहते हो या पहले तो देख लो एक वीबीटी कहाँ पे हमारा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह हाँ ग्यारह पन्ने हैं अब बताओ ग्यारह पन्ने पढ़ सकते हो तो बताओ नहीं तो ब्रेक के बाद पढ़ाओगे जैसे तुम कहो जल्दी से नो ब्रेक तो हमारे पास हाईली डिमांडेड आया कि नो ब्रेक तो हम पहले वीबीटी कंप्लीट करते हैं जैसे ही ना ना अब अब नो ब्रेक डिसाइड होगा देखो एक डिसीजन पे तो आना जरूरी होता है कोई टेंशन नहीं यार। VBT है यार वीबीटी पता है वीबीटी से कितने सवाल आते हैं तुम्हारे पेपर में एक सवाल हंड्रेड परसेंट आएगा वीबीटी से वीबीटी कर लो चार नंबर पक्के हो जाएंगे चार नंबर करके ब्रेक लोगे ना मजा आएगा तो अब हम बिना ये कहे कि ब्रेक दे दो ब्रेक दे दो ग्यारह पन्ने और पढ़ेंगे जब तक वीबीटी नहीं हो जाएगा कोई बच्चा नहीं बोलेगा ब्रेक दे दो मैंने तुम्हारे हाथ में छोड़ा था बताओ ब्रेक चाहिए नहीं तुम में से मैक्सिमम लोगों ने कहा नहीं चाहिए अब फिर ग्यारह मतलब आधे पौ मतलब पंद्रह बीस मिनट के लिए ब्रेक 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 चिल्लाना टाइम हो चुका है पौने सात तो मेरे ख्याल से सात सवा सात बजे तक एक ब्रेक तुम्हें मिल जाएगा ठीक है चलिए तो आज की क्लास का टॉपिक नंबर कहा गया टॉपिक सेवेंटी नाइन हो गया बुलंद का टॉपिक नंबर अस्सी बी एटी टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थियोरी क्या कहता है VBT ध्यान से सुनो ये वी बी बिल्कुल वही वीबीटी है जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था सिंपल कंपाउंड के लिए पढ़ा था ना कि ओवरलैपिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन होती है सेम टू सेम वही कहानी हमारे सिलेबस में दो कोऑर्डिनेशन नंबर सुपर इंपॉर्टेंट है मेंस की बात करूं एक है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एक है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स एक है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एक है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की बात करती हूं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो एस पी थ्री या डी एस पी टू अब भाई जिस तरीके से मैं तुम्हें VBT सिखाऊंगी ना एक मिनट रुक जाओ जिस तरीके से मैं तुम्हें VBT सिखाऊंगी तुम्हें वीबीटी से प्यार हो जाएगा और तुम्हें वीबीटी से कभी डर नहीं लगेगा सामने देखो कभी भी तुम्हारे पास दो ही कॉम्प्लेक्सेस आएंगे या तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार या छे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार आया तो दो ऑप्शन है या तो sp3 थ्री या dsp2 कोऑर्डिनेशन टू नंबर छे में तुम्हारे पास दो केसेस है या तो sp3 d2 थ्री टू या d2 टू sp3 थ्री थ्री की बात करूं तो टेट्राहेड्रल होता है dsp2 टू की बात करूं तो स्क्वायर प्लेनर होता है ये क्रॉस नहीं है स्क्वायर प्लेनर है sp3 थ्री या d2 sp3 की बात करू तो दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है कैसे पता चलेगा अभी बताऊंगी तुमने मुझे पंद्रह मिनट देने मैं तुम्हें अब देखो। अब देखो, को नहीं पता कि कैसे हमें लीगेंट्स को डिफाइन करना है से पूछा भैया तुमने लीगेंट्स को कैसे डिफाइन किया वीबीटी कहती मेरे को नहीं पता वीबीटी को नहीं पता मगर वीबीटी ने तुक्का मारा कि देखो जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स होंगे जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होंगे उनको मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलूंगी जितने भी ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर होंगे उनको मैं वीक फील्ड लिगेंड बोलूंगी बस वीबीटी ने कहा बस ऐसे ऐसी वीबीटी को नहीं पता कैसे एक्चुअली जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी जिसने फील्ड के अकॉर्डिंग लिगेंड को डिफाइन किया वीबीटी में मैंने तुम्हें बस तुक्का बताया देखो एक बात सुनो पेपर में वीबीटी भी आनी चाहिए सी भी आनी चाहिए तुम वीबीटी छोड़ के जाओगे सी से आंसर करोगे तुम फसोगे तुम वीबीटी करके जाओगे सी छोड़ के जाओगे तब भी तुम फसोगे पेपर में दोनों ही सवाल आ सकते हैं तुम्हें दोनों अप्रोच अप्रोच आनी चाहिए कि हमें किस आ, अप्रोच से क्वेश्चन को करना है कि जल्दी सवाल बन जाए क्या सीखा वीबीटी ने कहा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार आएगा पेपर में या 6 आएगा चार आएगा मतलब एसपी थ्री या डी एस पी टू छो एसपी थ्री डी टू या डी टू एसपी थ्री वीबीटी से पूछा भैया लीग एंड कह रहा देखो कार्बन नाइट्रोजन है ना

आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों सिक्स जैसे ही आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर छह दिखा तुम्हें चमक जाना चाहिए मैम या तो ये एस थ्री डी टू है या फिर ये डी टू एस थ्री है क्या ये बात चमकी देखते ही चमक जाना चाहिए एस थ्री डी टू या डी टू एस थ्री मैंने कहा मैम एक बार आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फोर प्लस एक्स तुमने कहा मैम आयन होता है थ्री डी आयन पे प्लस टू लिखोगे तो थ्री डी सिक्स मतलब मैम ये देखो एक दो तीन चार पांच छ दो तीन चार पांच छ बन गया मैंने कहा मैम लीगेंड से पूछना कौन है कह रहा मैं साइनाइड हूं सी एन माइनस हूँ मैंने तुम्हें कहा था कार्बन नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं भाई साहब साइनाइड इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होता है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को चक के यहां फेंकेगा इस इलेक्ट्रॉन को चक के यहां फेंकेगा क्या तुमको दिख गया कि तुम्हारे दो डी और बाइटल खाली हो गए अगर तुम्हारे दो डी और बाइटल खाली हो गए ये थ्री डी था थ्री डी के बाद तुम्हारे पास फोर एस भी है मेटल के पास फोर पी भी है तो क्या तुमको दिख गया कि तुम्हारे जैसे ही दो डी खाली हुए मेरी हाइब्रिडाइजेशन का नाम आ जाएगा डी टू एस पी थ्री d2sp3 मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल तो बनाना सीख ही लिया अब ध्यान से देखो क्या तुमने अंदर वाला d यूज किया 3d यूज किया हां जी इसीलिए इसका नाम हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या नाम हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या तुमको नजर आया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं यानी कि स्पिन क्या हो गई लो

सारे इलेक्ट्रॉन पेयरड है तो तुम कह दो कॉम्प्लेक्स क्या है डायमैग्नेटिक बात खत्म बस इतना ही करना था अगला देखो मान लो कोई कहे नहीं 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 हम तो नहीं मानते आपकी इतना आसान है वीबीटी आप के K4FeF6 कर लो मैं मैंने कहा इधर आओ मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 तो क्या तुमको चमकता है कि या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा यही सिखाया आपने d2sp3 मैंने कहा सेंट्रल मेटल आयन क्या है आपने कहा मैम आयन है फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स जीरो तो मतलब आयन क्या है प्लस टू में मैंने कहा मैम आयन होता है थ्री मतलब दो. दो, पांच छ ये एस है ये पी है ये डी है, है मैंने तो मना नहीं किया बना दो क्या तुमको ये देखते ही चमक रहा है कि मैम देखना वीकंड

और अगर मैग्नेटिक मोमेंट कोई निकालने को बोल दे तो अंडर रूट फोर फोर प्लस टू चुपचाप लिख दोगे बोर हो गया और इतनी स्पिन स्पिन ज्यादा है तो क्या तुम इसको हाई कॉम्प्लेक्स नहीं बोल दोगे बस बात खत्म काहे डर रहे हो वीबीटी से यही है इससे ज्यादा कुछ नहीं है वीबीटी में कहीं तुम डरे पड़े हो कुछ नहीं करना मैंने अभी समझा दिया कौन ब्रेक लिख रहा है डांट पड़ जाएगी तुम्हें मैं जितने प्यार से पढ़ाती हूँ ना उतने प्यार से डांट भी सकती हूँ मैंने कहा था वी जब तक खत्म नहीं होगा कोई ब्रेक नहीं करेगा ब्रेक करोगे मैं स्पैम करने के चक्कर में बंद कर दूंगी क्लास सही बता रही हूँ मैम ठीक है बीच में स्पैम नहीं भाई बीच में बिल्कुल स्पैम नहीं मैं एक ऐसी टीचर हूँ भाई जो है मुंह पे पर मैं तुम्हारे मुंह पे बोल देती हूँ ठीक है ना प्यार भी उतना करते हो और गुस्सा भी उतना करूंगी स्पैम नहीं करोगे मेरे को कोई नहीं चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन कर रहा है अपनी भी और दूसरे बच्चों की भी ब्रेक तभी मिलेगा जब वीबीटी खत्म हो जाएगा नहीं होता खत्म तब तक ब्रेक नहीं मिलेगा आप पढ़ाई करो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ मजा आएगा लाइफ में चलो मैम अगर हमें डी वन करना है ये देखो डी वन अब मैं हर एक का थोड़ी ना करके दिखाऊंगी भाई यार अब मैं ऐसे हजारों कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना लिखूंगी इतना टाइम पास ना मेरे पास करने को ना तुम्हारे पास तो तुम एक काम करो डी वन डी वन में समझ लो मैम एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कुछ भी हो जाए D2, SP3 ही तो बनेगी हाइब्रिडाइजेशन चाहे तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो या वीक फील्ड लिगेंड ले लो कौन तुमको रोकने आ रहा है डी टू डी टू का मतलब दो मेरे दो डी तो खाली है ना मेरी हाइब्रिडाइजेशन तो डी टू एसपी थ्री ही आएगी

एक दो तीन चार भाई साहब ध्यान से देखना अगर d4 की मैं बात करूं मैंने कहा मैम अगर फील्ड लीगेंड होगा तो ये उठा के यहां ले आएगा D2, विल D2, D5, अगर मैं डी फाइव की बात करती हूँ एक दो तीन चार पांच देखो अगर तो वीक फील्ड लीगेंड होगा तो भैया कुछ नहीं किया जा सकता एस पी थ्री डी टू अगर स्ट्रॉन्ड होगा ये उठा के इधर भेजेगा ये उठा के इधर भेजेगा दिख गया मुझे डी टू एस चमकी कहानी नहीं चमकी अब डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन तो बचपन से सीखा है एक बेस्ट एम बेस्ट बात बताती हूँ ध्यान से सुनना मान लो मेरे पास है डी सेवन ध्यान से देखो एक एक्सेप्शन एक्सेप्शनल केस है सीख लेना डी सेवन डी सेवन का मतलब कुछ ऐसा है एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छ सात मैंने कहा मान लो तुम्हारे पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सुनना हाँ और एक डी सेवन में तुम्हारे पास है वीक फील्ड लिगेंड ध्यान से सुनना अगर तुम्हारे पास है वीक फील्ड लिगेंड तो वीक फील्ड लिगेंड के तो बस की बात नहीं पेयरिंग कराए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी एसपी थ्री डी टू चमका वीकेंट में हाइब्रिडाइजेशन एस थ्री डी टू ध्यान से सुनना डी सेवन का बता रही हूं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो बच्चा कहता है मैम हम इसको यहाँ पे पेयर करा देंगे मगर मैम ये हमारे पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया मैम यही तो धोखा दे रहा है D7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना तो भाई साहब वो इसको भी उठा करके आगे एक्साइट करा देगा जिसकी वजह से दो D खाली हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3 स्पेशल केस है और अभी लिख लो बाद में मत कहना भूल गई ये डी सेवन अभी दो हजार तेईस के मेन्स के पेपर में आया था दो हजार तेईस जेई मेन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लेना कल करोगे ही सवाल क्यू। आज रात को ना पीवा इनऑर्गेनिक के वो शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ टॉप पीवाई क्यू दो हजार तेईस के सारे के सारे निपटा डालना सब मतलब सब निपटा डालना वेट नहीं करना ऑर्गेनिक का सेशन फिजिकल के सेशन से पहले ही इनऑर्गेनिक के पीवाई क्यू हो जाने चाहिए चमक गया सबको स्पेशल केस था याद रखना ये नंबरिंग कर लेते हैं जरा बी एटी था ये दोनों जाने दो यहाँ से बी एटी वन टॉपिक कर लो भाई स्पेशल केसेस सीख लिए हमने चलो बी टू बुलंद का एटी सेकेंड टॉपिक भैया अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर चार है टेंशन नहीं लेंगे कोई टेंशन नहीं लेगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर चार है चार में मैम ने सिखाया था एसपी थ्री या डी टू चार में क्या सिखाया है? मैंने sp3, पी थ्री सामने देखो मान लो मेरे पास है d7 सेवन एक दो तीन चार पांच छह d7 मेरे पास है वीक फील्ड लिगेंड एक बात बताओ वीक फील्ड लिगेंड के बस की बात है पेयरिंग कराना नहीं है ना तो जब वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग ही नहीं कराएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 चमका मान लो मेरे पास है d8 एक दो तीन चार पांच छह सात आठ

तो D7, D8, D9, D10 नाइन डी टेन वीकेंट के साथ एसपी थ्री चलो अगर डी टेन के साथ मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड भी ले लिया स्ट्रॉग फील्ड तो क्या पेयरिंग कराऊ होना भी तो चाहिए पेयरिंग के लिए तो चुपचाप लिख देना डी टेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एसपी थ्री अब एक और केस देख लो डी सेवन स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर चार बताओ क्या होगा डी सेवन एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छह सात ओ भाई साहब स्ट्रॉन्ग फील मतलब मैम पेयरिंग कराएगा ए ही तो पेयर कराना था डी खाली हो गया मतलब चमक रही है कहानी स्ट्रॉन्ग फील्डेंट मैम स्ट्रॉन्ग फील लीगेंट पेयरिंग कराएगा भाई बन गया डीएसपी टू बन गया अब देखो एक प्रॉब्लम आती है तुम्हें डी नाइन में देख लो डी नाइन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सबको डी नाइन एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ डी नाइन स्ट्रॉन्ग फील्डेंट बच्चा कहता है मैम देख लो है ही नहीं तो एस पी थ्री होना चाहिए मैंने कहा भाई इतना फील्ड है कि इसको उठा के बाहर एक्साइट करेगा और इतनी तेज एक्साइट करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन डी टू तो दो स्पेशल केसेस सिखाए एक डी सेवन एक डी सेवन हमने सीखा कोऑर्डिनेशन नंबर छे में और एक डी नाइन सीखा कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में ये दो स्पेशल केसेस हैं आने चाहिए सबको ठीक है नहीं तो वही कहानी हो जाएगी फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुप गई खेत चमक गया यस yes, बच्चे आप डेफिनेटली इन सेशंस को नीट वाले बच्चे यूज कर सकते हैं डेफिनेटली नीट वाले बच्चे इन सेशंस को फॉलो कर सकते हैं यस yes. और मुझे बता दो नीट के कितने बच्चे हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं सो दैट आई कैन प्लान समथिंग गुड फॉर यू गाइज ऑल्सो भाई नीट वाले बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे बट पहले मेरे को बता दो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर ठीक है डन ना 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 ना, ना। चलिए भाई चार तीन एग्जाम्पल है सबके सामने और ये तीन एग्जाम्पल पेपर में आएंगे अब मत कहना ना मतलब पेप, वो होता है ना हमारे स्कूल में होता था जब मैं छोटी थी ना तो हमारे आ, मतलब ऐसे था कि नाइन्थ क्लास में मतलब टीचर ना दो चार दिन पहले जब जो भी बच्चे दो चार दिन पहले स्कूल जाते थे ना सारा पेपर ही टीचर बता देती थी वही वही रिवाइज कराती थी जो पेपर में आना होता था, था और वही आ जाता था पेपर में, है ना ये वही है ये सारी चीजें तो यही यही आएंगे जल्दी से बताओ कैसे आई हाइब्रिडाइजेशन मैम निकल होता है थ्री डी एट फोर एस टू निकल प्लस टू मतलब मैम थ्री डी एट एक मिनट एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक ऐसे तीन पी है मैम वीक फील्ड लीगेंड है आपने सिखाया वीक फील्ड लीगेंड पेयरिंग कराएगा नहीं हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री आ गया एन आई सी एल फोर टू माइनस सबको चमक गया एन आई सी एल फोर टू माइनस सोटेड है अब एन आई सी एन फोर टू माइनस निकल एक्स माइनस फोर इज माइनस टू निकल इज प्लस टू निकल होता है थ्री डी एट फोर एज टू प्लस टू का मतलब डी एट भाई साहब मैम वही की वही कहानी है दो दो चार पांच छह सात आठ मगर मैम सी एन माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये कराएगा पेयरिंग एक डी खाली हो गया मैम डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन चमक गया एनआईसीओ फोर पेपर में आएगा यहां गलती करता है बच्चा निकल बच्चे निकल होता है थ्री डी एट फोर एस टू थ्री और फोर के बीच में गैप कम है और यहां पर 4s भरा हुआ है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये 4s ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा 4s खाली हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन है एस पी थ्री ये आएगा पेपर में और बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चमक गया सबको बच्चे आपके साथ इस बुलंद सीरीज का पूरा मैंने आ, कल वो शेयर किया था क्या कहते हैं टाइम टेबल तो मेरे बाद निशान और जिसने बुलंद को पूरा फॉलो किया देखो आज आज लाइव रहने से कोई मतलब नहीं है तुम्हें बस आज आज तुमने मेहनत कर ली छः सात आठ घंटे का वन शॉट देख लिया तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया तुम खुश हो गए ये किसी काम का नहीं है फॉलो करो तो पूरा करना ताकि पूरे पेपर में खाली केमिस्ट्री में नंबर लेने से कुछ नहीं होगा केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स तीनों करने हैं तो अब अगले मेरे ख्याल से 20 जनवरी तक 20 जनवरी तक ऐसे हर रोज वन शॉट चलेंगे और हर रोज तुम्हें देखना है और उसके बाद अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट देखना मतलब लिटरली तुम्हें एक मतलब हाइक मिलेगा अपने स्कोर के इंप्रूवमेंट में सच कह रही हूँ ठीक है चलिए अब दो तीन चीजें मैं आपको बता देती हूँ <coughs> बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सारे एक्सेप्शन मैंने वैसे ही कवर कर लिया जो एक्सेप्शन है वी के वो सुन लो इसका एप्लीकेशन सी में है पता है अमोनिया है ना अमोनिया ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिगेंट होता है अमोनिया एक फील्ड लिगेंड होता है मगर एफ प्लस फिर मन को कौन समझाए फिर मन को कौन समझाए समझाए? ये तो भाई बॉलीवुड वाली कहानी नहीं आ गई कि प्यार हो गया अब मन को कोई कैसे समझाए तो ये जो अमोनिया है ये इन तीनों के लिए वीक फील लिगेंड है वैसे दुनिया भर के लिए अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मगर Fe2+ Mn2+ CO2+ के लिए अमोनिया एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा आगे एग्जांपल CFT में सिखाऊंगी वैसे तो ऑक्सीजन एक वीक फील्ड लिगेंड है बट कोको के लिए एक लड़का है उसका नाम है कोको क्या नाम है कोको को से याद आया कोबाल्ट 3+ कु से याद आया कॉपर 2+ मगर कोको के लिए ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है दुनिया भर के लिए ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड बना पड़ता है मगर कोको से पता नहीं ऑक्सीजन को क्या प्यार है ठीक है कि इन दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा आगे फोर सीरीज फाइव डी सीरीज इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होता है कि इनके लिए हर कोई एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हर एक को मतलब हर कोई ज्यादा अभी सी एफ टी समझाएगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है वो सी एफ टी समझाएगी ये सारे एक्सेप्शन और तुक्के वीबीटी में अच्छे सी एफ टी में एक्चुअली समझ आएगा कि है क्या ठीक है तो बस याद रख सकते हैं कि फाइव डी के लिए सारे दुनिया भर के लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और अगर आपका मेटल पे प्लस फोर चार्ज है तो भी दुनिया भर के लीग एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है मुझे पता है तो बहुत अंदर से मन में आवाज आ रही है क्यों क्यों का आंसर मिलेगा सी एफ टी में VBT के लिए ये सारी एक्सेप्शन है क्या क्या एक्सेप्शन है कि दुनिया भर के लिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है मगर फिर मन को कौन समझाए समझाएन टू प्लस के लिए ये वीक फील्ड लिगेंड है बुरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड है मगर कोकू से पता नहीं क्या प्यार है कबाल थ्री प्लस और कॉपर टू प्लस इनके लिए वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता है फोर्टी फाइव डी के लिए एवरी लिगेंड इज फील्ड लिगेंड मेटल प्लस फोर के लिए एवरी लिगेंड इज लीगेंट फील्ड लिगेंड दीज आर एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी ये वीबीटी के एक्सेप्शन है मगर सी एफ टी पे जब हम आएंगे तो सी एफ टी बताएगी ऐसा क्यों हुआ सो मेक्स मी कम टू दिच इज सी एंड एज पर मिलेगा छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे crystal field theory के बारे में चलिए फाइल सेव हो चुकी है सो so, कितने टॉपिक्स हमने कर लिए हैं वी और ये एक्सेप्शन वाला बी 83 लिख दो 83 अब हमें एटी फोर्थ Can you please tell 2X पे या लाइव भाई अगर तुम्हें तो तुम जरा सा भी प्रॉब्लम होता है ना तो मैं तो रिकमेंड करूंगी लाइव देखो मैं बारी बारी रिपीट करा रही हूँ बट अगर नहीं देख पाते हो तो तुम भले रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड देखो दिस इज़ टोटली अप टू यू बट भी 2X पे वही बच्चे देखे जिनको आता है जिनको आता नहीं है ना जल्दबाजी के चक्कर में तुम फटाफट देखते हो उसका कोई फायदा नहीं होता तो करो तो तसल्ली से करो ठीक है अनेबल टू फिल फॉर्म क्यों फॉर्म फिल करने में क्या दिक्कत आ रही है फॉर्म तो ही रहा है फॉर्म खोलो और भर दो ठीक है हाँ बच्चे अगर दोनों केटइन एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो पहले केटाइनिक पार्ट को नेम करोगे फिर अनाइनिक पार्ट को नेम करोगे बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे सिखाया नो अदर एक्सेप्शन पहले कैटाइन को नेम करो फिर अनाइन को नेम करेंगे शुड वी डू क्वालिटेटिव आफ्टर दिस अभी डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव करना है पी ब्लॉक करना है सारी चीजें बताऊंगी ठीक है तो आप टेंशन फ्री हो गए दस मिनट का ब्रेक ले लो टाइम हो चुका है सात बज के पांच मिनट तो सात बज के पंद्रह मिनट पर वापिस आ जाना सेवन फिफ्टीन पे वापिस आ जाना दस मिनट का ब्रेक है तब तक मैं भी एक बार फेस वॉश कराती हूँ ठीक है अब थोड़ा सा टायर्ड uh, फील होने लग गया बिकॉज इट हैज बीन आवर्स मैं खड़े हो है आपको पढ़ा रही हूँ सात घंटे हो गए ना हाँ सात से ज्यादा हो गया और साहब क्या बात है हाँ ना सात घंटे हो चुके हैं तो अब मैं भी एक बार फेस वॉश कराती हूँ थोड़ा सा मैं भी फ्रेश फील करती हूँ और देखती हूँ अगर कोई कॉफी वॉफी पिला देता है तो बढ़िया ठीक है।, <laughs> है ना क्योंकि ऐसा होता क्या है मतलब जब आप कंटिन्यूसली कभी आपके साथ भी ऐसा होगा आप कंटिन्यूअसली अगर बोलोगे तो ये जो आते हैं ना ये ये दर्द करने लग जाते हैं मतलब अभी तो चलो ठीक है सब बढ़िया है अभी मैं भी फ्लो फ्लो में तुम्हें पढ़ा रही हूँ मुझे पता है एवरीथिंग इज गुड बट अब जब अ, सेशन खत्म होगा फिर घर में जाएंगे ठीक है तो रात को ये भी दुखेगा ये दुखेगा क्योंकि ये जॉ मूवमेंट इतनी ज्यादा हो गई आज पूरा दिन ये सारा कनेक्टेड होता है ना तो ये दुखता है ये दुखता है और अभी नहीं पता चलता जब आप स्वेलो करते हो ना खाना खाते वक्त ऐसे तो फिर दुखता है तो मतलब भाई ये वन शॉट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लिए जा रहे हैं ठीक है मतलब तुमने डिमांड भी नहीं किया था नन ऑफ यू आस्ट कि मैम ऐसे लो बट वो अंदर से हमारे मन में आया कि नहीं यार बच्चों के लिए एक एक और आखिरी प्रया, प्रयास जो है वो कर देते हैं तो देखो भाई अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखो क्योंकि हमारे लिए दैट इज द ओनली थिंग विच कीप्स अस है ना मोटिवेटेड तुम्हारी मोटिवेशन के लिए हम हमेशा दिन रात तुम्हारे साथ खड़े होते हैं तुम बोलते भी नहीं हो फिर भी हमें पता है कि ये करना है बच्चों के लिए तो हमारे लिए मोटिवेशन के फैक्टर तुम ही हो मतलब यू आर द वन जिसके लिए ये काम हो रहा है सो मेक श्योर है ना <laughs> हाँ चाय पी लो भाई चाय नहीं पीती है मैम चाय नहीं पीती हूँ मैं अभी कॉफी अरेंज करते हैं अगर कोई पिला दे तो ठीक है चलो सो दस पंद्रह मिनट का ब्रेक ले लो आईल बी बैक एंड विल गेट स्टार्टेड विद सी अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन इज सी एफ टी वन इज आइसोमेरिज्म जो सुपर इंपॉर्टेंट है ठीक है उनको करेंगे तब तक मैं पानी वानी भराती हूँ चलो ओके okay. टाइमर नहीं लगा रही मिल जाना है दस मिनट में आ जाना फिर ओके और भाई VCN's आ गए सारे बच्चे बुलंद अरे yes! भाई साहब मतलब आज तो मैं मतलब लिटरली फैन हो गई तुम्हारे आ, बुलंद हौसले की भी और बुलंद कंसिस्टेंसी की भी बिकॉज मतलब टू गुड बच्चे मैंने मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतना लंबा वन शॉट अटेंड करेंगे आई वॉज लाइक कि बहुत सारे बच्चे शुरू में तो करते ही हैं बट धीरे धीरे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाता है तो वो बच्चों के अंदर की जो एंथ होता है ना वो कम हो जाता है ठीक है बट टू माई सरप्राइज आज मेरे वी ने ना मतलब मुझे लिटरली बहुत खुश कर दिया तो थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट जो आप इस सेशन को दे रहे हो बस देखो मेरे लिए भी ये सेशन उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए है तो बस कभी वो कहते हैं ना ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है मैम मेहनत करा रही है तुम मेहनत करो और जिस दिन ये कॉम्बिनेशन बन गया ना भाई साहब उस दिन हमारा सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मुझे अपने VCNs की मेहनत पे पूरा विश्वास है यस चलिए सो एवरीवन इज बैक लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थियोरी यानी कि सी की, की। इससे पहले जब मैं आपको टॉपिक करा रही थी वी तो मैंने कुछ एक्सेप्शन आपको सिखाए थे एंड आपके मन में आ रहा था मैम ये एक्सेप्शन क्यों आए इनको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया तो मैंने कहा था थोड़ा ठंड रखो मैं सी एफ टी पढ़ाऊंगी समझ आ जाएगा तो बच्चे क्रिस्टल फील्ड जैसा का जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है इन दोनों के बीच में ना आयनिक इंटरक्शन हो रही है कौन सी इंटरक्शन हो रही है आयनिक इंटरक्शन मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन है ना अच्छा एक बच्चे ने ना हमारे सुपर चैट में Uh, कुछ पैसे भेजें तो बच्चे मतलब यार तुमने वैसे ही दिल जीत लिया ठीक है ये सब मत क्या करो ठीक है इन सब की जरूरत नहीं है क्या नाम है वैसे आपका अखिल ठीक है हाँ तो वैसे यार तुम मतलब ये ये गुरु दक्षिणा में ये नहीं चाहिए मुझे मुझे पता क्या चाहिए मुझे चाहिए कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आए ना उस दिन एकदम प्राउडली बोलो मतलब वो एक दहाड़ लगनी चाहिए अंदर से ठीक है कि भाई साहब हमने वीसी से पढ़ाई करी थी बस ये ये अगर तुमने एक दिन बोल दिया ना मेरे लिए वो सबसे बढ़िया चीज हो जाएगी ठीक है मतलब जिस दिन तुम्हें अंदर से लगेगा ना कि हाँ भाई सर ने मैम ने हमारी कहीं से हेल्प करी है एक बार अंदर से अगर दिल से भी थैंक यू बोल दो यार हमारे लिए यही बहुत बड़ी चीज हो जाती है और कुछ नहीं चाहिए चलिए देखिए तो हाँ क्रिस्टल फील्ड थियरी में मैं क्या कह रही थी कि मेरे पास एक सेंट्रल मेटल आयन होता है वो जरूरी नहीं है उस पर चार्ज हो वो निकल टू प्लस भी हो सकता है ठीक है वो मैंगनीज भी हो सकता है वो आयन भी हो सकता है वो निकल भी हो सकता है सिमिलरली जो आपके पास लीगेंड होते हैं अब जो लीगेंड आपके पास है वो लीगेंड साइनाइड भी हो सकता है न्यूट्रल मतलब, भी, भी हो सकता है या फिर कैटाइनिक लीगेंड भी हो सकता है कहने का मतलब आपके सेंट्रल मेटल आयन और लीगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना ऐसे लगता है वो आयनिक इंटरेक्शन है मतलब सेंट्रल मेटल आयन एक कैटायन एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और लिगेंड जो है वो या तो आपके एनायन की तरह या फिर डाइपोल की तरह बिहेव करता है और इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शंस जैसा माहौल होता है अब इसकी कहानी को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताती हूं मेरे ख्याल से काफी बच्चों को आता ही है जिनको नहीं आता सामने सुनिए वैसे तो मेरी डी और बाइटल ना सारी डी जनरेट होती है हमारे पास पांच डी और बाइटल होती है एक होती है डी एक्स वाई एक होती है डी वाई जेड एक होती है डी जेड एक्स एक होती है डी एक्स स्क्वायर एक होती है डी जेड स्क्वायर ये पांचों की पांचों डी ऑरबाइटल डी जनरेट होती है डी जनरेट मतलब इनकी सेम एनर्जी होती है इन सबकी एनर्जी क्या होती है सेम अगर मैं ऑर्बिटल्स को भी ध्यान से देखूं तो ये देखो मेरी तीन और बाइटल होती हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं ये देखो इसको बोलते हैं डी एक्स वाई एक होती है डी वाई जेड एक होती है डी एक्स जेड ये इन बिटवीन द एक्सिस है देख रहे हो ये एक्स और जेड के बीच में है ये वाई और जेड के बीच में है ये एक्स और वाई के बीच में हमारी दो और बाइटल होती हैं जो अलोंग द एक्सिस होती हैं जिसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक होती है डी जेड स्क्वायर ये एक्स वाई प्लेन के अलोंग है अलोंग द एक्सिस है और एक है डी जेड एक्सिस के अलोंग अब ध्यान से देखना बच्चे मान लो मेरे पास ये सेंट्रल मेटल आयन है अभी एक आधे और खाली पन्ने की हमें जरूरत पड़ेगी मान लो मेरे पास एक सेंट्रल मेटल आयन है अगर उस सेंट्रल एटम आयन के चारों तरफ लीगेंट किसी भी डायरेक्शन से आता ना मतलब मान लो ये मैं खड़ी हूं सारे लोग इधर एकदम किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं तो देखो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता मगर प्रॉब्लम पता है क्या हुई प्रॉब्लम पड़ी कि मान लो मेरा मेरा सेंट्रल सेंट्रल मेटल मेटल आयन आयन है, है है, ठीक है? है, यहां पर जो है ना, वो द एक्सिस लाइ करेगा देखो इसको अगर तुमने कह दिया, तो दो लीगेंड अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे दो लीगेंड अलोंग वाई एक्सिस आएंगे दो लीगेंड अलोंग जेड एक्सिस आएंगे कहने का मतलब जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस लाई करती है ना देखो ध्यान से समझना आपका सेंट्रल मेटल लीगेंड आ है कर रही हैं, और अगर आपका लीगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो भाई साहब उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगी कहने का मतलब अगर मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करूं ऑक्टाहेड्रल फील्ड देखो ये डायग्राम बच्चे बच्चे को रटा हुआ मैं मना नहीं करती तुम्हें डायग्राम नहीं आता तुम्हें आता है मगर जो लॉजिक अब मैं दूंगी ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल बनता है ये हमारे डी जनरेट और थे डी जनरेट और बाइटल्स का मतलब सबकी एनर्जी सेम थी ये था इन एब्सेंस ऑफ फील्ड इन एब्सेंस ऑफ फील्ड एब्सेंस ऑफ फील्ड का मतलब कि आपके पास कोई लीगेंड नहीं है जैसे जैसे लीगेंड्स आने लगे ना तो डी और बाइटल में भी इलेक्ट्रॉन है वो लीगेंड को रिपेल करेंगे रिपल्शन होगी एनर्जी बढ़ेगी यानी कि इन द फील्ड ऑफ लीगेंड, इन दील्ड एफ आई एल डी इन द फील्ड ऑफ लीगेंड, आपकी ओवरऑल एनर्जी और बाइटल्स की बढ़ गई मगर ऐसा नहीं है कि सारे और बाइटलों की एनर्जी इक्वली बढ़ी ना जो डी और बाइटल अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे थे ये देखो ये देखो

मगर जो एक्सिस थे उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई तो हमारी डी ऑर बाइटल स्प्लिट हो गई डी एक्स वाई है उनकी एनर्जी कम हुई और और की एनर्जी बढ़ी ऐसा नहीं होता यहां के कंपैरिजन में सबकी बड़ी इनकी थोड़ी ज्यादा बड़ी इनकी थोड़ी कम बड़ी तो एवरेज आपको नजर आएगा विच इज हियर इनका जब एवरेज लोगे इसको कहते हैं बैरीज सेंटर क्या कहते हैं बैरीज सेंटर चमक गया ये जो स्प्लिटिंग हुई मेरी बात सुनो इस स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग को बोलते हैं एनर्जी इसको क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी जिसको डेल्टा ओ बोलते हैं अब सुनो कैसे आप किसी लीगेंड को स्ट्रॉन्ग या वीक लीगेंड बोलते हो अगर आपका लीगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करता है मतलब लीगेंड आ रहा था ये हमारी डी और बाइटल है ज्यादा रिपल्शन हुई ठीक है ज्यादा रिपल्शन लीगेंड ज्यादा पास आया रिपल्शन ज्यादा हुई अगर डेल्टा ओ ज्यादा है मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है अगर स्प्लिटिंग कम थी तो हम बोलते हैं वीक फील्ड लीगेंड है ये कहानी होती है ऑक्टाहेड्रल केस में अगर मैं बात करती हूं टेट्राहेड्रल की ध्यान से देखना टेट्राहेड्रल की टेट्राहेड्रल में अगर आप बनाओगे ना मान लो ये डब्बा बनाया तो आपका जो होता है देखो आपने ऐसे करके ये टेट्राहेड्रल बनाया अब आपके लीग एक्चुअली आ रहे हैं मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसकी वजह से पहले ये पांच डी और बाइटल एक एनर्जी के थे फिर इनकी एनर्जी बढ़ी मगर जब आप टेट्राहेड्रल बनाते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करते हैं तो ऐसे डी हैं उनकी एनर्जी कम बढ़ती है जो है, जो ऐसे है इन बिटवीन द हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर ये हो गया डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स और इनके बीच की जो स्प्लिटिंग है इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और सुनो जब मैं बात करती हूं ऑक्टाहेड्रल में मेरे छ लीगेंड आ रहे हैं कितने छे टेट्राहेड्रल में मेरे केवल चार लीगेंड आ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग से हमेशा ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल में ना लीगेंड एक्चुअली एक्सीजों के बीच में आते हैं तो रिपल्शन ज्यादा होती है जिसकी वजह से स्प्लिटिंग का अमाउंट ज्यादा हो जाता है नाउ वन ऑफ द बेस्टेस्ट केस जो मैं आपको सिखा देती हूँ ध्यान से सुनना ये आपके जेई मेंस में नहीं आता ये 2023 के जेई एडवांस के पेपर में आया था अब ऐसा कभी कभार हो जाता है कि जो चीज एडवांस के पेपर में पूछी गई इस साल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके वो मेन्स में पूछ लेता है मैंने आपको कहा था नौ में से आठ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के मेरी गारंटी है इस सेशन से हो जाएंगे नाइन्थ क्वेश्चन की गारंटी मैंने नहीं ली थी है ना मगर ये वो नाइन्थ क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है एक स्प्लिटिंग होती है जिसको आप स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग कहते हैं ये कैसे आया क्यों आया दिस इज फॉर जेई एडवांस और जिस दिन एडवांस का पढ़ाऊंगी उस दिन सिखाऊंगी भी सही मगर अभी के लिए आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि जब हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो मेरा इन द प्लेन ऑफ पेपर बनेगा तो जितने जो लीगेंड्स आएंगे ना वो एक्स वाई प्लेन में आएंगे लीगेंड कौन से प्लेन में आएंगे एक्स वाई प्लेन में तो जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्र है जो एक्चुअली एक्स वाई प्लेन में है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ती है फिर डी एक्स वाई हो जाता है फिर डी जेड स्क्वायर होता है और लास्ट में डी वाई जेड डी जेड एक्स यान ये बस ऑर्डर याद रख सकते हैं टू वन 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 मतलब ऊपर डी एक्सक्वायर वाई स्क्वायर फिर डी डी एक्स वाई फिर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई और डी एक्स जेड देखो डी वाई जेड और डी जेड एक्स चमक गया दोबारा देख लो सबसे ऊपर आएगा डी एक्सक्वायर वाई स्क्वायर ओके फिर आएगा डी एक्स वाई फिर आएगा डी जेड स्क्वायर और नीचे आएगा डी एक्स जेड और डी वाई जेड मुझे पता है मैं आपको कह रही हूं बस याद रख लो मुझे नहीं कहना चाहिए ये टॉपिक यही एडवांस का है मेंस का नहीं है बट पता नहीं चलता कभी कभी एडवांस में जो लास्ट ईयर सवाल पूछा गया था मेन्स में चिपका देते हैं सो दिस इज दैट टॉपिक जो आपको बिना रुके करना ही करना है ठीक है स्क्रीन क्लियर ही है बच्चे स्क्रीन तो क्लियर ही है ठीक है चलो आगे देखो स्क्वायर प्लेनर हो गया अब सिर्फ एक एक मिनट मेरी आवाज आ रही है ना कोई इश्यू बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट वन शॉट है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री स्क्रीन मेरे ख्याल से क्लियर है मेरे लैपटॉप में चल रही हैं चैट्स अच्छे से आ रही हैं स्क्रीन विजिबल है ठीक है और वॉइस भी आ रही है ठीक है बच्चे मैं एक चीज़ बोल देती हूँ ठीक है मैं चैट्स में बहुत देर से देख रही हूँ जब से मैंने क्लास को रीस्टार्ट किया है चैट्स में है ना एक घटिया लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है एक गलत तरीके का कमेंट आप लिख रहे हैं अगर आप हमारी क्लास में अभी आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ आज बारह बजे से ये सेशन लाइव चल रहा है ठीक है और सात बज के पैंतीस मिनट हो चुके हैं साढ़े सात घंटे से टीचर आपको खड़े होकर पढ़ा रही है तो किसी भी टीचर के लिए चाहे वो मैं हूं या कोई और टीचर हो जो टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा रहा है एक रिस्पेक्ट एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट हमें टीचर के लिए रखनी चाहिए आपको लग रहा है यार ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती यू ऑलवेज़ हैव दिस फ्रीडम कि आप लिखो गंदी टीचर है ठीक है डिसलाइक करो और चले जाओ मगर है ना किसी भी टीचर के लिए एंड पर्टिकुलरली किसी भी लेडी के लिए जो क्लास में आपको खड़े होके लास्ट साढ़े सात घंटे से पढ़ा रही है कोई भी गलत चीज़ ठीक है जो उसके कैरेक्टर पे जाती है वो नहीं बोलनी चाहिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इस अच्छे से, से सेशन को खराब करूं बीच में डांट मार के तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ जो भी बच्चा चैट में स्पैम कर रहा है या गलत लिख रहा है मत करो बच्चे ठीक है मैं अब इसका जवाब नहीं दूंगी ना ही मैं अपने बच्चों को कहूंगी इसका जवाब दे बट एक डिसेंसी होती है जो आपको क्लास में मेंटेन करनी है प्लीज मेंटेन दैट डिसेंसी अदरवाइज तुम्हारे अकाउंट को ठीक है ना मुझे ब्लॉक कराने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा एंड यू विल गेट टू नो कि हम कहां तक तुम्हारी है ना बैंड बजा सकते हैं याद रखना मुझे बेमतलब का एक बच्चा अपनी क्लास में नहीं चाहिए जो पढ़ने वाले हैं वो टिके जिनको नहीं पढ़ना है ना जो लिख रहे हैं निशान सर ये कह रहे हैं जो भी मतलब जो भी तुम एक मेन चीज़ यहाँ लिख रहे हो तो अवॉइड करो नहीं तो जब मैं भड़की ना भाई साहब तो तुम पता भी नहीं करोगे कि मैम कितना भड़क सकती है सो डोंट डू दैट डोंट टेक मी टू दैट लेवल जहां पे तुम सुन लोगे प्यार से पढ़ा रही हूँ पढ़ लो हां जी तो देखो एक डायरेक्ट सवाल पेपर में कई बार आ जाता है कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है ठीक है स्प्लिटिंग एनर्जी है इसका रेशियो क्या है अब अगेन इसके प्रूफ है हमारे पास इसके प्रूफ हम कर सकते हैं बट विल नॉट डू इट फॉर मेन्स आप मेन्स के लिए याद रख सकते हैं देखो ये तो एनसीआर ही कहती है कि जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल की ऑलमोस्ट आधी होती है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम्स ऑक्टाहेड्रल वेयर एज जो प्लेनर की स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल से थोड़ी सी ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा है स्क्वेयर प्लेनर फिर ऑक्टाहेड्रल फिर टेट्राहेड्रल इन सब के रीजन और एक्सप्लेनेशन एडवांस के लिए हैं मेंस में नहीं आते हैं इसीलिए मैं इनमें डिटेल में नहीं जा रही हूं चलिए अब यहां तक का हमारा कितना टॉपिक हो गया है एटी uh, फोर्थ ये हो गया है एटी फाइव ठीक है बुलंद का एटी फाइव टॉपिक ये रहा एटी सिक्स टॉपिक ये रहा एटी सेवेंथ टॉपिक हो गया स्क्वायर प्लेनर चलिए अब हम बुलंद का एटी एट टॉपिक पढ़ेंगे ध्यान से सुनना मैं अभी भी इस बात की गारंटी ले सकती हूं आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को यह नहीं पता कि सी एफ एस सी की फुल फॉर्म क्या होती है अगर मैं आपसे पूछू ना सी एफ एस सी की फुल फॉर्म आप में से आधे से ज्यादा बच्चे लिखे होने के बावजूद एनर्जी इसको कहते हैं ये जो डेल्टा आपने लिखा ना दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ डेल्टा टी डेल्टा एस पी सी एफ एस होता है कि जब आपके सेंट्रल मेटल आयन पे लीगेंड आकर चिपका जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई जब इलेक्ट्रॉन भरे तो पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी एनर्जी चेंज हुआ दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो क्रिस्टल की फील्ड बनने के वजह से जो भी स्टेबिलिटी आई जो भी एनर्जी रिलीज हुई उसको बोलते हैं सी एफ एस सी तो आई थिंक ये बात आज सबको चमक गई कि सी एफ एस सी अलग है और डेल्टा ओ अलग है सी एफ एस इज नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आप में से नाइनटी नाइन परसेंट बच्चा यही सोचता है सी एफ एस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इट इज स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखिए कैसे करना है सी एफ एसई के सवाल सामने देखो मान लो मेरे पास पांच डी और बाइटल है मैं बहुत तरीके से करके दिखाऊंगी ऐसे ही सवाल आएंगे अगर आपने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करी है मान लो मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग की बात कर रही हूं तो तीन नीचे आएंगे दो ऊपर आएंगे तीन नीचे वाले कौन है डी एक्स वाई है डी वाई जेड है डी जेड एक्स है एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक है डी जेड स्क्वायर ये जो बीच का सेंटर होता है इसको हम बेरी सेंटर कहते हैं जो बीच का लेवल आया अब ध्यान से देखो जो देखो ये याद रखने का तरीका इसका एक्सप्लेनेशन है इसका रीजन है बट अभी हम याद रखने का तरीका देखते हैं नीचे जब आप जाओगे तो डेल्टा जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ मतलब तीन के लिए जीरो पॉइंट फोर है और ऊपर वालों के लिए दो के लिए क्या है जीरो पॉइंट सिक्स जहां तीन है वहां पॉइंट फोर जहां दो है वहां पॉइंट सिक्स मैम हमें समझ नहीं आया कैसे कैलकुलेट करना है तो सल्ली से करो सपोज मेरे पास डी फाइव है मान लो मेरे को कोई कहे कि, कि किसी कॉम्प्लेक्स की सी एफ एस निकालो फॉर डी फाइव पहले मैं लिखूंगी कि क्या मेरा कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड के साथ बन रहा है या स्ट्रॉन्ग फील्ड दो अलग अलग केसेस है आपको दोनों में से एक केस दिया जाएगा बच्चे वीक फील्ड लीगेंड का मतलब है स्प्लिटिंग कम है स्प्लिटिंग कम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का मतलब है स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा मैंने कहा मैम पांच इलेक्ट्रॉन भरने हैं अगर ये स्पेस कम है तो एक दो तीन चार पांच पांच के पांच ऐसे भर देंगे अगर स्पेस बहुत ज्यादा है तो मैम हमारे पास इतनी एनर्जी है नहीं कि हम ऊपर भेजें इससे अच्छा हम एक दो तीन चार पांच पेयरिंग कर दे चमका अब अगर मुझे कोई कहे इस सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो इसको बोलते हैं t2g इसको बोलते हैं eg तो लिखेंगे t2g3 eg2 यहां की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो हम लिखेंगे t2g5 eg क्या 0 t2g5 जी जी जीरो कोई मुझे कहे cfse निकालो मैंने कहा देखो मैम अगर नीचे वाले थे तो जीरो पॉइंट फोर टाइम डेल्टा ऊपर वाले थे तो जीरो तो इलेक्ट्रॉन थे बच्चे तीन तो थ्री इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर टाइम्स डेल्टा क्योंकि ऐसे लगा कि इतनी एनर्जी कम हुई है आगे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है दो इंटू जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स डेल्टा कोई पेयरिंग वेरिंग नहीं कराई ये है सी एफ एस की कैलकुलेशन हो गया अगर कोई कहे कि चलो भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के कम्पेरिजन में करके दिखाओ मैंने कहा ओके okay. मेरे पास ये कितना है नीचे आएंगे 0.4 से ऊपर जाएंगे 0.6 से तो नीचे कितने हैं एक दो तीन चार पांच तो फाइव इन टू कितना माइनस जीरो पॉइंट फोर टाइम्स डेल्टा हो अब ध्यान से देखो यहां पर कोई भी पेयर था नहीं यहां कितने पेयर हैं दो तो यहां लिख पेयरिंग एनर्जी मुझे दो गुना दो टाइम स्पेरिंग एनर्जी देनी पड़ी क्या ये बात सबको चमक गया दिस इज क्लियर सबको क्लियर है डी फाइव डी फाइव मैंने कराया तो डी सेवन आप करके दोगे डी सेवन आप करोगे मैं हटा देती हूँ फटाफट से तुम करो ये मैं हटा देती हूँ D7 सारे खुद से करेंगे D7 सेवन फॉर अ वीक फील्ड वीकेंट क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड इगेंट क्या होना चाहिए खुद से सोचो वैसे तो मैंने कर दिया था यहाँ पे बट अब तुम खुद सोचो डी सेवन वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए क्या होना चाहिए सी निकाल के दिखाओ जल्दी और डी सेवन का सवाल 2023 के पेपर का बेस्ट सवाल था 2023 के पेपर में बेस्टम बेस्ट सवाल था जल्दी से करो मैम डी सेवन चलो अब लिखी तो, अरे यार इरेज कर दिया डी सेवन डी सेवन का मतलब वीक फील्ड लिगेंड मतलब मैम एनर्जी गैप कम है तो एक दो तीन चार पांच छह सात नीचे वाला का होता है मैम 0.4 ऊपर का वालों का होता है 0.6 तो दो दो चार पांच तो t2g5 eg2 तो cfs ही लिखना जरा cfs कितनी लिखेंगे 5 5 टाइम्स -0.4 टाइम्स डेल्टा o प्लस ऊपर कितने हैं 2 टाइम्स 0.6 टाइम्स डेल्टा o अब ध्यान से देखो पेयरिंग कैसे गिनते हैं इसमें कई बच्चे गलती करते हैं देखो 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 पेयरिंग कैसे बच्चों को सिखाया जाता है देखो यहां दो पेयर हैं ना बच्चे इससे कंपेयर करो इससे यहां पे भी दो पेयर थे अभी भी दो पेयर है इसीलिए कोई भी पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखेंगे पहले भी दो पेयर थे अभी भी दो यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं उनको लगता है देखो मैम दो पेयर है तो टू पेयरिंग एनर्जी मतलब मैं बताती हूँ मेरी पूरी ट्वेल्थ बीत गई थी मेरे को यह नहीं समझ आया था मैं हर बार क्वेश्चन गलत करती थी बस मेरे को मेरी टीचर ने इतना नहीं समझाया कि देखो ये पेयर नहीं गिनते अब ये तो सही बात है ना मेरी नजर से बच्चे की नजर से देखो उसको दो पेयर दिख रहे हैं। वो थी। पहले भी दो पेयर थे अभी भी दो पेयर है सो यू विल नॉट एड पेयरिंग एनर्जी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो दो दो चार दो ऊपर जाएगा तो टी टू जी सिक्स मैंने कहा सी एफ एस सी कैलकुलेट करेंगे तो देखो नीचे कितने का आता है जीरो पॉइंट फोर का घाटा तो दो दो चार पांच छह सिक्स इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर टाइम्स डेल्टा हो प्लस ऊपर कितने जबकि यहाँ दो पेयर है मतलब एक, एक एक्स्ट्रा पेयरिंग दी तो यहाँ पर करोगे पेयरिंग एनर्जी इससे ऊपर अगर सवाल आ गया तो तुम मेरा नाम बदल देना मेरी गारंटी है इससे ऊपर पेपर में सवाल आएगा ही नहीं इस बात की गारंटी मैं यहाँ खड़े खड़े ले सकती हूँ इससे ऊपर नहीं आएगा मगर गलती नहीं करनी यहां दो पेयर है यहां पे भी दो पेर है तो इग्नोर यहां तीन पेयर है यहां दो पेर है एक पेरिंग एनर्जी आधे बच्चों को ये नहीं पता होता बस खुश होते हैं हमें आता है हमें जल्दी करा दो आता नहीं इनको चमक गया ये थी हमारी सी एफ एस सी की कैलकुलेशन टॉपिक नंबर एटी एट टॉपिक नंबर एटी नाइन की बात करती हूं हम अभी भी सी एफ एस सी कैलकुलेट करेंगे मगर अब मैं टेट्राहेड्रल फील्ड में कैलकुलेट करूंगी अब वंस सग्न थोड़ा सा एडवांस का पार्ट है जो हम नहीं यहाँ डिस्कस करेंगे मेरे पांच डी और बाइटल थे यहाँ पर स्प्लिटिंग ऐसे होती है कि नीचे आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स यहाँ पर हम जी नहीं लगाते जैसे पहले लगाया था ना टी टू जी ई जी यहाँ नहीं लगाते यहाँ सिंपल लगाते हैं ई और टी टू जी नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर जी रेड सिमेट्री नहीं होती जी मतलब जी रेड सिमेट्री क्या होता है जीरेट सिमेट्री मेन्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है टेंशन मतलब और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि ये गैप ऑलरेडी कम है मतलब डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस तो जब ये लेस होता है ना मेरी कोशिश होती है कि ऐसे ही करा दूं मैं मतलब पेयरिंग को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते वी डू नॉट प्रेफर पेयरिंग क्योंकि गैप ऑलरेडी काफी कम होता है ठीक है एक क्वेश्चन आप सबके सामने है सीओ एफ थ्री एच टू और थ्री आपका क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी सी एफ एस कैलकुलेट करके बताओ सी एफ एस कैलकुलेट करके बताओ जल्दी ठीक है सी एफ एस कैलकुलेट करके बताओ मैंने कहा मैम एक्स माइनस थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री कोबाल्ट है मैम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट होता है थ्री डी सेवन फोर एस टू प्लस थ्री का मतलब मैम थ्री डी सिक्स अब मेरे को पता है कोऑर्डिनेट एक दो तीन चार पांच मैंने कहा इन्होंने कहा है डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग मतलब कह रहे पेयर मतलब वीक फील्ड लिगेंड है तो कह रहा है पेयरिंग मत कराना पेयरिंग में एनर्जी देनी पड़ेगी सात छह इलेक्ट्रॉन भरो एक दो तीन चार पांच छ तो मैंने कहा बस आगे कहानी ये हो जाएगा दो तीन और चार फोर इंटू माइनस जीरो टाइम्स डेल्टा दिस इज द आंसर और फिर भी कर लो देखो कोबाल्ट थ्री डी सिक्स था ना एक दो तीन चार पांच है, एक एक है यहाँ पर भी एक पेयरिंग है तो कोई भी पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं होगी दिस वॉज योर आंसर चमक गया होगा चलिए एक अगला क्वेश्चन करके दिखा दो ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है चलो ये होमवर्क ले लो ये कर लोगे तुम मेरे को विश्वास है हो जाएगा कह रहा है द पेयर ऑफ मेटल आयन इनमें से कौन से मेटल आयन का पेयर है Complex. Complex स के लिए मैग्नेटिक मोवमेंट थ्री पॉइंट नाइन आना चाहिए देखो मैं कैसे करूंगी मैंने कहा मैम ये माइनस टू है तो यहाँ प्लस टू मतलब मेरे मेटल पे प्लस टू और मेटल पे प्लस टू में अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 मतलब मैम अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन कुछ भी कर लो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए मैंने कहा सरस्वती तेरी वंदना सरस्वती तेरी वंदना थ्री डी थ्री फोर एस टू ठीक है तीन अनपेड ये क्या होता है थ्री डी सिक्स फोर एस टू ले दो तीन चार एक दो चार, तीन चार पांच छीन अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आए नहीं आए फिर मैंने कहा कोबाल्ट कोबाल्ट होता है अच्छा आयन Fe2+ है ही नहीं तो ये भी आंसर नहीं है मैंने कहा वेनेडियम 2+ तो था कोबाल्ट देख लो कोबाल्ट होता है थ्री डी सेवन फोर एस टू फोर एस टू गया थ्री डी सेवन एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छ सात तीन इलेक्ट्रॉन ये भी ठीक है बन जाएंगे ऐसे सवाल वेरी गुड awesome. ऐसे सवाल कर लोगे तो भाई साहब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तो मैं आप लोगों को करा चुकी हूं एटी नाइन टॉपिक्स एटी नाइन टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बुलंद के लास्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम है बी नाइनटी बुलंद नाइनटीथ टॉपिक हमारा आज की क्लास का आइसोमेरिज्म मुझे पता है तुम्हें आइसोमेरिज्म से डर लगता है मगर अब अगले सात पचास हुई ना सवा आठ बजे तक तुम्हें आइसोमेरिज्म से प्यार हो जाएगा मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ देखो आइसोमेरिज्म का मतलब तुम्हें पता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट मे बी स्ट्रक्चर अलग है प्रॉपर्टीज अलग है ब्ला 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 इनको आइसोमर्स कहते हैं कोऑर्डिनेशन के आइसोमर्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं एक होता है स्ट्रक्चरल एक होता है स्टीरियो स्ट्रक्चरल की बात पहले निपटाते हैं पहला है आयोनाइजेशन आइसोमर आयोनाइजेशन आइसोमर्स मतलब कोबाल्ट कोबाल्ट अमोनिया अमोनिया बी अमोनिय, आर बी आर एसोफोर एसोफोर इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है मगर जब ये आयनाइज होगा तो ये देगा सीओ एन एच थ्री फाइव बी आर पे टू प्लस और एक देगा एसओ फोर टू माइनस ये आयोनाइज होगा तो देगा सीओ एन एच थ्री पे होल फाइव एसओ फोर बाहर आएगा यहाँ पे टू प्लस बाहर आएगा बी आर यहाँ पे आएगा सिंगल प्लस यहाँ पर आएगा माइनस क्या ये बात सबको चमकी कि मैम देखो दोनों ही अलग अलग आइन्स देंगे इनको आयोनाइेशन आइसोमर्स कहते हैं इनकी डिटेक्शन कैसे करेंगे भाई इसके अंदर बेरियम बी टू का एक्वा सॉल्यूशन डालोगे तो ये बी फोर का व्हाइट पीपीटी देगा याद है ना इसके अंदर अगर ए थ्री का एक्वा सॉल्यूशन डालोगे तो ये ए का वो थोड़ा सा पेल येलो पीपीटी देगा पेल येलो पीपीटी तो तुमने पता कर लिया हां जी मैम ये आयनाइजेशन आइसोमर्स आसान है बी इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स हाइड्रेट आइसोमर्स से रिलेटेड प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी से रिलेटेड पेपर में सवाल आते हैं हाइड्रेट आइसोमर मतलब क्रोमियम 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 छ पानी पांच और एक छ पानी चार और दो छ पानी तीन क्लोरीन तीन क्लोरीन तीन क्लोरीन तीनों कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है मगर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज हाइड्रेटेड वाटर वो अलग है या छे के छह पानी लीगेंड की तरह प्रेजेंट है या पांच लीगेंड है एक वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन है यहाँ लीगेंड चार है वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन कितने हैं दो ऐसे केस में आपको कहते हैं कि बताओ ए जी एनओ थ्री के साथ रिएक्शन हुई यहाँ पर ए जी एन थ्री के साथ एक्सेस में रिएक्शन हुई ए जी एन थ्री एक्सेस ऐसे सवाल तो तुमने कर ही रखे यार ये मत कहना कि नहीं आते ये तो मोल कॉन्सेप्ट में सिखाए थे मैंने अभी वर्ड्स में ये सवाल दिया था एक ऐसा तो ये AgCl के कितने तीन मोल AgCl बनाएगा? ये दो मोल AgCl बनाएगा? ये एक मोल AgCl बनाएगा? ये बात चमकती है, है हाँ ना? तो ये बस आपसे ये पूछता है कि बताओ कितने मोल AgCl बनेंगे? कि अगर इतने मोल Ag+ के लिए तो Cl- AgCl के कितने मोल आएंगे? इनको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। आसान है, है इसमें क्या ही पूछ लेगा वो? B इनको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आने जरूरी हैं क्योंकि जब वो पूछेगा ना टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करो तो स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है जैसे सीओ एच टूव एन ओ टू सी एल टू अब ये एनओ टू मुझे पता है कि मैम ये सीओ एच टू होल फाइव ओ एन ओ की तरह भी प्रेजेंट हो सकता है कि ऑक्सीजन डोनर है या फिर सीओ एच टू फाइव NO2 की तरह भी एक्ट कर सकता है कि ये नाइट्रोजन डोनर है तो दोनों ही जगह लिंकेज में फर्क है तो इनको बोल दिया लिंकेज आइसोमर्स इनमें भी कोई शक गुंजाइश नहीं है भाई साहब अब आते हैं ना तुम्हारे खतरनाक टॉपिक पे जिससे तुमको डर लगता है डर क्या बहुत डर लगता है बच्चों को ये कौन इतना बड़ा मैसेज लिख रहा है I am a good student in इलेवंथ and ट्वेल्थ is great too and when I started revision in October I stopped studying and time passing away and again I stopped doing. Do you think I can do it? Please reply, ma'am. बच्चे मुझे ये पता है कि तुम्हारे past से तुम्हारा selection ना होगा है ना तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम खुद ही कह रहे हो कि मेरा selection होना मुश्किल है past से मगर मुझे ये पता है कि अगर अगले दस दिन तुमने मेहनत कर ली ना तो तुम अपने कर्म को change कर सकते हो तुमने पास्ट में जितने मर्जी पाप किए तुम्हें कुछ आता नहीं आता मैं पास्ट में जाके मैं तुम्हारे पास्ट में या तुम अपने पास्ट में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते और अपने ऊपर डाउट करके तो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा एक बार वो अब ये मेरे को पता है दिस विल बी टू मच टू से ठीक है मतलब मैं यार कोई क्या महान बातें तो नहीं कर सकती मैं मेरे को नहीं आती बट एक चीज बचपन से तुमने भी सीखी है हमने भी सीखी है कि वो कहते हैं ना कर्म कर बट फल की इच्छा मत कर

अब अगली बार मेरे से मत पूछना मेरा होगा या नहीं अगली बार अपने आप को कहना कि मैं 15 दिन में ऐसा करूंगा कि मेरा सिलेक्शन ये पॉसिबल है और आज ही के सेशन से मैं बोल रही हूँ आठ क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे करो करने वाले बनो हर रोज बुलंद को फॉलो करना मैं लिख कर दे सकती हूँ एक ऐसा बच्चा जिसकी अभी तक किस्मत डामा डोल है ना अगर पंद्रह दिन तुमने मेहनत कर ली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा आई कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अगर हर आधे घंटे बाद अपने ऊपर डाउट हो रहा है ना तो भाई फिर ना मैं मैं कुछ कर सकती ना कोई और कुछ कर सकता देखो सामने स्टीरियो आइसोमर से बच्चे डरते हैं स्ट्रक्चरल फिर आसान होता है उनको लगता है यार ये आसान है ठीक है प्रॉब्लम आती है स्टीरियो में स्टीरियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी एक मेरा जोमेट्रिकल एक ऑप्टिकल बी नाइन्टी थ्री बी नाइनटी फोर एक जोमेट्रिकल एक ऑप्टिकल बच्चे जोमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब होता है कि आपके बॉन्ड एंगल्स अलग अलग होने चाहिए जैसे मान लो मेटल सेंट्रल सेंट्रल में मेटल है आपने दोनों ए को 90 डिग्री पर रख दिया या फिर आपने दोनों ए को एक दूसरे से 180 डिग्री पर रख दिया इसका भी फॉर्मूला एम ए टू बी टू है इसका भी फॉर्मूला एम ए टू बी टू है मगर दोनों में एंगल फर्क होने की वजह से दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे ऐसे को बोलते हैं आइसोमर्स एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब आपके कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल यही ले लो एम ए टू बी टू ये एम है मेरे पास दो ए है दो बी है अगर आपको पूरे कंपाउंड में कोई भी ऐसा प्लेन दिख जाता है ना जो मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब जो लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को छेड़ेंगे ये मेरे को एक प्लेनर सब्सटेंस दिख रहा है बच्चे कभी भी एक प्लेनर सब्सटेंस में फॉर श्योर प्लेन ऑफ सिमिट्री होगी अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मैम ये थ्योरी हमें आती है बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमें अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं है बी नाइनटी फाइव बुलंद का नाइनटी फिफ्थ टॉपिक मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर चार करना सिखाती हूँ दो ही सिलेबस में है ना कॉर्डिनेशन चार और छ मान लो कॉर्डिनेशन नंबर चार पूरा खत्म करूंगी अब देखो मेरे पास एक कंपाउंड है एम ए फोर क्या आपको दिख रहा है कि मैं ये a4 को कहीं पे भी रख दूं सबका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है चाहे मैं ma3b रख दूं अगर मेरा टेट्राहेड्रल है a a a b ये नहीं कि या या आपने रख दिया ma2b2 दो a पास रख दो दो a दूर रख दो अरे भैया यहां पर सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है क्या ये बात चमक रही है कि मैम कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में अब यहां पे देखना बड़ा बड़ा लिखूंगी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में SP3 में no 4 में SP3 में इज नो कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडाइजेशन कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता ही नहीं है क्यों नहीं होता क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार की बात करती हूं तो देखो या तो दो ए को मैंने ऑपोजिट रख दिया या दो ए को मैंने पास पास रख दिया यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में कोऑर्डिनेशन नंबर में जीआई होने के चांसेस हैं एक एक मेरा मेरा सिस बन सकता है, एक मेरा ट्रांस बन सकता सकता है है ट्रांस क्या ये बात सबको चमकी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डन अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं एक काम करो एक पन्ना एड करते हैं एक और कर लो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर का ज्योमेट्रिकल है बी नाइन कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में पता करना है OI है या नहीं है या तो एस पी थ्री होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा बच्चे स्क्वायर प्लेनर के अंदर तो नाम से ही पता चल रहा है देयर इज अ प्लेन जो मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है अगर प्लेन है तो मैम अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है बात खत्म अब देखना अगर मैंने इसके ऊपर चार अलग अलग ग्रुप्स लगाए आपको पता चल गया ना ये कायरल है कायरल का मतलब यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है मतलब ये कायरल है कायरल का मतलब कि यस इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स है बस बात खत्म आपको जी आई ओ आई में इतना ही सोचना है जी आई में कि क्या बॉन्ड एंगल अलग अलग है ओ आई में प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दो ही चीजें सोचनी है बॉन्ड एंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री सारे सवाल बनेंगे देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एम ए फोर में एम ए फोर में मुझे पता करना है पहले इसका कर लो एम ए फोर लो मैम इसमें आपने ही सिखाया जी आई तो है ही नहीं और क्योंकि इसके अंदर मुझे क्लियर कट एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है तो मैम ओ आई भी नहीं है जमा गया सबको अगला करो एम ए टू बी टू मैम एम ए टू बी टू डर लग रहा है डर लग रहा है A को ऐसे रख दो B को ऐसे रख दो अरे भैया अभी सिखाया सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स हैं जी आई नहीं है एम ए टू बी टू में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है भाई साहब प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है काम खत्म चमका सबको अब देखो अगला एम ए ए बी सी ए याद है इथिलीन डायमीन को मैंने कहा था ए लिख दो एम ए ए बी सी मान लो मैं तुम्हें कह रही हूं पहले तो यही पता करके दिखाओ ये तो ए ए ऐसे रख दो एम ए ए बी सी ऐसे रख दो या फिर इसको तुम ऐसे ही रख सकते हो ना देखो ये सारे मैंने कहा बॉन्ड एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दे आर एग्जैक्टली सेम ये देखना क्या तुमको एक प्लेन ऑफ पेपर दिखाई दे गया जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है यानी कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है इज नो ऑप्टिकल आइसोमर और जो तो था ही नहीं अभी तो करके आए हो देर इज नो जी आई इन टेट्राहेड्रल बात खत्म अब देखो स्क्वेयर प्लेनर की बात करते हैं क्या था टॉपिक नंबर नाइनटी सेवन नाइनटी सेवन प्लेनर स्क्वेर प्लेनर अभी ये मैं नोट सेवन या एट का सवाल है मैं रिवील नहीं करूंगी अब खुद से करना देखो मान लो मेरे पास है एम ए बी सी डी कोई पूछे एम ए बी सी डी में बताओ कितने प्लेनर या पॉसिबल है मैंने कहा देखो एक बार ए के सामने बी रख देना यहाँ सी डी रख दो यहाँ सी डी रख दो एक आइसोमर ये एक बार ए के सामने सी रख दो यहाँ बी डी रखो या बी डी रखो एक ही बात है एक बार ए के सामने डी रख दो यहां बी रखो सी रखो सी रखो बी रखो यानी कि तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है ये जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिस इज जेई मेंस का पीवाईक्यू क्या ये बात चमकी सबको इज दिस क्लियर 97 टॉपिक्स कंप्लीटेड ऑक्टाहेड्रल में देखो 98th टॉपिक ऑक्टाहेड्रल खुद से करोगे डरना नहीं है एम ए 4 बी 2 एम ए फोर बी टू मैम चार ए इन द प्लेन ऑफ पेपर रखो दो बी ऊपर और नीचे ये देखो ये ट्रांस कह दूंगी मैं ट्रांस या फिर मैम दोनों बी को पास पास रख दो इसको मैं सिस कह दूं तो अगर मुझे सिस और ट्रांस दिख गया तो मैंने कहा कि मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है दिखा मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ऑप्टिकल में क्या देखना था ऑप्टिकल में देखना है देर शुड नॉट बी प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने कहा हाय हाय मैम ये देखो एक प्लेन है जो ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा है तो तो ये ऑप्टिकली तो इनएक्टिव है मैंने कहा मैम ये देखो प्लेन ऊपर भी ए है नीचे भी ए है मतलब ये भी क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव यही करना था तुम तो ऐसे ही जी आई से डरते हो जी आई से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कितना हो गया बी नाइनटी नाइन जेई मेन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का अभी वो डालूंगी टॉप पीवाईक्यू क्यू तो तुम करना देखो एम ए थ्री बी थ्री देखना हा ए थ्री बी थ्री मतलब दो लीगेंड, दो टाइप के लीगेंड है एक ए एक बी मैंने कहा ये देखो मैम तीन ए को ऐसे लगाओ तीन बी को ऐसे लगाओ या फिर मैंने कहा देखो मैम तीन ए को ऐसे लगाओ तीन बी को ऐसे लगाओ देखो तुमको मैं चमकाती हूं कैसे ये देखो ये देखो ऐसे कर लेना एक ट्राइंगुलर प्लेन एक ट्राइंगुलर प्लेन दो पैरेलल ट्राइंगल दिखे इसको बोलते हैं फेक, दिस इस फेक अब ट्राइंगल बनाओ दो इंटरसेक्टिंग ट्राइंगल बने इसको बोलते हैं मर तो मेरे पास एक है फेक एक है मर और यहां पर ये दोनों एक दूसरे के क्या है दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर यहां पे जी आई दिखाई दे रहा है आगे देखो कौन सा था बी हंड्रथ टॉपिक ये मैं करके दिखाती हूं बहुत ही प्यारा है यार इससे मुझे अलग से प्यार है एम ए एम ए ए टू बी टू इसका एग्जाम्पल ले रही हूं मान लो मेटल पे दो इथिलीन डायमीन लगे हुए हैं दो सी एन लगे हुए हैं कुछ ऐसा इसको बोलते हैं एम ए टू बी टू कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना डरना मत इसको एम ए टू बी टू की फॉर्म में लिख दो मैंने कहा एक मिनट दो और दो चार और दो कोऑर्डिनेशन नंबर छे है इतना पता होना चाहिए बना लो ऐसे हम नहीं डरते भाई बना लिया सामने देखो मैंने कहा मैम एक बात बताओ ए ए को या तो ऐसे रख दो भाई ये दोनों चिपके हुए ना चीलेटेड है और दोनों बी को यहाँ रख दो दोनों बी को यहाँ रख दो हाय हाय मैम क्या आपको नजर आ रहा है इज अ प्लेन ऑफ पेपर और मॉलिक्यूल ऊपर नीचे दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो ये देखो ये है मेरा ट्रांस ये है तो ट्रांस मगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है दिखा सिस 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 का बनाओ मैम आप एक काम करो ए को को यहां 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 रखो 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 बी को यहां रखो। देखो सिस। दिखा, सिस। अब मैं बताती हूं दुनिया के मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं उनको दिखता है मैम ये देखो एक प्लेन ऑफ पेपर ये मॉलिक्यूल ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है यही पे सबसे गंदी गलती करते हैं बच्चे उनको दिखता है एक प्लेन ऑफ पेपर जो बी बी ये ये, ये 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 अरे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को मैं एक और पन्ना लेके एक्सप्लेन करना चाहूंगी टू एक्सप्लेन दिस सामने देखिए देखना हा मेरे पास मेटल है ये ऊपर ये नीचे यहाँ पे बी है यहाँ बी है क्या आपको नजर आ रहा है मैम ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है बट पीछे है है तो इन द प्लेन ऑफ पेपर बट पीछे ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है बट आगे की साइड है ये है, ये ऊपर ऊपर है, है। तो एक ऐसे बना है एक ऐसे बना है। मुझे बताओ कहीं पर तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूं ये देखो देखना हम ये मेटल सेंटर में मेटल है एक भी यहां है एक भी यहां है ठीक है एक भी यहां एक भी यहां एक ए ए पॉइंट पॉइंट यहां यहां एक यहां। एक बॉन्ड तुमने ऐसे बनाया ऊपर की तरफ एक ए बॉन्ड तुमने नीचे की तरफ बनाया अब मेरे को बताओ तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से दिखी तुमने 2D में सोचा कि ये प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है मैंने कहा नहीं है ये है ऐसे बाहर की साइड ये है नीचे की साइड तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं अब पेपर में इतनी मेहनत करना जरूरी नहीं होता मैं तुम्हें बताऊं वो जो वो नहीं होती घास काटने वाली मशीन देखी तुमने घास काटने वाली मशीन देखी है तुमने कैसे होती है ऐसे 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 करते हैं ये तुम्हें घास काटने वाली मशीन नहीं दिख रही है ये देखो घास काटने वाली मशीन दिख रही है या फिर मैं गाना गाती हूँ पंची बना उड़ता फिर मस्त मगन में ये पंछी नहीं दिखाई दे रहा इसके दो ऐसे ऐसे से करके जा रहा है तो अब तुम जैसे मर्जी देख लो बच्चों इसके अंदर देर इज नो प्लेन ऑफ सिमिट्री और अगर कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव पेपर में इतना दिमाग मत लगाने बैठना ये ऐसे ये ऐसे ये टाइम पास होता है ये बे मतलब की विजुअलाइजेशन पेपर में कोई काम नहीं आती है है ना

ये ऑप्टिकली तो ही फॉर्म गिना जाएगा और ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक ये और एक इसका भाई बंधु दूसरा फॉर्म भी होगा तो टोटल ऑप्टिकल मेंस के पेपर में कोई तुमसे सवाल नहीं पूछेगा इस बात की गारंटी मैं लेने को तैयार हूं ये थे मेरे बुलंद के हंड्रेड टॉपिक्स जो मैंने आपको कराए अब मुझे बताओ क्या ये बातें चमकी सबको ठीक है मैम बच्चे बीच से सिमिट्री नहीं है ये तुम्हें टू डी में दिख रहा है कि सिमिट्री है दिस इज नॉट सिमिट्री अब ये मैं तुम्हें सिखा सकती हूं ये देखो ये ऊपर वाला बॉन्ड आगे की तरफ है है ना तुम्हारे लिए सिमिट्री क्या था ये तुम्हारे लिए ये प्लेन ऑफ पेपर सिमिट्री है, है ना तुम्हें ये प्लेन ऑफ पेपर सिमिट्री दिख रहा था अगर ये ऐसे है तो सिमिट्री तब होती ना जब नीचे वाला भी ऐसे होता बच्चे ऊपर से ऐसे है नीचे से पीछे की साइड है ये देखो इस साइड है इस साइड तो ये सिमेट्री नहीं है चमका हांजी तो यहां तक मेरा हो चुका है बुलंद के टॉप हंड्रेड टॉपिक्स अब वैसे तो देखो मैंने आपको हर चीज सर आपने आती मतलब कैमरा जोर से हिला दिया हमारा वन सेकेंड

एंड yes आज तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा मतलब है ना काफ़ी अच्छा खासा खींच दिया है मतलब मोर देन एट आवर्स तो मतलब क्या ही कहे ठीक है तो कल की स्लाइड्स भी काफ़ी अच्छी खासी है मतलब ऑलमोस्ट लाइक हंड्रेड प्लस क्वेश्चन आर देर टू हंड्रेड प्लस स्लाइड्स आर देर है ना तो सौ सवाल करने के लिए रेडी हो जाना कल भी ठीक है तो आज

तुम्हें कैसे एक बीटीएस मैं कल करूंगी सर तो देखो लॉगिंग करते नहीं है मेरे कोई करनी पड़ेगी ठीक है तो मैं कल करूंगी चलो ठीक है हाँ अच्छा तो सर ने सही टाइम पे एंट्री मारी थी खैर <laughs> तो हाँ, तो पता चल गया कि सर का सर कल कैलकुलस है ना आपका कल कैलकुलस में मचा देना सर कितने सवाल आएंगे मैंने मतलब आज नौ दस सवालों की करा दी पूरी सवाल कैलकुलस के कितने सवाल आते हैं भाई साहब फोर्टी परसेंट तुम्हारा कैलकुलस है कल तो भाई कल के लिए एनर्जी बचा के रखो खैर देखो मैंने तुम्हारे लिए और भी सोचा था कि हम कंटिन्यू करेंगे अगर टाइम बचेगा डिपेंडिंग अपॉन टाइम ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है मगर ये वही चीज़ें हैं देखो कुछ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको नहीं कराना ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑलरेडी मैं वन शॉट आप बच्चों के साथ ले चुकी हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर रिवाइज एंसीआरटी के अकॉर्डिंग करना है तो वो जितना मैंने आज प्रियोडिक में कराया उससे ज़्यादा नहीं करना उसकी टेंशन मत लो अगर तुम चाहते हो कि नहीं हमें डिटेल में पी ब्लॉक करना है तो मैंने वन शॉट लिया था वहां से देख सकते हो अब देखो मतलब अभी मेरे पास समय होता और कल तुम्हारा वन शॉट ना होता तो मैं जेनविनली आगे कंटिन्यू कर लेती मुझे लिटरली कोई दिक्कत नहीं है बट इट इज़ जस्ट लाइक कि अभी जो पांच दिन पहले चीज़ कराई थी उसको मैं दोबारा यहाँ पे सेम तरीके से कराऊँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हाँ सॉल्ट एनालिसिस का भी सुन लो सॉल्ट एनालिसिस भी जो मेन मेन लेवल का था ना वो आज मैंने इंक्लूड करा जान के इंक्लूड किया वो किया था ना कॉपर टू प्लस का फिर ए जी एन थ्री की रिएक्शन एस टू ओ थ्री टू माइनस के साथ तो अगर डी एंड एफ ब्लॉक का क्वालिटेटिव पार्ट आएगा वो हमने आज कंप्लीट कर लिया निश्चिंत रहो बट अगर फिर भी तुम चाहते हो नहीं मैम हमें प्योरली क्वालिटेटिव करना है तो उसका वन शॉट भी मैंने लिया था आपका आज पढ़ा भी दूंगी तो अभी सेम स्लाइड्स यूज करूंगी क्योंकि अभी पाँच दस दिन पहले ही वो स्लाइड्स तुम्हारे लिए बनाई थी तो वो दोनों सेम ही चीज़ें हैं तुमने आज इनऑर्गेनिक मेजर एंड आई स्टिल से दिस थिंग कि आठ अगर नौ सवाल आएंगे ना तो आठ सवाल मैंने तुम्हारे पक्के करा दिए इस बात की प्रूफ मैं अभी तुम्हें देती हूँ जैसे ही ये सेशन खत्म होगा मतलब मेरे को थोड़ा सा टाइम दे देना दे घर जाके करूंगी अब ठीक है अब बस होगी मेरी तो जैसे ही सेशन खत्म होगा इसके बाद मैं आपके साथ टॉप पी वाई क्यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शेयर कर दूंगी एंड यू नीड टू डू इट मचा देना सिक्सटी फोर पीवाई क्यूज है फोड़ देना मतलब कर दो पेपर सिक्सटी फोर क्वेश्चन जब तुम कर लोगे ना भाई साहब तुम्हारे अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग होगा मतलब अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि मुश्किल से मुश्किल पी वाई क्यू भी जो आते हैं वो वही हैं जो तुम कल करोगे और उसके बाद तुम डिसाइड करना ठीक है ना कि और आगे क्या करना है ठीक है हाँ तो इसका पी जैसे ही हमारा सेशन खत्म हो जाता है आप देख लो नहीं तो फिर मेल पे मेल करते हो फिर मैं कितनों को रिप्लाई करूँ सुन लो आप वोरा क्लासेस की ऐप पे जाओगे ठीक है जो हमारी ऐप है इस पे जाओगे वहां पर फ्री बैचेस करके एक आता है फ्री बैचेस करके एक फोल्डर आएगा फ्री बैचेस में बुलंद करके फोल्डर आएगा अब ये इंग्लिश में लिखा है हिंदी में लिखा है मेरे को ध्यान नहीं यही चेक करना पड़ेगा मेरे को ये बुलंद करके फोल्डर आएगा उस फोल्डर के अंदर आपको आज वाले सेशन का लिंक भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी मगर 10 से 15 मिनट के बाद ताकि है ना मैं थोड़ा पानी वानी पी के फिर ये काम करूँगी क्योंकि अब हमारे ऑफिस में कोई नहीं है सब चले गए हैं ठीक है मतलब यहाँ पे लोग हमें क्या कहते हैं वो सन्यासी लोग हमें कहा जाता है कि हम सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे रात के आठ नौ साढ़े नौ दस बजे तक भटक रहे होते हैं यहाँ पे ठीक है तो ये हमें खुद करना पड़ेगा ये मैं कर दूंगी एंड यहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ का जो लिंक है जो आपको टॉप पी वाई क्यू का टॉप पी वाई क्यू का टॉप सिक्सटी फोर इनऑर्गेनिक के जो पी वाई क्यू उसका लिंक वो है वो भी पहले आप वोरा क्लासेस की ऐप पे जाओगे फ्री बैचेस पे जाओगे वहाँ पे बुलंद की बजाय टॉप पीवाईक्यू पे क्यू जाओगे वहाँ पर उसका लिंक भी मिल जाएगा पीडीएफ भी मिल जाएगा ठीक है सबको चमक गया सो so, ये था मेरा एक छोटा सा स्टेप आप लोगों के टूवर्ड्स एंड आई होप ये जो मैंने कोशिश करी छोटी सी ये आप बच्चों को पसंद आई होगी और अगर ये कोशिश अच्छी लगी है पसंद आई है तो डेफिनेटली है हाँ ना मुझे चैट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट्स के अंदर आज एक छोटी सी चीज़ सब बच्चों से चाहिए हैश टैग बुलंद तैयारी इस बुलंद हौसला बस ये छोटी सी चीज़ आज मेरे लिए चैट्स में लिख देना क्योंकि मेरे को यार एनर्जी चाहिए ठीक है ना मेरे को अगला वन शॉट प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो मुझे तुम्हारे एंथो से मिलती है तो आज जिसको भी सेशन पसंद आया एक तो लाइक करना ज़रूरी है ठीक है और कोई तुम्हारे भूले भटके दोस्त हो जिनको लगता है कि यार हमें डर लग रहा है उनके साथ शेयर कर दो चैनल को भी और ये सेशन को भी ठीक है और बस आज मुझे कमेंट्स में हैश टैग बुलंद तैयारी चाहिए क्योंकि मेरा हर वी कॉन्फिडेंट होना चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग मगर मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आनी चाहिए बस यही मेरा प्रण है मैंने कल ही जब हमने ये पूरे इस सीरीज़ के बारे में प्लान किया सोचा तो इसके पीछे एक ही व्यू था कि हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए मेरे हर वी का सिलेक्शन होगा मुझे इस बात का विश्वास है मगर मेरे बच्चों का सिलेक्शन तभी होगा ना जब वो बच्चे कॉन्फिडेंटली पेपर देने जाएंगे एक बीगी बिल्ली बन के तुम पेपर देने जाओगे आधा तो तुम वहीं हार जाते हो जब दूसरे वाला से टिक 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 कर रहा होगा ना कंप्यूटर पे बैठ के तो तुम उसको देख के डर जाते हो भाई साहब ऐसी दहाड़ लगाना ना पेपर के दिन कि चार लोग और कहें कि कहाँ से पड़ा था भाई ठीक है और उस दिन जब पूछे ना कहाँ से पढ़ा था तो आवाज़ आनी चाहिए वी से पढ़ा था और ये दहाड़ मुझे चाहिए और ये दहाड़ तभी आएगी जब मेहनत करोगे जब हम मेहनत करने पे उतर आए ना तो भाई साहब तुम पीछे नहीं हट सकते तुम पीछे हटे तो तुम देखना बहुत सुनोगे जितने प्यार से तुम्हारे लिए काम करते हैं ना उतने गंदी वाली डांट भी लगा सकते हैं समझ लेना ठीक है ना हम फिर ऐसे पराए बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं कि ठीक है भाई लगा दिया सेशन हो गया है ना कॉपी मार ली देख ले ना नान ना कर रहे हैं तो फिर पूरा कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं और जिस दिन डांटेंगे तो पूरा डांटेंगे ठीक है और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन आ, मिठाई भी मतलब फिर पूरी दुनिया में बांटेंगे हाँ रिजल्ट तो तब आएगा गूगल फॉर्म भर दो जो नीचे दिया है चैच्स में मतलब डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको सब बच्चे जरूर भर दें ठीक है वी हैव समथिंग गुड फॉर ऑल ऑफ यू इन आर माइंड एंड वी आर वर्किंग ऑन द सेम बट गिव अस सम टाइम उसके बाद वो चीज़ भी आपको बताएंगे कि क्या प्लान कर रहे थे धीरे धीरे करेंगे सब कुछ एक साथ ना हो पाएगा ठीक है चलिए सो थैंक यू सो मच वंस अगैन टू ऑल माई वी जिन बच्चों ने बारह बजे से लेके आठ बज के बीस मिनट तक इस सेशन को फॉलो किया है टू गुड मतलब तुम लोग का एंथो वॉज अलग लेवल बस इसी एंथो को बनाए रखना इक्कीस जनवरी तक आई थिंक हम कोशिश करेंगे बीस या इक्कीस जनवरी तक आपके सेशंस जो चलेंगे बस उसको रेगुलरली फॉलो करना और दोबारा अपने आप पे डाउट मत करना कि मैम मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं मुझे 15 दिन के लिए बस एक ही चीज़ चाहिए कि हैश हम बुलंद तैयारी करेंगे बस हम डरेंगे नहीं हम बस तैयारी करेंगे सिलेक्शन के बारे में पंद्रह दिन बाद सोचेंगे जिस दिन पेपर हो जाएगा ना उसके बाद सोचेंगे सिलेक्शन होगा या नहीं अभी फल की इच्छा ना करके सिर्फ मेहनत करेंगे सिर्फ मेहनत करेंगे एंड सिलेक्शन की चिंता अभी नहीं करनी है ठीक है सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच एंड आई बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय